ख्वाहिश जोश मार रही है मसनवी की तकमील के लिए छठा दफ्तर पेश करता हूँ इन छः दफ्तरों से शश जिहात में अपना नूर फैला दे असल मकसद तो इश्क के हक करब हक है और इश्क को पांच या छः दफ्तरों से सरोकार नहीं है मकसद पूरा होना चाहिए छठा दफ्तर इसलिए शुरू किया जा रहा है कि शायद कुछ खास असरार बयान करने की इजाजत हासिल हो जाए अल्लाह का हुक्म है कि लोगों को दावत हक दी जाए दावत देने वाले को इससे गरज नहीं कि कोई इसे इस कबूल करता है या नहीं हजरत नूल सलाम 900 साल तक दावत देते रहे और आप आपकी की कौम का इनकार भी बढ़ता रहा लेकिन वह दावत देने से ना रुके काफिला कुत्तों के बौंकने से रुकता नहीं है चौदहवीं का चांद कुत्तों के बौंकने से अपनी रफ्तार कम नहीं करता कुदरत ने हर इंसान को उसकी इस्तदाद के मुताबिक एक काम पर लगा दिया है उससे मकसद उसकी आजमाइश है सलाम की कौम का इनकार जिस कदर बड़ा कुदरत ने हज़रत सलाम पर इसी कदर ज्यादा नवाजिश कर दी जिस कदर सख्त मुनकरीन होते हैं उसी कदर अज़म नबी उनकी तरफ भेजा जाता है चूंकि उस नबी का बहर हकीकी से राबिदा होता है वो अकेला करोड़ों पर भारी होता है हक ताला को एक बहर करार देना एक नाक तबीर है वरना खस को यानी दरिया को अखस यानी हक ताला से कोई नस्बत नहीं है मुनकरीन के इनकार की वजह से असरार का बयान नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि दावत को कबूल करने वालों को दावत खूब पसंद आती है हर चीज़ फितरत के तकाजों के मुताबिक काम अंजाम दे रही है निजासत हमें नापाक बनाती है तो पानी पाक कर देता है खसो खशाक अपना काम करते हैं तो आग अपना काम करती है मुनकरीन की शरारतों का तोड़ दाइयों की दावत खैर कर देती है इसलिए मुफसदों की वजह से तबलीग को तर्क नहीं करना चाहिए ये 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 अमकान मुख्तलिफ अज़ा का मजमू है एक जर्रे को दूसरे ज़र्रे से वही नस्बत है जो दीन को कुफर से ज़र्रात का अख्तिलाफ अल्लाह के मुख्तलिफ आसमां और सिफात का मजहर होने की वजह से है अगर ज़र्रे को फना हासिल हो जाए तो अख्तिलाफ तभी उस जर्रे की तरफ मनसूब नहीं रहता अगर जर्र महब हो जाए तो उसके अफाल सूरज की तरफ मनसूब होंगे अगर इंसान अपने हवाल पर नज़र रखे तो दूसरों से जंग करने में मशगूल ना हो आलिम आखरत की तरकीब अजदाद से नहीं है इसीलिए उसमें बका है इस दुनिया की फना इसदाद की वजह से है आलिम आखरत में वसल है और आलम दुनिया में, में हिचर फराक याद रखो रूह का तिकाज़ा इख्लाफ नहीं है उसमें किबरियाई इखलाक हैं जो इतिहाद पैदा करते हैं रसूल इस दुनिया में इतिहाद पैदा करने के लिए ही जंगें करते हैं वह जंगें फित को ख़त्म करने के लिए होती हैं ना कि अपनी ज़ात के लिए उन जंगों के फजाइल जो मैत हक के साथ होते हैं दरियाए ना पैदा किनार हैं उनकी पूरी फजीलत बयान नहीं की जा सकती हाँ बेकदर जरूरत बयान जरूरी है अगर ये मकसद हासिल करना है तो मसनू की सैर कर और इसके मानी पर गौर कर गौर करने के बाद कहने वाले सुनने वाला और हरूफ सब हकीकत बन जाते हैं मिसाल यह है कि रोटी देने वाला रोटी लेने वाला और रोटी अपनी सूरतें ख़त्म कर देने के बाद खाक बन जाती हैं सूरत के फना होने के बाद रूह हमेशा के लिए सूरत से अलहदा नहीं होती हजरत हक ताला उसको अनायत करते रहते हैं कभी हुक्म होता है कि जिसमों में जा कभी उसे उनसे अलहदा कर दिया जाता है जिसम मादी होने की वजह से बाहरगाह से बाहर है और रूह का रुतबा बारगाह के अंदर है रूह के जिसम में आने जाने की पूरी कैफियत अवाम की अकूल से बाला है अल्लाह तलाफाज के मानी के सपस्तान पैदा फरमा देता है और उस्मानी के बाग को रूफ यानी जिस्म के अब्र में पोशीदा कर देता है लोगों तक सिर्फ उनकी खुशबू पहुंचती है अगर असरार यानी रूह की खुशबू तुम तक पहुंचे तो उसको खूब खेच उस खुशबू की हिफाजत कर और अपने आप को ज़ुकाम यानी दूरी से बचा जो कि अवाम की खलत मलत से पैदा होता है अवाम की सहबत इंसान को उस इनाम से रोके रखती है अगर रोक महसूस करो तो किसी साहिब दर्द के पास जाओ इस सूरज की हरारत से रोक दूर हो जाएगी औलिया रमतल की सोहबत एक सूरज है जो अतराफ या जात के किसी कहर की पाबंद नहीं है हजरत इब्राहिम सलाम ने फरमाया था कि मैं ग्रूप हो जाने वालों को पसंद नहीं करता सूरज चांद सितारों की अफादियत अपनी जगह है लेकिन ये मौसर हकीकी तो नहीं है रोटी में फवाद हैं लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हलाक कर देता है मुनकर पर किसी की नसीहत असर नहीं करती हाँ अगर खुदा उसके कान खोल दे तो जरूर असर करने लगेगी दोस्त की नसीहत उसी पर असर करती है जो वही का मुश्ताक हो हमें साहब दर्द की नसीहत की तरफ रुजू करना चाहिए ताकि हलाकत से बच जाए रूह लामकानी चीज़ है वो किसी मकान की पाबंद नहीं रूह की मिसालें तो कमजोर अकल वालों को समझाने के लिए होती हैं ये खूब समझ लो तन परवरी रूह परवरी नहीं है तन परवर सिर्फ अकल मुआश रखता है और अकले मदद से बिल्कुल महरूम है वह खुदनुमाई और दावे करने का मुश्ताक होता है लेकिन हक से बावफा नहीं होता जब इंसान खसलत बन जाता है तो उसकी बुराईया बलायों में तब्दील कर दी जाती हैं खुद ही बुरी चीज है लेकिन जब उसका रूह से हो जाए बली बन जाती है जमात नबात में तब्दील होता है तो तरक्की करता है निबात रूह से तल्लु पैदा कर लेती है तो फजीलत वाली हो जाती है और रूह जब अपना तल्लुक रूहुल अरवाह से कर लेती है तो बाकी हो जाती है जल्द शशम हिकायत नंबर दो एक साइल का एक हाफज से सवाल करना कि जो परिंदा अहाता में बैठा है उसका सर फाजिल और ज्यादा शरीफ है या उसकी दुम हाफिज का साइल की अकल के मुताबिक जवाब देना एक दिन एक साइल ने वाइस से सवाल किया कि अगर किला की दीवार पर एक परिंदा बैठा हो तो उसके सर और दुम में से कौन अफसल है उसने कहा अगर इसका मुंह शहर की तरफ है तो सारा अच्छा है और अगर तुम शहर की तरफ है तो तुम अच्छी है क्योंकि हर चीज अपने अफजल की मैत से मजीद फजीलत हासिल कर लेती है इंसान का पर हिम्मत है इंसान के खैर और शर को ना देख उसकी हिम्मत को देख बास अगर चूहे का शिकार करे तो जलील है और चुगत बादशाह की तरफ नजर रखे तो शरीफ है वह शेर जो मुर्दा गधे का शिकार करे कुत्ता है और अगर कुत्ता चीते का शिकार करे तो शेर है इंसान जिसकी सरिश्त मिट्टी और पानी से है अपनी हिम्मत की वजह से बुलंद है कुरान में है कि हमने बनी आदम को मुकर्रम किया इंसान की वो खसूसियात जो जमीन व आसमान को हासिल नहीं उसकी हिम्मत की वजह से हैं हमाम में लगी हुई तस्वीरों की बजाय अगर बदसूरत बुढ़िया नजर आए तो लोग उसकी तरफ मायल हो जाएंगे इस मिलान की वजह उनका हिस्सो ही है बुढ़िया में रूह जान है जो तस्वीरों में नहीं है अगर हमाम की तस्वीरें बारू हो जाएं, तो बुढ़िया की तरफ कोई देखे भी नहीं जान इधराक रखती है भला बुरा समझती है इंसान से खुश और नुकसान से गमकीन होती है लेकिन जो जान ज्यादा बाखबर होगी वो ज्यादा कवि होगी जो रू आगाही में सबसे बड़ी होगी वही खुदाई ही रूह होगी जिसमें रहम और एहसास का मादा नहीं वो पत्थर है इसी तरह रूह अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाती है हर चीज उसकी ताबे बन जाती है शैतान ने रूह से वासीदा मुनकता कर लिया वो एक मुर्दा उजव बन गया जो उजव टूट जाता है वह रूह से खाली हो जाता है शैतान की नाफरमानी का एक और राज भी है जो अवा में बयान नहीं किया जा सकता देख लो हक ताला की एक सिफते मुजिल भी है उसका मजहर भी जरूरी था इसलिए उसने शैतान को पैदा फरमाया खसान खुदा के लिए असरार की गजा अल्लाह ने बिकसरत पैदा फरमाई है अवाम उस तरफ तवज्जो नहीं देते जो शख्स सिर्फ लफ्जों का भिकारी है उसे मानी का लुत्फ हासिल नहीं होता अगर बे इस्ताद लोग आजूर सल्लास का तरीका इख्तियार कर लें तो हो सकता है उनमें यह खूबी पैदा हो जाए और उन पर लगे हुए कुफल खुल जाए हजूर सल्लास दोनों जहानों के शफी हैं दुनिया में उन सल्लाम की सिफारिश से असरार दीन तक लोगों की रिसाई हुई है और आखिरत में दीदार खुदावद्दी भी उन्हीं की सिफारिश से होगा हज़ुर वसल्लम ने इसीलिए फरमाया ए खुदा मेरी कौम को हिदायत दे कि ये मुझे पहचानती नहीं हजूर सल्लाम को खातमनबीन सिर्फ इसलिए नहीं कहा गया है कि आप सल्लाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा बल्कि इसलिए भी कहा गया है कि फैज़ रिसानी में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई हुआ है और ना होगा जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिम जमानी है इसी तरह आप कमालत के भी खातिम हैं हजूर सल्लाम को मोहरों यानी कुफलों को खोलने में इस दर्जा कमाल था कि आप सल्लाम को खातिम कहा गया उनके जानशीन खा किसी मुल्क के हों आपकी रूहानी औलाद है किसी दरख्त की कलम चाहे कहीं लगाओ उसी दरख्त का फर्द है ऐब ढूंढने वाले बुजुर्गों के फैस से महरूम रहते हैं जैसे चमगादड़ सूरज की रोशनी से माहरूम है जल्द शशम हत नंबर तीन पुरानी इज्जतों की बुराई जो ईमान के जौक से बाने हैं और सच्चाई के जौफ की दलील है लाखों बेवकूफों के लिए राहसन है जिस तरह हेजड़े बकरियों से डर के इसी तरह कम हिम्मत लोग अपने चाह नमूज के ख्याल से हक कबूल करने से डरते हैं हक एजयाल्हक हस्साम रहतुल्ल मसनवी को कुशादा मैदान दे दीजिए दुनिया में आप खिजर सलाम की तरह है कि परेशान हालों की हौसला अफसाई और बेकसों की दस्तगिरी करते हैं लोगों की नज़र बद के डर से मैं आपके मामूली अहवाल का जिक्र नहीं करता हूं लोगों के लिए उनकी नजर बद भी इश्क से माने बनी है अबू तालिब लोगों के तानो तशनी की वजह से ईमान न लाए कि लोग कहेंगे सरदारी खाक में मिला सल्लल्लाहु हजूर सल्लाम ने फरमाया चा चुपके से कल मैं शहादत पढ़ लीजिए मुझे आपकी सिफारिश का हक हो जाएगा अबू तालब बोले राज राज ना रहेगा मशहूर हो जाएगा मैं हमेशा अरबों की जुबान में बदनाम रहूंगा और जलील हो जाऊंगा अगर उनके दिल पर अजली मेहरबानी होती तो हक के जज्बे के सामने ये दिली कभी ना होती इख्तियार के दौराहे से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि आसमान भी परेशान है दौराहे से बेहतर है कि अल्लाह एक सराते मुस्तकीम की हिदायत फरमा दे अगर चियासी और मती दोनों इलाही का मजहर है लेकिन तशरीन मतलूब इतात है मासीत का ताल्लुक कहर से है और अदात का महर से लिहाजा दोनों यकसा नहीं है कुरान में जो अमानत आसमानों और जमीनों ने लेने से इनकार कर दिया वो यही इख्तियार का दौरा ही था क्योंकि इससे इंसान खौफ और भलाई की बाहमी कश्म कश्म में फंस जाता है तरद की हालत में अल्लाह ही अपना रहम फरमाए जिल्द शशम हिकायत नंबर चार दुआ और अल्लाह से पनाह ढूंढना इख्तियार के फितने से और इख्तियार के सबाब के फितने से क्योंकि आसमान और जमीन इख्तियार और इसबाब के फितना से खौफ खा गए और आदमी की जबिलत इख्तियार और उसके इसबाब के तलब करने में लालची हो गए बीमार अपना इख्तियार कम देखता है तो शफा चाहता है क्योंकि वो इख्तियार का सबब है ओहदा चाहता है ताकि उसका इख्तियार बढ़े पहली उम्मतों पर कहर का नजूल इख्तियार और उसके इसबाब की ज्यादती पर हुआ कभी किसी ने कोई भूखा और बेसर वामान फ्र नहीं देखा अय मेहरबान करीम बड़ी खैर वाले बादशाह मुझे ये मद्दोजर तो तुझे से मिला है वरना पहले तो मैं एक साकिन समंदर था जहां से तूने मुझे तरद दिया है वहीं से बेतरदुदी कर दिया तरद जिसमें हर राह पर चलने का इख्तियार हो अल्लाह की जानब से एक आजमाइश है इस मुकाम पर बड़े बड़े बहादुर नाकाम हो गए इंसान पर इख्तियार इस तरह लदा हुआ है जैसे ऊँट पर पालान ये इख्तियार कभी इंसान को भलाई की तरफ ले जाता है कभी बुराई की तरफ असहाब कहाव का सोना खुदा के हुक्म से था लिहाजा वह उस गैर इख्तियारी हालत में था इंसान आलम की जिंदगी भूला हुआ है हाँ नींद में उस तरफ मुंतकिल हो जाता है यानी बे अख्तियार होकर उस आलम का मजा चख लेता है यह बेखुदी हासिल करने के लिए इंसान नशे करता है या नगमे वगैरह सुनता है जब इंसान महसूस करता है कि खुद ही एक जाल है तो इसलिए किसी मस्ती के जरिए बेखुदी इख्तियार करता है मैं से गर्ज निशात है किस रूह सयाह को एक गोना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए जो मस्ती और इस तगरा की इबादत के जरिए पैदा होता है उसमें दवाम होता है लेकिन किसी मासियत से पैदाशुदा मस्ती आरजी होती है जो मस्ती और बेखुदी इबादत से हासिल होती है उसमें मुशाहिद हक होता है किसी वली को मिराज रूहानी और आलिम मलकूत की सैर उसी वक़्त मुयसर आती है जब जज्बे इलाही हो उस फना के बाद ही बका का दर्जा जाता है अजाज ने अगर अपनी पोस्तीन और चप्पल महफूज रखे थे तो सिर्फ इसीलिए कि नयाजमंदी हासिल हो जो फना और नीस्ती का सबब है वो किब्र से डरता था इसलिए नीस्ती के असवाब उसको पसंद थे वो अपनी हस्ती से गुम हो चुका था और किब्र और नफ्स को फना कर चुका था यह भी हो सकता है कि वो ऐसा दूसरों की तालीम के लिए करता हो यह भी हो सकता है कि अभी फना के मुरातब में कमी हो और उसकी तकमील के लिए ये करता हो वो चाहता था कि नियदी की खुशबू से रूह की जिंदगी की नसीम और ऐश उसको हासिल हो जाए और उन लोगों की खुशबू उसको हासिल हो जाए जो अपने आप को फना करके ज़िंदगी हासिल कर चुके हैं दुनिया का मालो दौलत फानी की जंग की सुबह रवि के लिए माने बनता है अयास इस कैफियत को दूर करता था दुनिया की दौलतें सोने की जंजीरें हैं जिनके जाहिर की चमक को देखकर इंसान उनमें अपने आप को मुक्त कर लेता है लेकिन उसके अंजाम से कि वो कु के सुराख में मुक्त हो रहा है गाफिल रहता है दुनिया का जाहिर खुशनुमा है लेकिन उसमें जहर भरा हुआ है मोमिन को दुनिया का जहन्नुम अगरचे नुकसान नहीं पहुंचा सकता बहरहाल जन्नत उससे बेहतर है चूंकि कामिलों के लिए भी दुनिया से एतराज बेहतर है तो ना के लिए तो वह बिल्कुल तबाही का सबब है जल्द शशम हकायत नंबर पांच उस हिंदी गुलाम की हिकायत, जो अपनी आका आजादी से मख्ती तौर पर मोहब्बत रखता था जब लड़की का किसी अमीर ज्यादा से निकाह हुआ तो गुलाम को मालूम हो गया वो बीमार पड़ गया और पिघलता गया कोई शख्स उसकी बीमारी नहीं समझता था और उसमें कहने की हिम्मत न थी तबीब उसके इलाज से आजिजा गए और आका का तदबीर से उसका इलाज करना एक आका का हिंदुस्तानी गुलाम था जिसको उसने खूब पाला लिखाया और पढ़ाया साहब हुनर बना दिया आका की एक हमर बेटी थी जवान हुई तो तलबगार अपनी दरख्वास्तें लेकर आए सरदारों के बेटे अपने माल और गोड़ों वगैरह पर मकर होते थे बहुत से रईस ज्यादे अपने बुरे फाल की वजह से अपने वालिद के लिए आर होते हैं हुनरमंद भी अगर हासिद है तो अच्छा नहीं शैतान ने आदम की मट्टी के अलावा कुछ ना देखा जाहिर बीन की नजर पर होती है बातिन के बारे में वो दूसरे से पूछता है आरिफ तू खुद चमकता नूर है तू बताने वाले से बेनियाज है दीनों दुनिया की फलाह तकवा और नेकी से हासिल होती है आका ने बेटी के लिए एक नेक दामाद पसंद कर लिया औरतों ने कहा उसके पास माल नहीं है उसने कहा वो जाहिद और दीन का ताबे है इसलिए एक खजाना है रिश्ते की बात मशहूर हुई तो आका का गुलाम बीमार और कमजोर हो गया उसकी बीमारी किसी के समझ में नहीं आती थी गुलाम ने अपने हाल के बारे में दम न मारा कि वो लड़की के रिश्ता हो जाने की वजह से बीमार है खावंद ने अपनी बीवी से कहा तू लड़के की मां की तरह है उससे पूछ उसे क्या हो गया है उसने प्यार से पूछा वो बोला मुझे उम्मीद न थी कि आप बेटी को सरकश के साथ ब्याह देंगे बीवी को बहुत गुस्सा आया लेकिन उसने इसको काबू में कर लिया और आका से सब कुछ कह दिया वो बोला ये गुलाम खायन मालूम होता है लेकिन तू सबर कर और इसको कह दे कि हम लड़की को वहां से छुड़ा लेंगे और तुझे दे देंगे उसके दिल से ये बात निकल जाए तो मैं उसको दफा कर दूंगा बीवी ने गुलाम की वफादारी काबिलियत और हुनर की खूब तारीफ की जानवर तो चारे से मोटा होता है लेकिन इंसान अपनी बड़ाई की बातें सुनकर फूल जाता है चंद दिनों में गुलाम गुले सुर्ख की तरह हो गया आका ने जब देखा कि वह खूब मोटा हो गया है उसने लोगों की दावत की कि हम गुलाम की शादी कर रहे हैं गुलाम को यही ख्याल था कि उसकी शादी उनकी बेटी से हो रही है लेकिन आका ने दुल्हन के लिबास में एक तनोमंद लड़का कमरा में बिठा दिया शमे बुझा दी गई वो लड़का गुलाम को चिमट गया और रात भर उसको खूब जंजोड़ता मारता रहा गुलाम चीख रहा था लेकिन आका ने दफ और डोल बजाने वालों को शोर करने पर लगा रखा था गुलाम की चीहों की आवाज रात किसी ने ना सुनी सुबह उसे हमाम ले गए वो नीम मुर्दा हमाम में गया वापिस आया तो लड़की को दुल्हन के लिबास में उसके सामने बैठा दिया माँ भी साथ बैठ गई कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा फिर उसको धक्का दिया और यूं बोला कि दिन के वक्त तो तू तातारी खतून की तरह है लेकिन रात के वक्त तो मालूम होता था कि तेरा आला गेंडे के सिंह जैसा सख्त था इस दुनिया की तमाम नेमतें इम्तिहान से पहले दूर से बहुत अच्छी लगती हैं ये दुनिया खोसट बुढ़िया बहुत चापलूस है अपने आप को दुल्हन जाहिर करती है इससे दो का खा सब्र कर सब्र कुशादगी की कुंजी है जिलश हिकायत नंबर छः इस बयान में के धोखा उस हिंदी ही को ना था बल्कि हर आदमी ऐसे धोखे में हर वक्त हर मरहला में मुबतला है बजुज उसके जिसको अल्लाह बचाए खुदा की यता की हुई ताकतों को पूरे तौर पर काम न लाना कुफर है इस दुनिया में सरदारी और किसी तरह की बढ़ाई की ख्वाहिश न रख क्योंकि इसके पीछे तिरली मौत और दर्द पोशीदा है गुलाम बन जा जमीन पर अपने पांव पर चल दूसरों के कंधों पर सवारी ना कर ना शुक्रा इंसान सबको अपना गुलाम समझता है और मुर्दों की तरह लोगों के लिए बोझ बन गया है याद रख सरदारी तलब ना कर दरवेश बन जिस ओहदे पर तू अकड़ रहा है और जिससे शहर के मुशाबा समझ रहा है दरअसल वीराना है इसको धक्के दे दे ताकि मौत के बाद तू वीराने में पड़ाव न डाले हाँ हज़ूर सल्ला वसलम ने हज़रत हकीम इबन हज़ाम रजी अल्लाह नसीहत फरमाई कि अपनी तमाम ज़रूरियात का सवाल अल्लाह तला से करना चाहिए हाँ अगर अल्लाह का हुक्म हो तो दूसरों से भी मांगा जा सकता है जैसे हजूर सल अल्ला वसलम को हुक्म हुआ कि आप उनसे सदका वसूल कीजिए अमर खुदाबंदी के बाद सवाल बुरा नहीं ये नबियों का तरीका है अगर इंसान कलमात कुफरी अभी के लिए इख्तियार करे ईमान तो है जैसा कि बादशाह रजवान ताला अजमायन ने इस्लाम की मदद के लिए इख्तियार किए की, की खातिर कोई बुराई बुराई नहीं होती तू बाज बन जा शिकार करके बादशाह के हाथ पर आ बैठ अल्लाह की तरफ रजू हो जा अनाबत अल्लाह इख्तियार कर ताकि तुझे दुनिया में फंस कर आखिरत में अफसोस का सामना ना करना पड़े चोर को जब सजा मिलती है वो तो चोरी की लज्जत को धक्के देता है गमकीन को जिस चीज से गम पहुंचा हो वो उस चीज से दूर भागता है हर खताकार इसी तरह अपनी खता को धक्के देता है लेकिन फिर उस पर भूल तारी कर दी जाती है और फिर उसी खता का इरतकाब करता है हर इंसान जब कुदरत की मंशा के खिलाफ कोई काम करता है तो उस पर भूल तारी कर दी जाती है परवाना बार बार शमा की तरफ जाता है और कहता है कि बाजहर तू चांद की तरह रोशन है लेकिन तेरा कुर्ब जलाने वाला है तू दोस्ती में दुख है जल्द हिकायत नंबर सात इस आयत की तवील की वसत का बयान जब वो लड़ाई की आग भड़काते हैं अल्लाह उसको बुझा देता है इस आयत में बयान किया गया है कि जब कुफार अल्लाह की मंशा के खिलाफ मुसलमानों से जंग करने का इरादा करते हैं तो अल्लाह ताला उन पर भूलदारी कर देता है और उस लड़ाई की आग को बुझा देता है यही हाल हर इंसान का है जब वो कुदरत की मंशा के खिलाफ काम करता है तो उस पर भूल तारी करती जाती है एक किस्सा सुन लो एक चोर एक शरीफ आदमी के घर में आया। चोर के घुसने पर जब आहट हुई तो मकान के मालिक ने कपड़े का चीथड़ा उठाया ताकि चकमाक से आग जलाकर चीथड़े को रोशन करे और देखे कि घर में कौन है चोर उसके सामने चुपके से बैठ गया और जो ही चिंगारी कपड़े को लगती वो उसे चुपके से उंगली रखकर बुझा देता इसे महसूस ना हुआ कि चोर उसे बुझा रहा है इसी तरह अल्लाह ताला अपने मंशा के खिलाफ इरादा को गुनागार के दिल से मिटा देता है गुनागार ये नहीं समझता कि हर काम खुदाबंदी तसरफ से हो रहा है हर जानने वाला जानता है कि दिन रात बगैर खुदा की मर्जी के कैसे आ जा सकते हैं फलसफी जो अपनी अकल पर नाजा है महस अकली दलाइल से खुदा का कर इनकार करता है और अपनी बेअली को नहीं समझता कोई घर बगैर किसी के बनाए कब बनता है इसी तरह ये अजीम घर दुनिया बगैर किसी के बनाए कब बन सकती है बगैर किसी लिखने वाले के खत का लिखा जाना गैर मकूल बात है शमा के बारे में यह सोचना कि वो बगैर किसी के जलाए रोशन है नामनासिब है जब इंसान को ये मालूम हो गया कि उस पर कोई दूसरी ताकत मुसलत है तो फिर उसकी अदात करनी चाहिए नमरूद ने हज़रत इब्राहिम को आग में डाला उसी ने खुदा से जंग करने के लिए आसमान की तरफ तीर चलाए तू जितने चाहे तीर चला ले तो उस जात से बाग कर कहां जा सकता है उससे कैसे बच सकता है अल्लाह के हुक्म और मर्जी के खिलाफ आरजू करना भी इंसान का उससे भागने के मुतरफ है यह दुनिया जाल है और आरजू इसका दाना है हवा व हिरस से बच तकवा कर क्योंकि उसके बाद ही इंसान का दिल खुद ब खुद भलाई की तरफ रहनमाई करने लगता है हजूर सल्ला वसलम ने फरमाया तू अपने दिल से फतवा हासिल कर खा तुझे मुफ्ती कुछ फतवा दे अल्लाह को यह पसंद है कि इंसान दुनिया की हिरस और लालच को खत्म कर दे जब खुदा से गरीज मुमकिन नहीं है तो उसकी अतात कर जब इन बातों पर गौर करेगा तो फिर खुदा की जानब से इंसाफ खुद देख लेगा जिल्द शशुम इकात नंबर आठ बादशाह का उमरा और मतसबों पर फजीलत रुतबे और कुर्ब का सबब जाहिर करना और अयास का पोशाक का खर्चा हासिल करना ऐसे तरीके पर कि उनकी दलील और एतराज बाकी न रहा अमीरों ने बादशाह महमूद पर इतराज़ किया कि अयास को तीन अमीरों के बराबर तनख्वाह क्यों दी जाती है जबकि अयास के पास भी एक अकल है और दूसरों के पास भी एक बादशाह उन सबको एक दिन शिकार पर साथ ले गया बादशाह ने दूर से एक काफिला आता हुआ देखा एक अमीर से कहा कि मालूम करो ये काफिला कहां से आया है उसने वापिस आकर बताया कि शहर रई से आ रहा है बादशाह ने पूछा कहाँ जा रहा है वो आजिज रहा दूसरे से कहा कि मालूम करो कहाँ का इरादा है वो वापस आकर बोला यमन का पूछा उनके पास सामान क्या क्या है दूसरे से फिर पूछा कि वाजे तौर पर हर चीज क्यों मालूम नहीं की वो गया और वापिस आकर बताया कि हर किस्म की चीज है लेकिन ज्यादातर रे के प्याले हैं बादशाह ने पूछा वो रे से कब चले वो फिर जवाब ना दे सका अगले को भेजा कि मालूम करे तो वो वापिस आकर बोला आठ रजब को शाह ने पूछा रे में प्यालों का क्या भाव था वो जवाब ना दे सका अगर उन तीनों सरदारों में से कोई भी पूरी बात मालूम करके ना आया सुल्तान ने सरदारों से कहा एक रोज मैंने अजाज को ऐसी ही मालूम हासिल करने भेजा था वो अकेला तीनों के बराबर मालूम लेकर आया था जिल्द शशुम हिकायत नंबर नौ उन उमरा का जबरियों की तरह शुभा के साथ अपील करना और शाह का उनको जवाब देना उन अमीरों ने कहा कि यह हुनरमंदी तो खुदा की अता है इसमें हमारी और उसकी कोशिशों का क्या दखल ये खुदाई तकसीम है कि उसने चांद को खूबसूरत चेहरा अदा कर दिया और फूल को खुशबू दे दी शाह ने कहा यह बात दुरुस्त नहीं है खुदा ने बंदे को भी इख्तियार दिया है इंसान जो काम करता है उसमें उसकी कोशिश और कुताही का दखल है हजरत आदम सलाम ने यही समझा वरना अपनी कुताही अपनी तरफ मनसूब न करते बल्कि खुदा की तरफ करते रबना जलम ना इस तरह कामों की खुदा की तरफ नस्बत कर देना शैतान का काम है उसने अपनी गलती पर खुदा को मुल्जम करार दिया और कहा कि तूने मुझे गुमराह कर दिया है मेरा क्या कसूर है दुरुस्त बात यह है कि अल्लाह ताला की क़ाव कदर भी हक है और इंसान की कोशिश भी अपनी जगह सही है सिर्फ एक तरफ ही देखना शैतान की बेंगी आंख का कसूर है इंसान अक्सर कामों में मतरदुद होता है अगर उसका अपने इख्तियार पर यकीन ना होता तो ये मतरदुद भी नहीं होता उसको कहीं जाने या ना जाने का इख्तियार है इसमें उसे तरतुद होता है इंसान को अपनी गलतियों का जिम्मेदार खुदा को नहीं बनाना चाहिए अपने जुर्म की जिम्मेदारी कजाए खुदाबंदी पर डालना तो ऐसा ही है जैसा कि जैद कत्ल करे और बदला उम्र से दिया जाए अल्लाह ताला कभी गैर मुजरम को सजा नहीं देता है ऐसा नहीं है कि शहद कोई खाए और बुखार किसी और को हो दिन में मजदूरी कोई करे और रात को उजरत कोई दूसरा ले जाए याद रखो जहरी अमाल के नतीजे खुद करने वाले को ही हासिल होते हैं इंसान के अमाल ही उसके दामनगीर होंगे जिस तरह उसकी जाहरी औलाद उसकी दामनगीर होती है आखिरत में अमाल मुसवर कर दिए जाएंगे हाँ अमल और जजा में ज़ाहरी मुशाबहत न होगी डाका जनी और उसकी सजा फांसी में कोई जाहरी मुनासिबत नहीं है लेकिन खुदा ने दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए उसकी ये सजा तजवीज़ करती है जब दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए खुदा ने यह इल्हम कर दिया है फिर कजाए खुदाबंदी गैर मुनासिब सजा और जजा कैसे दे सकती है जब दुनिया का हाकम मुनासिब सजा और जजा देता है तो यकीन अल्लाह भी मुनासिब जजा और सजा देगा तूने कर्ज लिया है तू ही गिरवी होगा अपना जुर्म किसी दूसरे पर न रख उसके बदले का मंतजर रह इंसान की बदमली उसकी तकलीफ का सबब है और बदमली का वो खुद जिम्मेदार है मुकद्दर उसका जिम्मेदार नहीं है महज तकदीर पर नजर रखना इंसान को काजबी बना देता है और इंसान नफ्स को बुराई का आदि और कामिल बना देता है हर बुराई की तोहमत अपने पर रखनी चाहिए खुदा ने फरमाया है कि जो एक जर्रा अमल करेगा उसका नतीजा उसके सामने आएगा इंसान को नफ्स के धोखे से बचना चाहिए उसके अमल का जर्रा जर्रा इलम इलाही में है जिस तरह जिसमानी जर्रात सूरज की रोशनी से चमक उठते हैं इसी तरह से ख्याल के जर्रात इलाही में चमक उठते हैंहीम गैब के असरार में से है उसमें आलम शहूद के मुताबिक गौर वफिक्र न करना चाहिए तेरे इख्तियार से जो ख्यालत छुपे हुए हैं वो सब इम इलाही में जाहिर है। ये हत सुन ले जल्द शशम हिकायत नंबर दस एक शिकारी का किस्सा जिसने अपने आप को घास में लपेट लिया और गुलो लाला का गुलदस्ता सर पर रख लिया ताकि परिंदे उसे घास समझें। एक होशियार परिंदे ने ताड़ लिया कि यह आदमी है लेकिन वो भी पूरा ना समझा मकर से धोखे में पड़ गया क्योंकि पहले इदराक पर यकीन न रखता था और दूसरा एहसासकती था और वो हिस्सर लालच है खूस हाजत और जरूरत की ज्यादती के वक्त हजूर सल्ला ने फरमाया करीब है कि फकर कुफर बन जाए फक्र और उसका एहसास मोमिनों के लिए बायस फज़ीलत है हज़ूर सल्ला वसलम का इर्शाद है फकरु फखरी फकर मेरा फखर है लेकिन कमज़ोर ईमान वालों के लिए फकर ख़तरनाक है बसा औकात वो कुफर इख्तियार कर लेते हैं एक शिकारी ने अपने आप को छुपाने के लिए अपने बदन पर घास और सर पर फूलों की टोपी ओढ़ ली परिंदा ये समझा कि ये शिकारी है और उसने उसे दरियाफ्त किया कि तू कौन है शिकारी बोला मैं एक मुतकी और जाहिद हूं सिर्फ घास फूस पर गुजारा करता हूं क्योंकि मौत हर वक्त मेरे पेशे नज़र है इसलिए दुनिया से जोहद इख्तियार कर लिया है एक पड़ोसी की मौत से मुझे इबरत हो गई और मैंने अपनी दुकान खैरात कर दी मरने के बाद तनहा रहना है इसलिए दुनियादारों से मुनकत हो गया हूं और खुदा से लो लगा ली है जो लोग जिंदगी में कीमती लिबास पहनते हैं वो भी मौत के बाद बिना सिला कफन पहनते हैं इंसान मट्टी से पैदा हुआ है और उसको मरकर मट्टी ही में जाना है लिहाजा इसी से ताल्लुक रखना चाहिए इंसान दुनिया में अपने आरजी साथियों से दिल वाबस्ता कर लेता है इंसान के जिस्म की तखलीक अरबा अनासर से है उसकी रूह आलम नफूस और आलम अकूल की चीज है लेकिन इंसान अपनी असल को भूल जाता है जब रूह अपनी असल को फरामोश कर देती है तो वो अकूल और नफूस उससे कहते हैं तू ने हमें बुला दिया है और आरजी यारों से रिश्ता जोड़ लिया है दरअसल इंसानों की मिसाल उन बच्चों की सी है जो दिन भर खेल में लगे रहते हैं और शाम के वक़्त वाले उनको जबरन पकड़कर घर ले जाते हैं यही हाल इंसान का है कि उसकी रूह को लाम हला असल वतन की तरफ जाना है बच्चा खेल के वक्त अपने कपड़े जूते उतार देता है और महव हो जाता है कि चोर उसके कपड़े वगैरह ले भागता है जब शाम को वह घर लौटना चाहता है तो कपड़ों की चोरी की शर्मिंदगी की वजह से घर लौटने की हिम्मत नहीं करता यही हाल इंसानों का है दुनिया के शगल में अपना सब कुछ खो बैठता है और फिर आखिरत की तरफ रुख करने से शर्माता है कुरान पाक में है कि जान लो दुनिया खेल कूद है लिहाजा तुम्हारा हाल उस बच्चे का सा ना हो जो खेल कूद में सब कुछ खो बैठा वापसी के वक़्त से पहले अपना जायजा ले लो शिकारी ने परिंदे से कहा कि इंसान गफलत में इसी तरह दिन गुजार देता है आधी उम्र मरकूबात की तमन्ना में और आधी दुश्मनों के गुस्से में गर्ज के आखरत के लिए जो सामान तैयार करना था वो सब बर्बाद हो जाता है वापसी का वक्त करीब है खेल कूद छोड़कर चलने की तैयारी करनी चाहिए गलतियों की तलाफी की तदबीत तोबा और अस्तगार है तोबा की हिफाजत करो कहीं शैतान उसे ना चुरा ले जल्द शशम इकात नंबर ग्यारह उस शख्स का किस्सा जिसका दुम्बा चोरों ने चुरा लिया और तदबीर से उसके कपड़े भी चुरा लिए इंसान लालच में पड़कर बेदर पे, पे चोर को चोरी करने के मौके देता है एक शख्स अपना दुम्बा रस्सी से बांधे लिया जा रहा था चोर ने पीछे से आकर रस्सी काटी और दुम्बा चुरा लिया अब यह शख्स दुम्बे की तलाश में भागा तो चोर एक कुंवे के पास खड़ा होकर रोने लगा और दुम्बे वाले से कहा मेरी पांच सौ की थैली कुएं में गिर गई है अगर कोई उसको कुएं में से निकाल दे तो मैं उसे सौ अशरफियाँ दे दूंगा ये शख्स लालच में आ गया और कपड़े उतार कर कुए में उतर गया चोर उसके कपड़े भी ले भागा दुम्बे वाले ने सोचा था कि सौ अशरफियाँ तो दस दुब्बों की कीमत है अगर दुम्बा गया तो क्या परवाह है मुझे दुम्बे के बदले में ऊंट मिल रहा है इस दुनिया में कोई मंजिल तय करने के लिए बड़ी पुख्ताकारी की जरूरत है शैतान हर लम्हे हमें बेस बदल कर धोखा देने की कोशिश करता है उसकी चालों को खुदा ही पहचान सकता है बस हमें हमेशा उसकी पनाह ही मांगते रहना चाहिए जिल्द शशम हिकायत नंबर बारह परिंदे का शिकारी के साथ रहबानियत इख्तियार करने के बारे में मनासरा जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को रोका कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है रहबानियत यह है कि इंसान तमाम दनी हुई इलाके मुन करके जंगलों में इबादत गुजारी करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है इस्लाम कहता है कि लोगों की बदखुल्की पर सब्र करो और अबर की तरह लोगों को नफ़ा पहुंचाओ इस्लाम हमें जमात और अमर बिलमूफ और नहीं अनिल मुनकर का हुक्म देता है बेहतर इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए लोगों से मिलजुल कर जिंदगी गुजारना सुन्नत रसूल सल्लासलम वसल्लम है हदीस है कि जमात रहमत है और अलग रहना अजाब है परिंदे ने शिकारी से कहा जमात बेहतर होती है शिकारी बोला बजाओकात गोशाय तन्हाई जमात से अफजल होता है अगर बुरे साथ हों तो तन अफजल होती है बेअकल इंसान एक अकलमंद इंसान की नज़र में मट्टी का ढेला है बेअकल इंसान को गधे की तरह सिर्फ चरने और खाने की फिक्र है उसकी सोहबत बेहुनर बना देगी बेअकल का मकसूद चूंकि गैर हक है जो फानी है और खुदा के सिवा हर चीज फना होने वाली है ये तमाम मुमकिनात साया की मनिंद है मुमकिनात और कायनात से गुजरकर जाते बारी से तल्लु कायम करना चाहिए गैर फानी है उसकी सोहबत बुरी है मकसद मेरी चाहत का काबा है न बुतखाना इन दोनों से आगे चल अहिम्म मर्दाना दुनिया की चीजों से मोहब्बत, मुर्दों से मोहब्बत करना है इसलिए बुरे साथियों से ताल्लुक कथा करके अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए गलत साथी इंसान के लिए नुकसान का सबब बनते हैं परिंदे ने कहा कि बुरे साथियों के साथ रहने से ही नफ्स के साथ जहाद मुमकिन हो सकेगा अगर दुश्मन ना हो तो जहाद की फजीलत कैसे हासिल हो बहादुर हमेशा वही राह करता है जिसमें उसको दोस्तों की मदद करने और राहजनों से जंग का मौका मिल सके दुश्मनों की मौजूदगी में उसकी बहादुरी की रख उबरती है इस्लाम में काफरों से जहाद करना नेकी और मसलहत है और गारोहों में बैठकर इबादत करना हजरत ईसा का दिन था हर मजहब में मौका की मुनासिबत से अहकाम दिए गए हैं शिकारी ने कहा बेशक जहाद को गोशा नशीनी पर फोकीयत है लेकिन उस शख्स के लिए जिसमें जहाद की ताकत है जहाद में कुत और मुखलिस साथी की जरूरत है अक्लमंदी यही है कि इंसान अंजाम पर नजर रखकर काम शुरू कर दे जहाद में मुखलिस यार की जरूरत है और इस जमाने में ऐसे दोस्त कहाँ हैं परिंदे ने कहा कि अगर दिल में सदाकत हो तो दुनिया में यारों की कमी नहीं है तू खुद दूसरों का दोस्त बन फिर देख किस कदर दोस्त मिलते हैं और जिंदगी की राह में यार की बहुत ज़रूरत है यार बन जा और यारों के साथ रह उनके बगैर तू बेमद रह जाएगा शैतान को बेड़ या समझ जो हमेशा उस बकरी पर हमला करता है जो रेवड़ से जुदा रहे जो शख्स सुन्नत और जमात को छोड़कर तन्हाई इख्तियार करता है वो उस बकरी की तरह है जो जंगल में रेवड़ से जुदा हो जाए सुन्नत रास्ता और जमात उसकी साथी है उसके बगैर इंसान मुसीबत में फंस जाता है सफर में अपना साथी उसे बनाओ जो खुदा का तलबगार हो और हमदर्द हो ऐसा साथी ना हो कि मौका पाकर तेरा सामान ही गायब कर दे वो तेरे साथ अपने नफा के लिए चले वो दिल बुजदिल बिना हो कि मुश्किल पेश आए तो राह हक छोड़ने का मशवरा देने लगे बुरा दोस्त सांप होता है ख़तर बसियार वारद राह हक होशियार शो साहिब के मूसा बेअसा दरवाद एमन नमी आयत राह हक में असाब बहुत से खतरात हैं होशियार हो जा क्योंकि वादी एमन में हजरत मूसा सलाम भी बगैर अपने आंसा के नहीं जाते दीन के रास्ते को अल्लाह ने इसलिए पुरखतर बनाया है ताकि चलने वालों की आजमाइश हो सके इस रास्ते का डर अच्छे बुरे को उसकी तरह अलग कर देता है जिस तरह छलनी भूसे और आटे को जुदा कर देती है सही रास्ता वही है जिस पर दूसरे सालिकों के कदमों के निशान हो दोस्त वही है जिसकी अकल तुम्हारा सहारा हो याद रखो निशात जमात के साथ रहने में ही है बुरा दोस्त सांप की मिसल है उससे बचो इंसान को गधे से ही सबक हासिल कर लेना चाहिए जो दूसरे गधों के साथ होने से तेज़ रफ्तार बन जाता है अंबिया ने भी जमात बनाने की खातिर मौज से दिखाए और तनहा रवि इख्तियार न की एक दीवार से घर नहीं बनता है ज्यादा दीवारों से बनता है ताकि उसमें गल्ले के अंबार हों अल्लाह ने हर जिन्स का जोड़ बनाया ताकि उससे नतज पैदा हों परिंद और शिकारी में इस मसले पर बहुत से सवाल और जवाब हुए लेकिन परिंदे ने जाल में देखा तो बेकाबू हो गया और शिकारी से पूछा कि ये गेहूं किसके हैं शिकारी ने कहा कि लावारस बच्चों के हैं जो लोगों ने मुझे अमानतदार समझकर इमानत रखे हैं परिंदे ने कहा कि मैं भूख से मजबूर हो गया हूं और ऐसी हालत में तो मुर्दार खाना भी जायज हो जाता है क्या मुझे इजाजत है कि कुछ खा लूँ शिकारी ने कहा कि तू तो खुद अपने बारे में फतवा दे तू मजबूर है या नहीं अगर मजबूर भी है तो हराम से बचना बेहतर है परिंदा दाना खाने पर मजबूर हो गया दाना चुगते ही वो जाल में फंस गया उसने सूरह यासीन और सूरल अनाम भी पड़ी लेकिन कोई फायदा ना हुआ इसी तरह जब इजाब इलाहिया पकड़ता है तो फिर तोबा मुफीद नहीं होती तोबा और आहुजारी अजाब और मौत के नरके से पहले मुफीद है इंसान का नफ्स जब गुनाह पर मजबूर करे तब खुदा की तरफ रुजू मुफीद है जब शैतान राजन बने उस वक्त तोबा कर लो इससे पहले के काफिला तबाह हो जाए जल्द शशुम हिकायत नंबर तेरह उस चौकीदार का किस्सा जिसने खामोशी इख्तियार की हती के चोर ताजरों का सारा सामान ले गए उसके बाद हाय हाय और हिफाजत शुरू की एक काफिला में एक चौकीदार था ताकि ताजरों के माल की हिफाजत करे रात को चौकीदार सो गया और सामान चोर ले गए जब दिन निकला तो चौकीदार ने हाय हाय का शोर मचा दिया उसने चोरों से माल की हिफाजत न की इसलिए खुद चोर हुआ कहने लगा वो नकाब पहन कर आए थे और मेरे सामने से सामान उठा कर ले गए मैं अकेला था और वो बहुत सारे थे लोगों ने कहा कि अरे इत के टीले तूने शोर क्यों ना मचाया कहने लगा कि उन्होंने छुरी दिखाई के बोले तो कत्ल कर देंगे इसलिए मैं खामोश रहा उस वक़्त मैं दम न मार सकता था अब फरियाद कर रहा हूं अब जिस कदर चाहो मैं शोर मचा दूंगा जिस तरह काफिले के लुट जाने के बाद चौकीदार का शोर गुल बेकार था इसी तरह पूरी उम्र गुजर जाने के बाद आउज और फातिहा पढ़ना बेफायदा है लेकिन आखिरी उम्र में भी गफलत से तोबा बेहतर है आखिरी उम्र में ही आहोजारी कर लो और दरबार खुदाबंदी में अर्ज़ करो कादरे मुतलक तेरे लिए वक्त बेवक्त कोई चीज़ नहीं है इंसान के लिए वक्त आता है और गुजर जाता है लेकिन खुदा के लिए कोई चीज फौत नहीं होती इसीलिए कुरान में फरमाया है जो तुम से फौत हो जाए उस पर गम ना करो क्योंकि अल्लाह ताला की कुदरत से कोई चीज कहां गायब होती है जिल्द शशुम इकात नंबर चौदह परिंदे का जाल में अपनी गिरफ्तारी के फेल को जाहद के मकर और धोखे से तबीर करना और जाहिद का परिंदे को जवाब फंसने के बाद परिंदे ने कहा जो जाहिदों के मकर में फंस जाए उसकी यही सजा है जो मुझे मिली है जाहिद ने कहा कि अपनी सजा को अपने फेल से वस्ता कर तूने यतीमों का माल खाया ये उसकी सजा है परिंदे ने अपने फेल की सजा समझकर इस दर्दनाक तरीके से रोना शुरू किया कि शिकारी और जाल भी लरस गए याद रखो इंसान के दिल में उतजाद ख्याल आते रहते हैं कभी गुनाह की तरफ मिलान होता है और कभी उससे नफरत होती है अब उस परिंदे यानी गुनागार इंसान ने यह दुआ शुरू कर दी ऐ खुदा मेरे सर पर दस्ते करम रख दे तेरे दस्ते करम के नीचे मेरे सर को राहत है तेरा दस्ते करम मुझे नेमत बख्शता है और शुक्र की तोफीक देता है ऐ खुदा मेरे सर पर से अपना हाथ ना हटा मैं बेकरार हूं और तेरे गम में मेरी नींद उड़ गई है मैं अगरचे नलायक हूं लेकिन एक नलायक पर कर्म करने से तेरा कुछ नहीं बिगड़ता तूने मुझे अपने कर्म से पैदा फरमा दिया और अपनी कुदरत से इस मट्टी को हवास अदा कर दिए यानी पांच जाहरी और पांच बातनी हवास नुतफ़ा एक बेजान चीज है लेकिन तूने उसमें हवास पैदा करती है अगर मेरी तोबा में तोफी के इलाही शामिल ना हो तो उस तोबा का बका मुश्किल है और ऐसी तोबा का तो मजाक ही उड़ता है ऐ खुदा तेरी ही क़ाव कदर की वजह से मेरे हवास और दिल तबाह है जब तक तू मेरे अमाल को मनज़म नहीं करेगा मेरा काम ना किस रहेगा बगैर तेरी तोफ़ी के काम का निज़ाम दुरुस्त होना तो दरकिनार ज़िंदगी ही मुमकिन नहीं है खुदा की खुदाई के बगैर बंदे का वजूद मुमकिन नहीं है तू मुझे दीवान की काशिक बना दे क्योंकि अकलमंदी से मेरा पेट भर चुका है अगर मैं हालत शुक्र में हूं तो तेरा सारा रास कह दू लेकिन साहब में कुछ बयान नहीं कर सकता इंसान में कफ़ीतें रास के ज़ब्त करने की वजह से पैदा होती हैं साहब में होना राज बयान करने से माने हैं अः दोस्तों कज़ा कदर की और हमारी मिसाल ये है कि हम लंगड़े हरन हैं और हमारे ऊपर शिकारी शेर है लंगड़े हरन के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि अपने आप को शेर के हवाले करते वह खुद खाने पीने और सुनने से बेनयाज है और हमें भी अपने रंग में रंगना चाहता है ताकि हमें उसकी जात का मुशाहिदा हो सके रूह चूंकि ला मकान की गिजा की आदि है उसकी निगाहें वहां ही लगी हुई हैं बिल्ली को जब किसी सुराग से गजा हासिल हो जाती है तो वो वहां ही इंतज़ार में बैठी रहती उसने जहां से पहले कोई शिकार पकड़ा हो वो वहां के ही चक्कर काटती रहती है जिनको आलम बाला से गजा हासिल हो जाए उनकी तवज्जो आलम बाला ही की तरफ रहती है दुनियादारों की मिसाल उन बच्चों की सी है जो खेल कूद में वक्त ज़ाया कर रहे हैं उनमें से अगर कभी किसी को होश आता भी है तो शैतान फिर थपक कर सुला देता है और गाफिल बना देता है जैसे दाई बच्चा को थपक कर सुलाती है वो कहता है कि सो यार है मैं किसी को मौका नहीं दूंगा कि तेरे आराम में खलल डाले याद रखो गफलत की नींद के इसबाब को खुद खत्म करने की कोशिश करो और इस तरह बेदार रहो जैसा प्यासा पानी की आवाज सुनकर बेदार होता है मौलाना रहमतुल्ल फरमाते हैं कि जिस तरह पानी की आवाज़ जो आसमान से नाजिल होता है प्यासों की गफलत को दूर करती है मैं भी गाफिलों को इसी तरह बेदार कर रहा हूँ सालिक को गफलत तरक करके मुशाहिदा के लिए मुस्तरब हो जाना चाहिए वरना यह तलब हकीकी ना होगी तलब हकीकी के सिलसिले में एक हकायत सुन ले जल्द शशुम हकायत नंबर पंद्रह एक आशिक की हकायत जो मशूक के वादे की उम्मीद पर उस हुजरे में पहुंचा जहां मशूक ने कहा था इंतजार करता रहा फिर सो गया मशूक आया उसे सोया हुआ पाया तो उसकी जेब अखरोटों से भर दी और सोता हुआ छोड़ गया इस बात की हकीकत का बयान एक आशिक सालों से अपने माशोक के वसल की फिक्र में था एक दिन मशूक ने उससे कहा कि आज रात फलां हुजरे में आ जा मैंने तेरे लिए लोबिया पकाया है आधी रात तक मेरा इंतजार कर मैं खुद ही आ जाऊंगा मर्द खुश हुआ और शुक्रा ने खैरात की गर्म जोशी से हुजरे में बैठ गया लेकिन उसको नींद ने पकड़ लिया आशिक को नींद कैसे आ गई बहरहाल दोस्त आधी रात के बाद आया उसने आशिक की आस्तीन फाड़ दी चांद अखरोट उसकी जेब में डाल दिए कि तू बच्चा है इनसे खेल जब सुबह को आशिक बेदार हुआ और अपनी आस्तीनें फटी हुई देखी और जेब में अखरोट देखे तो बोला कि मशूक तू सच्चा था और महरूमी तो खुद मेरी वजह से हुई मौलाना रहमतुल्ल अपनी हालत बयान करते हुए फरमाते हैं कि हम ख्वाब गफलत से महफूज हैं चौकीदार की तरह पाला खाने पर बैठकर नक्कारा बजाते हैं कि हमने गफलत को और उसके असबाब को फराह कर दिया है ऐ हम पर मुलामत करने वाले ऐसा ना कर इससे तुझे दर्द सर पैदा हो जाएगा मैं आजमा चुका हूं जिसे वो हिज्र कहता है वो हिजर ही नहीं है क्योंकि उसमें मेरे लिए लज्जत है राह इश्क में दीवानगी और शोरिश के सिवा हर चीज मशूक से बेगान की है फराको वसलचे बाशत रिसाए दोस्त तलब के हैफ बाशित अज़ गैरो तमन्ना आए यार से फराक या वसल के चक्कर में न पड़ बल्कि उसकी रज़ा का तालिब रह कि उसके सामने किसी गैर चीज का तालिब होना अफसोसनाक बात है मैं सिर्फ अपने महबूब की जुल्फ की जंजीर का कैदी बन सकता हूं उसके अलावा सब जंजीरें तोड़ दूंगा आशिक आबरू से बेपरवाह होता है इश्क के साथ रसवाई और जिलत ही जमा हो सकती है अब ऐसा वक्त आ गया है कि मुझे जिस्मानी सिफात से उर्या होकर सरासर जान बन जाना चाहिए फिक्र और शर्म हमेशा वसल से माने होती है उनका पर्दा चाह कर देना चाहिए इश्क का अजीब जादू है कि उसने नींद को आंखों से रोक दिया है इश्क उस वक़्त खुश होता है जब आशिक का सब्र करार फना हो जाए जब तक मैं इश्क की आग में जलकर फना ना हो जाऊंगा महबूब खामोश ना होगा मेरा दिल ही उसका खानदान और मकान है अगर वो उसको फूंकना चाहता है तो फूंक दे उसको पूछने वाला कौन है मेरा दिल जलने से जो सोजश उसमें पैदा होगी वही मेरा मकसूद है शमा सोजश ही से तो रोशनी देती है अगर इंसान इश्क से खाली है तो उसे आशिकों को देखकर इबरत हासिल करनी चाहिए उनको देख वो वसल की खातिर परवाना वार कुर्बान हो रहे हैं देख आशिकों की कश्ती किस तरह दरिया में डूब रही है जैसे वो दरिया कोई अजदहा हो जो सब कुछ निगल रहा हो इश्क एक ऐसा अजदहा है जो बाजहर नजर नहीं आता लेकिन दिल को निगल जाता है और पहाड़ जैसी अक्ल को मगलूक कर देता है अक्ल जब इश्क से वाकिफ हो जाती है तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है और कहती है। ये सब चीजें महबूब पर कुर्बान है जो बेनज़ीर है लिहाजा इन चीजों की वापसी की कभी ख्वाहिश नहीं होगी मक्कारी पर इंसान नाशिक के हवाल से कस्तन आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि मैं इन अहवाल को नहीं देखता वो महरूम है अगर वो इश्क के मैदान में आ जाए तो उसको सब अहवाल नजर आने लगे जिनके बारे में वो कहता था कि मैं नहीं देखता फिर वो कहेगा कि मैं देखता हूँ तू अक़ल की मस्ती से गुजर कर इश्क की मस्ती तकसीम करने वाला बन जा अकल के मस्त तो बहुत हैं मारे मारे फिरते हैं और हर एक अपनी मुख्तलिफ राय रखता है अल्लाह के मस्तों से अगर वह आलिम भर जाए तो ये उनकी ज़िल्लत का सबब न होगा क्योंकि वो सब मिलकर एक हैं कसरत जिल्लत का सबब नहीं है जलील तो वो होता है जो तन पर मस्त हो चांद की चांदनी से सारा आलम भी पुर हो जाए तो उसमें कोई खोट नहीं आता इसी तरह सूरज की रोशनी से सारा आलम मनवर होता है तो उसकी रोशनी बेकदर नहीं होती मस्ती और शुक्र दोनों फजीलतें वाली हालतें हैं लेकिन तुम्हें आला मुकाम साहब हासिल करना चाहिए शुक्र का मुकाम इब्रार का है लेकिन साहब का मुकाम मकबूली ने बारगाह का है जो सालिक मुकाम साहब में होता है वो भी हक ताला से फैज हासिल करता है और दूसरों को पहुंचाता है शुक्र की हालत हैरत की होती है जिसमें सालिक हर मामला में लाइलमी का इजहार करता है वो उस जात का मुतलाशी है जिसे जानता है जिल्द शशम इकात नंबर सोलह एक मखमूर तुर्क अमीर का गवैये से सुबह के वक्त शराब तलब करना और हदीस की तफसीर कि अल्लाह के पास एक शराब है जो उसके दोस्तों के लिए तैयार की गई है और जब उसको पीते हैं तो मस्त हो जाते हैं और जब मस्त हो जाते हैं पकीजा बन जाते हैं सूरह तोबा में अल्लाह तला ने फरमाया बेशक वो पियेंगे ये शराब जो तू पीता है हराम है हम जायज़ शराब के सिवा नहीं पीते हैं कोशिश करके तू नीस्त से हस्त हो जाए और खुदा की शराब से मस्त हो जाए एक तुर्क सरदार जब नींद से बेदार हुआ तो उस पर खुमार किसी कैफियत दारी थी उसने गवैये को तलब किया रूहानी गवैया यानी शेख जब तवज्जो करता है तो शुक्र की हालत में मुब्तला सालिक की हालत मजीद शुक्र वाली हो जाती है जैसा कि तुर्क सरदार अपने नशे को ज्यादा करने के लिए गवैये का तलबगार हुआ सालिक को शुक्र की हालत शेख की तरफ खींचती है शेख और गवैये के अल्फाज को एक ही मानी में इस्तेमाल किया गया है अल्फाज के हम मानी होने का फर्क दरअसल हालत पर मुनहसर है एक बादशाह के दो वजीर हसन नामी थे लेकिन उन दोनों में बहुत फ़र्क था लफ्जी मुशाबहत थी लेकिन हालत के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थे लफ्जी इश्तराक अक्सर लोगों की गुमराहि का सबब बनता है मोमिन और काफिर में जिसम यकसा है लफ्ज का इतलाक़ किसी की अंदरूनी हालत पर मुनसर है मोमिन का जिसम ईमान से लबरेज और काफिर का कुफर से भरा हुआ होगा याद रखो निगाह हमेशा बातन पर रखो अगर ऐसा करोगे तो शाह हो वरना गुमराह हो अल्फाज को जिस्म और उसके मानी को रूह समझो जिस्मानी आंख सिर्फ जिस्म को देखती है लेकिन रूहानी आंख की नज़र रूह पर ही पड़ती है यही हाल मसनवी का है जो इसकी कहानियों की तरफ देखेगा तो सिर्फ लफ्सों को देखेगा और बद अकीदा हो जाएगा और जो हकायतों के मकासद पर गौर करेगा वो उनसे खूब फायदा उठाएगा कुरान में कुरान के बारे में यह कहा गया है कि जब कोई आरिफ लफज शराब का इस्तेमाल करता है तो उससे ये हकीर ज़ाहरी शराब मुरात नहीं है बल्कि शराब मार्फत मुराद है जो शख्स महज दुनियावी शराब को जानता है वो शराब से शराब मोहब्बत का मफहूम कब समझ सकता है शराब और गाना दोनों इस बारे में यकसा हैं कि उनमें हर एक दूसरे तक पहुंचा देता है मखमू इंसान गवैये से एकजा हासिल करता है और गवैया उसको शराब खाना तक ले जाता है मैदान इश्क की इप्रदा गाना है और इंतहा शराब है क्योंकि दिल गवैये के काबू में हो जाता है इंसान के दिमाग में जो ख्याल होता है वह लफ्सों को उस तरफ ले जाता है अगर दिमाग में थोड़ी सी सही बात भी होती है तो वह इन अल्फाज के बाद गलती से बदल जाती है अगर सर में सफरा है और सौदा के गलबे से सौदा बन गया है तो सौदा और सफरा दोनों बेहोशी का सबब बन जाएंगे और फिर सबब और मुसब्ब एक ही तरह करेंगे जब तुर्क ने गाने खुशी और खुमार की तकलीफ महसूस की तो उसने गवैयों को बेदार कर दिया इंसान कुर्ब के बावजूद अपने चेहरे को खुद नहीं देख सकता इंतहाई कुर्ब इंसान को हमेशा इश्तबा में डाल देता है अह्ला मैं तुझे या रब इसलिए कहता हूं कि मेरे रकीब ये ना समझ लें कि तू मेरे बेहद करीब है या तो दूर वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए मेरे लिए लफ्ज बेमानी है जिल्दशशुम शशुम नंबर सत्रह नाबीना का हजूर सल्लाम के घर में आना और नाबीना के आगे से हजरत आशा रजील् का भागना हजूर सल्लास का पूछना कि क्यों भागती है वो तुझे नहीं देखता और हजरत आशा रजील्हा का जवाब एक नबीना हजूर सल्लाह वसलम के घर आया और बोला ऐसा कि, फर है आप सल्लाह वसलम पानी के मालिक हैं और मैं मांगने वाला हूं हजरत आशा रजील ने देखा तो पर्दा में हो गई जो शख्स ज्यादा हसीन हो उसमें रश्क कमादा ज्यादा होता है क्योंकि रश्क नाज की पैदावार है और नाज हसिनों में ज्यादा होता है जब बीवी बूढ़ी हो जाए तो उसमें ना नाज रहता है और ना रश्क जबकि हजूर सल्ला वसलम हुसन में बढ़ चढ़ कर थे और नूर खुदाबंदी उनका मददगार था तो आप सल्ला वसलम में नाज भी बड़ा हुआ था और रश्क भी हजूर सल्ला वसलम को अपने हुसन व जमाल की बुनियाद पर यह कहने का हक है कि मैंने अपने हुसन के दावे की गेंद जोहल पर फेंक दी है लिहाजा अब किसी हसीन को हुसन की नुमाइश का हक नहीं अब सब हसीन अपने हुसन को मेरे हुसन में गुम कर दें वरना रुस्वा हो जाएंगे मैं कभी बज़ाहर रूपोश हो जाता हूँ बशरियत ताकि दूसरे हसीन अपने हुसन का मुजाहिरा कर सकें सूरज अगरचे दुनिया से रूपोश नहीं होता कुछ सम्मतों से गायब हो जाता है ताकि चमगातड़ कुछ उड़ लें मोर अपने परों को देखता है तो खुश होता है और नाचता है और पांव चूँ के बद्दे हैं उनको देखकर रंजीदा होता है इंसान को भी चाहिए कि जब उसमें तकबुर की कैफियत पैदा हो तो अपनी बुराइयों पर नजर करे जिस तरह अयाज ने तकब्बर का सर कुचलने का सामान किया हुआ था सूरज फिर सुबह नमोदार हो जाता है ताकि तारे मुतकबर बनकर दो जकीन बन जाएं हजूर सल्ला वसलम ने हज़रत आशा रजीला की आज़माइश के लिए पूछा तुम्हें अंधे से छुपने की क्या जरूरत थी हजरत आय शाह रजियल्लहा ने अपने हाथों के इशारों से बताया कि वो नहीं देखता लेकिन मैं तो देखती हूं मैं नहीं चाहती थी कि उनकी आवाज़ कोई गैर मर्द सुने फिर अर्ज की गैर मर्द पर मेरी निगाह पड़ना आपकी गैरत के मुनाफी है अकल को रूह के हुसन पर गैरत है इसीलिए वो रूह की हकीकत को जाहिर नहीं करती महज तशबिहात से उसे समझाती है रूह से मुराद दरअसल जक है अह अक्ल तू ऐसी चीज को क्यों छुपाती है जिसका नूर खुद ही उसके लिए हिजाब है सूरज बगैर नकाब के फिरता है लेकिन कसरत नूर की वजह से कोई इसको निगाह भर कर नहीं देख सकता और जिस चीज को सूरज भी नहीं देख सकता तू उसको क्यों छुपाती है कोई देख सके या ना देख सके रश्क का तकाजा है कि आशिक महबूब को खुद अपने आप से भी छुपाने की कोशिश करता है चूंकि रश्क की आग बढ़की हुई है इसलिए मेरी आंख और कान को भी मेरे बहबूब से हिजाब में होना चाहिए उसे मेरे बहबूब को नहीं देखना चाहिए और उसे उसकी बात नहीं सुननी चाहिए अय अक्ल अगर तुझ में ऐसा रश्क है तो फिर उसकी बात भी ना कर अक्ल कहती है कि अगर मैं बिल्कुल खामोश रहूं तो वो खामोशी खुद पर्दा चाक कर देगी अगर किसी मामले में ज्यादा खामोशी इख्तियार की जाए तो लोग उसको मालूम करने के और दरपे हो जाते हैं जिस बात से किसी को रोका जाए तो वो उसके मुतलक और ज्यादा हरीस हो जाता है समंदर में जब जोश आता है तो जाग नमूदार हो जाते हैं और ये जाग उसके जोश की पहचान का जरिया बन जाता है और वो जाग ही उसको पोशीदा कर देते हैं महबूब की थोड़ी सी तारीफ कर देना गोया उसको छुपा देना है अगर बातों में ना लगाया जाता तो उसको देखने के दर पे हो जाता बुलबुल -बुल जो फूल पर नारे लगाती है उसका मकसद यही होता है कि तमाशाई उसके नारों में महव हो जाए और फूल को न देख पाए सूरज की जिस कदर वजाहत की जाए वो उसी कदर मख्फी होता चला जाएगा जल्द शशम हकायत नंबर अट्ठारह उस कवाल का किस्सा जिसने तुर्क सरदार की मजलस में यह गजल शुरू की गुली या सोसनी या सरो या माहि नमेदा नम शुफ्ता बेदल छह मै खवाही नमीदानम तू फूल है या सोस या सरो या तू चांद है मैं नहीं जानता इस परेशान बेदल से तू क्या चाहता है मैं नहीं जानता उस पर सरदार का चीख पड़ना कि वो कह रहा है जो तू जानता है और कवाल का उसको जवाब कव्वाल ने जब गजल सुनाई और मशूक की सलवी सिफात का इजहार किया कि तू हर वक्त मेरे साथ है फिर भी मुझे ये मालूम नहीं कि मैं कहाँ हूं और तू कहाँ है मैं नहीं जानता कि क्यों कभी तू मुझे बेहद प्यार करता है और कभी क्यों कत्ल करता है उस कव्वाल ने मैं नहीं जानता कि तकरार जारी रखी तो तुर्क को गुस्सा आ गया और वह गुर्ज लेकर कव्वाल की तरफ दौड़ा एक सिपाही ने दौड़कर उसको पकड़ लिया और पूछा कव्वाल को क्यों कर मारना चाहते हो तुर्क ने गुस्से में जवाब दिया कि इसकी मैं नहीं जानता ने मुझे बहुत कोफ्त पहुंचाई है मैं अभी इसका सर फोड़ दूंगा और गुस्से से कव्वाल को कहने लगा एतूस अगर तू नहीं जानता है तो जो कुछ जानता है वो कह और अपना इनाम ले नहीं जानता कि रटना लगा तेरी हालत तो यह है कि अगर मैं पूछूं कि तू कहां का रहने वाला है और तू कहना शुरू कर दे कि ना मैं बलख का रहने वाला हूं ना हरात का ना रूम वगैरह का और ना ना करता चला जाए तो गलत है तू सीधी तरह बता दे कि मैं फला जगह का रहने वाला हूं कव्वाल ने जवाब दिया कि जब मकसूद तस्वुर से बाला हो तो उसके इस बात का पहलू पेश नहीं किया जा सकता लामहला उसके गैर की नफी का सिलसिला शुरू करना होगा जो दराज हो जाएगा और इसी तरह वो मकसूद भी समझ में आ जाता है मैंने बाजे को नफी पर बजाना शुरू किया ताकि जब सबकी नफी हो जाए तो मकसूद समझ में आ जाए इसलिए शुक्र को साहब की सीढ़ी कहा जा सकता है इस मजमून को हदीस और हकीम सनाई के शेर से समझाया गया है हजूर सल्ला वसलम का कौल है कि मूँ कबला कबला अनता मर जाओ कबल इसके के मरो हकीम सनाई रहमत फरमाते हैं बमीर दोस्त बेश मर्ग अगर मी जिंदगी ख्वाही के अदरीस इस चुनी मुर्दन बहिश्ती गश्त पेशजमा ए दोस्त मरने से पहले मर जा अगर तू जिंदगी चाहता है क्योंकि अदरीसम हमसे पहले ऐसे मरने से बहिश्ती बन गए हैं याद रखो मुजाहिदात के बाद जब तक फना का दर्जा हासिल ना होगा मुशाहिदा ना हो सकेगा मुशाहिदा की सीढ़ी फना है अगर सीढ़ी में एक डंडा भी कम है तो मुशाहदे तक पहुंचा नहीं जा सकता पूरी सीढ़ी तय न होगी तो कैसे मालूम होगा कि वहां क्या है अगर कुएं में सौ गज की रस्सी जाती हो और रस्सी में एक गज की कमी रह जाए तो पानी डोल में ना आएगा कश्ती उस वक़्त तक ना डूबेगी जब तक उसमें वो आखिरी वजन भी ना रख दिया जाए जो डूबने के लिए जरूरी है ये आखिरी बोझ रात के उस आखिरी सितारे की तरह है जो चमक कर रहनुमाई करता है और यही गुमराही की कश्ती को गर्क कर देता है हस्ती फना के बाद आसमान का सूरज बन जाती है जब तक तू मर नहीं जाता तेरे मुजाहिदे दराज होते चले जाएंगे सुबह के वक्त अपनी जान खपा और शमा पर अपनी जान वारते सूरज तब ही निकलता है जब सब सितारे गुरूब हो जाएं। मुशाहिदा तब ही हासिल होगा जब अल्लाह से ताल्लुक बिल्कुल खत्म कर लिया जाए मुजाहिदे का गुरजवार और अपनी खुदी का बुत पाश पाश करते जब तक जिस्मानी और साफ मौजूद हैं तू असरार को नहीं सुन सकेगा उस कव्वाल ने तुर्क से कहा कि जिस ऐप की बिना पर तू मुझे गुर्ज मार रहा है वो तो खुद तेरे अंदर मौजूद है गोया तो गुर्ज मुझे नहीं अपने आप को मार रहा है और मेरी ये खुदी कि मैं समझा कि तू मुझे गुर्ज मार रहा है तेरी ही खुदी का अक्स है तूने मेरे अंदर दरअसल अपनी सूरत देखी है और मुझे कतल करना दरअसल तेरा अपने आप को कतल करना है री और मेरी मिसाल उस शेर जैसी है जिसने पानी में अपना अक्स देखा और उस पर हमला कर दिया किसी चीज की जिद की नवी से उस चीज का इस्बात होता है दुनिया के दौर में जाते हक की मारिफत गैर अल्लाह की नवी से ही हो सकती है इसलिए कि इंसान के दुनीवी के जाल में फंसे हुए हैं अगर इंसान बेहिजाब मुशाहिदा चाहता है तो फना इख्तियार करे और पर्दे चाक करते इस मौत से वो मौत मुराद नहीं है जिसके बाद इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है बल्कि औसाफ जिस्मानी की तब्दीली मुराद है जब इंसान बालिग हो जाता है तो उसका बचपन फना हो जाता है अगर किसी स्याह चीज पर सुर्ख रंग कर दो तो, तो उसकी स्याही मर जाती है गम जब खुशी में बदल जाता है तो गम मर जाता है हजूर सल्लास ने फरमाया अगर कोई किसी मुर्दे को जिंदा देखना चाहता है तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तला अनु को देख ले अगर कोई ऐसे मुर्दे को देखना चाहता है जो जिंदों की तरह जमीन पर चलता फिरता हो तो वो खुद मुर्दा बने और उसकी रूह को आलिम बाला मुंतकिल होने की जरूरत ना रही हो जाहरी मौत के बाद रूह के मुंतकिल होने को अकलन नहीं समझा जा सकता है इसको वही समझ सकता है जिसने मुकाम फना हासिल कर लिया हो रूह का आलिम बाला की तरफ मुंतकिल हो जाना बिल्कुल इसी तरह है जैसे जिंदा इस दुनिया में एक मुकाम से दूसरे मुकाम में मुंतकिल होता है हजरत सिद्दीक बकरीक रजील्ल्लाहों को देखकर इस बात का यकीन आ जाएगा कि मरने के बाद जिंदा कैसे होते हैं क्योंकि फना के बाद उनको बकाा हासिल हो गई है इसी तरह हजूर सल्ला वसलम के दरबार में फना के बाद बका हासिल होती है अजूर को खुद फना के बाद बका हासिल हो चुकी थी इसलिए हजूर सल्ला वसम्म गोया कयामत का नमूना थे कुरान में मजकूर है कि ये लोग कयामत के बारे में आप सल्ला वसलम से सवाल करते हैं कि वो कब आएगी आप सल्ला वसम उनको ज़ुबान हाल से फ़रमाते कयामत से क़यामत कौन दरियाफ्त करता है हैजूर सल्ला वसलम ने फ़रमाया मैं मौत तबी से पहले मर चुका हूं इसलिए उस आलिम सी की बातें लाकर सुनाता हूं हूँ हज़ूर सल्ला वसल्लम ने सवाल करने वाले से फरमाया तू खुद कयामत बन जा तुझे कयामत का मुशाहिदा हो जाएगा हर चीज़ के मुशाहिदे की यही शर्त है कि उस चीज़ में इस कदर इनहमाक हो जाए कि मुशाहिदा खुद वो चीज़ बन जाए जब तक इंसान रोशनी के आसार अपने ऊपर तारी नहीं करेगा रोशनी को नहीं देख सकेगा इसी तरह अकल और इश्क के आसार तारी कर लेने से अकल और इश्क को जान सकेगा ये इश्काल हो सकता है कि इस कायदे के मुताबिक तो जब तक इंसान खुदा ना बन जाए जाते हक का मुशाहिदा नहीं हो सकता और ये मुमकिन नहीं है बेशक मुशाहिदे के लिए खुदा के साथ इतहादात ज़रूरी है और जब तक इंसान तखलसु बखलाक ला का मुस्ताक न बन जाए मुशाहिदा नहीं हो सकता इस किस्म के बहुत से दलाइल हैं लेकिन उनको समझने वाले कम हैं ये तस्वर कायम कर लो कि दुनिया के सब इंसान नजा में मुबतला है और उनकी बातें गोया मरने के वक्त की बातें हैं इसका फायदा यह है कि इंसान के दिल में एक गैरत और रहमत पैदा होती है और अपने अंदर से बुग्स और कीना का मादा खत्म हो जाता है सूफिया इसे मुराकबाए मौत कहते हैं रिश्तेदारों के बारे में नजा की कैफियत का तस्वर करोगे तो तुम्हारे दिल में सोजो गुदहास पैदा होगा जो मौत हर सूरत में आने वाली है समझ लो कि आ गई है जो इंसानी अगराज इस मुराकबे में माने उनको दिल से निकाल दो अगर तुम उन अगराज को ना निकाल सको तो सिर्फ इजस पर कायम न रहो तुम्हारा आजिज होना एक जंजीर है जो बांधने वाले ने बांधी है उसकी तरफ रजू करो और कहो ऐ हकीकी जिंदगी की तरफ हिदायत करने वाले मैं फितरत के लिहाज से एक बाज था अब आजिज मच्छर क्यों बन गया हूं मैंने बुराई में कदम जमा रखा है और तेरे कहर की वजह से टूटे में मुब्तिला हूं मैं तेरी नसीहतों से बहरा बन गया था बुतगर था लेकिन बुध शिकनी का मुद्दा ही था तू अपने फजल से मुझ पर रहम फरमा अ मौत से गाफिल इंसान तू ये बता कि तेरे लिए अपनी दस्तकारी और कारीगरी की याद जरूरी है या मौत की याद मौत खिजा की तरह है और तू एक पत्ता है जिसने खजा में जरूर चढ़ना है मौत डंडोरा पीट रही है लेकिन तू नहीं सुनता जब सुनने का वक्त नहीं रहेगा तब तू सुनेगा नजा के वक्त तो हाय मौत कहेगा लेकिन उस वक़्त कोई फायदा नहीं होगा ऐलान करते वक्त मौत का गला बैठ गया और उसका नक्कारा फट गया लेकिन तू दुनियादारी की बारीकियों में लगा रहा इंसान की मौत के वक्त की आहोजारी ऐसी ही है जैसा कि शिया साहिबान का शोहदाय करबला पर हर अशूरा को मातम करना जल्द शशम हकायत नंबर उन्नीस उस गाफिल की तशबी जो उम्र जाया कर देता है और मौत के वक्त की तंगी में तोबावस्त अगवा शुरू करता है वो हलब के शीयों के मुशाबे है जो हर साल अशूरा के अयाम में अंताकिया के दरवाजे पर आजादारी करते हैं अशूरा के दिन हलब के बाशिंदे एक जगह जमा थे और वाकई करबला और झुलम आजमाइश जो खानदान नबूवत ने जजीद और शिमर के हाथों देखा था को याद करके रोते थे और नोहा और नाला बुलंद करते थे उस रास्ते से एक मुसाफिर शायर आया और पूछने लगा कि ये कैसा गम है क्या कोई बड़ा रईस मर गया है मुझे उसके बारे में बताओ कि उसका मरसिया लिखो और यहाँ से सामान और लंगर हासिल करो। लोगों ने कहा क्या तू दीवाना है शिया नहीं है अहल बैत का दुश्मन है तुझे मालूम नहीं आज अशूरा का दिन है आज उस जान का सोख सौ साल से बेहतर है उस पाक रूह का मातम आज नू असलम के सैकड़ों तूफानों से ज्यादा अहम वाक्य है शायर ने कहा कि जो तू कह रहा है वो ठीक है लेकिन यजीद का दौर गुजरे हुए तो एक अरसा गुजर गया है और यहां इतने अरसे के बाद ये खबर पहुंची ये वाक्य तो इस कदर दर्दनाक था कि अंधों और बहरों तक देख लिया और सुन लिया क्या तुम उस वक्त सो रहे थे जब मातम में कपड़े फाड़ रहे हो अगर तुम इस कदर गाफिल हो तो अपने ऊपर मातम करो हजरत अमाम हुसैन रजी अल्लाह तला एक शाह थे उनकी रूह कैद खाना से छूट गई तो इस पर मातम का क्या मौका है दुनिया सिज़नुल मोमिन मोमिन ये दुनिया का कैद खाना है वो कैद खाने से अपनी सल्तनत की तरफ लौट गए ये तो उनके शहनशाह बनने का वक्त है अगर तुमको इससे वाकफियत नहीं है तो अपने ऊपर मातम करो तुझे अपने दिल और दीन पर मातम करना चाहिए क्योंकि तुझे इस दुनिया के अलावा कुछ नजर नहीं आता जो दूसरे आलिम को देखता है तो उसके हसूल के लिए बहादुर जाबाज़ और सैर चश्म क्यों ना होगा जो आलिम आखिरत को देखता है उसके चेहरे पर नूर होता है याद रखो जो समंदर के खजानों को देख लेता है वो किसी भी सखावत से दरेक नहीं करता जिल्द शशम इकात नंबर बीस उस लालच की मिसाल जो अल्लाह की रज़ाकी और रहमत के खजानों को देखने वाला नहीं उस च्यूटी किसी है जो एक डेर पर है और एक दाने पर कोशा है और जल्दी जल्दी खेच रही है डेर की वसत को नहीं देखती चिंटी जो एक दाने के लिए अपनी जान हल्कान कर रही है उसकी वजह यह है कि वह बड़े डेरों से अंधी है और अपने अंधेपन से न चीज को चीज समझ रही है उसने डेर में से सिर्फ यही एक दाना देखा है इंसान जिस्म के एतबार से तो एक अकीर जर्रा है लेकिन रूह के लिहाज से सबसे ऊंचा जोहल सितारा है सुलेमान है इंसान जिस्म का नाम नहीं है इंसान तो दीदा हक बीन है इंसान की हकीकत दीदे हक का आला यानी रूह है और बकिया महज गोश्त पोस्त है जो कुछ उसकी हक भी आंख देखती है असल चीज वही है वरना सब ना चीज है वो मटकी जिसका ताल्लुक समंदर से हो जाए वो अपने पानी से पहाड़ को गर्क कर सकती है चूंकि आजूर सल्ला वसलम के सिफात हजरत हक के सिफात में फना हो चुके थे लिहाजा हजूर सल्ला वसल्म का फरमाना हज़रत हक का फरमाना है कुरान में अक्सर जगह लफ्स कुल आया है वो बज़ाहर हजूर सल्लाम का मकोला है लेकिन हकीकता अल्लाह ताला का मकोला है गुफ्ताओ गुफ्तल्लाहबूद करचे अजहलकूम अब्दुल्लाहबूद उसके मुँह से निकले हुए अल्फ अल्लाह ही के अल्फाज होते हैं अगरचे वो अल्लाह के बंदे के हल्क से निकले हों हुजूर सल्लल्लाहु हजूर वसल्लम के दिल की के वाबस्तगी जबकि बाहर हकीकत से थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ उसी समंदर का मोती है अगर पूरी अतात के बाद इंसानों के अफाल अल्लाह की तरफ मनसूब होते हैं तो इसमें क्या ताज्जुब है कि किसी आरफ को फनाफात का मरतबा हासिल हो जाए किसी मटकी से समंदर का पानी निकल रहा हो और तेरी निगाह महज पानी की गुजरगाह को देख रही हो हालांकि वो तो समंदर से आ रहा है मटकी और समंदर को दो समझना बहंगापन है दरअसल दोनों में इतिहाद है सिर्फ मटके को न देख जो कुछ मटके में है उसे देख उसमें एक समंदर पिन्हा है इंसान कामिल के अंदर भी फजूज इलाही हैं जो लामहदूद हैं जो पाक और शीरी हैं जो शख्स उन फयूज़ से मरूम है वो खुदाई कहर की वजह से अजाब में है इंसान को उन फयूज का मजहर बनाने में यह हमत है कि इससे जाहिर हो और कोई बुलंद इकबाल उसकी जस्तजु में लगे इस मजहर को देखकर कोई बानसीब मजीद मुजाहिदे और कोशिश में लगेगा और उसको मुशाह हक हासिल हो जाएगा अहल दिल की मिसाल यूं समझो कि उनमें एक नहर जारी है और उस नहर को जात हक से इतिहाद हासिल हो चुका है यही अहल दिल वो है जिनसे जमीन व आसमान कायम है लफ्स इतिहाद का भी गलत इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इतिहाद तो दो चीजों में होता है उनका जक से ऐसा विशाल है कि दुई खत्म हो चुकी है अब उनकी बात खुदा की बात है जब ये वादत हासिल हो जाती है तो मंसूर हल्लाज रहमत की तरह वो नारा अनल हक लगा देता है और मौत की सूली ना सही बदनामी की सूली पर चढ़ जाता है ये ताल्लुक बिल्ला बादल फना से ही मालूम होगा उस मुकाम के बारे में बहस ना करो उसे हासिल करने की कोशिश करो हशर और बासाबादल मौत तब ही होगा जबकि पहले मौत वाक्य हो जाएगी क्योंकि बेस तो मरने के बाद जिंदा होने को कहते हैं इस बायस के लिए मौत जरूरी है जो मौत से डरते हैं उनकी राह गलत है ताल्लुक माल्ला का इल्म जब ही हासिल होगा जब ताल्लुक गैर अल्लाह का इल्म छोड़ दोगे अल्लाह से सलाह और मोहब्बत जब ही पैदा होगी जब गैर उल्लाह से सलाह मोहब्बत खत्म हो जाएगी हम हाल कहां से तलाश करें हाल को छोड़ने से काल कहां से तलाश करें तरके काल से वजूद को कहां ढूंढें वजूद को छोड़ने से कुदरत को कहां तलाश करें कुदरत को तर्क करने से ए बेहतरीन मददगार अगर तू मदद ना करे तो हमारी फानी अशिया को देखने वाली आंखें बाकी को देखने वाली नहीं बना सकता हमारी जिस्मानी आंख अदम से वजूद में आई है इसलिए उसको सिर्फ मदूम ही से मुनासिबत है और वो वजूद मतलब को भी मदूम ही देखती है अगर ये आंख हकीकत बीन बन जाए तो वो उस बाजार मुनजम दुनिया को मैशर बना हुआ देखे नाकिस मुकम्मल को बिना कस ही समझता है दोजखियों के लिए जन्नत का शहद भी कड़वा होगा जब तक खरीदार न हो सौदागर का हाथ सौदा देने के लिए हरकत नहीं करता इसी तरह अगर कोई अल्लाह की जन्नत का तालिब नहीं है तो अल्लाह उसे जन्नत अता नहीं फरमाता बाजार में तमाशाई महज तफरी के लिए सौदों के भाव पूछता रहता है एक खरीदार के बाजार में आने का कसद कुछ खरीदारी करना होता है लेकिन तमाशाई सिर्फ दिल लगी और मजाक के लिए बाजार में आता है उसके पास खरीदने के लिए दमड़ी भी नहीं है वो अशिया को सिर्फ तफरी के लिए छू रहा है अगर उसके पास कोई सरमाया नहीं है तो वो और उसका साया इशकसा है याद रखो दुनियावी कारोबार करने के लिए सरमाए की जरूरत होती है लेकिन आखरत के कारोबार के लिए इश्क और आहोजारी जरूरी है जो शख्स बगैर सरमाए के बाजार में निकलता है वो ऊपर बर्बाद करता है ऐ शख्स असल खरीदार बन फिर अल्लाह का हाथ तुझे देने के लिए हरकत में आएगा और उसकी कान से तू लालो जवाहर यानी आंसू हासिल करेगा कोई सुने या ना सुने तबलीग करने वाले को अपना फर्ज अदा करना है जिल्द शशुम हिकायत नंबर 21 उस शख्स का किस्सा जो आधी रात को एक मकान में शहरी का नकारा बजा रहा था पड़ोसी ने उससे कहा कि आधी रात है शहरी का वक्त नहीं है और इस घर में कोई मौजूद नहीं है तू किसके लिए नकारा बजा रहा है और बजाने वाले का जवाब एक शख्स ने एक दरवाजे पर आधी रात को शहरी का नकारा बजा दिया कोई बोला इस घर में तो कोई रहता नहीं है नकारा बजाने वाले ने कहा तू कह दिया अब मेरी बात सुन ले तेरे लिए यादिरात है लेकिन मेरे लिए मस्ती की सुबह है क्योंकि इस वक्त तहजुद पढ़कर मस्ती पैदा की जा सकती है जो तेरी नज़र में शिकस्त है मेरी नज़र में फतेह है जिसे तू सिया समझता है मैं उसे नूर समझता हूँ यह रात और दिन की तब्दीली ऐसी ही है जैसे दरिया नील सिप्तियों के लिए पानी था लेकिन किबतियों के लिए खून था हजरत दाहम के लिए लोहा मोम था मुनकरों के लिए सख्त तरीन चीज हजरत दाऊद्लाम जिस वक्त अपनी हुशलहानी से जबूर पढ़ते थे पहाड़ भी पढ़ने लगते थे हजूर सल असलम के हाथों के संग्रेजों ने उनकी रिसालत की गवाही दी और तस्वीर पढ़ी थी उसवाना हन्नाना आम लोगों की नज़र में लकड़ी का एक सुतून था लेकिन हजूर सल्ला वसलम की जुदाई में रोया तमाम जमादात और नबादात अवाम के एतबार से मुड़ता है लेकिन हक ताला एतबार से समझदार और जिंदा हैं इस बात का जवाब कि यहां कोई नहीं है ये है कि खुदा के लिए जो काम किया जाए उसके लिए जस्तजू नहीं होती कि वहां कोई इंसान है या नहीं खुदा के आशिक हज करते जाते हैं काबा का तवाफ करते हैं दुआएं करते हैं क्या कोई ये कहता है कि ये घर तो खाली है जिसके दिल में ईमान हो वो काबे को बरा हुआ ही समझता है बहुत से ऐसे मकानात हैं जो इंसानों से भरे हुए हैं लेकिन वो इंसान हकीकत में इंसान नहीं है अहले दिल उन मकानात को खाली समझते हैं इंसान जिस महबूब का कालब है उसको काबा यानी कलब मोमिन में तलाश कर ले जिन इंसानों को अल्लाह ने फखर और बुलंदी अता फरमाई है वो अल्लाह के घर से खाली नहीं है उनका दिल अल्लाह का घर है आरिफ कामिल का दिल हर वक्त फैज रसानी करता रहता है उस घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता और सब इंसान उसके मोहताज है हाजी लब लबैक पुकारते हैं लेकिन उनको कोई नहीं कहता कि तुझे कौन पुकार रहा है जो तौफीक हाजी को खुदा ने दी है वही खुदा की तरफ से पुकार है जिसके जवाब में हाजी लब कहता है मैं अपने बदन के तांबे को ऊंचे नीचे सुरों से उस मकान के कीमिया पर मल रहा हूँ और नकारा इसलिए बजा रहा हूँ कि रहमत का समंदर जोश में आकर मुझ पर मोती बरसाने लगे मैं तो मामूली काम कर रहा हूँ लोग तो जहाद में अल्लाह के नाम पर जान से खेल जाते हैं अम्बिया ने अल्लाह के नाम पर कैसी कैसी सख्तियां झेली हैं। बाज लोग अल्लाह ताला की रजा के लिए अब अनह का जोद इख्तियार करते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तहो जैसा दीन पर जमाव इख्तियार करते हैं जिस तरह उन लोगों ने अल्लाह की राह में काम किया है मैं भी अल्लाह के लिए सैर का नक्का बजाता हूँ अगर कोई शख्स अपना कोई खरीदार चाहता है तो खुदा से बड़ा खरीदार कौन होगा अल्लाह तेरे ना के सामान खरीदता है और उसके इवज नूर अता करता है इंसान का फानी जिसम खरीद कर उसके बदले में अबदी सल्तनत अता फरमाता है इंसान जब उसके दरबार में रोता है तो आंसुओं के चंद कतरों के इवज वो हौसे कौसर अता कर देता है हजरत इब्राहिम की कुरान में सिफ्त आह करने वाला लिख है अल्लाह के बाजार में पहुंचकर अपना पुराना फरोख्त कर दे और इसके बदले में नई सल्तनत हासिल कर ले अगर तुझे इस कारोबार में शक है तो अंबिया को देख ले उन्होंने किस कदर नफा कमाया है कि पहाड़ भी उनकी दौलत को नहीं उठा सकता जिल्द शशम हिकायत नंबर बाईस हजरत बिलाल अन्हो का हिजाज की गर्मी में आहद आहद कहना जबकि उनका आका उनको मारता और उनका खून उबलता उनके इरादे के बगैर उनके मुंह से आद निकलता है जैसे किसी मुसीबत ज्यादा से बिला अराधा रोना फूटता है क्योंकि वो हज़ूर सल्ला वसलम के इश्क से पुर थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तलाो का गुजरना और उनको नसीहत करना हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तलाों का आका उनको कांटों पर घसीट रहा था और तरह तरह की सज़ाएं दे रहा था कि तू मेरे मजहब का इनकार क्यों करता है वो रज़ी अल्लाह तलाो अपने जिसम को क़ुर्बान कर रहे थे और उनका अहद अहद कहना आहोजारी के तौर पर न था बल्कि अपने दीन पर फखर के लिए था हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तला का गुजर वहां से हुआ तो उन्होंने हजरत बिलाल रजील्लाह तू की आवाज़ सुनी उनको महसूस हुआ कि वो मुसलमान हैं और उनको इस बेदर्दी से पीटा जा रहा है तो वो बहुत रंजीदा हुए हजरत बिलाल रजी अल्लाह तलाो से तनहाई में कहा कि अपने ईमान को छुपा कर रख अल्लाह तला तेरे पोशीदा ईमान को जानता है हज़रत बिला रजी ईमान को पोशीदा रखने का वादा कर लिया दूसरे दिन फिर वो वहां से गुजरे तो उनको पहली हालत में पाया ईमान के इश्क ने ईमान को पोशीदा रखने की शर्त को और तौबा को तोड़ दिया वो तौबा करते थे लेकिन वो फिर टूट जाती थी तो वो तौबा से बेजार हो गए और अपने जिसम को ईमान के सबुर्द करके फिर मुसीबतों में डाल दिया और अपने दिल में कहने लगे अय मोहम्मद सल्लाम तुम मेरी तोबा के दुश्मन हो और चूंकि तुम्हारी मोहब्बत मेरी रग रग में समाई हुई है वहां तोबा की गुंजाइश कहाँ है अब मैं तोबा से तोबा करता हूँ और जिस ईमान की बदौलत मुझे जन्नत की जिंदगी हासिल हुई है उसके इजहार से कैसे तौबा करूं अब मैं इश्क में मजबूर हो चुका हूं मैं इश्क की तेज हवा के सामने एक दिन का हूं मालूम नहीं वो मुझे कहां ले जाकर फेंकेगी मैं खौचांद हूं या बिलाल अब इश्क के सूरज का पैराव हो चांद को तो सूरज के पीछे रहना है खा इसमें उसका घटाओ हो या बढ़ाओ तकदीर के मुकाबल कोई बात तय करना अपनी मूछों का मजाक उड़ाना है कजाए खुदाबंदी और इंसान की मसाल तेज आंधी और घास के तिनके की है बिल्ली को थैले में बंद कर दें तो वो बेचैन हो जाती है और उछल कूद करती रहती है हती के आजाद हो जाए इश्क आशिक को मुसलसल चक्कर में रखता है पन चक्की का पाठ हमेशा घूमता रहता है जिस तरह चक्की का पाठ नहर के वजूद की इलामत है इसी तरह इंसान का तजबजुब और बेकरारी कजाए खुदाबंदी की दलील है अगर तुझे कजा नजर नहीं आती तो उसके आसार को देख ले ऐ दिल अगर कजा की वजह से इतनी अजीम शान चीजें बेकरार हैं तो तेरे जैसी छोटी सी चीज कैसे बेकरार ना होगी कजा के मुकाबिल तू जो भी सहारा ढूंढेगा कजा उसको फना कर देगी अगर इंसान अल्लाह के उस फेल को नहीं देख सकता जो वो आलम के अज्जा में कर रहा है तो उसके फेल के उस असर को देख ले जो अज्जाए आलम पर है समंदर के ऊपर के जाग और तिनकों में जो हरकत है सब समझते हैं कि समंदर के जोश की वजह से है चांद और सूरज जो आसमान की चक्की की दो बैलों की तरह है उसके फर्मा बरदार और हुक्म के मुताबिक काम करते हैं सितारों के मुख्तलफ बुरजों में तासीरात उसी के तसरुफ का नतीजा है अगर तुम्हारी निगाह अफ़ाक की इलामतों को नहीं देख सकती तो उसके तसरुफात को देख जो तुम्हारे अनफुस में है ये तुम्हारे हवास रात को कहाँ होते हैं और दिन में कहाँ होते हैं और उन पर क्या क्या कैफियात तारी होती हैं और इन सब पर गौर कर लो जमाने के तगैरात को देखो कि इतनी बड़ी कायनात किस तरह तगैर पजीर है इंसान का दिल कायनात के मुकाबले में बहुत छोटी सी चीज है तो फिर वह कुदरत के अहकाम से बेकरार क्यों ना होगा जानवर अपने मालिक का पूरी तरह मुती होता है इसी तरह इंसान को अपने मौला का मती हो जाना चाहिए जनु एक सितारे का नाम है जिससे सूरज पर ग्रहण वाक्य हो जाता है ये उसकी नहुसत होती है इसी तरह जंप यानी गुनाह का कुर्ब भी इंसान की से आई का सबब बन जाता है इंसानी अकल सूरज से बड़ी नहीं है जब वो गलत रवि की वजह से स्याह हो जाता है तो इंसान की अकल अगर गलत रवि अख्तियार करेगी तो रूसिया हो जाएगी अगर मुकम्मल गुनाह होंगे तो ही भी मुकम्मल होगी अगर गुनाह अधूरे होंगे तो ही भी अधूरी होगी कुरान में है कि और उनके दरमियान इंसाफ से फैसला किया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं होगा अल्लाह हमारी डकी छुपी नेकी बदी को देखने और सुनने वाला है अब कुदरत की बहस खत्म करते हैं क्योंकि आशिकों में इश्क के गलबे की वजह से ईद की सी खुशी है और मशूक आशिकों से बहुत अच्छे इखलाक से पेश आ रहे हैं आशिकों का नसीबा नाज कर रहा है हजरत बिलाल रजी अल्लाह तला अन फिर इश्क के जोश की वजह से तोबा को तोड़ने पर मजबूर है अब वो मस्त हो गए हैं और हमेशा इस मस्ती के तालिब है अब बिलाल रजी अल्लाह तला अन और बिलाल रजी अल्लाह तला अन दोनों यार हो गए हैं और उनके जख्म उनके लिए फूल बन गए हैं उन्होंने कहा कि अगरचे जिसम को ये काफिर जख्मी कर रहा है लेकिन मुझे मेरे महबूब ने मस्त कर दिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी से नजूल फरमाया और हज़रत बिलाल रजी अल्लाह तहो की तरफ तवज्जो फरमाई जिल्द शशम हिकायत नंबर तेईस हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्ल्ह का हजरत बिलाल रजील् तला के वाक़ और उन पर जुल्म और उनकी इस्तिकत के बारे में और मुनकरों का कीने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करना और उन मुनकरों से खरीदने के बारे में मशवरा करना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह रजीलों के बारे में हजूर सल्लाम से अर्ज किया कि वो बगैर किसी जुर्म के सजा काट रहे हैं हजरत बिलाल रजी रजील अनहो शाही बास थे इसलिए चुगदों को उन पर गुस्सा आता था कि यह शाही कलाई और मोहल्लात का जिक्र करके हमें क्यों परेशान करता है हमारे आला मसाकिन को वीराना समझता है ये तेरी मक्कारी दरअसल सरदारी हासिल करने के लिए है वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तला को बरहना करके चारों हाथ पाओं को कीलों से बांध कर खारदार लकड़ी से मारते थे लेकिन वो इस सजा से जर्रा पर भी नहीं घबराते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तलाों ने यह भी बताया कि वो अपने ईमान को जाहिर करने की तोबा से भी तौबा कर चुके हैं सच है आशिक हो और फिर अपने महबूब के जिक्र से तोबा करे ये नामुमकिन बात है इश्क के सामने तोबा करना कमजोरी की लामत है तोबा बंदे का फेल है और इश्क खुदा की सिफत है खुदा की सिफ्त का बंदे की सिफ्त से क्या मुकाबला अगर गैर खुदा से इश्क हो तो मुलम्मा शुदा अंगूठी की तरह होता है मुलम्मा उतर गया तो इश्क भी गायब हो जाता है मजाजी इश्क में जब मशूक से खुदाईस जुदा हो जाता है तो इश्क भी नहीं रहता मजाजी मशूक पर से अल्लाह ताला के हुसन का अक्सा हट जाने से ना उसमें ज़िंदगी बाकी रहती है ना हुसन। वो महज मट्टी और पानी रह जाता है जो अक्लमंद हैं वो असल पर आशिक होते हैं क्योंकि वो बाकी रहने वाली चीज है और इसके इश्क में इजाफा होता रहता है अय मशूक के तेरी सिफात के हकीकी होने में कोई शक नहीं है और तेरी इस सिफत में कोई शरीक नहीं है कुरान में है कि खलक और अमर उसी के लिए है आलिम अमर मादे से खाली है और आलिम खलक जिसमानी आलिम है असल तो आलम अमर है आलि खलक तो उसका साया है हजूर सल्ला वसलम हजरत बिलाल रजी लोहो का किस्सा सुनकर बहुत खुश हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अर्ज की कि मैं उसको उन काफिरों से खरीद लूंगा के खुदा का कैदी दुश्मनों में फंसा हुआ है फरमाया अदावत की वजह से वो बहुत ज्यादा कीमत तलब करेंगे उसे खरीद लो और मुझे भी इस खरीदारी में शरीक कर लो हजरत अबी ने अपने दिल में सोचा किफिर हजरत बिलाल रजीलो की कदरों कीमत से ना वाकिफ हैं उनसे बिलाल रजीलो को आसानी से इस तरह खरीद लूंगा जिस तरह बच्चे से मोती खरीद लिया जाता है इसी तरह उन कफार से शैतान दुनिया के बदले अकल और ईमान खरीद लेता है वो उन काफरों को मुर्दार दुनिया इस कदर पुर रौनक करके दिखा देता है कि उनसे आखिरत के चमन खरीद लेता है अम्बिया ने लोगों को अच्छी तिजारत करनी सिखाई लेकिन शेतान अपने इसरात से मियाँ बीबी में नफरत पैदा कर देता है और तलाक तक नौबत पहुंच जाती है इसी तरह शेतान ने अपने जादू से उनको अंधा कर दिया और उन कुार ने बिलाल रजी ला को चंद टकों में बेच डाला गधे के सामने मोती और कौड़ी यकसा होते हैं जो के हवान लाल और मोती की कीमत नहीं समझते इसीलिए कानों में मोती के से नहीं पहनते अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को तकवीम पैदा किया ऐसा उसकी रूह की वजह से है रूह कामिल अर्श से अफजल होती है और इंसान इस दुनिया में उसकी हकीकत को नहीं समझ सकता रूह कामिल जिसकी हकीकत का बयान नामुमकिन है अगर मैं उसकी कदरों कीमत बयान करूं तो मैं भी और तुम भी जल जाओगे और कुछ हासिल भी नहीं होगा इसलिए इस सिलसिले में खामोशी बेहतर है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजील्ला उमैया के घर में दाखिल हो गए और कहा कि तू इस अल्लाह के वली को क्यों मारता है अगर इंसान अपने मजहब पर सच्चा हो तो दूसरे मजहब वाले सच्चे दिल वाले की हकीकत को समझ सकता है वो उस पर जुल्म करना पसंद नहीं करेगा उसको उसके एतकाद पर मजबूर समझेगा अगर तू तो किसी सच्चे दीनदार पर जुलम करता है तो मालूम हुआ कि तू तो अपने दीन का पक्का नहीं है चूंकि तेरी फितरत कज है इसलिए दूसरों को भी कज फितरत समझता है हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने हैरान कुल बातें की जो पुर हिकमत थीं क्योंकि उन बातों का असल चश्मा हक ताला था कोई तजुब ना कर क्योंकि वो तो पहाड़ों के पत्थरों में से भी चश्मे जारी कर देता है तेरी आंख को भी अल्लाह ने अपना नूर अता करने का हिजाब बना रखा है जैसे पत्थर चश्मे के लिए हिजाब था वरना आंख के अज्जा में नूर कहाँ है इंसान का कान भी कुदरत का एक पर्दा है वरना उसके अज्जा में सुनने की ताकत कहाँ है याद रखो हर मामले में असल मुतसर्रिफ अल्लाह ही है उमैया ने हजरत रजी अल्लाह रजील्लाहों से कहा अगर तुझे उस पर रहम आता है तो खरीद ले हजरत अबू बकर अबोबकर रज़ी तला ने फरमाया मामला तय हो जाए तो खुदा का शुक्र अदा करूंगा मेरे पास सफेद रंग का एक हसीन गुलाम है लेकिन उसका दिल कुफर की वजह से काला है मुझे उसके बदले में काले बिलाल रजील्लाहो को दे दे हजरत अबू बकर रजी ला तनों का गुलाम इस कदर खूबसूरत था कि उमैया का दिल उसको देख बेकाबू हो गया ज़ाहिर परस्तों की यही हालत है कि सिर्फ सूरत पर कुर्बान हो जाते हैं उसने हजरत बिलाल रजील्ल्ला के ईवज गुलाम के अलावा कुछ चांदी भी तलब की जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजील्लाहोर ने दे दी दर हकीकत उमैया ने मोती देकर पत्थर ले लिया वो सोचता था, था कि मैंने नफा कमा लिया वो हंसा कि हज़रत अबू बकरी नुकसान उठाया है हज़रतबू बकरी रजील्लाह तलाने हंसने और तनज की वजह पूछी तो वो और ज्यादा हंसा और कहा अगर आपको इस गुलाम में इस कदर दिलचस्पी ना होती तो मैं उसके दाम ज्यादा ना बढ़ाता मैं जो कीमत ले चुका हूँ इसके दसवें हिस्से पर भी राजी हो जाता क्योंकि ये काला गुलाम मेरे नज़दीक दमड़ी का भी नहीं है हजरत अबू बकरी अल्लाह तुमने फरमाया कि तू पीर नाबालिग है तूने ने अखरोट के बदले में मोती दे डाला मेरे नज़दीक उसकी कीमत हर दो आलम है क्योंकि मेरी नजर उसके बाद दिन पर है उसका काला होना रश्क की वजह से है ताकि अहमक इसको ना पहचान सकें तुझे चूंकि ये सस्ता हाथ लगा था तूने सस्ता बेच दिया ये न देखा कि इस डिब्बिया में मोती है तू भी इस मामले में स्यारू बना है फिर भी खुश हो रहा है जब हकीकत खुलेगी तो बहुत अफसोस करेगा तेरी खुशकिस्मती इस गुलाम की सूरत में तेरे पास आई लेकिन तूने तो इसको ना पहचाना परस्तों की यही सजा है कि उनको सफेद काफिर गुलाम की सूरत में लकड़ी का घोड़ा मिले जिस पर खूबसूरत झूल पड़ा हो इस तरह काफिर की कब्र पर खूब नक्शो निगार होते हैं लेकिन अंदर आग और धुआं होता है जालिमों का जाहिर खूबसूरत मगर बातिन में मजलूमों का खून होता है मुनाफिक का भी यही हाल होता है वो बज़ाहिर इस्लामी फराइज अदा करता है लेकिन बातन ईमान से खाली होता है झूठे वादे की तरह जो इब्तदा में बहुत खुशकुन होता है और इंतहा में मायूस कन खरीदारी के बाद हज़रत बुबर सिद्दीक रजी तन ने हजरत बिलाल रजी ला तनों का हाथ पकड़ा और उसे हजूर सल्लाम की खिदमत में ले आए जब हज़रत बिलाल रजी ला तन की नजर हजूर सल के चेहराए अनवर पर पड़ी तो खुशी की ज्यादती की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े जब होश आया तो खुशी से रोने लगे हजूर सल्लाह वसल्लम ने उनको सीने से लगा लिया और जो फयूज सीने से लगाने पर उनको मिले उनका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता ऐसे जैसे किसी मुफलिस का पांव अचानक भरपूर खजाने पर आ जाए या कोई अदमोई मछली समंदर में पहुंच जाए फिर अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसी मवसर बातें बताएं कि रात को बता दी जाए तो वो दिन बन जाए। जाएलिया ताला अलैहिम की सोहबत से बगैर कुछ कहे क्लूब पर जो असर होता है वो महज़ ज़ोकी है अल्फाज में बयान नहीं हो सकता बगैर कलाम के तस्र कुछ इस तरह होती है जैसे सूरज की धूप से फलों में खुद ब खुद शेरिनी पैदा हो जाती है साफ पानी फूलों में ताजगी पैदा कर देता है इसी तरह अल्लाह के तसरफा बगैर किसी आला के होते हैं लेकिन सूरत तासीर में जादूगरों के अफसों से भी बढ़कर असबाब का वजूद और उनसे भी असरात का ताल्लुक भी हुक्म खुदाबंदी किताबें हैं, जो बगैर लबो हर्फ के खुद बहुत सादिर होता रहता है अल्लाह ताला की इस फेल को आवाम नहीं समझते इसलिए कि उनकी अकल अल्लाह की जत के मामले में अम्बियालाम की मुकलद है इसलिए उनकी तकलीद से काम लेना चाहिए जल्द शशुम हकायत नंबर चौबीस हजूर सल्ला वसलम का हज़रत अबू बकर रजील्ल्लह से नाराजगी का इजहार करना कि मैंने कहा था बिलाल की खरीदारी में मेरी शराकत करना और हज़रत अबू बकर रजील्ल्लो की मज़रत हज़रत अबू बकर रजील्ल्लो ने हज़रत बिलाल रजील् तैन को सिर्फ अपने रुपये से खरीदा तो हजूर सल्ला को नागवारी हुई हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तै ने अर्ज की कि मैंने बिलाल रजी अल्लाह तैन को आज़ाद करने के लिए खरीदा था और आप सल्लास के सामने आज़ाद करता हूँ और आप सल्ला मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें मैं कभी आजादी नहीं चाहूँगा आप सल्लास की गुलामी मेरे लिए आज़ादी है मैं जवानी में ख्वाब देखा करता था कि सूरज मुझे सलाम करता है और उसने मुझे जमीन से आसमान पर खींच लिया है और मैं बुलंदी पर उसके साथ हूँ उस वक्त मैं समझता था कि ये दिमाग का खलल है लेकिन जब आप वसल्लम का शर्फ सोहबत हासिल हुआ तो मुझ पर अपनी हकीकत खुली और आप सल्लास की जात ने मेरे लिए आईने का काम किया और वो बात जिसे मैं मुहाल समझता था उससे दो चार हो गया आप सल्लाम के दीदार के बाद मुझ पर मामला खुला कि सूरज तो आप वसल्लम की जाते गिरामी है और ये दुनिया का सूरज आप सल्लाह वसल्लम के सामने हीच है बल्कि इस दुनिया की हर चीज आप सल्लाम के सामने बेहकीकत है मेरी तमन्ना थी मैं नूर देखूं लेकिन जब आप सल्लाम का दीदार हुआ तो नूर नूर को देखा हजरत यूसफ्लाम के हुसन की शोहरत पर उनको देखने की तमन्ना थी आप सलाम के दीदार से उस्तान का दीदार हासिल हो गया बहुत सी जन्नतों का दीदार हासिल हुआ मैं अल्फाज में आप सल्लाम की तारीफ कर रहा हूं लेकिन मेरी ये तारीफ आप सल्ला वसल्लम के फजाइल के मुकाबले में नाकिस है ये तारीफ इसी तरह की है जैसी चरवाहा अल्लाह ताला की कर रहा था उसने अल्लाह के इश्क में कहा था कि तुम्हारी जुएं निकालूंगा तुझे दूध पिलाऊंगा तेरे चप्पल सीधूंगा उसकी ये तारीफ अल्लाह के शान के लायक नहीं थी लेकिन अल्लाह ने उसे कबूल फरमा लिया इसी तरह आप सल अल्लाह वसल्लम भी मेरी नाकिस तारीफ को कबूल फरमा लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से दूर नहीं है क्योंकि हमारी ना की शक्लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और औसाफ तक नहीं पहुंच सकती आलम मलकूत से हर गुमराह के लिए रहनमाई का सामान होता रहता है इस आलम में बहुत से अजायबात हैं इंसानों की रहनुमाई के लिए वही का नजूल भी वहीं से होता है अब जब आप सल अल्लाह वसल्लम की जरामी उस आलम से यहां आ गई है तो कौम के लिए बशारत है इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आह तमाम गुमराहियों को ख़त्म कर देगी हजूर सल्लाम की आमद सब के लिए अच्छी बिशारत है खूस हज़रत बिलाल रज़ी तलाों के लिए हजूर सल्लाम ने बिलाल को अजान देने की फरमाइश की हमारे बशीर सल्लाम चाहते हैं कि हम इस दुनिया के कैद खाने और गंदगी से निकल जाएं, जाए हजूर वसल्लम चुप कैसे रह सकते थे क्योंकि आप वसल्लम के जिस्म का हर रोंगटा दावत का ऐलान कर रहा है बावजूद इस ऐलान के दुश्मन इस कदर बहरा बना हुआ है कि इस कदर ढोल पिट रहे हैं और वो कहता है कि आवाज कहाँ है नबी करीम सल्लाह वसल्लम उसके चेहरे पर फूल मार रहे हैं और वो कहता है कि मुझे किस चीज से तकलीफ पहुंच रही है उसकी मिसाल ऐसी ही है कि हूर किसी अंधे का हाथ पकड़कर खेचे और अंधा हैरान होकर कहे कि वो क्यों सता रही है उस अंधे को यह मालूम नहीं है कि जिस हूर के वो ख्वाब देखता है वो यही है आकाम का मुकलिफ बनाना अगरचे नफ्स को नागवार है तकालीफ का आना भी महबूबियत की दलील है क्योंकि आजमाइश हमेशा महबूबों ही की होती है जिल्द शशुम हकायत नंबर 25 हजरत हिलाल अल्लाह तैन का किस्सा जो खुदा के मुखलिस बंदे थे और इज की वजह से गुलामी के पर्दे में छुपे हुए थे उनका मालिक मुसलमान था लेकिन अकल का अंधा था हजरत हिलाल रजी लह बिन हारिस हज़ुर सल अल्लाह वसलम के आज़ाद करदा गुलाम थे पहले किसी सरदार के गुलाम थे जो आप रजील्ला की कदर न जानता था हजरत हिलाल रजी अल्लाह तैन अपने आप को गुलामी में छुपाए हुए थे अंधा इतना तो जानता है कि उसकी माँ है लेकिन ये तसवुर नहीं कर सकता कि वो कैसी है अगर वो जानने पर ही माँ की तजीम करे तो मुमकिन है निजात पा जाए क्योंकि जब अल्लाह किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसके दिल की आंखें खोल देता है दिल की जिंदगी का रास्ता हासिल कर क्योंकि जिसम की जिंदगी तो सिर्फ हैवानी सिफत है हजरत हिलाल रजी अल्लाह तआला अनहु हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला तला से मुजाहिदों में बड़े हुए थे अ इंसान उनकी हालत तेरी तरह नहीं थी कि तू हर दम पस्ती की तरफ जाने की कोशिश में है इंसान का अपने रुतबा से पीछे हटने पर किस्सा सुन लो एक साहब के यहाँ कोई मेहमान पहुंचा उन साहब ने उनकी उम्र दरियाफ्त की वो बोला अट्ठारह सत्रह या सोलह या दस मेजबान बोला मिया इससे तो बेहतर है कि कह दे कि मैं अभी पैदा ही नहीं हुआ किसी शख्स ने एक घोड़ा सवारी के लिए मांगा घोड़े के मालिक ने कहा यह घोड़ा ले ले वो बोला ये घोड़ा नहीं चाहिए मालिक ने पूछा क्यों नहीं चाहिए वो बोला ये घोड़ा आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चलता है मालिक ने कहा तो फिर उसकी दुम अपनी मंजिल की तरफ कर दो ये पीछे की तरफ चलेगा तो तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे ए दोस्त तेरा नफ्स भी उस घोड़े की तरह है ये जिद्दी घोड़ा है इसकी शाहवत का रुख दुनिया की तरफ है इसका रुख मोड़कर कर उकबा की तरफ कर दे ये मंजिल पर पहुंच जाएगा जब तू शहावत का रुख दुनियावी लज्जतों की तरफ से मोड़ देगा तो फिर वह शहावत अकल के रास्ते से उभरेगी दरख्त की जब एक शाह काट दी जाती है तो उसकी कुवत दूसरी शाखों की तरफ मुंतकिल हो जाती है जब तू तो अपने नफ्स के दुम आलिम आखरत की तरफ कर देगा तो खुद बहुत महफूज मुकाम पर पहुंच जाएगा वो लोग मुबारकबाद के मुस्तक हैं जिनके नफोज मरातब तय करते जा रहे हैं हजरत महूसम ने हजरत खजर सलाम की मुलाकात के सिलसिले में फरमाया था जब तक दो दरियाओं के मिलने की जगह पर ना पहुंच जाएंगे मैं चलने से बाज नहीं आऊँगा इस तरह साल हाल हा चलता रहूँगा उनके जिस्म की सैर का जी आलम था तो रूह की सैर तो किसी अला तरीन मुकाम तक होगी शाह सवारों ने अपने घोड़े दौड़ा दिए जबकि अहमक मामूली जगहों पर डेरे डाले पड़े रहे एक काफिला एक गांव में आया एक दरवाजा खुला देखा किसी ने कहा कि सरती बहुत ज्यादा है कुछ दिन यही सामान डाल दे गांव के अंदर से आवाज आई के सामान मकान के बाहर डालकर अंदर आराम की जगह आ सकते हो जाहिर है जिन लोगों को माल से मोहब्बत होगी वो उसे छोड़कर आराम की जगह नहीं जा सकेंगे याद रखो मुकाम कुर्ब भी एक बुलंद मजलिस है उसमें भी सामान बाहर फेंक कर पहुंचा जा सकता है हजरत हिलाल रजी ला दिल के उस्ताद थे और रूह रोशन रखते थे वो सरदार के अस्तबल में साइस थे लेकिन दर हकीकत बादशाह थे उन्होंने अपने नफ्स की सलाह की हुई थी इसलिए उनका मरतबा बहुत से इंसानों से बड़ा हुआ था जिस तरह शैतान ने हजरत आदम सलाम के जिसम ही को देखा इसी तरह सरदार की निगाह भी उनके जिसम तक ही गई वो उनके ज़ाहरी हवासों को देखता था लेकिन उनकी असली यानी रूह को नहीं देखता था दीन का नूर तो इंसान के अंदर छुपा हुआ है इसीलिए जाहिर बीनों ने नबियों के साथ यही मामला किया और बात इन पर नजर न की हकीकत तक पहुंचने के लिए इंसानों की तीन किस्में हैं मसलन एक बुलंद मीनारा पर शाहबाज है यानी एक परिंदा है उस परिंदे के मुंह में एक बाल है जो उस परिंदे के लिए मदार हयात है कुछ लोग तो वो हैं जिनकी नजर सिर्फ मीनारे पर पड़ती है कुछ मीनारे के साथ परिंदे को भी देखते हैं और कुछ मीनारे परिंदे के अलावा बाल को भी देखते हैं इंसान का जिस्म एक मीनारा की तरह है इल्म और इबादत परिंदे की तरह और नूरे बातन बाल की तरह है जो परिंदे के मुंह में है अदना इंसान सिर्फ जिस्म की तरफ तवज्जो देता है औसत जिस्म और इबादत की तरफ भी ध्यान देता है तीसरा वो शख्स है जिसकी नसर नूरे बातिन पर है उसका अमल आरसी नहीं होता बल्कि मिनचानबल्ला पका होता है जिल्द शशुम हिकायत नंबर 26 हिलाल रजील्लाह अल्लाह तला का बीमार होना उनके आका का लाइल्म रहना लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हो जाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनकी मिजाज पुरसी के लिए आना <स्थियों> हजरत हिलाल रजील बीमार हुए थे हजूर सल्लाम को वही से मालूम हो गया जो कि हजूर सल्लाम का रूहानी कमाल था हजूर सल्ला वसलम उनकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ लाए हजूर सल्लाम साहबा रजवान तुम को साथ लेकर तशरीफ़ ला रहे थे हुजूर ज़ूर सल्ला वसल्लम की आमदगी सरदार को इतला हुई तो वो खुशी से बेकाबू हो गया वो बाला खाने से नीचे उतर आया हजूर सल्ला वसलम की कदम बोसी की और सलाम किया कहने लगा हुजूर सल्लल्लाहु हजूर वसल्लम मकान के अंदर तशरीफ ले चले ताकि वो कह सके कि मैंने आज उस जात को देखा है जिस पर मदार कायन हैजूर सल्ला वसल्लम ने फरमाया मैं तेरे घर के लिए या तुझे मिलने नहीं आया हूं उसने कहा फिर वह खुशनसीब कौन है ताकि मैं उसके पैरों की खाक बन जाऊं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मेहरबानी है जब उसने अपनी नखूत को दूर किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उससे नाराज़ की तर्क फरमा दी और फरमाया वो अपनी रूहानी बुलंदी की वजह से अर्श के चांद है और आजजी की वजह से फर्श है ये न कह कि वो तेरा गुलाम है वो तो एक खजाना है सरदार ने कहा कि उसकी बीमारी का मुझे इल्म नहीं है हां चंद दिन से अस्तबल के अंदर ही है नंबर सत्ताईस का सरदार के अस्तबल के अंदर जाना और हिलाल रजी अल्लाह तला को नवाजनाजूर सल्ला हिलाल रजी अल्लाह तला से मुलाकात के लिए अस्तबल में गए वहां अंधेरा और गंदगी थी लेकिन आपके अनुर सब पर गालीबा गए हजरत हिलाल रजी अल्लाह ने हजूर सल्लाम की खुशबू को इस तरह महसूस कर लिया जिस तरह हजरत याकूब ने हजरत यूसुफ यूसुफ् की खुशबू सूंख ली थी ईमान लाने के लिए यह मौजे मौसर करीब नहीं है बल्कि ईमान लाने वाला अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जिनस है तो वो नबी की सिफात को जज्ब कर लेता है इसलिए ईमान का सही सबब हम जिनसीयत की बू है नबी के मौजों से तो सिर्फ दुश्मन नाजिज आता है लेकिन उसका ईमान लाना लाजमी नहीं उसके दिल में मगलूब होकर दोस्ती तो पैदा नहीं होती हजूर सल अल्लाह वसल्लम की खुशबू पाकर हजरत हिलाल रज़ी जाग गए उनको अस्तबल में बदे जानवरों के पाँव में सेूर सल अल्लाह के दामन की झलक नजर आई तो खिसकते हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े और कदम बोसी के लिए पांव पर मुंह रख दिया अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह से अपना पांव हटाकर मोहब्बत में अपना मुंह उनके मुंह पर रख दिया और उनके चश्म का बोसा लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू अर्षी है और इस दुनिया में मुसाफिर है तेरी तबीयत कैसी है हजरत हिलाल हिल रजील ने अर्ज किया कि मैं इस वक्त ऐसा खुश हूं जैसा कि वो शख्स जिसकी नींद रात में उचट गई हो और वो सूरज के तुलू का मुंतजर हो और अचानक उसके मुंह पर धूप फैल जाए या वो प्यासा के प्यास की शिद्दत से कीचड़ चूस रहा हो कि अचानक पानी का सैलाब आ जाए कि वो उसमें तैरने लगे जल्द शशुम इकात नंबर इसका बयान के मुस्तफा वसल्लम ने सुना कि हज़रत सलाम पानी पर चलते थे और फरमाया अगर उनका यकीन बढ़ जाता तो यकीन हवा पर चलते हुजूर हजूर वसल्लम ने सुना कि हजरत सलाम पानी पर चला करते थे तो आप सल्लाम ने फरमाया कि अगर उनका यकीन बढ़ जाता तो वह हवा पर चलते जैसा कि मैं मेराज की रात उस पर सवार हुआ यह हदीस आयालूम की शरा जुबैदी में मनकूल है मुहद्द सिराकी ने फरमाया कि असल हदीस क्यों है कि हवारीन ने हज़रत मूसी से अर्ज किया कि आप पानी पर किस तरह चलते हैं उन्होंने फरमाया ईमान और यकीन के जरिए उन्होंने अर्ज किया ईमान और यकीन तो हमें भी हासिल है हज़रतसी ने फरमाया तो फिर तुम भी पानी पर चलो जब वो चले तो डूबने लगे हजरती सलाम ने पूछा कि ये क्या हुआ उन्होंने कहा जब मौज आई तो हम डरे हजरत सलम ने फरमाया तुम मौज से डरे मौज के रब से क्यों ना डरे फिर उनको पानी में से निकाला यकीन से यहां तवक् अल्लाह का मरतबा मुराद है ईमानी कैफियत मुराद नहीं हवाद से योमिया में अगर इंसान एक पहलू पर ऐसा यकीन जमा लेता है कि दूसरे पहलू का इतमाल भी उसके जहन में ना हो तो आदत अल्लाह यह है कि उसके यकीन के मुताबिक वकू अमल में आ जाता है लेकिन ये चीज ना कमाल नबूबत से मुतल है ना कमाल विलायत से हजूर सल्लाह वसलम शब मज बुराक पर सवार थे और बुराक हवा पर सवार था हजूर सल्लाह वाल वसलम को का और हक ताला की सोहबत मुजसर आई हजरत हिलाल रजी ने अर्ज किया मैं तो पहले एक कुत्ते की तरह था लेकिन आप सल्ला के तशरीफ लाने की वजह से अपने आप को शेर देख रहा हूँ आरज़ बशरिया में था लेकिन अब हयात गाह में पहुंच गया हूँ माती और साफ से पाक हो चुका हूँ मैं राय सलूक की इब्तदाई हालत में था उस हालत में मकसूद हकीक़ी की तलब मुनासिब नहीं लेकिन मकसूद तक पहुँचने पर ही तो बशरी सिफात की नफी होगी ये तो ऐसा ही है कि कोई ना पाक को कहे कि बगैर पाकी के हौज से पानी लेने के लिए ना जा अगर मैं हौज तक ना जाऊंगा तो पाक होने के लिए पानी कहाँ से लाऊंगा इसलिए कि हौज के बाहर तो खाक है पानी नहीं है और पाकी के लिए पानी जरूरी है वसलम ने फरमाया तो औसाफ बशरी को मकसूद अब ना बना निजासत तो उन औाफ को मकसूद बनाना है पानी यही है और उसका यह कर्म है कि वो नापाकों को कबूल कर लेता है और पाक कर देता है निगाह नबी भी पानी ही है सूरज के लिए उसका नूर पड़ता है जिसकी वजह से रात और चमगादड़ नूर से महरूम है हजूर सल्ला वसलम के नूर से कुछ तो वो लोग महरूम है जो सलाहियत होने के बावजूद उसकी तरफ तोज्जो नहीं करते और कुछ वो हैं जो सलाहियत ही नहीं रखते चमगादड़ में सलाहियत तो है लेकिन तोज्जो नहीं करती रात में नूर को देखने की सलाहियत ही नहीं है शेख और मुरीद में इतहाद हो जाए तो वो घटाओ दुई और फसाद से दूर रहे मुरीद में कमी होती है सोहबत शेख और रियाजत से आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जाती है और वो मुकम्मल हो जाता है सुलूक की राह में जल्दबाजी मुनासिब नहीं उस बालाखाने पर सीढ़ी के दर्जा तय करके ही पहुंचा जा सकता है सही देख दीमी आंच पर ही तैयार होती है आहिस्ता रवि अल्लाह के सिफ्त है इसलिए उसने कुदरत होने के बावजूद आसमान को छह रोज में पैदा फरमाया कुरान में है कि अल्लाह ने जमीन व आसमान छह दिन में पैदा किए दूसरी जगह कुरान में है कि अल्लाह के जहां एक दिन एक हजार साल का है अल्लाह बच्चा भी फौरन पैदा कर सकता है लेकिन सुन्नत अलाही है कि माह में ही पैदा हो हजरत आदम की पैदाइश भी चालीस दिन में हुई सालिक को यह नहीं चाहिए कि जल्दबाजी करे और कबल इस वक्त शेख पन बैठे मुजाह करने से कबल शेख बन जाना ऐसा ही है जैसे कद्दू की बेल दूसरों के सहारे चढ़ती है और जल्द मर जाती है दूसरों के सहारे की हुई तरक्की पायदार नहीं होती उसका रंग जल्दी उतर जाता है एक मिसाल सुन ले जल्द शशुम हिकायत नंबर उनतीस उस बूढ़िया का किस्सा जो अपने बद्दे चेहरे पर पाउडर मलती थी और वह भला मालूम नहीं होता था एक नब्बे साल बूढ़ी थी जिसका चेहरा चुरीयों से भरा हुआ था उसकी ख्वाहिश थी कि कोई शोहर करे बुढ़ापे की वजह से उसके बाल सफेद थे दांत टूट चुके थे कद कुबड़ा हो गया था शोहर तो चाहती थी लेकिन इसकी हालत की वजह से कोई उससे निकाह करने पर राजी ना था उस बुढ़िया की मिसाल उस शख्स की सी थी जिसे मैदान जंग में जाने का शौक हो लेकिन ना उसके पाँव हो ना उसके पास घोड़ा हो या किसी को बाजा बजाने का शौक हो लेकिन उसके होंठ ना हो और ना बांसुरी हो ऐसे बे मौका हिरस खुदा दुश्मन को भी ना दे बुढ़ापे में कुत्ते के भी बाल जड़ जाते हैं लेकिन इंसान के हिरस का ये हाल है कि अतलस जेब तन करता है जो उम्र गुनाहों में बसर हो वो दोजक का सरमाया है ऐसे बदवक को जब दराजी उम्र की दुआ मिलती है तो खुश होता है और ये नहीं समझता कि ये मजीद अजाब की दुआ है अगर उसे आखरत का कुछ ख्याल होता तो उसे बद दुआ समझता और दुआ देने वाले से कहता कि दराजे उम्र तुझे नसीब हो जल्द शशम हत नंबर तीस उस फकीर का किस्सा जिसने एक गिलानी को दुआ दी कि अल्लाह तुझे सलामती से गरबार को वापस पहुंचा दे एक गिलानी सरदार जो अपने वतन से बेजार था उसे एक फकीर ने रोटी देने के बदले में दुआ दी कि खुदा तुझे सलामती से वतन वापस पहुंचा दे जिस तरह उस फकीर की दुआ को सरदार ने अच्छा न समझा इस तरह बुजुर्गों की बात को पस्त फितरत लोग पस्तमानी में ले लेते हैं नतीजा में वो बुजुर्ग उन सामीन के लिए पस्त कलाम बोलने पर मजबूर हो जाता है एक मुजस को हमेशा अपने सामीन की अकूल के मुताबिक काम करना पड़ता है दर्जी कपड़े सिलवाने वाले पस्त कद के मुताबिक कपड़े सीता है जिल्द शशुम हिकायत नंबर इकतीस उस बूढ़िया का बयान बुढ़िया की तरह जब ये हाल हो कि उसका सरमाया हयात खत्म हो जाए और उसने कोई नकमल भी ना किया हो जिससे उसका मर्तबा बुलंद हो वो ना खुशी दे सकता है ना कबूल कर सकता है ना कोई कमाल है ना नाज है ना न्याज है तो वो तह बत प्याज की तरह बदबूदार है उसने ना राह सलूक इख्तियार किया और ना ही सोजुआ से वाकिफ हुआ जल्द शशुम हिकायत नंबर बत्तीस एक फकीर का किस्सा कि एक कराने से जब भी कुछ मांगता जवाब में वो कहते नहीं है पहले किस्से में बूढ़े हरीस में कोई चीज भी न थी इस किस्से में साहिल ने घर वालों से सवाल किया और रोटी मांगी घर वाला बोला यहां कहा कोई नानबाई की दुकान है वो बोला एक बोटी ही दे दो जवाब मिला ये कोई कसाई की दुकान है वो बोला आटे की एक मुठ्ठी दे दो उन्होंने कहा ये कोई चक्की है उसने किसी बर्तन में पीने को पानी मांगा वो बोले यहां कोई नहर है अगर से जो कुछ भी उसने मांगा मालिक मकान ने नफी कर दी फकीर जट से घर में कूदा और बोला कि फिर तो यहां पखाना कर देना चाहिए अगर तुम्हारा ये घर हर कमाल से खाली है तू बाज भी नहीं है कि शाह के हाथ पर बैठे उसने जाहिर भी नहीं है तू वो तोती भी नहीं के मीठा खिलाने से बोले और लोग तेरी मीठी गुफ्तगु सुने बुलबुल बुल भी नहीं है कि आशिक की तरह चमन में हिजर कर नोहा करे हद हद भी नहीं के प्याम बरी करे परिंदों की तरह मौसमों के, के लिहाज से वतन बदल ले तो फिर तो किस काम का है कि तुझे कोई खरीदे जब तुझ में कोई कमाल नहीं है तो अपनी बनावटी बातों को छोड़ और अल्लाह की तरफ रजू कर क्योंकि वहां मकबूलियत के लिए कमाल की जरूरत नहीं है वहां तो तेरा सिर्फ रजू करना ही मकबूलियत के लिए काफी है वो जो खोटे को भी खरीद लेती है क्योंकि उसका मंशा मुनाफा कमाना नहीं है वहां नफा और मामला सिर्फ इस बात पर है कि वो करीम है जिल्द शशुम नंबर 33 बुढ़िया के किस्से की तरफ रुजू बुढ़िया के पड़ोस में एक शादी थी उसको भी दावत थी तैयारी में लग गई अबरू को तारकोल से स्या किया मुंह रुखसार और टोडी को सजाने के लिए आईने के सामने बैठ गई मुंह पर बहुत सा पाउडर मला और कुरान को खूबसूरत बनाने वाले उशर के निशानात को फाड़कर चेहरे पर सजाने के लिए चिपकाती थी कि सलवटें छुप जाएं चादर ओढ़ती तो उशर गिर जाते जब पूरी कोशिश के बावजूद उशर चेहरे पर ना जमे तो शैतान को बुरा बला कहने लगी शैतान मुजस्सम होकर उसके सामने आ गया और बोला ए खबीस बुढ़िया चुप रह अपनी बादनुवाई को छुपाने के लिए तूने कुरान तक को माफ नहीं किया कि तेरा चेहरा सेब की तरह रंगीन हो जाए ऐ बनावटी जाहिद तू कब तक बुजुर्गों के अकबाल चुरा कर लोगों की वाह वाह हासिल करेगा तेरा ये फर्जी रंग हकीकी नहीं है जब मौत की चादर ओढ़ेगा ये नामो नमूद के चिपकाए हुए उशर जट जाएंगे चल चलाओ के वक्त तेरी बनावटी नेकियां खत्म हो जाएंगी कह काल का जादू दम तोड़ देगा खामोशी का आलिम होगा फिर उस शख्स पर अफसोस है जो मोहब्बत में ना रोया होगा अल्लाह से सोबत का तरीका यह है कि मुजाहिदों से दिल को मांझ लो फिर उसमें असरार पैदा होंगे और तेरा दिल तेरे लिए दफ्तर और किताब का काम करेगा जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साया से जुलैखा जवान हो सकती है तो जब तेरे सीने में अनवारे इलाही पैदा होंगे जो अब मिसल उस बुढ़िया के है तो तू भी जवान बन जाएगा जिस तरह सर्दी सूरज के असर से गर्मी में तब्दील हो जाती है इसी तरह तेरे अंदर भी तब्दीली पैदा हो जाएगी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तसीरह से खुश्क खजूर फल देने लगी थी इसी तरह अल्लाह की रहमत तुझ में भी नई जिंदगी पैदा फरमा देगी जिल्द शशुम हिकायत नंबर चौतीस उस बीमार की हिकायत जिसमें तबीब ने सेहत की उम्मीद न देखी एक बीमार तबीब के पास पहुंचा और बोला मेरी नब्ज देख ले ताकि तुम्हें मेरे दिल की हालत से आगाही हो जाए क्योंकि हाथ की रख दिल से मिली हुई है नब्ज़ देखने से दिल की हालत मालूम हो सकती है जो चीज़ मखफी हो उससे मुतसिल चीज़ से उसकी हालत मालूम हो जाती है हवा दिखाई नहीं देती गुबार और पत्ते उससे मुतसिल हैं तो हवा के होने और रुख के बारे में पता चल जाएगा दिल के आशिक का हाल आंखें बता देती हैं ऐारी ताला भी मखफी है उसकी सिफात का हाल रसूल और उसके मुआवजों से मालूम हो जाता है रसूल और अलिया रहमत आलिम के मौजे और कराम दिल पर असरअंदाज होते हैं चूंकि उनके बातिन में कयामत छुपी हुई होती है और कयामत मुर्दों को जिंदा कर देती है इसलिए उनका बातिन मुर्दा कुलूब को जिंदगी बख्श देता है इस असर से उनका हमसाया जिस्म मस्त हो जाता है उनका हमनशीन अल्लाह का हमनशीन बन जाता है यानी उनमें अल्लाह की हमनशीनी का असर जो ताल्लुक माल्ला है पैदा हो जाता है मोजे की तस्र दिल पर खास मवाद की तसीर के वास्ते से पड़ती है मोजे का असर असहा पर पड़ा और वहां वो असदहा बन गया समंदर पर पड़ा वो खुश्क हो गया या शक्ल कमर की तासीर ने दिलों पर असर किया जिससे मौजे का मकसद पूरा हो जाता है यानी दिल में और हजरत हक में रब्त पैदा हो जाता है मौजों का असल मकसद रूह के मवाद को मुतासर करना होता है बेजान चीजों पर मौजूदों के असरात आरजी होते हैं लेकिन उनका मकसद दिल को मुतासर करना होता है तो अगर जान के वास्ते के बगैर ये चीज हासिल हो जाए तो क्या ही अच्छा है ये ऐसा ही है जैसे आटा गूंदे और रोटी पकाए बगैर पेट भर जाए हजरत ईसा और मरियम सलाम को बगैर मादी वास्तों के नियमतें हासिल हुई लेकिन दरअसल उस तस्वीर के लिए तलब होना जरूरी है मोआजे को दरिया समझ और खुशकी को परिंदा जो दरिया में नहीं जी सकता और रूह आबी परिंदे की तरह है कि दरिया में हर तरह महफूज रहता है मोआजे का असर ना किस पर इस तरह होता है कि उसे आजिज कर देता है ना महरम मोजे का मुकाबला नहीं कर सकता लेकिन कामिल को कु्वत और अमल की कुदरत अता कर देता है ना महरम और हमदम के अलावा इंसानों की एक और किस्म भी है जो बैन बैन है उसके लिए मुनासिब है कि वो जाहरी अमूर पर इस्तलाल करे अल्लाह तला के असरात हवास पर जाहिर हो जाते हैं जो मवसर की खबर देते हैं कैफियात इसी चीज़ का नाम है दवा का असर और जादू का असर दोनों नजरों से मख् हैं लेकिन उनके असरा देखकर उनका एहसास किया जा सकता है जब हर मख् चीज अपने असरात से पहचान ली जाती है तो खुदा के आसार से उसे क्यों नहीं पहचाना जा सकता दुनिया में जिस कदर सबाब और उनके असरात हैं सब अल्लाह तला के आसार हैं दुनिया की अशया से उनके आसार की बुनियाद पर मोहब्बत होती है तो फिर उन आसार के पैदा करने वाले से मुहब्बत क्यों नहीं है अगर किसी के बारे में अच्छा ख्याल कायम हो जाता है तो खा वो गैर वाकई हो उससे मुहब्बत हो जाती है तो अल्लाह जो के शाहे शर को गर्भ है उससे दोस्ती क्यों नहीं है जिलश हिकायत नंबर पैंतीस उस बीमार के किस्से की तरफ वापसी तबीब ने मरीज की नब्ज देखी और जान गया कि तंदरुस्ती नामुमकिन है उसने मरीज से कहा कि अब सब्र और परहेज ना करो इससे तबीयत और कमजोर हो जाएगी मर्ज का कल्बा हो जाएगा कुरान ने ऐसे ही रूहानी मरीजों के लिए कहा है ए मालू माशे तुम तुम जो चाहो करो मरीज ने तबीब का ये कौल सुनकर उसे रुख्सत किया और खुद दरिया की सैर को चल दिया जो उसकी दिली ख्वाहिश थी उसने इस ख्वाहिश को पूरा करने का इरादा कर लिया उसे बातनी तहारत तो हासिल थी अब ज़ाहरी तहारत यानी वजू करने लगा ताकि दो तहारतें हासिल हो जाएं दरिया किनारे उसने एक सूफी को बैठे देखा मरीज की तबीयत में आई कि उस सूफी की गुद्दी को एक तमाचा लगाऊं उसने उसकी गुद्दी पर तमाचा मारने के लिए हाथ उठाया तो दिल में सोचा कि अगर अपनी यह ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा तो तबीब के कहने के मुताबिक बीमारी में इजाफा होगा और यह हलाकत है और कुरान में अपने आप को हलाकत में डालने से मना किया गया है इस पर उसने जोरदार तमाचा सूफी को मार दिया उससे तड़ाक की आवाज पैदा हुई सूफी बोला ऐ द ये क्या करता है सूफी ने चाहा कि उसे दो चार मुक्के मारते लेकिन उसको थका हुआ और बीमार देखा और सोचा कि अगर मैंने उसे मारा तो ये मर जाएगा जिस तरह तबीब की बात से गलत फहमी में उस बदनी मरीज ने सूफी के तमांचा मारा इसी तरह अवाम में रूहानी मरीज शैतान के वर्गलाने से मखलूक के खुदा को सताने पर अमादा रहते हैं वही शैतान जो तेरा अगवा करता है तेरा मजाक उड़ाता है उसी ने तेरे बाबा आदम का भी अगवा किया था उस शैतान के लिए वही तमाचा सजा बना इसलिए कि उसने दोबारा ना की हज़रत आदम की मिसाल तो उस पहाड़ की सी है जिसमें सांप हो तो तर्याक भी हो आम में वो सलाहियतें कहाँ है जो हज़रत आदम में थी हजरत इब्राहिम को जो तवक्ल का मरतबा हासिल था वो तुझ में कहाँ है उसी तवक्कुल की बिना पर उनकी तलवार हजरत इस्माईल अम का गला न काट सकी तवक् ही की वजह से दरियाए नील हजरत मूसलम को ना डबो सका हजरत शेख शुजा सईद रहम्ह के मतलब मशहूर है कि उन्होंने अपने आप को मीनारे से गा दिया और महफूज रहे जबकि तेरा वो नसीबा कहा तू अपने आप को गिरा कर बर्बाद मत कर यही हवा जो उन शेख के कपड़ों में भर गई जिसकी वजह से वो बच गए कौमयात के लिए लाखों की तबाही का बायस बनी वो सूफी को गुस्सा की आग से भर गया लेकिन उसने अनजाम को देख लिया बाराद वही शख्स होता है जो अनजाम पर नजर रखे आजूर सल्ला वसलम सबसे ज्यादा अंजाम बीन थे उन पर आखिरत की सब चीजें मुनकशिफ हो गई अगर निजात चाहते हो तो हमेशा अंजाम पर निगाह रखो दुनिया में हर शख्स मदूम चीजों की तलब में है फकीर रुपए का तालब है काश्तकार पैदावार का तालब है बागबान पौधों का तालिब है तालब इल्म, उस इल्म का तालिब है जो मदूम है इबादत गुजार उस बर्बादी का तालिब है जुमा दूम है इन सब ने मौजूद को पसे पुश्त डाल दिया है और मदूम की तलब पे कोशा है। अल्लाह की सिफ्ती जाहद करना है वो मदूम को मौजूद करता है उसकी सन्नत का ताल्लुक मदूम से है इसलिए उसके बंदों में भी यही सिफत है हर कारीगर मदूम को मौजूद करता है सक्का उस बर्तन में पानी डालता है जिसमें पानी ना हो बड़े वहां दरवाजा लगाता है जहां ना हो जब किसी मकसद का शिकार करना हो तो हमेशा अधम पर हमला करते हैं लेकिन फिर भी मौत यानी अदम से भागते हैं जब हर शख्स ने मदूम से अपनी उम्मीद वाबस्ता कर रखी है तो फिर अपनी मरगूब चीज अदम से मुखालफत क्यों है इंसान को तो इन हालात में फना और निस्ती से रगबत होनी चाहिए इंसान का दिल मौजूद पर मुतमिन नहीं होता मजीद का कोशा रहता है जो मदूम है इंसान इस दुनिया के कुएं को अपनी चाय पना समझता है लेकिन मौत उसको इसी कुएं में डाल देती है अजब बात है असबाब हलाकत को असबाब निजात समझता है जिल्द शशम हिकायत नंबर छत्तीस हिंदू गुलाम और सुल्तान महमूद का किस्सा शेख फरीदुद्दीन अत्तार अलह ने फरमाया है कि एक जंग में सुल्तान महमूद गजनवी के हाथ एक गुलाम आया बादशाह उसे बहुत चाहता था उसे उसने सरदार बना दिया और फर्जंद का लकब दिया वो उसे अपने साथ तख्त पर बिठाता हिंदू गुलाम जब तख्त पर बैठा तो जारो कतार रोने लगा सुल्तान ने पूछा क्या तुझे ये इज्जत अफजाई नागंवर लगी हालांकि मैंने तुझे बेहद इज्जत अहतराम दिया वो बोला बचपन में मेरी माँ मुझे डराया करती थी कि मैं तुझे महमूद के हवाले कर दूंगी मेरा बाप मेरी माँ से कहता इस कदर सख्त बद दुआ क्यों देती है कोई नर्म बद दुआ दिया कर मैं दोनों की बातों से हैरान होता था और गमगीन हो जाता था दुआओं से सोचा करता महमूद किस कदर जालिम है और तबाहियोंबादी में मिसल बन गया है मैं आपके नाम से कांपता था लेकिन आपके इकराम और अजमत अता करने से गाफिल था आज मेरे माँ बाप हो तो देखें कि उनके ख्याल किस कदर गलत थे फकर और अदम से इंसान का डरना ऐसा ही गैर वाकई है जैसा कि हिंदू गुलाम का सुल्तान महमूद से डरना अगर तू उस रहीम रब के रहम को समझ ले तो हर वक्त जय ही दुआ करे कि मेरी आकबत महमूद हो यानी काबिल तारीफ हो या में भी सुल्तान महमूद मुजस्सर आ जाए जिस तरह लड़के की माँ गलत तौर पर डराती थी इसी तरह इंसान की तबीयत इंसान को फकर से गलत तौर पर डराती है जब तुझे फक्र हासिल हो जाएगा तो फिर तू इस तरह रोएगा जिस तरह अपनी पहली मालूमात पर वो हिंदू गुलाम रोता था इंसान का जिसम इंसान की उसी तरह परवरिश करता है जिस तरह माँ बच्चे की परवरिश करती है लेकिन ये जिस्म इंसान का सौ दुश्मनों से ज्यादा दुश्मन है अगर जिस्म परेशान होता है यानी बीमार हो जाता है तो इंसान दवा की तलाश में परेशान फिरता है लेकिन अगर तन दुरुस्त हो तो शैतनीयत पैदा करता है जिस तरह लोहे के जर्रा इंसान को किसी तरह भी आराम नहीं देती इसी तरह जिसम भी इंसान को किसी हालत में आराम से नहीं रहने देता जिसम अगरचे बुरा साथी है लेकिन उसके मसाहब पर सब्र करो तो फिर उससे फायदा उठा सकते हो काली रात में चांद का सब्र उसे और रोशन करता है फूल का कांटे के साथ सब्र उसमें महक और हुसन पैदा करता है दूध लीद और खून के दरम्यान सब्र करता है तो बच्चे को जिंदगी बखशने वाला बन जाता है तमाम अंबियालाम के उखरवी मरातब सब्र करने ही से बुलंद हुए दुनियावी मुनाफा भी सब्र ही से हासिल होते हैं जो शख्स गमगीन हो समझ लो उसने तल्लुक माल्ला से बेवफाई और तगा देने वाली चीज़ से तल्लुक़ पैदा किया था अगर ये फानी इस बेवफाई से तल्लुक न पैदा करता तो आज गमगीन ना होता वो खुदा से तल्लु रखता और हज़रत इब्राहिम की तरह कह देता कि मुझे गायब हो जाने वाली चीज़ों से मुहब्बत नहीं है याद रखो काफिला रवाना हो जाता है और आग की राख तनहा पड़ी रह जाती है इंसान अपनी बेसब्री से खुदा के गैर का साथी बनता है तो जब उससे जुदाई होती है तो कमगीन हो जाता है अल्लाह ने तुझमें यह सलाहियत रखी है कि तू तालुक मल्ला पैदा कर सकता है ये बहुत कीमती चीज है और यकीनी है किसी खयानत करने वाले के पास इसको अमानत मत रख अगर तू इस सलाहियत को अल्लाह के लिए सर्व करेगा तो फायदा ना होगा और गोया वो अमानत ज़ाया हो जाएगी अमानत का जाया होना गायब हो जाने से और इनकार से होता है जो आदतें पैदा करने वाला है और जिसने अम्बिया को बेहतरीन आदतें और अखलाक अता फरमाए इंसान को उससे ताल्लुक पैदा करना चाहिए अल्लाह ताला के पास इमानत रखने का यह नतीजा होगा कि अगर तू एक बकरी का बच्चा देगा तो वो तुझे बकरियों का रेवड़ अता कर देगा अगर अपनी सिफात और सहबत को तू गैर अल्लाह में सर्फ किया तो ऐसा ही है जैसे बकरी का बच्चा बेड़िए के पास अमानत रख दिया नदान की सोहबत कभी इख्तियार ना करो अल्लाह और दीन से जाहिल, मुनाफिक होता है और उसके दो चेहरे इसी तरह होते हैं जैसे मुहन्स के वो मर्द होता है ना औरत अहले बसीरत उन लोगों के दोगलेपन को समझ जाएंगे खुदा उनको उनकी ऐसी इलामतें दिखा देता है जिनसे वो निफाक को पहचान लेते हैं कुरान में वलीद बिन बगैरा के बारे में फरमान है हम उसकी नाक पर दाग लगा देंगे जाहिल की मीठी बातें काम की नहीं होती उसकी दोस्ती की मिसाल माँ की मोहब्बत है जो बच्चे के लिए अक्सर मुजिर होती है बाप बच्चे को मकतब बेचता है तो माँ मोहब्बत में उससे लड़ती है और कहती है कि अगर यह बच्चा तेरी किसी दूसरी बीवी से होता तो तू उस पर इतना जुल्म न करता बाप जवाब देता है कि औरतों की यही बेअकली है कि अगर ये बच्चा किसी दूसरी औरत से होता तो वो भी यही अल्फाज मुंह से निकालती इंसान के नफ्स को माँ और अक़ल को बाप समझ नफ्स के फरेब से निजात अल्लाह की तइद के बगैर मुश्किल है ए मालिक हमारी तलब तेरी तफीक से ही है और नेक की भी तेरी तफीक से है कुरान में है कि तुम नहीं चाहते मगर ये के अल्लाह चाहे तमाम इंसानी अफाल अल्लाह की इजाद पर मकूफ हैं अल्लाह, हमने बातें तेरे हवाले कर दी हैं और इससे मकसद यह है कि तू हमारे अंदर इतात और इबादत की ताकत बढ़ा दे ये हवाले करना जबरियों के अकीदे के मुताबिक नहीं जो इंसान को काहिल और सुस्त बना देता है एक जबर तो अहल सुन्नत का अकीदा है वो बाय से निजात है और एक जबरियों का अकीदा जो गुमराही है अहल सुन्नत अपनी पूरी कोशिश और अमल करने के बाद नतज अल्लाह के सपुर्द करते हैं इसकी मिसाल यूं है कि दरया नील का पानी सिपटियों के लिए पानी और किबतियों के लिए खून बन गया शाहबाज के बाजू उसको शाह की तरफ ले जाते हैं और कफे के मुरदार की तरफ अदम के बारे में तेरी मिसाल उस हिंदू बच्चे की तरह है जो सुल्तान महबूद के नाम से लरसता था और वही उसके लिए सबसे ज्यादा शफीक साबित हुआ तेरा वजूद दरअसल वो अदम और मादूम है और ये खयालात भी फानी है और तू भी फानी है तेरा इस वजूद पर आशिक होना गोया मादूम पर आशिक होना है जब तेरा वजूद फना हो जाएगा तो तुझे मालूम हो जाएगा कि तू किन नामाकूल बातों में फंसा हुआ था जल्द शशम हकायत नंबर सैंतीस नबी सल्ला वसलम ने फरमाया जाने वालों को मौत का गम नहीं है उनको मौत की हसरत है कुरान में है कि मरने के बाद गुफ्फार मरने पर अफसोस नहीं करेंगे बल्कि अमाले सालह जिनको वो मदूम समझते थे उनके ना करने पर अफसोस करेंगे दुनिया से जो मर कर जाएगा उसको मरने का अफसोस नहीं होगा बल्कि इस बात पर अफसोस होगा कि मदूम के लिए कोशिश क्योंकि नेकअमल क्यों ना किया मौत तो एक पुल है जो हबीब को हबीब से मिलाता है मौत के बाद मालूम होगा कि तमाम दुनियावी ख्याल ला हासिल थे जिंदगी तो आलम आखिरत में है दुनियावी चीजें बेरूख तस्वीर हैं ये चीजें जहा की तरह हैं जो कि खुद बेहीकत चीज है और उसकी हरकत और बका दरिया की मरहून मन्नत है जाग खुश्की पर चढ़ जाए तो बेहस हरकत है हुबाब और जाग चूंकि जुबान काल नहीं रखते इसलिए ज़ुबान हाल से जवाब देंगे कि हमारी असल तो दरिया है जो पूछना है उससे पूछ ले ये आलम इम्कान बगैर बहर वहादत के कप मौज की तरह हरकत कर सकता है वो तो खाक है बगैर इरादाई खुदाबंदी की हवा के वजूद और बुलंदी कब हासिल कर सकता है आलिम अमकान को देख नजरे तोहीदी पैदा कर ये नजर तोहैदी तेरे बहुत काम आएगी तेरा बाकी ताना बाना गोश्त पोश्त सब बेकार है ना दुनिया में कार आमिद ना आखिरत में तेरे अंदर असल नज़र तोहीदी और रूह का फेल है इसलिए जिस्म को मुशाहिदों के जरिए उस नजर को हासिल करने के लिए पिघला दे एक नज़र दो गज रास्ता देखती है और एक वो है जिसने दो जहान और शाह का चेहरा देखा नजर बढ़ाने का सुरमा तलाश कर अल्लाह गैब का बंदोबस्त करने वाला है तासर की तरफ नजर करने के दो दर्जे हैं एक बदन से रूह पर नजर करना दूसरा रूह से मौसर हकीकी की तरफ नजर रखना हमारा मकसूद दूसरा दर्जा है पहला नहीं इन दोनों नजरों में बहुत फर्क है हर कारीगर मदूम को अपनी कारीगरी से वजूद में लाता है कुदरत की कारीगरी भी मदूम को मौजूद करती है जो बिल्कुल बेनिशान और खाली है अल्लाह हुसमत वो बेनियाज है जो चाहे करे जहां नीस्त ज्यादा होती है वहां वो अपनी कारीगरी का ज्यादा जहूर करता है नीस्ती इस आलिम का आला मुकाम है और चूंकि सिर्फ दरवेशों को हासिल है लिहाजा वो सब सब कतले गए खसूस वो जिन्होंने जिसम को लुटा दिया और साथ ही माल को भी जिसम को गुलाने वाला हमेशा काने और साबिर होता है कभी इसल नहीं बनता माल का दर्द हो या जान का उसका शिकवा ना कर क्योंकि वो तुझे नीस्त के आला मुकाम तक पहुंचाना चाहता है इस राह में गौरव फिक्र को बेदार करने का तरीका जिक्र अल्लाह है जिक्र फिक्र को बेदार करता है और वही काम करता है जो ठिठरे हुए के लिए सूरज करता है महज जिक्रो इबादत से कुर्फ मुझसर नहीं आता जब तक अल्लाह की जानब से जज्बो कशिश ना हो लेकिन इंसान को जिक्र और इबादत में मशगूल रहना चाहिए मेहनत को छोड़ना अपना नाज दिखाना है जो आशी के जानबाज के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं बंदे का काम तो बंदगी है उसके मकबूल या मरदूद होने के चक्कर से उसे क्या काम खुदा के काम बेचूनो चरा करने चाहिए अगर तू बराबर मुजाहिदे में लगा रहेगा तो जज्ब उड़कर तेरे पास आ जाएगा फिर इस कदर मुजाहिदे की जरूरत नहीं रहेगी जज्ब सुबह की तरह है और मुजाहिदे शमा की तरह सुबहों को शमा की जरूरत नहीं रहती बंदा कसरत नवाफिल के जरिए तकर्रब हासिल कर लेता है तो फिर उसके अफाल ताते हक ताला की तरफ मंसूब हो जाते हैं और उसको हर जर्रा कायनात में हक का मुशाहिदा नसीब हो जाता है जिल्द शशम हिकायत नंबर 38 सूफी और काजी के किस्से की तरफ दोबारा वापसी सूफी ने सोचा कि अगर मैं इस बीमार के कुछ मार दूंगा तो यह मर जाएगा और कसास में मुझे कत्ल कर दिया जाएगा इसलिए कजाई खुदाबंदी से जो बात पेश आए उस पर सर तस्लीम खम कर देना चाहिए फिर वो काजी के पास गया ताकि उसे कुछ तम भी हो और ये दूसरे सूफियों को ना मारे ये बीमार जो खुद मुर्दे की तरह है इसके बदले में सर कटवाना मुनासिब नहीं है काजी का काम यह है कि लोगों के हकूक की हिफाजत करे और किसी को किसी का हक ना मारने दे शैतान हकूक कर ग करने वाले को जो हीला सिखाता है काजी का फैसला उसको खत्म कर देता है मुद्दई और मुद्दई लह की जंग फैसले से खत्म हो जाती है जो फरीक शैतनीत पर अमादा होता है फैसला उसकी शैतनीत को खत्म कर देता है काजी कयामत के दिन के अदल का एक नमूना है कतरे से दरिया के पानी का मजा मालूम हो जाता है अगर तू कतरे में समंदर के जल में देखना चाहता है तो अकले हलाल की आध डाल जैसे शफक सूरज के होने की खबर देती है इस तरह कुरान में है फला उक से बिशफक मैं कसम खाता हूँ शफक की शफक हजूर सल्ला वसलम के मुबारक को कहा गया है जो कि रूह आहमदी का मजहर है चूंटी एक दाने के गुम होने पर लरसती है इसकी वजह यह होती है कि उसने खरमन को नहीं देखा इंसान भी अगर मुमकिन के जरिए वाजिब को पहचान ले तो कभी किसी मुमकिन के फौत हो जाने के कम से नालर से अगर इंसान मुजालम से पाक हो जाए तो उसका दिल आसमान से भी ज्यादा मुनवर हो जाए सूफी तमाचा मारने वाले को पकड़कर काजी के पास ले गया काजी मामूली शख्सियत नहीं होता वो खुदा कायम का मुकाम होता है वो जो सदा देता है उसमें कोई जती गर्ज नहीं होती लिहाजा अगर उसकी गलती से कोई मुजरम मरा तो उसकी दियत काजी के आकला यानी अल्लाह पर होगी जैसे नदार लोगों की दियत बैतलम से अदा की जाती है बाप बेटे को खिदमत ना करने पर मारता है लिहाजा बाप पर बेटे का खून बहा वाजिब है उस्ताद की शागिर्द को मारने में कोई जती गर्ज नहीं इसलिए खून बहा से बरी है अगर मारने में भी अपनी गर्ज ना हो तो खून माफी है लिहाजा खुद ही को मार दे जब तू खुदी को कतल कर देगा और फानी हो जाएगा तो तेरा फेल अपना फेल नहीं रहेगा मसनवी सिर्फ तोहहीद की दुकान है तोहहीद के मजामी के अलावा जो कुछ मजकूर है वो बुत है अवाम जब गैर तोहहीदी मजामी सुनते हैं तो मतवज हो जाते हैं साथ ही साथ साथहीदी मजाम भी सुनने का उनको मौका मिल जाता है जल्दशुम हिकायत नंबर उनतालीस काजी और सूफी के किस्सा की तकरीर काजी ने सूफी से कहा यह बीमार तो बस खयाली इंसान रह गया है इससे बदला कहाँ लिया जा सकता है तवान तो जिंदा और मालदार से लिया जाता है लाश से नहीं व द्रवेश जो खुद ही की हालत से गुजर कर शुक्र की हालत में होते हैं वो भी सैकड़ों हैसियतों से मुरता है हकीकी मुर्ता तो एक मर्ज के नतीजे में मुर्ता बनता है कश्तगा खंजरे तस्लीम हर जमा इस गैब जान दी करस्त जो लोग अल्लाह के इश्क से शहीद हो जाते हैं उन्हें हर लहजा एक नई जान अदा कर दी जाती है चूंकि अल्लाह उनको कतल करता है इसलिए वो मोहब्बत और कुर्ब के ख़जाने खून बहा के तौर पर अता कर देता है हजरत जर्जी सलाम को शाह वक्त ने साठ बार कत्ल किया और वो हर बार जिंदा हो गए ऐसे लोगों को अल्लाह के बाले का जख्म इस कदर प्यारा होता है कि दूसरे जख्म की तमन्ना में रोते हैं काजी ने कहा कि मैं तो जिंदा पर हुक्म जारी कर सकता हूं मुर्दों पर नहीं इस मुर्दे पर गुस्सा न कर इससे जगड़ना बेवकूफ़ी है जो लोग अपने आप को फानी करके बाकी बिल्ला हो जाते हैं उनका हर फेल अल्लाह का फेल हो जाता है ऐसे लोगों का गुस्सा अल्लाह का गुस्सा होता है अल्लाह का कत्ल करना और फिर फूंक मार कर जिंदा करना बड़ी खूबी की बात है बाकी ये बिल्लाह में जो अल्लाह का नफक है वो एक जौकी चीज है उसकी शराह नहीं हो सकती तू इस दुनिया के कुंवे में से निकल कर आला मुकाम हासिल कर ले तुझे खुद पता चल जाएगा सूफी ने काजी से कहा फिर तो आपका मतलब है कि इसने जो तमांचा मुझे मारा है ना उसका जिस्मानी बदला है ना माली अब अगर आप इसको इसी तरह छोड़ देंगे तो फिर सूफियों की खैर नहीं हर आवारा सूफियों को मार लिया करेगा काजी ने सूफी से कहा कि सूफी तू बहुत मुजाहिदे करता है एक तमाचा तुम्हारे लिए क्या है ये झगड़ा तो बगैर किसी इफ़ज़ाने के खत्म हो जाना चाहिए फिर भी मैं तुझे कुछ दिला देता हूं उसने बीमार से पूछा तुम्हारे पास क्या है बीमार ने कहा कि मेरे पास छह दिरहम है काजी ने उसे कहा कि तीन दरहम खुद खर्च कर ले और तीन सूफी को दे दे काजी अपना फैसला सूफी की तरफ रुख करके सुना रहा था तो बीमार की नजर काजी की गुद्दी पर पड़ी उसे तमाचा मारने के लिए वो गुद्दी सूफी की गुद्दी से भी बेहतर मालूम हुई उसे एक तमाचा मारने की सजा बहुत सस्ती लगी वो काजी की तरफ मतवज्जो हुआ जैसे काजी से कोई राज की बात कहेगा और काजी के नजदीक होकर उसकी गुद्दी पर भी तमाचा मार दिया वो बोला अब तुम दोनों मुद्दई हो तीन तीन दिरहम दोनों बांट लो मेरा सब माल चला जाएगा तो ना कोई झगड़ा रहेगा और ना मुझ में मालदार होने का ऐब होगा जिल्द शशम हकायत नंबर चालीस बीमार फकीर के तमांचे से काजी का मुकद्दर हो जाना और सूफी का काजी को मलामत करना काजी तमाचा खाकर मजा हुआ तो सूफी ने काजी से कहा बेशक आपका किया हुआ फैसला मुनसिफाना था इसलिए आपको भी इसे कबूल कर लेना चाहिए तेरे फैसले ने खुद तेरे लिए तमाचे का मौका पैदा कर दिया ये तो एक फैसले की पदाश थी ना मालूम दूसरे फैसले तेरे ऊपर क्या जुल्मे तूने फैसला इसके हाथ में दे दिया और उसका नतीजा बुख्ता जालिम का तो हाथ काटना चाहिए तुम्हारी मिसाल तो उस बुढ़िया की है जिसने भेड़िए के बच्चे को बकरी का दूध पिलाकर पाला और आखिर में वो भेड़िया उसकी बकरी ही को खा गया काजी ने जवाब दिया कि कजाए खुदाबंदी जो भी नाजिल करे खातमा चाहो या कोई और सजा इस पर भी राजी होना हमारा फर्ज है सही बात गो अच्छी होती है लेकिन अक्सर कड़वी लगती है आंख के रोने से दिल में शदाबी पैदा हो जाती है जिस तरह अब्र से बाग में शदाब भी आ जाती है कुरान में है कि चाहिए कि वो थोड़ा हंसे और ज्यादा रोए मोम आंसू की तरह गिरता है तो क्षमा ज्यादा रोशन हो जाती है माँ बाप की सख्ती बच्चे की हिफाजत करती है इसी तरह ज्यादा इलाही में रोने में जो मजा है वो हंसने में नहीं है जहन्नुम का खौफ अगर रुलाए तो जन्नत की याद से ज्यादा बेहतर है गिरिया का अंजाम यकीन हंसना है गमों में लज्जत इसी तरह छुपी होती है जिस तरह आब हजात तारीकी में अपनी आंखों के साथ शह की आंखों को जोड़ ले तब निशाने मंजिल का पता चल जाएगा शेख के बगैर उस मंजिल की तरफ सफर मुमकिन नहीं है शेख रास्ता का मददगार है बल्कि वो खुद रास्ता है बुजुर्गों की मजलिस में खुद नुमाई मुनासिब नहीं खामोशी बेहतर है सोहबत पीर फिक्र बेहतर अस्त हजूर सल्ला वसलम ने फरमाया मेरे सहाबा रज़ील् तलाम सितारों की मानंद है जिसकी इब्त करोगे हिदायत पालोगे सितारों से हिदायत जब ही हासिल होगी कि खामोशी से उनकी तरफ नजर लगाओ बोलना नज़र में खलल अंदाज होता है इंसान बोलता है तो सही बातों के साथ ही गलत बातें भी मुंह से निकल जाती हैं इंसान अपनी गुफ्तगु बली बात से शुरू करता है लेकिन तवालत उसको बुरी बातों की तरफ ले जाती है यह सिर्फ मासूम अम्बियालाम की शान है कि उनकी जुबान से कोई गलत बात नहीं निकलती अपने आप को हाल से बोलने वाला बना ले और गुफ्तु से मगलूब ना हो जिल्द शशुम हिकायत नंबर इकतालीस सूफी का काजी से सवाल करना काजी ने कहा था कि तमाम मुकद्रात पर राजी रहना चाहिए तो सूफी ने सवाल किया कि जाते खुदाबंदी जबकि वाहिद है तो उससे मुतजाद चीजें जैसे जफा वफा सुख तो रजा मनाओ अता का सुदूर किस तरह होता है सबका खाली केक है तो फिर एक मुफीद और दूसरी मुजर क्यों है सब खुदा ने पैदा की हैं तो एक अकलमंद और एक मस्त क्यों है जब एक दरिया की नहरों का पानी एक सा होता है तो मखलूक को शेरी और कोई कड़वी क्यों है जब सब अल्लाह का नूर है तो फिर सुबह सादिक और सुबह काजिब क्यों है ये रास्त भी बीनी और कज भी नहीं क्यों है सब एक टकसाल से निकले हैं तो कुछ सिक्के खरे और कुछ खोटे क्यों हैं अगर खुदा ने दीन के रास्ते को अपना रास्ता बनाया है तो फिर रहनुमा और राहजन क्यों है एक ही पेट और नुतफे से पैदा होने वालों में एक आलिम और एक जाहिल कैसे पैदा हो गए मुझे खुदा की वहादत और गैर मुतगैयर और गैर मुतजाद होने का तो यकीन है तो फिर उससे इस कदर मुतगैयर और मुतजाद चीजें कैसे सादर होती हैं काजी ने कहा ऐ सूफी हैरान ना हो एक मिसाल सुन ले और हकीकत को समझ ले मशूक का करार और सुकून आशिक की बेकरारी का मुब्ता है माशूक पहाड़ की तरह अपने नाज पर जमा हुआ है और आशिक पत्तों की तरह लरसते हैं माशूक का मुस्कुराना आशिकों के रोने का मुबदा है तो इससे ये बात समझ में आती है कि मुबदा और उसके आसार में यकसानियत जरूरी नहीं है मुबदा जो जात वाहिद है और उसके आसार जो मुमकिनत हैं उनमें तजाद नहीं है और ना कोई उसके जात और अफाल में उसका मिसल है चूंकि जाते बारी और मुमकिनात में तजाद नहीं है इसलिए मुमकिनत ने वजूद का लिबास पहना है एक जिद दूसरी जिद को मौजूद नहीं कर सकता बल्कि उससे दूर भागता है दोनों का इज्तम नहीं हो सकता एक हस्त अपने मिसल को वजूद अता नहीं कर सकती क्योंकि दोनों यकसा होंगे तो एक को खालिक और दूसरे को मखलूक कहना बातिल होगा जहान में जो भी जिद और निध दिखाई देता है बहरे वहादत पर बेजिद विन्द है और जाग की तरह नमदार है वहादत के तमाम अफाल ऐसे हैं कि उनकी कैफियत की गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता तो फिर जात की कुना तक कहाँ रिसाई हो सकती है रू उसकी मामूली मखलूक है उसकी हकीकत और कुना तक रिसाई मुमकिन नहीं है तो किस तरह भी कैफियात के कैद में मुकैत नहीं हो सकती उसकी हकीकत के बारे में अकल कामिल भी ना वाकिफ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मैं तेरी तारीफ का अहाता नहीं कर सकता हूं तू वैसा ही है जैसा कि तूने खुद अपने नफ्स की तारीफ की है जब अकल कामिल का यह हाल है तो आम अकलें उस हकीकत का क्या इदराक कर सकती हैं अकल कहती है कि जाति बारी की हकीकत के इदराक का मामला ऐसा है कि उसमें काबिल इदराक और नाकबिल इदराक यकसा है अकल ने जिसम से जो कि नाकबिल इद्राक है से ज्यादा बारी की गुना मालूम करनी चाहिए तो जिसम ने जवाब दिया कि जब तुझे ही मालूम नहीं तो तेरा मुझसे सवाल करना नामनासिब है क्योंकि मैं तुझसे अदना हूं अकल कहती है कि ये वो मुकाम है जहां आला अदना से इस्तीफादा करता है सूरज जर्रे की खिदमत करता है शेर हिरण से आजिज है यही वजह है कि हजूर सल्ला वसलम सहाबा रज़ी से फरमाया करते थे कि हमें भी अपनी दुआओं में शरीक कर लेना आ हज़ूर सल अल्लाह वसलम की दुआ के लिए कोई ये कहे के इस्तीफ़ादे के लिए ना थी बल्कि बाज़ात हजूर सल असलम अपने मुकाम से तनज्ल अख्तियार करते थे और तलीम उम्मत के लिए इस किस्म का तरीका इख्तियार फरमाते थे तो मतलब ये हुआ कि ये तरीका उन्होंने उम्मत को ये तलीम देने के लिए किया कि आला फर्द अदना फ़र्द से इस्तफ़ादा किया करे और ये बात मुसलम है कि आला अदना से इस्ता नहीं कर सकता है हज़ूर सल्ला वसलम ऐसा सिर्फ इसलिए फरमाते थे क्योंकि आप सल्लाम जानते थे कि ख़जाने वीरानों में होते हैं और हज़रत हक तला की रहमतों के ख़जाने बसावत उन लोगों के पास होते हैं जो बज़ाहर मामूली इंसान नजर आते हैं खाक सारे जहाँ राब हकारत मनकर तो चादानी के दराए गर्द सवार बादशद दुनिया में मिसकीन और आजिज़ लोगों को हकारत से न देख तो क्या जाने के शायद उसी गर्द में कोई शाह सवार छुपा हो मसाकीन और बज़ाहर हकीर इंसानों के साथ बदगुमानी उल्टा फेल है जिससे इंसान गलत राह इख्तियार कर लेता है अगरचे अक्लमंद इंसान की नज़र में उसका जुज जुज जासूस और मुखबर बना हुआ है जो उसकी रहनुमाई करता है और गुमराहों के लिए यह फेल उल्टा निशान ही नहीं बल्कि उनकी निगाहों से हकीकत बिल्कुल छुप गई है इसीलिए सत्तर बल्कि कई फिरके बन गए हैं अल्लाह की जानब से हर सजा के साथ एक जजा भी है जो अता की सूरत में है तूने वो तमाचा तो देख लिया लेकिन उसकी वजह से तुम्हारे बात इनकी जो सफाई हुई है वो भी तू देख ले हर बुराई के साथ किसी ना किसी सूरत में अच्छाई भी होती है अल्लाह की जात से ये तो नहीं है कि वो सिर्फ सजा दे और उसके साथ अता ना हो अगर अल्लाह किसी से दुनिया की कोई चीज़ छीन लेता है तो उसकी हैसियत मच्छर के पर से ज्यादा नहीं है लेकिन उसके बदले में लातादाद दाद नें अता कर देता है अम्बिया अम्बियालाम ने जो तकालीफ बर्दाश्त की वो उनकी सरफराजी का सबब बनी लेकिन सजा के साथ अता की शर्त यह है कि हजूर माल हक हो यानी अल्लाह की जानब रजा और मोहब्बत के साथ ल्ब के जरिए रजूह हो अगर हजूर कल्ब ना होगा तो खिलत वापिस हो जाएगी क्योंकि कर में कोई ना था जिसके सुपुर्द की जाती जिल्दशम हिकायत नंबर बयालीस फिर सूफी का उस काजी से सवाल करना सूफी ने कहा कि यह बात तो समझ में आ गई कि दो मुतजाद चीजों का एक मुबदा से जहूर हो सकता है लेकिन यह बात बाकी है कि मुतजाद चीजों के सदूर में क्या हिकमत है अगर रहमत ही रहमत होती और जहमत ना होती तो क्या मुजायका था अगर सिर्फ रहमत होती तो सब खुश रहते किसी की तबीयत में तकद्दुर ना पैदा होता हमेशा हजूरी की हालत और जवको शव की फिजा से रूह सुकून हासिल करती जल्द शशुम हकायत नंबर तैंतालीस सूफी के सवाल का जवाब देना तुर्क और चोर का किस्सा काजी ने जवाब में तुर्क और कपड़ा चोर दर्जी का किस्सा सुना दिया जिसका खुलासा यह है कि अगर महज ऐशो इशरत होता तो उसमें बहुत सी दीनी मुजरमे पैदा हो जाती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस कदर सुनने वाले की सलाहियत होती है उसी कदर उसको वायस के बयान से दनाई का हिस्सा मिलता है सुनने वाले शौकीन होते हैं तो वायस भी दिलजमी से कहता है अगर किसी वायस की खुशबियानी देखो तो समझ लो सुनने वाले की कशिश है बच्चा जहीन होता है तो उस्ताद उसे मेहनत से पढ़ाता है अगर सुनने वाले शायक नहीं होते तो सरंगी नवाज का दिल बुझ जाता है अगर सलाम में वही सुनने की इस्त ना होती तो जबरा सलाम वही लेकर ना आते अगर अल्लाह तला की सनत को देखने वाले ना होते तो ना आसमान पैदा होता ना जमीन पैदावार देती हजूर सल्ला के बारे में जो ये कहा गया है कि अगर आप सल्लाह वसल्लम ना होते तो मैं आसमानों को पैदा ना करता का मतलब यही है कि चूंकि आप सल्लाह वसल्लम कामिल साहिब नजर हैं इसलिए आसमान पैदा किए गए जो लोग सिर्फ औरत और खुर्दनोशी के शौकीन हों उनको अल्लाह ताला की कारीगरी में गौर करने की तोफीक कहाँ है जिल शशम हत नंबर चवालीस एक तुर्क का दावा कि दर्जी मेरा कपड़ा नहीं चुरा सकता तुर्क ने दावा किया कि मेरा कपड़ा दर्जी नहीं चुरा सकता वो दर्जियों की चोरी के किस्से सुनकर बरहम हो गया राजों के फाश होने का एक सबब जुबान है और एक राज कहने वाले का गला है राज फाश करने का सबब अदावत और दुश्मनी होती है और राज फाश होने से रसवाई होती है किस्सा बयान करने वाले ने कहा सबसे ज्यादा उस चलाक दर्जी को पोर्शिश कहते हैं तुर्क बोला अपनी इतनी चलाकियों के बावजूद वो मेरा एक धागा भी नहीं चुरा सकेगा लोगों ने कहा कि तुझसे ज्यादा होशियार लोगों को वो धोखा दे चुका है तू अपनी अकल पर घुमांड ना कर उसकी मक्कारियों में तू गुम हो जाएगा लोगों की इन बातों से तुर्क और गर्म हो गया और उसने शर्त लगाई कि अगर वो मेरा कपड़ा ले गया तो वो अपना अरबी घोड़ा हार जाएगा और अगर वो ना चुरा सका तो तुमसे एक घोड़ा लूंगा उस रात को तुर्क गुस्सा से सो न सका और सारी रात दाव पेज और उसके तोड़ को सोचता रहा तुर्क अतलस का टुकड़ा लिए दर्जी की दुकान पर पहुंचा तो दर्जी ने अपनी जगह से उठकर उसे सलाम किया और उसकी मिजाज पुर्सी शुरू कर दी और इतनी ज्यादा मिजाज पुर्सी की कि तुर्क के दिल में उससे मोहब्बत पैदा हो गई तुर्क ने दर्जी से कहा कि इस अतलस की कबासी दे ऊपर से चुस्त हो और दामिन फराक हो दर्जी ने उसको दूसरे तुर्क सरदारों की अता और बख्शिश के किस्से सुनाए और बकीलों के किस्से भी सुनाए उसने तेज कैंची निकाल ली और किस्से सुनाता रहा तुर्क के साथ दर्जी ने ऐसी हंसी की बात की कि तुर्क हंसते हंसते सुस्त पड़ गया वो एक तरफ को लौट गया और उसकी आंखें बंद हो गई दर्जी ने मौका पाकर अतलस का टुकड़ा काटा और रान के नीचे दबा लिया लेकिन अल्लाह तो उसको देख रहा था खुदा की सिफ्त सत्तारी है वो पर्दापोशी करता है लेकिन जब मामला हद से बढ़ जाता है तो राज फाश कर देता है तुर्क दर्जी की बातों से इतना खुश हुआ कि अपने वादे को भी बुला दिया दर्जी ने फिर कोई हंसी का किस्सा सुनाया जिससे तुर्क चित लेट गया अब चूंकि तुर्क बिल्कुल गाफिल था दर्जी को मौका मिल गया उसने तलस का टुकड़ा रान के नीचे से निकालकर नेफे में उड़स लिया तुर्क ने तीसरी बार फिर फरमाइश की अब दर्जी ने एक और टुकड़ा चुरा लिया कह के ही मारने से तुर्क की आंखें बंद थी अकल भाग चुकी थी और वो किस्सों पर फरीफता था चौथी बार तुर्क ने फिर फरमाइश की लेकिन दर्जी को तुर्क पर रहम आ गया और उसने अपने फन को दूसरे लोगों पर आजमाने के लिए उठा रखा तुर्क ने दर्जी का खुशामद में सा लिया ऐ शख्स हंसने वाले फसाने सुनकर तू अपने वजूद से बेखबर हो गया है तू तो खुद हंसी का फसाना बन गया है अब कब्र के किनारे जाकर अपना अंजाम सोच जल्द शशम हकायत नंबर पैंतालीस उस नफ्स को खताब जो इस जैसी बला में फंसा है ए नदानी और शक की कब्र में उतरे हुए इंसान तू कब तक इस दुनिया के मजाक का फरेब खाएगा इस हंसी से न तेरी अकल दुरुस्त रही न रू इस दुनिया का मजाक यह है कि अगर मौसम बहार में बाघ को बख्शिश देता है तो खिज़ा में दर्जी की तरह छीन लेता है आसमान अपने साथ और नहस के जरिए लोगों से मजाक करता है छियालीस तुर्क से दर्जी का कहना कि चुप हो जा अगर हंसी की बात दोबारा कहूंगा तो तेरी कबा तंग हो जाएगी दर्जी बोला अब और हंसी की बात का तालिब ना हो क्योंकि अगर मैं कोई और हंसी की बात सुनाऊंगा तो कबा तंग हो जाएगी अगर तू इस हंसी का राज समझ जाता कि मैं तुझे क्यों हंसा रहा हूं तो तू इस हंसी को सैकड़ों रोनों से बदतर समझता इसलिए ऐ शख्स तू भी दिल लगी कि जिंदगी को छोड़ दे क्योंकि ज्यादा उम्र तो गुजर गई है अब भी बाज ना आएगा तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा दर्जी ने हाथ से अतलस रख दी और जाहिर हो गया कि उसमें चोरी हो चुकी है तो तुर्क घोड़ा भी हार क्या याद रख वो अहमक तुर्क तू तु है और ये दुनिया गद्दार दर्जी है तेरी उम्र अतलस है और तेरी हिरस और शहावत हंसी और मजाक की बातें हैं दिन रात कैंची हैं और गफलत हंसना है घोड़ा तेरा ईमान है और शैतान इस तरह गाथ में है जिस तरह शर्त बांधने वाले थे तेरी उम्र के तलस को माहो साल की कैंची से जमाना टुकड़े टुकड़े कर रहा है और उसे चुरा रहा है सूफी तू ये तमन्ना करता है कि तेरे सितारे हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा तुझसे हंसी मजाक करते रहेंगे सितारों की नहूसत और सादत का पाबंद ना बन अगर हमेशा खुश रहेगा तो तेरा हाल तुर्क जैसा हो जाएगा याद रख जाते बारी से इश्क कर जो उन सितारों को गुमा रही है अपनी नज़र घुमाने वाले पर रख जिल्द शशुम इकायत नंबर सैंतालीस जमाने के जुल्म से फकीरों को तस्कीन देने में इस दुनिया की मिसाल एक शख्स बाजार से गुजर रहा था कि रास्ते को औरतों की ज्यादा तादाद से बंद देखा उसने उनकी तरफ मुखातिब होकर कहा ये लड़कियां कितनी ज्यादा हो गई हैं एक औरत ने कहा कि हमारी कसरत को न देख क्योंकि हमारी कसरत के बावजूद लोग बद किरदारी में मुबतला हैं गौर करने की ये बात है कि हमारी कसरत के होते हुए भी तुम लोग बदफेली में मुबिला हो जाते हो और रसवा होते हो इसी तरह ए सूफी तू ज़माने की तलखियों की तरफ तोज्जो मत कर बल्कि इस तरफ देख कि उन तलखियों के बावजूद तू तो इस जमाना पर जान क्यों फरीफदा किए हुए है जिस तलख इम्तिहान से तू घबराता है उसे रहमत समझ क्योंकि वो सब्र रज़ा के जहूर का सबब है और दुनियावी ऐशरत को अजाब समझ क्योंकि वो गफलत और अल्लाह से दूरी का सबब बनता है इब्राहिम नामी एक यहूदी बहराम कौर के ज़माने में था वह बहुत पकील और हसीस था माल खर्च करने से गुरेज करता था इसलिए निजात पाने से रह गया हज़रत इब्राहिम ने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लगा दिया तो मुकर्रबे बारगा हो गए उन्होंने दुनिया पर लात मारी और तकालीफ बर्दाश्त की तो उनको आग ना जला सकी पहला इब्राहिम मालो दौलत की तल्फी की सोजिश से बचा लेकिन जहन्नुम की सोजिश में जला जिस तरफ मतलूब के ना होने का ख्याल हो उधर चल पड़ो तो मतलूब तक पहुंच जाओगे तलब के रास्ते में उल्टा फेल है ये इब्राहिम जल गया और वो इब्राहिम ना चले सूफी ने कहा जब हक़ ताला को हर कुदरत हासिल है तो फिर उसने ऐश के साथ साथ तलखियों को क्यों रखा है वो आग को चमन बना सकता है तो वो ये भी कर सकता है कि उसे बेजरर बना दे वो ख़ार से फूल और खिजान से बाहर बना देता है तो रंज को खुशी भी बना सकता है जिस जात ने मदूम को मौजूद और मौजूद को बाकी बना दिया है मुर्दा जिसम को हयात अता कर सकती है तो वो ये भी कर सकती है कि जिंदा को मौत ही ना आए इसमें क्या मुजायका था कि बगैर कोशिश के मकासद हासिल हो जाते वो ये भी कर सकता था कि कमजोरों पर शैतान कोकालिप ही नाने दे काजी ने जवाब दिया कि अगर मुजरतें और तलखियां बिल्कुल ना होती तो फिर इम्तहान बाकी न रहेगा जिसका समरा और नतीजा आखिरकार अजर और रूहानी कमाल है अगर नफ्स और शैतान की पैदा करा बुराइयां और तलखियां ना रहे तो फिर अल्लाह की तरफ से किसी को सबूर किसी को अलीम किसी को शुजा और हकीम कहा गया है वो ना कहा जाता इसलिए कि जब मसाहिब ना हो तो ना सब्र पाया जाएगा ना ही इल्म और उसका तहकुक ना शुजात और ना हमत होगी ये खतबात भी तो बगैर शैतान के वजूद के मुमकिन नहीं बहादुर और बुजदिल यकसा होते इम और तनाई का तहकुक भी जब ही है कि बेराह रही और गुमराही हो तू अपने कड़वे कसैले मिजाज की वजह से ये चाहता है कि दोनों आलम बर्बाद हो जाएं आखिर तो इसीलिए कि फजाइल हासिल किए जाएं जब इम्तिहान ही ख़त्म हो जाएगा तो फजाइल हासिल होने के क्या मानी हुए ना ये दुनिया मजरा बनेगी लिहाजा दोनों जहान वीरान हो जाएंगे काजी ने सूफी से कहा जो बातें की गई हैं जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए ही हो ये बातें आवाम के शुबहत दूर करने के लिए थी अगर मसायब और इम्तहान ना हो तो गफलत पैदा हो जाएगी दुनिया के मसायब बर्दाश्त करना आसान है क्योंकि इस जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाएंगे लेकिन अगर, अगर अल्लाह से दूरी है तो उसके मसायब दायमी है जल्द शशुम हकायत नंबर अड़तालीस रंज पर सब्र कर लेना दोस्त के फराक पर सब्र करने से ज्यादा आसान है बीवी ने शोहर से नानो नफका की कमी की शिकायत की उसने अपने कुर्ते की आस्तीनें दिखाई जो बहुत मैली और मोटे कपड़े की थी कहने लगी ये कपड़ा मेरे बदन को खाए जा रहा है शोहर बोला मेरे मकदूर में जो कुछ है मैं करता हूँ बेशक यह लिबास घटिया है अगर तो इसमें गुजारा नहीं कर सकती तो फिर अलग हो जाना मुनासिब है गौर कर ले यह लिबास बेहतर है या तलाक ए तंगी की शिकायत करने वाले बला और फकर का ना होना जबकि अल्लाह से दूरी का सबब है तो बला और सब्र की तलखी ज्यादा बेहतर है इबादत की सख्ती अल्लाह की दूरी से बेहतर है इसलिए कि ये मुश्किलें आर्जी हैं जब खुदा अपना कहकर पुकारेगा तो सारी कल्फतें दूर हो जाएंगी इलाम के जरिए अल्लाह की आवाज़ को हर एक नहीं समझ सकता लेकिन अहले नस्बत एक कल भी सुकून जरूर महसूस कर लेते हैं इसी को अल्लाह ताला की पुकार समझ लो इसको समझने के लिए मजाजी आशकों और मशूकों के बारे में समझ लो मशूक बीमार आशिक की मजाज पुरसी करता है अगर पैगाम भेजना भी मुमकिन नहीं तो दिल में मुतवक्र होता है बहरहाल मशूक आशिक के हाल से बेखबर नहीं होता इश्क बाजों की दास्तान ने ये बातें मालूम हो जाएंगी अल्लाह से दूरी सबसे बड़ी बुराई है तमाम उम्र तूने इस बुराई के अजाले की कोशिश नहीं की अगर तू दुनिया के हालात से ही तब भी हासिल कर लेता तो अब तक उस्ताद बन जाता ना तूने अपने अबाव अजदाद से इबरत हासिल की और ना जमाने के तगैयरों तबदुल से जल्द शशुम इकायत नंबर उनचास एक आरफ की एक पादरी से दरियाफ्त करने की मिसाल कि तू दाढ़ी से ज्यादा उम्र का है या दाढ़ी तुझसे एक आरिफ मर्द ने बूढ़े पादरी से पूछा कि तुम्हारी उम्र ज्यादा है या तुम्हारी दाढ़ी की वो बोला ये मेरे बाद पैदा हुई थी आरिफ ने कहा तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई और काली से सफेद हो गई है लेकिन तेरी बुरी आदतें वैसी कि वैसी ही रहीं तू इससे पहले पैदा हुआ फिर भी तुझ में कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई तू दही की दही ही रहा रोगन न बना तूने घास की तरह मट्टी में अपने पाँव जमा रखा है अगरचे हवस की हवा तुझे हिलाती रहती है जैसे हज़रत सलाम की कौम चालीस साल तक तिया के मैदान ही में फिरती रही तेरी हालत यह है कि हर रोज़ भागता है लेकिन अपने आप को पहले ही मंजिल पर पाता है याद रख जब तक तेरा इश्क दुनिया से है तेरा मुकाम न बदलेगा जब तक मूसा सलाम की कौम के दिल में बछड़े की मोहब्बत रही वो तिया ही में चक्कर काटती रही जिससे तुझे मोहब्बत होनी चाहिए वो बछड़ा नहीं है उसकी हजारों नीमतों से तू रोज़ाना बहरा मंद होता है जो खुदाई नियमतें तुझे मिली हैं तेरा हर जुज्व बदन उसका गवाह है अपने इजा से उन नियमतों के बारे में पूछ ले तू हर तरह के अफसाने सुनने का शौकीन है इन अजा से अल्लाह की नीमतों के अफसाने भी सुन तू जब से वजूद में आया है तेरे इन अजसा ने बेशुमार खुशियां और गम देखे हैं गम तो तुझे जात है लेकिन खुशियां नहीं अल्लाह के खुशियां देखने की ये दलील है कि इन अज्जा ने खुशी की लज्जत से ही नशो नुमा पाई है और तू बचपन से ही जवान इसी लज्जत की वजह से हुआ तेरे अज्जा तो बाकी हैं लेकिन वो खुशियां तेरे हाफ्ते से निकल गई हैं निकली तो नहीं है तेरे हवा से खमसा से छुप गई हैं जाड़ों और गर्मियों का मौसम चला जाता है लेकिन उनकी यादगारें रुई और ठंडा पानी रह जाता है इसी तरह अल्लाह की पहली नेमतें खत्म हो जाती हैं और उनकी यादगार जिसम का जुज्व जुज वाकी रह जाता है जमा की लज्जत खत्म हो जाती है उसकी निशानी औलाद बाकी रह जाती है दरख्तों का फलना फूलना इसकी दलील है कि इन दरख्तों ने मौसम बहार के साथ इश्कबाजी की है हजरत हक के हुक्म से हर दरख्त इसी तरह हामला बनता है जिस तरह हजरत मरियम सलाम बनी थी पानी में आग की गर्मी नजर नहीं आती लेकिन उसके आसार यानी पुलबुले नजर आते हैं और हवा की गर्मी के वजूद पर दलालत करते हैं जिस तरह इन चीज़ों से मौसर पोशीदा है और ज़ाहरी असार उस पर दलालत करते हैं इसी तरह जो लोग विशाल हक़ से मस्त हो जाते हैं उनके अज्जा में हालोकाल मखफी है और उन मस्तों के अज़ा उन पर दलालत करते हैं हाल वो कफियत है जो मुशाहिद हक़ से इंसान पर तारी हो जाती है काल से मुराद भी वह मजामी और कलाम नफसी है जो मुशाहिद हक़ से पैदा होता है जिस इंसान पर हाल तारी होता है तो हैरानी में मुंह खुला रह जाता है और आंख दुनिया के नक्श नहीं देख पाती वो हालोकाल चूंकि अंसरी नहीं है लिहाजा अंसरी आंखें उनको नहीं देख सकती वो तजल्ली हक की पैदावार है लिहाजा बेरंगी के पर्दा में मख् है इन दोनों को जना हुआ कहना महज समझाने के लिए है वरना वहां जनने की कोई हकीकत नहीं है जब तक खुदाई हुक्म ना हो उस वक़्त तक हाल और काल की तफसील न कर ये हालोकाल खुद जुबान हाल से गोया है तू खुद चुप रह उनकी बात सुन हालोकाल अल्लाह से वसल के गवाह हैं बर्फ और ठंडी हवाएं जाड़े की याद दिलाती हैं गर्मियों के मेवे मौसम गर्मा की याद दिलाते हैं गुजरी हुई नेमतों के बारे में अपने अजसाज से पूछ ले या खुद याद कर ले जब तुझे मसायब गेरें और उनकी वजह से तुम कमो गुस्सा तारी हो तो उस गुस्से से यह दरियाफ्त कर कि अगर तू इन नेमतों का मुनकर है तो फिर बता कि तेरे जिसम ने नशोनुमा कैसे पाई जिसम फूलों का डेर है और फिक्र उसका अर्क है तजुब है कि अर्क गुलाब गुलाब का इनकार करे कुफर बुराई और शुक्र तारीफ है खुदा करे ना शुक्र गुजार लोग घास के तिनके तक से मरूम हो जाएं और शुक्रगुजारों पर उल् चीजें निसार हो जाए ना सपासी बंदरों की खसरत है और शिक्र बियालाम का तरीका है ना शुक्रगुजार दुनिया में भी रुसवा होते हैं और आखिरत में भी महज तन परवर लोग कुत्तों की महिंद हैं और जिन लोगों ने मुजाहिदात में वतन को वीरान किया उनकी रूहें नूर और इज्जत का ख़जाना बन गई हैं अगर ये छुपे हुए ना होते तो फलासफर गुमराह होते इन खजानों को समझने के लिए अकल दीन की जरूरत है जो महज दुनियावी अकल रखते हैं उनकी बेवकूफियां जमाने में नुमायां हो गई जल्द शशुम हिकायत नंबर पचास उस फकीर का किस्सा जो बगैर कमाई और मशक्क़त के रोजी का तालब था अकले दुनियावी बात इंसान से बहुत सी बेवकूफियां सरजद करा देती है एक मुफलिस दर्द से अल्लाह के हजूर दुआ करता क्या तूने मुझे पैदा किया इसमें मेरे कसब का दखल नहीं था मुझे जिंदा रखा और बहुत सी दीगर खूबियाँ अतां इसी तरह बगैर कसब के रोजे भी अनायत फरमा दुआ के दौरान उस पर मुख्तलिफ कैफियतें गुजर रही थी कभी ना उम्मीद हो जाता कभी महसूस करता कि दुआ कबूल हो गई है इंसान में मुख्तलिफ कैफियतें अल्लाह ताला अपनी हिकमत से पैदा फरमाता है कभी बुलंदी अता फरमाता है कभी पस्ती दुनिया के काम दोनों सिफतों से मुकम्मल होते हैं जमीन को पस्त किया आसमान को बुलंद किया तभी दौरान फलक हो सका ये दो सिफतें दो अलग चीजें नहीं हैं बल्कि एक चीज में दोनों का जहूर है बंजर पड़ा रहना जमीन की पस्ती है सरसब्ज होना बुलंदी है इंसानी मिजाज की पस्ती और बुलंदी उसकी जिसमानी और रूहानी बीमारी और सेहत है दुनिया के अहवाल को यूं समझ लो कि इसमें कहत भी है इर्जानी भी सुलह भी है जंग भी आलिम का बका इन्हें मुतजाद कैफियतों की वजह से ही है जानों में उम्मीद वीम इसी वजह से है ये मुतजाद कैफियतें इसलिए पैदा की गई हैं कि आलिम आखरत की कतर हो कि वहां राहत ही राहत है मुसाइब नहीं है नमक की कान में जो चीज पहुंच जाती है नमक ही हो जाती है कबर आलम आखरत की इब्तः है वहां जाकर नारंगी खत्म हो जाती है कबरें जिसमों के लिए नमक की कान की तरह है और अरवाह का नमक सार आलम आखरत है आलम आखरत में नया पुराना नहीं है बल्कि वहाँ हर चीज़ नई है क्योंकि नए नएपन से पुराना होना बेरंगी है आलम आखरत की याकरंगी इस तरह की होगी जैसे कि हजूर सल्ला वसलम के नूर से मुख्तलिफ किस्म की कुफर की तारिकियाँ एक किस्म के नूर में तब्दील हो गई आलि आखरत की याकरंगी पशीदा है लेकिन महशर की याकंगी सब पर जाहिर हो जाएगी उगुरी मिलतें इस दुनिया में चतकबरे बैल की तरह हैं कि उसमें मुख्तलिफ रंग होते हैं इन्हीं उखरबी बातों के बारे में मुख्तलिफ किस्म के ख्याल हैं और मजहबी बातों में जबान का तकला मुख्तलिफ रंग का दागा काट रहा है इस दुनिया में हक पर पर्दा है इसलिए बाज़ जगह बातिल बातिलिब और हक मगलूब है ये पर्दा इसलिए है कि अहले बातिल भी कुछ दिन मज़े उड़ा लें हक मखफी हैं और जाहिर होने के मंतजर हैं लेकिन हक का गलबा होगा और बातिल फना होने की ही चीज़ है कयामत का दिन ईद का दिन होगा जिसमें मोमिन खुशी मनाएंगे और कुहार हलाक होंगे मोमिनों की मिसाल दरियाई परिंदों की सी होगी जो समंदर की सतह पर तैर रहे होंगे और पुल सिरात पर से आराम से गुजर जाएंगे निजात और हलाकत पूरे सबूत के साथ होगी बदबात इन लोगों को वैसे ही गजा मिलेगी जैसी वह दुनिया में खाते थे जाते हक के तालिबों को गजात दिदारे इलाही होगा जिसकी वो उम्र भर तमन्ना करते रहे काफिरों से जहाद जहादर कहलाता है और अपने नफ्स से जहाद को जहाद अकबर कहते हैं हदीस में है कि मर्द तो बहुत से मुकम्मल हुए लेकिन औरतों में हजरत मरियम और हज़रत आसिया मुकम्मल हुई और हज़रत आयशा अल्लाह रजी रजील को औरतों पर ऐसी फजीलत है जैसे खानों में सुरीद अफजल है वो मर्द जो ज़नाना सिफ्त हैं आखिरत में उनकी ये सिफ्त वाज हो जाएगी क़यामत का दिन होगा वहाँ पाओ जूता पहनेगा और सर टोपी ताकि हर तालिब को उसका मतलब मिल जाए और हर इंसान अपने सही मुकाम पर पहुंच जाए अल्लाह के जहां इंसाफ है हर तालिब उसका मतलूब बन जाता है तपश का मतलूब सूरज और पानी का मतलूब अबर है बाजत दुनिया में भी हक ताला के कहर का जहूर हो जाता है जालमों पर कहरे खुदाबंदी नाजिल होता है जिन पर कहरे खुदाबंदी नाजिल हुआ उनका अंजाम देख लो उनके बिखरे हुए जा ज़ुबान हाल से शरा कर रहे हैं जिन पर कहरे खुदाबंदी है मरने के बाद सिर्फ कबर की ढेर की मट्टी उनका निशान रह जाता है और वो भी चंद दिन के बाद मिट जाता है जिसको जिस शख्स के साथ इस दुनिया में मुनासिबत होती है कुदरत आखरत में उसका जोड़ा उसके साथ लगा देती है हज़ूर सल अला वसलम का जोड़ा अबू बकर रजी ला तन हो उमर रजी ला तन हो और अली अनहो है अबू जहल के साथ ही अलजुल अलुल्खमार काहन है जिब्राहल सलाम और रूहों का किबला सितरा है पेट के बंदों का किबला दस्तरखान है बाखुदा इंसान नूर विसाल तालिब है और फलसफी वाह मकुमान का जाहिद का मकसूद खुदा है और लालची का दौलत कोई रोटी का आशिक है और किसी को ही मस्त बना दिया गया क्योंकि उनमें अपनी अपनी नस्बत के आसार थे जब इंसान अपनी आदतों पर खुश है और वही जजा का सबब है तो उनके मुनासिब ही उसकी जजा है फिर उससे गुरेज क्यों करता है जब जनानापन पसंद है तो फिर दबट्टा ओढ़ना भी पसंद होना चाहिए जिल्द शशम इकात नंबर इक्यावन उस गंजनामा का किस्सा के उन्होंने कहा कुब्बा के पहलू में किपला रुख तीर चला जिस जगह तीर गिरेगा वही खजाना है एक दरवेश को हाथफ ने नींद में आवाज़ दी कि रद्दी फरोश के जहां जा वहां से एक पर्चा पकड़ और जो उसमें लिखा हो उस पर अमल कर उसने पर्चा लिया तो लिखा था को बागे कर, कि फलांकुबा के पास जाकर किबला रुख होकर तीर चला जहां वो तीर गिरेगा वहीं खजाना मदफून है उसे निकाल ले क्योंकि तेरे सिवा उसे कोई हासिल नहीं कर सकता अगर मिलने में देर लगे तो काम में लगे रहना और ला तक न तू तुम मायूस न होको याद रखना जा मेहनत कर जवान होश में आया तो ख़ुशी से फूल ना समाता था अगर अल्लाह उसकी हिफ़ाजत ना फरमाता तो वो खुशी से फट जाता उसकी खुशी की कई वजूहत थी एक तो ये कि अल्लाह ने उसकी दुआ का जवाब दिया था जिस तरह उसकी कुवत समात हिजाबाद से गुज़र कर सामने बन गई इसी तरह ये कब होगा कि उसकी चश्मे दिल हिजाबाद से गुज़र जाए और उसे कल भी मुशाहिदा अता हो जब सालिक की कुत सामिया और बारा हिजाबात को तय कर जाती है तो फिर उसको मुसलसल अल्लाह के दीद और कलाम हासिल होने लगता है उसके क्लब पर वारदात होने लगती है और मारफिलुद्दनी उसे हासिल होने लगते हैं वजूद हकीकी फना की तलवार उस पर चलाता है और ये फानी होकर बाकी बिल्ला हो जाता है और हजरत हक की सिफते इलमिया से मुस्तफ़ीद होने लगता है खुशी की दूसरी वजह यह थी कि उसे खजाना मिल जाएगा हातिफ़ की आवाज़ सुनते ही वे पड़ोसी रद्दी फरोश की दुकान पर गया और वो पर्चा उसे मिल गया दुकानदार से सलाम दुआ करके फौरन वापस आ गया वो हैरान था तन्हाई में जाकर उसने उसे देखा तो वही कुछ लिखा था जो उसने ख्वाब में देखा वो कहने लगा इस कदर कीमती पर्चा रद्दी के कागजों में कैसे पड़ा रहा फिर उसे ख्याल आया कि जब अल्लाह किसी चीज़ का मुहाफ़ हो तो उसे कोई गैर मुस्तह कैसे ले जा सकता है अगर कोई बयाबान सोने से बरा हो जो सबको नजर आए तब भी अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई उसमें से दमड़ी भी नहीं हासिल कर सकता असबाब में तासीर भी अल्लाह ही पैदा करता है वरना सब कुछ बेकार है अल्लाह अगर चाहे तो बगैर असबाब के भी मसब्ब को पैदा फरमा देता है हजरत मूसम का हाथ गिरेबान में डालने से चमकने लगता था और उनको यह दिखा दिया गया कि जिस नूर को तुम आसमान से तलब करते हो वो तुम्हारे गिरेबान में भी है गिरेबान में से नूर अता करने में उनके लिए ये तमबीह भी मकसूद थी कि बुलंद आसमान भी इंसान की कुदरत मदरक अकल कामिल का अक्स यानी ताबे है इसलिए इंसान आसमानों से अफसल है बास अहदीस में है अव्वलुमा खलकुल्लाह अकल सबसे पहले अल्लाह ने अकल को पैदा किया अकल से मुराद अकल कामिल है जो मार्फत इलाही का ज़रिया है अकल कामिल की अफजलियत जिस कदर समी है वो तो जाहिर है और उसका कशफी हिस्सा एहले काल की समझ से बाहर है क्योंकि उसकी और एहले काल की समझ की मिसाल अनका और मक्खी की सी है वो पर्चा जो उसे रद्दी फरोश की दुकान से मिला था उसमें लिखा था कि शहर से बाहर एक ख़जाना मदफून है मज़ार के कुबा की तरफ पुश्त करके किबला की जानब तीर चला जहां तीर गिरे वहाँ खोत वो एक सख्त कमान लाया जोर से तीर चलाया जमीन को खोदता गया लेकिन ख़जाने का निशान न पाया वो हर रोज तीर फेंकता और जगह को खोदता ये बात अवाम मशहूर हो गई होते होते बादशाह तक पहुंच गई उस जवान को जब पता चला कि मेरे खजाने का पता बादशाह को भी हो गया है तो डर के मारे उसने वो पर्चा बादशाह के सामने रख दिया बादशाह से यह भी कह दिया कि जब से यह पर्चा मिला है मैं रोज़ाना तीर फेंक कर खुदाई कर रहा हूं लेकिन तकलीफ के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ आप कोशिश करके देखें हो सकता है आपको मिल जाए छह माह तक बादशाह तीर चलाता रहा और कुएं खोदता रहा मगर सवाए परेशानी और गम के कुछ ना मिला जब बादशाह को खजाना मिलने में तखीर हुई तो वो रंजीदा हो गया पर चाह जवान को वापस कर दिया कि अगर तुझे और कोई काम नहीं है तो तीर चलाता रहे और जमीन खोलता रहे बादशाह की जुस्तजूह अकली थी वो मायूस हो गया उस फकीर की जुस्तजू इश्क की बुनियाद पर थी इसलिए वो मायूस ना हुआ इश्क बेपरवाह होता है और कभी मायूस नहीं होता उसे हमेशा अपने मकसद हासिल करने की उम्मीद रहती है वो अपनी हर चीज लुटा देता है और नंगो नाभूस की भी परवाह नहीं करता और चक्की के निचले पाठ की तरह मसाइब झेलता है और मकसद से रूगरदानी नहीं करता उसका काम गर्ज से खाली होता है अकल हमेशा फायदे की तरफ दौड़ती है अल्लाह के काम भी गर्ज के बगैर होते हैं उसने इंसान को वजूद बगैर किसी गर्ज के अता फरमाया है आशिक भी अपना वजूद अल्लाह की जनाब में बगैर गर्ज के पेश कर देता है असल जवान मर्दी यही है कि बगैर किसी गर्ज के खुद को पेश कर दिया जाए इस तरह की जवान मर्दी ज़ाहिर परस्तों में नहीं होती ऐसे लोग जाहिर परस्त, इबादत या तो सवाब हासिल करने के लिए करते हैं या दो से खलासी हासिल करने के लिए बेगर्ज लोग सिर्फ ताते खुदाबंदी पर कुर्बान हैं जब बादशाह ने पर्चा उसे वापस कर दिया तो वो हर तरह से मुतमईन होकर अपनी धुन में लग गया जिस तरह कुत्ता अपने जख्म का इलाज खुद करता है इसी तरह आशिक अपने इश्क में किसी दूसरे का सहारा नहीं ढूंढता उसका ना कोई साथी होता है और ना कोई मेहर महराज वो कोई अकल की बात नहीं सोचता इसलिए अकल को उसके कामों की कोई खबर नहीं होती तिब हर तरह के जुनून का इलाज कर सकती है लेकिन इश्क के जुनून का उसके पास कोई इलाज नहीं है ये तो वो बीमारी है कि अगर तबीब को भी लग जाए तो वो खून के आंसुओं से अपने तिब की किताबों को दो डाले तमाम अकलें और तिब्बे इश्क के मामले में हैरान हैं तमाम मशूकों का चेहरा उस इश्क का बुरका है जिसमें जमाले इश्क पोशीदा है सूरत प्रस्तीन सूरतों को मकसूद समझ कर बैठे हैं और उनको अपना रफीक बनाना चाहते हैं हालांकि इश्क का कोई रफीक नहीं होता जब इश्क में कोई रफीक नहीं है तो किसी दूसरे की जानब रफाकत की नज़र से ना देख तू खुद ही अपना रफीक है उस फकीर ने दिल की तरफ तवज्जो करके दुआ शुरू कर दी क्योंकि वो जानता था कि इंसान की कोशिश ही इसके काम आती है गंजनामा ना मिला था तब भी वो दुआ करता था अब तो उसको बशारत मिल चुकी थी वो समझता था कि दुआ की तफीक भी अल्लाह ही की तरफ से है इसलिए अपनी दुआ की कबूलियत से पुर उम्मीद था जब उसकी उम्मीद अल्लाह ताला की जानब उसको दावत देती थी तो उसकी सब थकन दूर हो जाती थी ऐसी रूह जैसी उस फकीर की थी पालतू कबूतर है उसे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती ए जयाक रहमत जिन शख्सों की रूह उस फकीर की रूह की तरह है अगर तुम उनको अपनी जनाब से हटाओगे तब भी वो तुम्हारी मोहब्बत तर्क नहीं करेंगे बिला वजह भी बगाओगे तो कबीदा खातिर नहीं होंगे इसलिए कि उन रूहों को आपकी मोहब्बत से गिज़ा मिलती है लिहाजा वो उसी के शदाई हैं अगर किसी वक़्त रूह तकाजाए इश्क मोहब्बत की अदायगी में कोताही करती है तो इश्क फिर आग को भड़का देता है इश्क का कोतवाल दिल में कहता है कि चल महबूब की तरफ रजू कर अने फयूजो प्रकात के समंदर को जोश दो और मुझ बीमार की अच्छी तरह स्तिश करो हदीस है कि जो खुदा का हो गया खुदा उसका हो गया अगर किसी को फिलहाल यह मरतबा हासिल नहीं भी हुआ तो इल्तजा और जारी किए जाओ कि यह भी उसी का दिया है और यह अपने दर्द का थोड़ा सा इजहार है जिस तरह बांसुरी के दो मुंह होते हैं एक बजाने वाले के मुंह में होता है और दूसरा सुनने वाले की तरफ जो कुछ सुनने वाले सुनते हैं वही होता है जो नए नवाज के मुंह से फूका जाता है मेरे ये नाले भी उस महबूब का फेल है जो साहिब नजर है वो जानता है कि मेरी आहो फगा मेरी नहीं बल्कि वही महबूब मुझसे करा रहा है बांसुरी का जो कुछ नोहा है वो फूकने वालों की फूकों का असर है बादशाह अपनी मलकियत में जिस तरह चाहता है तसर्रफ करता है अगर ये नाला उजारी महबूब की जानब से ना होती तो उसमें इस कदर जजब ना होता और वो दुनिया को इसकी वजह से लुत्फ शौक से पुरना करता ए जयाल्ला हक रमतल ता यकीन आप रात को इश्क की आगोश में थे तब ही आप में इसका दरजोश व खरोश है जूर सल अल्लाह वसम का इतशाद है कि मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ तो वो मुझे खिलाता पिलाता है यानी रात को विशाल हक मुजसर आता है बावजूद इसके कि आपने आपको दरिया आदिश में डाल दिया फिर भी आप जिंदा हैं मालूम होता है कि आपके साथ हज़रत इब्राहिम वाला मुआवजा पेश आया है एज्याल्हक रमतुल्ल जबकि आपके जोशो खरोश से बहुत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो चंद हासिदों के सूरज पर मट्टी डालने से सूरज तो नहीं छुप जाता आप में जो कमलात हैं अगर कोई उनके सुनने की सलाहियत नहीं रखता तो मैं इस खरमन में से एक जौ की बकदर बयान कर सकता हूँ हजरत अली रज़ी अल्लाह तलाहों के बारे में मशहूर था कि जब वो बाज असरार को छुपाने से आजिज आ जाते थे और कोई हमराज नहीं मिलता था कि जिसको सुनाकर दिल को हल्का कर सके तो कुएं में मुंह डालकर वो राज कह देते थे जब बाहर दुश्मन ही दुश्मन हो तो फिर कुंवा ही बेहतर है इसमें जान तो बची रहेगी लेकिन अब मेरी कैफियत यह है कि मस्ती की ज्यादती की वजह से राजों के छुपाने पर कुदरत नहीं है लिहाजा अब मैं अललअलान राज कह दूंगा एक तवज्जो मुझ पर और डाल दीजिए फिर मेरी मस्ती की शान देखिए अगरचे फकीर का किस्सा खजाना मिलने तक मैं पूरा नहीं कर सका हूं और वो उस खजाने का मंतजर है लेकिन मुझ पर शराब की मस्ती तारी है अब मुझे उसकी जगह की तलाश की फुर्सत नहीं है अब मैं फकीर की कोई मदद नहीं कर सकता वो सिर्फ खुदा की पनाह चाह ले मैं खुद अपने आप को फरामोश कर चुका हूँ तो ख़जाने वाले पर्चे की मुझे क्या परवाह है जो शराब इस कदर मुसफ़ा है कि उसमें से बाल भी नजर आ जाता है उस शराब के पीने के बाद इंसान को तकबुर और हुबे जहा की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं रहती तकबुर और गुरूर का यही इलाज है कि इंसान शराब इश्क भी है वह ख्वाजा जो शराब इश्क से खाली है और हमारी मस्ती के खिलाफ तकाफुर में मुबतला है उसके इस फेल का जरर उसी को पहुंचेगा और वह खुद अपनी दाढ़ी नोचता है अच्छा अगर तू हम फकीरों से तकबर करता है तो करता रह हमें इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा हम इस तकबर की मक्कारियों से वाकिफ हैं तुझे अपने गुरूर का खमियाजा भुगतना पड़ेगा तो इसकी सजा फिलहाल नहीं देख रहा लेकिन हमें वो नजर आ रही है जो तकबर के नतज दो सौ साल के बाद देखेगा हमें वो अभी नजर आ रहे हैं अवाम जिस चीज को आईना में से देखते हैं शेख उसको ईंट में से देख लेता है घर के अंदर कहीं रखी हुई चीज दाढ़ी वाला नहीं देख सकता बच्चा उसको देख लेता है महरमों के छुपे हुए अजा बड़ी उम्र का इंसान नहीं देख सकता बच्चे उसे देख लेते हैं अ मगरूर इंसान तू आशिक ज्यादा है हजरत आदम की औलाद है तेरा मल जाओ मावा दरिया इश्क है तू तिनके की तरह दाढ़ी यानी गरूरों तकबुर में क्यों मुबतला है तू मोती है ना के तिनका जाते हक एक बहर है जिसे बहर वियत कहता हूँ इबाम आजम रहमत अल्ह हैं कि अल्लाह एक वहादत है लेकिन उसकी वाहदत आदाद की नहीं है बल्कि उसके ये मानी है कि उसका कोई शरीक नहीं है उसके गोहर मलायका और मुकर्रबीन है और उसकी मछली यानी आशक उनका वजूद वजूद हक है उस बहर का कोई शरीक नहीं है उसमें मौजूद भी एन अल्लाह, सिवाय अल्लाह के वजूद मुस्तकिल से कोई मुतसिफ नहीं है बेंगा है जिसको एक के दो वजूद नजर आते हैं वजूद वाजिब के अलावा किसी और को वजूद मुस्तकिल से मसूफ करना और मानना तो शिरक है बैंगे को वजूद की वहादत समझाना मुश्किल है लिहाजा मैं उसे कुछ नहीं कहता हूँ मजबूरन समझाने के लिए मुतकलमीन को कहना पड़ता है कि मौजूदात से साने के वजूद को समझ लो हालांकि मुमकिन का वजूद मौजूद ही नहीं है हजरत हकता की वहादत बयान लफसी और ख्याली यानी तस्वुर से बाला है अब अगर उसे समझाने की कोशिश करोगे तो लामला दुई पैदा होगी अब या तो बैंगे की तरह उस दुई को गवारा कर लो वरना खामोश रहो या ऐसा कर लो कि जब साहिब बातिन मिले उसको समझा दो वरना खामोश रहो जब राजदार मिले तो उससे तोहिद आरफीन की बात कर लिया करो वो महरम है तो उसके सामने बेशक नारे लगाओ जब तू गैर आरिफ को देखे तो वो तो एक मश्क है जो मकर और मजाज से पुर है तू सरब मोहर मटके की तरह बन जा और होंठ ना हिला वो उन असरार का दुश्मन है जो तुझ में है और अगर तू जाहिर करेगा तो वो तुझे सताएगा लेकिन अगर वो बगैर असरार के भी सताए तो उनकी इजा रसानी की वजह से तू उनको इज़ा ना पहुंचा सब्र कर इसमें तेरा ही फायदा है तेरे दिल में सफाई पैदा होगी नमरूद की आग ने हज़रत इब्राहिम के कल्ब को मजीद मुसफ़ा कर दिया हज़रत नूसम की कौम ने उनको सताया तो उन सलाम के मुकाम बुलंद हो गए और मरातब रूहानी अता हुए जिल्द शशुम हकायत नंबर बावन शेख अबूल हसन खरकानी के मुरीद का किस्सा शेख अबूल हसन हरकानी को अपनी बीबी की अजियतें बर्दाश्त करने से बहुत मरातब हासिल हुए खरासान के नजदीक गांव खरकान की नस्बत से शेख खरकानी कहलाते हैं उनका एक मुरीद अपने शेख की जयारत के लिए आया वो बहुत दूर का फासला तय करके वहां पहुंचा एहतराम से कुंडी बजाई औरत ने सर बाहर निकाला उसने पूछा क्या चाहते हो वो बोला शेख की जियारत के लिए हाजिर हुआ हूँ औरत हंसी और बोली अपनी दाढ़ी को देख इसके होते हुए ऐसी बेवकूफ़ी तुझे अपने घर कोई काम नहीं था कि यह बेहुदा सफर इख्तियार किया या तो तू आवारा गर्द है या तुझे अपना वतन काटता है उसने और बहुत नामुनासिब बातें की जिनकी वजह से उसे बहुत गम हुआ बोला बहरहाल मुझे इतना तो बता दे कि शेख कहाँ है वो शेख के बारे में बुरे अलकाब से जिक्र करके बोली अगर तू उसे ना देखे तो तेरी खैर है इससे तू गुमराह ना होगा जो शख्स भी उसका मरीद है रात को मुर्दा की तरह सोया रहता है और दिन को भी उसके कोई यशगाल नहीं है तमाम सूफी ऐसे ही होते हैं कि इल्म कमाल को छोड़कर कहते हैं कि ये एक बात निहाल है उन सूफियों से रसुल्लह सल्लास और साहबा रजवान तजमाइन की सुन्नत को हटा दिया और नमाज रोज़ा खत्म कर दिए हैं शरीयत और तकवा को पसे पुष्त डाल दिया है इस वक्त हजरत उमर रज तैसे शख्स की जरूरत है कि उनको राह रास्पा डाले जल्द शशम हकायत नंबर त्रिपन मुरीद का जवाब देना और उसको ताना जनी पर झिड़कना जवान कहने लगा बसकर तू बुजुर्गों और सूफियों को बुरा कह रही है हालांकि उनकी शान यह है कि मशरक मगरब उनके नूर से मुनवर हैं उनकी अजमत के सामने आसमान का सर झुका हुआ है जब मेरे ये अकीदे हैं तो तुझ शैतान के बहकाने से मैं शेख के दर को कब छोड़ सकता हूं सुन ले शेख में जो नूर है वह नूर हक है और अगर वह नूर बछड़े में नमूदार हो जाए तो वो किबला बन जाए और अगर वह नूर किबला से मुफकूद हो जाए तो फिर उसको सजदा करना कुफर और सनम परस्ती बन जाए तू कहती है कि इस ग्रोह से अबाहत पैदा हुई है तो समझ ले अबाहत की दो किस्में हैं एक अबाहत तो वो है जिसे अहले कलाम अबाहत कहते हैं यानी हराम को हलाल समझ लेना ये ख्वाहिश नफसानी से पैदा होती है और गुमराही है एक अबाहत वो है जो गलबा हाल से पैदा होती है जैसे समा और वजत ये खुदा की जानिब से है और कमाल है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ भी एक शैतान है लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बार खिलाफ मेरी मदद की और वो मुसलमान हो गया जिस तरफ भी वो नूर हक चमकता है वह मजहर इश्क बन जाता है और खुदा का महबूब और फरिश्तों से अफसल होता है जरत आदम्स को फरिश्तों से सजदा कराना इसी फजीलत की वजह से था तेरा बुरा कहने से शेख बुरा नहीं हो जाएगा तू उनके बातनी और साफ को नहीं देख सकती और जाहिर पर हुक्म लगाती है तू बता उनके जाहिर से ज्यादा किसका जाहिर रोशन है तमाम इंसानों के जाहरी अमाल शेख के अमाल के मुकाबले में हेच हैं रूह के दरिया की मौजें तूफान नूह की मौजों से तेज होती हैं उनसे डरती रह हज़रत सलाम के बेटे ने उनकी कश्ती को छोड़कर कहा मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा एक मामूली मौज ने उसे गर्क कर दिया रात के मुसाफिर चांद की रोशनी से फ़ायदा उठाकर सफर करते रहते हैं कुत्तों के बौंकने से नहीं रुकते एक आरिफ बिल्ला शरीयत और तकवा का खुलासा होता है उसको मार्फत खुदाबंदी हासिल होती है जो कि तकवा से पैदा होती है जोदो तकवा खेती करने की कोशिश की तरह है और मारफत खुदाबंदी उस खेती का उगना है मुजाहिदा यानी अमले साले और अकीदा जिसम की तरह हुए और अकीदा और अमल की जान खेती का उगना और काटना है तू कहती है हजरत उमर हो, कहा है जो बलाई का हुक्म दे यानी शेख में बलाई नहीं है तो समझ ले वो तो खुद भले है उनका बातिन काशिफ असरार है वो ज़ाहिरन और बातिन मुकम्मल है हम लोग पोस्त हैं और वो मगज हैं इसलिए हम उनके गुलाम हैं अगर वो अनल हक कहें और जाहिरबीनों के नज़दीक हद से तजावुज कर जाए और उसकी वजह से ज़ाहिरबीन गुस्सा में मुब्तला हों तो वो भी खिलाफ शरा नहीं है जब बंदे की अपनी हस्ती उसके जहन से फरामोश हो जाती है तो फिर वह खुद नहीं रहा और तब सवाए खुदा के कुछ नहीं रहा अगर तेरे पास हकीकत बीन आँख है तो गौर कर ले अगर अब भी कोई अनल हक पर इतराज़ करे तो आसमान की तरफ थूकना है जिसकी बुराई खुद उसी पर आएगी बुजुर्गों की तकफीर करने वाले पर खुदा की तोफ कयामत तक रहेगी जिस तरह अबू लहब के बारे में सूरल लहब में बदतुआ मुसलसल बरस रही है जबकि शेख शाह है और शाह जंडे और नकारे का मालिक होता है तो उनको पीटो वही कहेगा जो खुद कुत्ता होगा शेख तो नूर हक है और बकाए कायनात उसके तुफैल है इसीलिए तो चूंकि वो नूर है जो हजूर सल्ला वसल्म में था और जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने फरमाया था कि अगर तुम ना होते तो मैं ज़मीन व आसमान को पैदा ना करता अगर शेख को वही नूर हासिल हुआ है तो फिर अब तमाम आलम उसी के तुफैल है चूंकि उसमें वही नूर है कि अगर वह नूर ना होता तो ज़मीन व आसमान ना होते लिहाजा आसमानों की गर्दश समरों और ज़मीन की ये रौनकें सब उसी के तुफल हैं रिजक खोरों का रिज् और फलों की बारिश उनके तुफैल है फ़करा को जो सदका वगैरह देने का हुक्म है तो ये अजीब लतीफ़ा है कि फ़करा और मशाखी के तुफ़ैल हमें ये दौलत मिली है तो गोया उन्होंने ही अता की अब हमसे कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हें सदका दिया है तुम उनको दो यानी हम फकीरों से कहा जा रहा है कि तू उगनी फकीर को सदका दे मुरीद बोला ऐसे शेख के घर में तुझ जैसी औरत है मुझे शेख से नस्बत है वरना मैं तेरे टुकड़े कर डालता तुझे भी शेख से एक नस्बत है इसलिए तू मेरे हाथ से बच गई बीवी को मलामतें करने के बाद मुरीद शेख की जस्तजु में लग गया किसी ने उसे बताया कि शेख जंगल में लकड़ियां लेने गए हैं शैतान ने शेख की बीवी के सिलसिले में मुरीद के दिल में वसवसे पैदा करने शुरू कर दिए कि ऐसी बदज़ुबान औरत को शेख ने अपनी बीवी के तौर पर क्यों रखा हुआ है शायद शहावत से मगलूब है याद रखो इस किस्म की बद औरत का शेख की बीवी होना भी खुदाई ही तसरुफ है वो खुद मसलहत जानता है हमें ऐतराज़ करने का हक नहीं है वो लाहौल पड़ता लेकिन नफ्स फिर उसके दिल में वसवसा पैदा कर देता मुरीद इसी उदेड़ बुन में था कि शेख को एक शेर पर सवार आते देखा उसने देखा कि शेर गुर्रा रहा है और उसकी कमर पर लकड़ियां लदी हैं और शेख उन लकड़ियों पर बैठे चले आ रहे हैं और हाथ में एक सांप है जिससे कोड़े का काम ले रहे हैं शेख अबू हसन हसन रहमतल्ल्ता ही नहीं बल्कि हर शेख मस्त शेर पर सवार है फर्क सिर्फ इतना है कि शेख अबू अल हसन रहमतुल्ल तालै का शेर नजर आ रहा है दूसरे शयूख के शेर अवाम को नजर नहीं आते सिर्फ उन लोगों को नजर आते हैं जिनको चश्मे बसीरत हासिल है बुजुर्गों की सवारी में लाखों शेर हैं जो उनकी खिदमत करते हैं वो शेर उनके नफ्स अम्बारा है, जो उनके ग़ुलाम बन गए हैं शेख ने मुरीद को देखा तो हंस पड़े उनको उसके दिल के वसवसे का इल्म हो गया था उन्होंने तमाम वसवसे उस पर जाहिर कर दिए और उसका जवाब दिया कि उसको मैंने नफसानी ख्वाहिश के लिए बीवी नहीं बना रखा बल्कि अपने नफ्स की असलाह और सब्र की ताकत बढ़ाने के लिए रखा हुआ है हमारी मिसाल बख्ती ऊंटों की सी है कि अल्लाह ताला के फैसलों का बोझ मस्ती और बेखुदी से बर्दाश्त करते हैं मैं भी खुदा के हकाम के बारे में कच्चा नहीं कि किसी मामले में आम बदनामी और खास बदनामी से डरूं। हमारा वास्ता फरमाने खुदाबंदी से है अवाम या खवास से नहीं मुझे लोगों की तारीफ की परवाह है ना जिल्लत की किसी से अलहदगी या किसी के साथ रहना अपनी ख्वाहिश से नहीं है बल्कि मनशाए खुदाबंदी के मुताबिक है उस बेवकूफ़ बीवी ही का क्या है उस जैसे सैकड़ों का बोझ महज रज़ाई खुदाबंदी के लिए बर्दाश्त करता हूँ जिस कदर ताल्लुक माल्ला और उसके हकाम की इतब का जिक्र है ये तो हमारे शिगिरदों को भी हासिल है अल्लाह के कर्म से हमारा मरतबा तो उनसे बहुत बुलंद है हम जाति मकानी के मुशाहदे में रहते हैं जहां नूर ही नूर है और तसुर ख्याल से बालता रहे ये सारी गुफ्तगु अपने मुकाम से बहुत नीचे आकर की है ताकि तू समझ सके और सब्र की आदत डाल ले जब तू कमीनों की कमीनगी को बर्दाश्त करेगा तो रसूलों की सुन्नत का हामिल बन जाएगा रसूलों और नबियों ने कमीनों के हाथों बड़ी तकलीफें उठाई हैं और सब्र किया है अबरार और अशरार की यह आवेजिश आज की नहीं है बल्कि अल्लाह ताला के निजाम में हर चीज की जिद पैदा की गई है ताकि हर चीज का पूरा इल्मी जहूर हो सके जिल्द शशुम हिकायत नंबर चवन मैं जमीन में कायम मुकाम बनाने वाला हूं की हिकमत जबकि एक चीज का जहूर उसकी जिद के जहूर पर मौकूफ है और हक ताला की कोई जित न थी तो हक ताला ने अपना एक खलीफा बनाया ताकि उसके अवाफ़ कमाल हजरत हक ताला के अवाफ का आईना बन जाए अल्लाह ने अपने इस खलीफा में इस बात की सिफात वदयत फरमा दी और उसके बिलमुकबिल एक मखलूक ऐसी पैदा फरमा दी जो तारीखी से पुर है अब दो शख्सियतें रूनुमा हो गई एक सफैद और दूसरी स्या यानि हजरत आदम्सम और शैतान दोनों किस्म की मखलूक में मुतजाद मतजाद और हर एक अल्लाह के मुतजाद सिफात का मजहर है सबसे पहले तो हज़रत आद सलाम और शैतान इन सिफात के मजहर हैं फिर हाबील और कबील मजहर बने फिर हज़रत इब्राहिम और नमरूद में कशमकश हुई और मजहर बने तो आग को दोनों का हुक्म बना दिया गया और उसने फैसला कर दिया कि हज़रत इब्राहिम हक पर हैं और नमरूद बातिल पर हर जमाने में इस तरह के दो ग्रोहों के दरमियान कश्मकश जारी है हजरत मूसअलम और फिरोन में भी यही कश्मकश थी और उनकी जंग ने तूल पकड़ा हजरत और फिरोन की जंग में दरियाए नील को हुक्म दे दिया उसने हजरत मूसअलम को जता दिया और फिरोन गर्क हो गया समूद चीह के अजाब से और कौम आद को तेज हवा ने हला कर डाला करोन के लिए जमीन जैसी बुरदवार चीज को सबब अजाब बना दिया और वो उसको अजदह की तरह निकल गई बुरदबार जमीन करून के लिए कहर आलूद हो गई वो तो गिजा जैसी चीज को जो इंसान की मददगार होती है मौत का सबब बना देता है चाहे तो गर्म कपड़ों में बर्फ जैसी ठंडक पैदा फरमा दे असहाब का पर अजाब आया तो अल्लाह ने दरो दीवार को हुक्म दे दिया कि उन पर साया ना करें वो लोग सूरज की गर्मी से मर गए हजूर सल्ला हो अ वसलम और अबू जेहल में मुकाबला रहा तो हजूर सल्ला वसल्लम का मुआवजा ज़ाहिर हुआ कि अबू जेहल के हाथों की कंकरियों ने इन सल्ला वसलम की रिसालत की गवाही दी उसने ये मुआजा देखकर भी सर तस्लीम खम ना किया उसकी वजह यह थी कि उसका गौर फिक्र दुरुस्त न था अगर इंसान की नज़र में गहराई ना हो तो वो मुफीद नहीं होती कुरान पाक में है फर्जाइल बसर कर्रा तहन दो मरतबा नजर डाल नजर की तकरार भी किसी की नजर को गहराई में ले जाती है नजर के दुरुस्त होने की यह भी एक शर्त है कि खुदा के नेक बंदों से जो वही के मुतबा हो मदद हासिल की जाए वरना महज फलासफर की तर्ज पर गौर करना तो ठंडे लोहे को काटना है हजरत इसराफी जिसमों को हयात बखशने वाले हैं और अहलुल्ला रूह को जिंदा कर देते हैं लिहाजा अगर उनकी सहबत अख्तियार करेगा तो तुझे सही नजर हासिल हो जाएगी चूंकि तू फासिद फासदाम में मुबला है लिहाजा अपने हम जिन्स फलसफे के पास आ जाता है और चूंकि वो भी फासिद ख़यालत में मुबतला है वो तुझे कभी सही नज़र नहीं अदा कर सकता वो खुद अकले सलीम से बेगाना है इसलिए वो अपने वजूद को भी एक महम शय समझता है जबकि वो अपनी अक्ल से और वजूद से बिगाना है तो उसमें इससे लतीफ़ बाकी नहीं इसलिए उसकी सोहबत तेरे लिए नफ़ा बख्श नहीं है हजरत ताला का जहूर मखलूक के वजूद के वास्ता से है ये बात अवाम ना समझ सकेंगे लिहाजा खामोशी इख्तियार करो वरना सिवाए रसवाई के कुछ हासिल ना होगा इसलिए सही नजर और ईमान नज़र की बात करनी चाहिए ईमान के मानी चश्मा को जारी करने या रवाना करने के हैं चूंकि रूह जिसम से जुदा होकर रवाना होती है इस तरह ईमान के मानी नजर को गहराई की तरफ रवाना करने के हैं हकीम भुगली सीना ने मेराजिया में कहा है कि इंसान में दो रूहें हैं एक को रूहे हैवानी कहा जाएगा जो लतीफ़ बुखारात हैं और एक रूहे इंसानी जो बदन से निकलकर रवाना हो जाती है इसी तरह ईमान नजर में नजर की गहराई की तरफ जाने को कहेंगे शेख ने दोनों किस्म की रूहों के लिए दो लकब तजवीज़ किए हैं एक को जान कहा और दूसरी को रवान कहा जल्द शशुम इकायत नंबर पचपन पैगंबर हूद सलाम का मोजा हवा के नाजिल होने के वकत मोमनों को बचाने का इस मजमून का मकसद उस शख्स की हालत बयान करने के लिए है जो खुदा के हुक्म को बचा लाता है अगर वो खुदा से दुआ करे कि कांटा फूल बन जाए तो वो वाकई फूल बन जाए याद रखो मुकर्रबी ने बारह की दुआ मकबूल होती है अल्लाह बहुत सी चीज़ों को हवा के तूफ़ान की तरह हलाकत का सबब और कश्ती की तरह ज़रिया निजात बना देता है जिस तरह कश्ती ज़रिया हिफाजत है इसी तरह अल्लाह ताला उस बादशाह को मुफीन से हिफाजत का सबब बना देता है जिसका दरअसल मकसद मुलक गिरी होता है हज़रत सलाम ने मोमिनों के गर्द एक लकीर खींच दी क्योंकि अल्लाह के एज़ की सूरत में हवा का तूफ़ान उनकी कौम को तबाह करने के लिए आ रहा था दुनिया में लोग अपने मकासद हासिल करने के लिए काम करते हैं जो बजाहर नुकसान नजर आते हैं लेकिन अल्लाह उनसे उनके मकासद के अलावा बाज लोगों के नफे के काम भी ले लेता है दुकानदार अपने नफे के लिए दुकानदारी करता है लेकिन उसकी वजह से लोगों तक उनकी जरूरत की अशिया पहुंच जाती है हर इंसान अपने मकसद के फौत होने से डरता है और इसी खौफ की वजह से निज़ाम आलम कायम है उस अल्लाह की तारीफ है जिसने खौफ को दुनिया का मामार और आबाद को बना दिया दुनिया का हर नेकोब अपने मकसूद के फौत होने से डरता है और यह डर खुद ब खुद पैदा नहीं होता बल्कि इसका कोई पैदा करने वाला है मालूम हुआ कि हर शख्स पर कोई जात हाकिम है और उस शख्स को उस जात का कुर्ब हासिल है लेकिन वो ज़ात उसे महसूस नहीं होती बेशक महसूस तो वो नहीं है लेकिन वो हर वक्त तेरी घात में है ताकि तू अपने फर्ज से गाफिल न हो उसको अगले कामिल वाले महसूस भी कर लेते हैं लेकिन अवाम के लिए गैर महसूस है क्योंकि उस मक्खन तक उनकी रसाई नहीं है खुदा जिस हिस्स का महसूस है वो इस दुनिया के ज़ाहरी हिस्स नहीं है वो दूसरे आलम के हिस्स है ज़ाहरी हिस्सो हैवानात में भी है जो पेट और शर्मगा के हिस्स में मुबतला रहते हैं वो ज़ात जो गैर कश्ती बना देती है उसमें यह कुदरत भी है कि कश्ती का तूफान बना दे यानी वही चीज़ जो जरिया निजात थी हलाकत का सबब बन जाए तेरा ये गम और खुशी तेरे लिए तूफान और कश्ती बना दिए गए हैं और गम को खुशी का सबब और खुशी को गम का सबब भी बना दिया जाता है अगर तेरे गम और खुशी तुझे नजर नहीं आते हैं तो उनके आसार से उनको समझ ले फलसफी चूंकि इस खौफ की असल को जो खुदा से है नहीं देखता है तो वो तभी असबाप को खौफ का सबब करार दे देता है जो अमूमन गलत होता है फलसफे की मिसाल उस अंधे किसी है जिसे गंवार मदहोश ने मुक्का मारा हो और वो उसका सबब खच्चर की लात को समझ ले इसलिए कि उसने खच्चर के हिन हिनाने की आवाज सुनी थी और अंधे के कान ने उसकी आंख का काम किया या वो समझे कि पत्थर लगा है यानी जिस जात ने उसके दिल में खौफ पैदा किया उसी ने उस अंधे के दिल में ये ख्याल पैदा किए ये खौफ और लर्जा खुद ब खुद पैदा नहीं होता किसी सबब से पैदा होता है फलसफी वहम को खल्लाक करार देकर उसको खौफ का खालिक करार दे देता है ये उसकी कज फहमी है वहम किसी चीज से जब ही पैदा होता है जब उस चीज से कभी वो चीज पैदा भी हुई हो मसलन जैद को यह वहम है कि मुझे कोई मार ना डाले ये जब ही हुआ जब ऐसे बाकयात हकीकत होते भी हैं जब वहम किसी हकीकत पर मबनी होता है तो लाम उस हकीकत का कोई पैदा करने वाला है जिसकी वजह से वो वहम पैदा हुआ उसको इस तरह समझ लो कि वहम खोटे सिक्के की तरह है और खरा सिक्का हकीकत है खोटा तब ही चलता है जब करा चल रहा हो झूठ का रवाज इसलिए हुआ है कि लोगों ने सच का रवाज देखा है सच का झूठ पर यह एहसान है कि उसकी वजह से इसका रवाज हुआ अहलुल्ला बेमंजला नूसलम और किश्ती के हैं और अवाम को बमजला तूफान के हैं इंसान के लिए शेर और सांप इस कदर मोहलिक नहीं है जिस कदर दोस्त और अपने मोहलिक हैं उनकी मौजूदगी में मुलाकात से वक्त जया होता है और गैर मौजूदगी में उनकी याद तुम्हारा फिक्र बर्बाद करती है दोस्तों और अपने की याद तुम्हारी कुवत फिक्रिया को प्यास से गधे की तरह चूसती है उनकी याद तो अल्लाह के बिल्ला को जायल करती है शाखें जब तक जड़ से पानी चूसती रहती हैं उनमें लचक रहती है जैसे चाहें मोड़ सकते हैं इसी तरह जब कुआ एरादिया से आज़ा सेराब नहीं होते हैं तो उनमें जुम्बश की कमी वाकया हो जाती है कुरान में मुनाफिकों के बारे में आया है और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो कसलमंद होकर खड़े होते हैं यानी सुस्ती से ये के माल का बयान अवाम न समझ सकेंगे और उनको मुजर होगा लिहाजा अब मैं फकर और खजाने की बात शुरू करता हूँ तूने आग तो देखी है अब इश्क की आग को भी देख ले जो जानो दिल को जला डालती है और सिर्फ जानो दिल को ही नहीं बल्कि अनानीयत के ख्याल को भी जला डालती है लेकिन जिस जानो दिल में कबूलियत की सलाहियत नहीं है उन्हें सोज जिंदगी तो दरकनार उस आग की रोशनी भी महसूस नहीं होती है ये अदम सलाहियत की बात है वरना वो आदेश इश्क जब जान को जला डालती है तो उसके जलने से ना ख्याल बचता है ना हकीकत वाकई इश्क ऐसी चीज है कि शेर यानी हकीकत और लूमड़ी यानी ख्याल पर भी गाली आ जाता है और हर दो को फना कर डालता है इश्क से मा सवाल सब जल कर खाक हो जाते हैं विस्म दरअसल बे और इसम का मजमू था और सीन के वसल की वजह से दरमियान का अलिफ फना हो गया तू भी इसी तरह ऐति हदीयत में अपने आप को फना कर दे वो अलिफ जो पिसम में छुप गया यानी मानी के एतबार से मौजूद है लेकिन हरूफ के एतबार से मदूम है तू भी इसी तरह उस ज़ात में फना हो जा, यानी हिस्सी एतबार से तेरा वजूद रहे और ज़हनी एतबार से ना रहे वो अलिफ वसल था जब बे और सीन का वसल हुआ वो वसल अलिफ के वसल को बर्दाश्त ना कर सका जब एक हरफ भी वसल बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरा वसल बिल्ला मेरी इस तकरीर को कैसे बर्दाश्त करेगा तो मेरी यह तकरीर और बयान फना के खिलाफ है लिहाजा मुझे खामोशी इख्तियार करनी चाहिए बोलना वजूद के आसार में से है जो फना के मुनाफी है जब अलिफ ने खुद को फना कर दिया तो अब बे और सीन उसको बता रहे हैं कि इस तरह जब बंदा फनी फ़ाद हो जाएगा तो उसको बका बिजातिल्ला हासिल हो जाएगा हजूर सल्लाम ने जंगे बदर में एक मुठ्ठी काक दुश्मनों की तरफ फेंकी तो वो अंधे हो गए चूंकि हजूर सल्लाम को मुकामी फिना हासिल था इसलिए उन सल्लाह वसलम के इस फेल को अल्लाह तला ने अपनी तरफ मनसूब किया जब फानी का फेल फानी की तरफ मनसूब नहीं हो सकता है तो उसका कौल भी उसकी तरफ मनसूब नहीं होगा बल्कि अल्लाह की तरफ मनसूब होगा तो किन्न अल्लाह रमा से यह भी जाहिर हुआ कि हजूर सलाम ने नहीं बल्कि अल्लाह ने कहा गुफ्ताए गुफ्ता गर्चे इस हल्कू में अब उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज अल्लाह ही के अल्फाज होते हैं अगरचे वो अल्लाह के बंदे के हल्क से निकले हों मसनवी के मजामी कलमातुल्लाह है और उनके बारे में कुरान में यही कहा गया है जब तक ये दुनिया कायम है और जमीन से इससे ईंटें थपती रहेंगी उस वक्त तक मसनवी के अशार भी दस्तियाब रहेंगे जब ये रुए जमीन खत्म हो जाएगी और कयामत के दिन की हवाएं इसको तहुबाला कर देंगी तो मसनवी यानी कलमात का समंदर जोश मारेगा और आलिम आखरत में एक जमीन अपने लिए बना लेगा चूंकि कलमातुल्ला लामहदूद है लिहाजा मसनवी की बातें भी लाहहदूद हैं उनको बयान किए जाओ कोई तंगी नहीं आएगी अब कलमातुल्लाह और इसरार के समंदर की बातों से खुशकी की तरफ यानी जाहिरी बातों की तरफ रजू और कुछ खेल कूद की बात करते हैं क्योंकि बच्चों के लिए यही मुफीद है जब वो लकड़ी की तलवार से खेलना सीख लेता है तो असल तलवार खूब जलाता है खेल कूद से अकलाश ना हो जाती है और वो हुनर सीख लेता है अगर बजहर अकल और खेल में कोई जोड़ नहीं है फिर भी खेल कूद से अकल आती है और अकल ही से खेल आता है पागल बच्चा कभी खेल नहीं सकता जिल शशुम शिकायत नंबर छप्पन कुब्बा और ख़जाने के किस्से की तरफ रुजू उस मुखलिस फकीर का ख्याल मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं उस किस्से को पूरा करूं चूंकि मैं उस फकीर का हमराज हूं उसके बुलाने की आवाज़ मुझे आ रही है उस फ़कीर को ख़जाना का तालिब न समझ बल्कि वो खुद खजाना है क्योंकि दोस्त बातिन के एतबार से दोस्त का गैर नहीं होता बल्कि मतलूब तालिब का आईना होता है और आईना की जानब सजदा करना अपने लिए ही सजदा करना है इंसान किसी चीज़ का तालिब किसी गर्ज के लिए होता है तो गोया वो तालिब खुद मतलूब है तालिब ने मतलूब के आईने में खुद ही को देखा तो तलब में इस कदर महव हो गया लेकिन अगर वो मतलूब में उस हकीकत को देख लेता जिस हकीकत के लिए हर मखलूक और मतलूब आईना है तो वो उस हकीकत के दरपय हो जाता और उसके जहन से हर मतलूब ख्याली जाहल हो जाता और उस हकीकत के आईना बन जाने से जब उसमें से अपना चेहरा नजर आता तो मंसूर की तरह इन्ना अनल्लाह का नारा लगाने लगता आदम सलाम फ़रिश्तों के मसजूद इसलिए थे कि वो मजहरे हकीकत थे तो बनी आदम के लिए ये इशारा है कि वो भी आदम सलाम की तरह मजहरे हकीकत हैं और उनको चाहिए कि अपने आप को हकीकत का मजहर समझें अल्लाह तरिश्तों की आंख का बैंगापन दूर कर दिया और उन्होंने आदम की मट्टी को इस तरह महबत अनवार देखा जिस तरह फलक महबत अनवार है मंसूर का इन्नी अनल्लाह कहना दरअसल ला ही था क्योंकि जब गैर अल्लाह मजहर इल्लल्लाह बन गया तो ऐन हकीकत हो गया तो गोया इन्नी अनल्लाह कहना बिल्कुल ला इल्लल्लाह कहना था यानि बाजार ये दो उनवान नजर आते हैं मजमून एक ही है अब इन का बयान इस दर्जा पर आ गया कि अल्लाह ताला हमारा कान खींच कर शरिय काम की तरफ ले जाए और हुक्म दे कि शरीयत के चश्मे से मुंह धो ले ताकि इन इसरार के बयान का मुँह में जो असर है वो ऐल हो जाए क्योंकि शरीयत इस तरह के कलमात की इजाज़त मगलूबुल हाल के सिवा किसी को नहीं देती है और ये वो इसरार है हैं जो शरीय ने आवाम से पोषिदा रखे हैं अगर इन इसरार को बयान भी किया जाएगा तो इसार वाजे नहीं होंगे और इस तरह के कलमात कहने वाला मुजरिम करार दिया जाएगा मैं जो कुछ बयान कर रहा हूँ वो भी प्रागंदा बातें हैं जिनसे असरार की हकीकत वाजे नहीं होती नेस उनका कहने वाला भी मैं हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ चूंकि और कोई समझने वाला नहीं है लिहाजा मैं अवाम से राज जाहिर करने वाला मुजरम भी नहीं हूं इसरार का बयान तो अब खत्म हुआ अब दो बातें और कहनी है जिनका ऊपर जिक्र हुआ है एक दरवेश का किस्सा दूसरे चश्माए रहमत यानी शरीयत का जिक्र अवाम को वही बातें पसंद हैं जिनका जिक्र गैर खुदा का जिक्र है और हमारे लिए तकलीफ दे हैं लेकिन चूंकि अवाम का मिजाज बन गया है लिहाजा मजबूरन हमें इस तरह के किस्से बयान करने पड़ रहे हैं चश्माए रहमत यानी शरीय की बातें इन आवाम ने अपने ऊपर आराम कर ली है और दूसरे किस्से जो दरअसल जहर हैं उनके आदि हो गए हैं ये लोग शरीयत के मसाइल को अपनी खराफात से दबाना चाहते हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं है मुखालिफों की मुखालफत से शरीयत तो ना मिटेगी हाँ वो जरूर महरूम रह जाएंगे ये दीन में ताविलत करने वाले आती तबीयत के हैं उनको शरीयत का साफ चश्मा पसंद नहीं आता और वो ताविलत की खाक चाटते हैं अम्बिया रह सलाम तो हक कहते थे खा अवाम को पसंद ना आए ये अवाम पर तकिया करते हैं और उनको खुश करने के लिए तावीलात करते हैं यही फलसफियाना तोजीहत उनकी आंख का पर्दा है उन्होंने हक से अपनी आंखें बंद कर ली हैं शरीयत के असरार की बजाय फलसफियाना तावीलात उनके पेश नज़र हैं जो के शरिया का बदतरीन बदल हैं इन अकली मोशकाफियां करने वालों में से कुछ लोग ऐसे हैं कि असल शरीत का तो इनकार नहीं करते लेकिन बाद जगह सेल्फ के खिलाफ ताविलत करते हैं उनको कदर खुदा के कर्म ने संभाल लिया है अल्लाह ने उन पर कर्म किया और उनके बाद अकायद सल्फ के खिलाफ होते हुए भी उनको मजूर करार दे दिया है और उनके अकायद फास्ता से ही अपनी मोहब्बत के चश्मे जारी कर दिए हैं अल्लाह तला एक जिद से दूसरी जिद पैदा फरमा देता है खार से गुंडा और शाम से मोहरा पैदा कर देता है जो उसके जहर का दर्याक है रात से दिन पैदा करता है मुफलिस के हाथ से मालदारी पैदा कर देता है हजरत इब्राहिम ने रेत से गेहूं का आटा पैदा फरमा दिया हजरत दाऊद का हम आवाज पहाड़ बन गया उन्होंने आवाम से घबरा कर गोशा तनाई पकड़ा तो उनकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी और इस तरह अल्लाह ने उनको जाहिर कर दिया जिल्द शशुम हायत नंबर सितावन इज्ज़ मजबूरी के बाद ख़ज़ाने के तलबगार का अल्लाह की तरफ़ रजू क्या ज़ाहिर करने वाले पशीदा को ज़ाहिर करते। जब ये फ़कीर ख़जाने की तलाश से थक गया तो उसने अल्लाह की तरफ रजू किया कि अल्लाह मैंने ख़जाने की तलाश में सिवाय तकलीफ के कुछ हासिल ना किया मेरी ये गलती थी कि तीर फेंकने की तफसीर पर यकीन ना होते हुए भी तेरी तरफ रुजू ना किया अल्लाह खुद ही अपने कलाम की सही तफसीर कर सकता है जो नर्द उसने जिस जगह बिठाई है वही उसको उठाकर बाजी जीत सकता है दूसरे की मजाल नहीं है कुरान पाक को आसान भी फरमाया है लेकिन उसके रमोज अल्लाह दिलों पर ज़ाहिर फरमाता है मैंने दुआ इस तरह ना की कि खजाने का मिलना भी बिलाकसब हो जाता और उसकी तलाश में मुझे मेहनत करनी पड़ गई ये मेरी दुआ का कसूर था इंसान दरअसल हेज दर हेज है जो कुछ है वो वजात हक का अक्सर है बल्कि एहन खुदा है इंसान की अक्ल और तदबीर का हाल तो यह है कि हर रात को गायब हो जाता है नींद की हालत में उसके सब हनर मअतल हो जाते हैं और वो मुर्दे की सूरत होता है सुबह तक वो मुर्दा रहते हैं अल्लाह खुद ही सवाल करता है और खुद ही जवाब देता है इंसानों में जवाब देने की सलाहियत नहीं रहती सुबह को जब सूरज निकलता है तो इंसान के होशो हवास वापिस आते हैं और वो फिर दुनिया के रंगोबू में मुनहे में खो जाता है जिस तरह हजरत जूनू सलाम ने फरमाया था ला अंता सुबहाना का हर इंसान अल्लाह की तस्वीर करता है इंसान को रात में सोने से बड़ी राहत हासिल होती है और सुबह ताज़ा दम होकर उठता है तो इसी ख़जाने से हवास को ये ताकत मिलती है कि बेदारी पर वो तेज हो जाते हैं और बदन हल्का हो जाता है जबकि वहशतनाक रात में अल्लाह की इस कदर नियमतें मुसमर हैं तो उसकी ज़ात के सहारे किसी वहशतनाक चीज से गुरेज नहीं करना चाहिए हर चीज हमारे ख्याल के मुताबिक नहीं होती हजरत मूसम ने नूर को नार ख्याल किया हमने रात को बुरा समझा जो सही नहीं है सबसे बड़ी नेमत वो सही आंख है जो हर चीज़ को असल हालत में दिखा दे हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम पर हर चीज़ की असल हालत जाहिर फरमा कि हमारी निगाह सही काम करे और हमारी निगाह से खसो खशाक दरिया को ना छुपा सकें फिर उनके जादूगरों को सही नजर हासिल हो गई थी वो अपने उन जिस्मानी हाथ पाओं को कुछ ना समझते थे उनके पांव कटने पर रक्स कर रहे थे सही नज़र वही है जो असबाब के पर्दे उठाकर मुसब्बुल असबाब को देख ले जो सही नजर नहीं रखते वो भी मायूस ना हो अल्लाह उनकी भी रहनुमाई फरमा देता है उसका दस्ते करम मुस्तक और गैर मुस्तहक सब को अ करता है जबकि हम मदूम थे उसने कर्म किया और वजूद व हवास अता फरमाए हालांकि हमें कोई इस्तक नहीं था अल्लाह की रहमत काफिरों पर भी है अल्लाह तूने हमें जिस्मानी वजूद अता फरमाया अब रूहानी हयात भी अता फरमा दे ये दुआ भी हम तेरे हुक्म और तोफ़ी से ही कर रहे हैं वरना हमारी हिम्मत कहाँ थी कि तुझसे दुआ मांगते जब तूने दुआ की तोफीक दी है तो ये हमारी नहीं बल्कि तेरी दुआ है तू इसे कबूल फरमा ले शब के वक्त अल्लाह हमारे हवास को दरियाए हैरत में गर्क कर देता है और फिर उनको पुर हुनर बनाकर वापस करता है आरिफैन को नूर से पुर करता है और दुनियादारों और फलसफियों को वहमो ख्याल से पुर कर देता है अगर और हुनर हमारे जाती होते तो फिर हमारे हुक्म ताबे होते रात को हमारी इजाज़त के बगैर हमसे जुदा ना होते हमें ये मालूम होता कि हमारी रूह कहां कहां की सैर कर रही है नींद की हालत इम्तिहान की है जिससे मालूम हो गया कि हमारे हवास और रू हमारे कब्जे में नहीं है जब हम अपने हवास और अकल से भी दही दस्त हैं तो फिर गुरूर और तकबुर का क्या काम अल्लाह अब तक जो दुआ में गलती हुई और बावजूद खजाने का पर्चा मिलने के खजाना ना मिला उन को काले दम करार दे, दे कि मैं अज्सर नौ दुआ करता हूं हमारा असल वजूद और उसके लवाजिम सब अलिफ और मीम के सिरे की तरह नुकते से खाली हैं हमारी गफलत का वक्त हो या होश का दोनों अल्फ और मीम की तरह हैं गफलत और होश के जुमला अवकात परेशान कुन हैं बेखुदी के वक्त बिल्कुल नाचीज होता हूँ और होश और अकलमंदी के वक़्त दुनिया के दंदों में पेच दरपेच होता हूँ जबकि मेरे पास कुछ नहीं है तू मेरा कारसाज बन जा इंसान अपने कुछ होने के वहम में सैकड़ों मुसीबतों में बनसता है यही दीनी और दुनियावी तरक्की में माने बनता है जबकि यकीन मेरे पास कुछ नहीं है तू मेरे साथ शाहों जैसा सलूक कर और मेरी रखवाली कर मैं दुआ के अदाव से भी महरूम हूँ दुआ के लिए आंसुओं की जरूरत है मैं उनसे महरूम हूँ इसकी वजह यह है कि मेरे पास हकीकत भी नजर ही नहीं है मेरी आंख में आंसू पैदा फरमा कर मेरे अमाल को सरसब्ज कर दे इस दुनिया में जो आखिरत का खेत है उसे हरा भरा करते अगर मेरी आंख में आंसू ना रहे तो आंसू भी इनायत कर जिस तरह तूनेजूर सल्लाह वसलम की आंखों को अता कर दिए थे हजूर सल्लाह वाल वसलम की हदीस है के अल्लाह मुझे दो जारी रहने वाली आंखें इनायत फरमा आजूर सल्ला वसलम बावजूद तमाम बुजुर्गियों और फजाइल के रोने वाली आंखों के तालब बने तो फिर हम जैसों के लिए तो वो बहुत ही जरूरी है और हमारी निजात के लिए तो सैकड़ों जीहू दरियाओं की बकदर आंसू दरकार हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख का एक आंसू 200 सौ दरियाओं के बराबर आंसुओं से अफसल है इसलिए उस कतराए आंसू के साथ जब उन्होंने दुआ की तो जिन्हों इस कयामत में हिसाब किताब के इंतजार से निजात पा गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिलसिले में शफात मंसूर हो गई ऐसी सूरत में तू हमें 200 दरियाओं के बराबर नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा आंसू दरकार हैं चूंकि हजूर सल्ला वसलम तो खुद जन्नत के बागीचा की तरह है जब वो आंसुओं की बारिश के तालिब बने तो हम जो के बदतरीन शोर ज़मीन है हमें आंसुओं की बारिश की ज़रूरत क्यों ना होगी ऐ भाई जब तुझे दुआ की वजीलतें मालूम हो गई तो अब दुआ करता रह और तुझे इससे कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि वो मकबूल होती है या मरदूत दुआ में अगर गिरिया नहीं है तो उस चीज में जो रुकावट बनी है उसे दूर कर और वो चीज दुनिया की लज्जते हैं अपने आप को दुआ और गिरिया में चुस्त कर ले और इन आंसुओं के जरिए आखिरत का तोशा तैयार कर ले वो फकीर इस दुआ में मसरूफ था कि उसको गैब से इल्हम हुआ जिससे उसकी मुश्किल हल हो गई हातिफ ने कहा कि हमने तुझे ये तो तु नहीं कहा था कि तीर कमान में रख कर चिल्ला खींच कर जोर से फेंक बल्कि सिर्फ इतना कहा था कि कमान में रख कर गिरा दे जिस तरह तीर चलाने वाले कमान ऊंची करके तीर चलाते हैं तूने भी उसी तरह कारीगरी शुरू कर दी चिल्ला खेंच कर तीर न चला कमान में तीर रख कर गिरा दे जहां वो गिरे वहां खोद ताकत और जोर के इस्तेमाल से बच और इजत से सोने का तलबगार बन हक और मकसद तो करीब जगह में है तो खाम खा दूर खोदता रहा और खजाना तलाश करता रहा अल्लाह ताली जो हक है इंसान की शारक से भी करीब है उसके बारे में अपनी फिक्र को दूर ना दौड़ा इंसान का मकसूद है हकी उसके बिल्कुल करीब है और वह उसको इधर उधर तलाश करता फिरता है जो अपने मकसद को दूर समझ रहा है वह खुद मकसूद से बहुत दूर है और अपनी कुत बाजू उस तीर फेंकने वाले की तरह आजमा रहा है इस तरह मकसूद हासिल ना होगा जो इस मामले में तीर यानी अकल चलाता है वो ज्यादा दूर हो जाता है अल्लाह तला की तलाश में अकल वालों का भी यही हाल है उनसे कह दो कि मकसूद की तरफ उनकी पुश्त है और वो जिस कदर दौड़ेगा मकसद से दूर होता जाएगा क्योंकि मकसूद की तरफ उसकी पुश्त है कुरान में सही तलब वालों के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि चाहे दो फीना यानी हमारी तरफ आने की कोशिश करने वाले ये नहीं फरमाया कि हमारी तरफ से जाने में कोशिश करने वाले ऐसी ही बुरी कोशिश की मिसाल हजरत नूल सलाम का बेटा किन्यान है जिसने हजरत नूल सलाम की कश्ती में बैठने में जिल्लत महसूस की और तूफान से बचाओ के लिए पहाड़ की चोटी की तरफ भागा वो जिस कदर कोशिश कर रहा था बचाओ की जगह यानी नबी की कश्ती से दूर होता जा रहा था किन्यान उस फकीर की तरह था जो हर रोज एक सख्त कमान तलाश करता और उससे तीर फेंकता और खजाना से ज्यादा दूर होता जाता मकसद से दूर होने की वजह इस मिसाल से समझ आ जाएगी जो जान के अंदर रखने के काबिल है कि कोई शागिर्द उस्ताद से जिल्लत करने लगे और अपनी दुकान खुद खोल बैठे जाहिर है ऐसा शागिर्द मकसद से दूर हो जाएगा ऐसे शागिद की दुकान हुनर से खाली होगी और नुकसान रिसा होगी इससे मालूम हुआ कि मकसद तक पहुंचने का रास्ता अहले हक का इतबा है ऐसे शागिर्द को चाहिए कि फौरन अपनी दुकान को वीरान कर दे और की शागिर्दी इख्तियार करके फले फूले किन्यान की तरह न बने कि उसने सीधा रास्ता छोड़कर गलत गलतरा इख्तियार कर ली उस फकीर को उसके तीर अंदाजी के इल्म ने ही खजाना से दूर रखा हुआ था वरना ख़जाना तो उसके बिल्कुल करीब था मजमूम जहानत तबाहकुन होती है और मतलूब से दूर कर देती है हजूर सल्ला की एक हदीस है अलमोमिनुिर्रा करीम मोमिन बाला शरीफ होता है मजमूम जहानत से अपने आप को बचा ले फिर तुझ पर रहमत नाजिल होगी जहानत को छोड़ और भोला इख्तियार कर मजमूम जहन दुनिया में उलझ कर रह जाते हैं और वाले अल्लाह तक रिसाई हासिल कर लेते हैं जिस तरह मासूम बच्चे के लिए माँ उसके हाथ पाँव का काम करती है इसी तरह भोले मोमिन की अल्लाह खुद दस्तगिरी फरमाता है जल्द शशुम हकायत नंबर अठावन तीन मुसाफिरों नसरानी यहूदी और मुसलमान का किस्सा एक सफर में यहूदी नसरानी और मुसलमान हम सफर बने रास्ते में उनको हलवा मिला तो दोनों ने चलाकी से मुसलमान को हलवे से महरूम करना चाहा उनकी चलाकी अल्लाह को पसंद न आई और कुदरत ने ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि हलवा मुसलमान को मिला भोले मुसलमान पर रहमत नाजिल हुई इस किस्से का मतलब यह है कि ज़्यादा चलाकी करने से बचो ताकि कहीं आजमाइश में गिरफ्तार ना हो जाओ उन तीनों का हम सफर बनना कुछ इस तरह का था जैसे पिंजरे में बेजोड़ परिंदे रखे हुए हों या कैद खाना में मुख्तलफ अकसाम के आदमी यकजा हो जाते हैं यही मिसाल इस दुनिया में आम इंसानों की है रास्ता खुलने पर पड़ाव के मुसाफिर अपनी अपनी राह इख्तियार कर लेते हैं या पिंजरा खुलने से परिंदे अपने हम जिनसों की तरफ उड़ जाते हैं ऐसे परिंदे वतन के शौक में पर फैलाए हुए हैं लेकिन उड़ने का रास्ता नहीं है इंसान जो कि राह के तालिब है आंसू और आहों के पर खोले राह की तलाश में होते हैं और अल्लाह की याद में पर खोलते हैं जिस तरफ से आंसू और सोजिश आई जब मौका मिला उसी तरफ चलना शुरू कर देते हैं कुछ अपने जिसम के अज्जा पर गौर कर कहां कहां से आकर तुम्हारे जिसम का जुज्व बने हैं ये अज्जा अपने मरकज की तरफ मुंतकिल होने के मुंतजर रहते हैं ऐसा उसी वक़्त तक है जब तक हजरत हक के सामने पेश नहीं होते जब जलाल खुदाबंदी की गर्मी पड़े तो सब चीजें न हाजिर हो जाएंगी जब ये तीनों मुसाफिर पड़ाव पर पहुंचे तो एक मेहमान नवाज उनके लिए हलवा लाया वो इसलिए कि वो कुरान पाक के इस फरमान से वाकिफ था जब आप अलैहि वसल्लम से मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह दो कि मैं तो उनके नज़दीक हूं वो मेज़बान मुसलमान था और महज़ अल्लाह की खुशनूदी की खातिर मुसाफिरों के लिए हलवा लाया यहूदी और ईसाई पेट से थे इसलिए कहने लगे कि हाँ इसको रख दें सुबह खाएंगे मुसलमान दिन के वक्त रोजे से था उसे भूख लगी हुई थी उसने कहा मैं भूखा हूं इसे तकसीम कर लें क्योंकि मैं सारा नहीं खाना चाहता नफसानी गर्ज के बगैर की गई तकसीम अच्छी होती है इंसान भी अल्लाह की मिलक है अगर वह अपने आप को और अपने अफाल को तकसीम कर ले कुछ अल्लाह के लिए और कुछ लोगों के लिए तो गोया वो मुशरक है उन दोनों ने उसकी बात ना मानी उनका मकसद था कि मोमन रात को भी भूखा रहे मजबूरन उसे मानना पड़ा सुबह उठकर सब ने अपने अपने मसलिक के मुताबिक अल्लाह को याद किया और एक दूसरे की तरफ रुख करके बैठ गए एक बोला हर शख्स अपना अपना ख्वाब बयान करे जिसका ख्वाब सब सबसे अच्छा होगा वही सारा हलवा खाएगा जिसका ख्वाब बेहतर होगा उसकी अक्ल भी बेहतर होगी यकीन उसकी रूह पुरवार होगी और ऐसे बुजुर्ग की खिदमत और अपना हिस्सा उसे खिला देना बरकत का सबब होगा सबसे पहले यहूदी ने अपना ख्वाब सुनाया उसने कहा कि मैं जा रहा था कि रास्ते में मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए मैं उनके साथ कोहतूर पर पहुंचा तो इस कदर नूर देखा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कोहेतूर उसमें छुप गए उस नूर की तजल्ली से कोहेतूर के तीन टुकड़े हो गए एक टुकड़ा समंदर में गिरा तो उसका जहर जैसा पानी शीरी हो गया दूसरा टुकड़ा जमीन पर दंस गया तो उसमें से एक चश्मा पैदा हो गया जो बीमारों के लिए सेहत का बायस था तीसरा टुकड़ा उड़कर खाना काबा के पास पहुंचकर अरफात पहाड़ बन गया अब कोहतूर में दूसरा तगैयर शुरू हुआ कि हज़रत मऊसीम के कदमों में आसमान से गिरने वाले यक की तरह नरम हो गया उसके बाद मेरे हवास दुरुस्त हुए तो हज़रत मूसी कोहतूर को असल हालत में देखा अब ये अजीब चीज देखी कि, कि कोहतूर का दामन अजीब चीज से पुर है हर शख्स के हाथ में हजरत सलाम का सा असा और उसके बदन पर उन जैसा खरका है वो सब खरामा खरामा कोहतूर की तरफ जा रहे हैं हजरत सलाम ने कोहतूर पर दुआ की थी ए खुदा मुझे दिखा दे तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा अब मैं ये समझा कि जियम्बिया का मजमा है और सलाम सब अपनी दावत में मुतहद हैं फिर मुझे फरिश्तों की एक ऐसी जमात नजर आई जैसे वो बर्फ के बने हुए हों फरिश्तों की एक दूसरी जमात भी थी जो आतशी मालूम होती थी उस खा पर तजुब ना करो हो सकता है उस यहूदी का अंजाम बेहतर हालत में हुआ हो और उसने मरते वक्त शिरक से तौबा कर ली हो किसी काफिर के बारे में भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता हो सकता है उसको आखिर वक्त में आ गई हो यहूदी के बाद ईसाई ने अपना ख्वाब सुनाना शुरू किया ईसाई ने यह कह कहकर के सब जानते हैं कि आसमान की चीजें जमीन की चीजों से अफजलो आला हैं मैं हजरती है सलाम के साथ चौथे आसमान पर था इसलिए मैं हलवा खाने का ज्यादा मुस्तक हूं जल्द हिकायत नंबर उनसठ ऊंट बैल और दुम्बा का किस्सा जिन्होंने घास का मुट्ठा पाया और हर एक ने खाना चाह और कहना कि जो हम में सबसे बूढ़ा है वो खा ले रास्ते पर चलते हुए ऊंट बैल और दुम्बे ने घास का एक मुठ्ठा पाया दुम्बा बोला अगर हम इसको बांटेंगे तो किसी ही का पेट भी नहीं भरेगा इसलिए जो सबसे ज्यादा उम्र वाला है वो इसे खा ले क्योंकि हदीस भी है कि बड़ों को मुकदम रखो कमीनों के इस दौर में बड़ों को दो मौक़ों पर आगे करते हैं या तो जब खाना बहुत ज्यादा गर्म हो कि मुंह जल जाने का अंदेशा हो और या जब किसी खतरनाक पुल पर से गुजरना हो अगर कोई किसी बड़े की खिदमत करता है तो उसकी तह में उसकी कोई फासद गर्स होती है इन कमीनों की बुजुर्गों के साथ भलाई का तो ये हाल है अब बुराई का अंदाज़ा खुद कर लो जिल्द शशुम नंबर साठ खुद परस्तों की भलाई के परते में बुराई करने की हिकायत एक बादशाह जामिया मस्जिद को जा रहा था आगे आगे एक नकीब लोगों को हटाता और मारता जा रहा था एक शख्स को दस बैत लगे और खून बहने लगा उसने बादशाह की तरफ रुख किया वो एक साहिब दिल शख्स था उसने बादशाह से कहा कि ज़ाहरी जुल्म तू देख ले कि बदन से खून टपक रहा है और दिल को जो मख् सदमा पहुंचा है उसका तो बयान ही नहीं हो सकता तू नमाज पढ़ने जा रहा है अगर तेरी खैर में इस कदर शर है तो शर का तो अंदाजा ही नहीं हो सकता एक बुजुर्ग किसी कमीने का सलाम भी नहीं लेते ताकि नतीजे में वो ज्यादा न लिपटे बुजुर्गों को बेड़िए से वो नुकसान नहीं पहुँचता जो बदनफ्स मुरीदों से पहुंचता है बेड़िए में वो मकर फरेब नहीं होता जो इंसान में होता है मालदार का मकर देखो के वो करीब साहिल की आवाज पर मक्कारी से बहरा और अंधा बन जाता है दुम्बे ने कहा हर एक अपनी अपनी उम्र बताए ताकि मालूम हो जाए कि हम में बड़ा कौन है मैं उस दुम्बे के साथ फिरता रहा हूं जो हजरत इस्माइल इसमाइल की बजाय कुर्बान हुआ था बैल ने कहा मैं उस जोड़ी का बैल हूं जिससे हजरत आदम सलाम ने खेती की थी लिहाजा मेरी उम्र दुमबे से ज्यादा है ऊंट ने जब दुम्बे और बैल की ये बातें सुनी तो नीचे को मुंह करके घास को मुंह में लेकर सर बुलंद कर दिया वो बोला मुझे अपनी तारीख पैदाइश बताने की जरूरत नहीं है मेरा जिस्म और मेरी गर्दन खुद बता रही है कि मैं तुम दोनों से कम उम्र का नहीं हूं हर अकलमंद जानता है कि मेरा जिस्म तो दोनों से बड़ा है सब जानते हैं कि आसमान अपनी बुलंदी की वजह से पस्त जमीन से बड़ा है आसमान में जमीन से ज्यादा अजायब है लिहाजा मेरा ख्वाब यकीन यहूदी के ख्वाब से बड़ा हुआ है अब मुसलमान ने कहा मेरे दोस्तों मेरे शाह मुस्तफ़ा वसल्लम मेरे सामने आए मुझे हुजूर अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में फरमाया कि तेरे साथी बहुत उरूज हासिल कर चुके हैं और तू टोटे में रहा इसलिए तू इस टोटे को हलवा खाकर पूरा कर ले तुम लोगों ने आसमानों पर फरिश्तों से मुलाकात का जिक्र किया मैंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रोटी और हलवा खा लिया है तुम खुद बताओ अगर तुम्हें हजरत मूसम और हजरत ईसा कोई हुक्म दें तो तुम लोग सरकशी कर सकते हो हरगिज़ नहीं तो मैं मुसलमान होकर हजूर सल्ला वसल्लम का हुक्म कैसे नहीं मानता तब दोनों ने जवाब दिया कि तेरा यही ख्वाब सच्चा है और हमारे सैकड़ों ख्वाबों से बेहतर है याद रखो इंसान को कभी अपनी बढ़ाई बहादुरी या हुनर का मुद्दई नहीं होना चाहिए इंसान के काम आने वाली चीजें खिदमत इबादत और इतात हैं जो कि इंसान को अच्छे इखलाक का हामिल बनाने वाले जराए हैं अल्लाह ने हमें इबादत ही के लिए पैदा फरमाया है सामरी ने हुनरमंदी दिखाई और मरदूत बन गया रुपया पैदा करने के फन करून को जमीन में दंसा दिया अबू चेहल ने अपना हुनर नबी अलैहि वसल्लम के मुकाबले में इस्तेमाल करने की कोशिश की और तबाह हुआनर हम अलूम यकीनिया को कहेंगे ना के अकलिया को। आरिफ लोग अकली दलील को इस दलील से भी गंदा समझते हैं जो दलील तबीब कार के जरिए मरीज का मर्ज मालूम करने के लिए इस्तेमाल करता है अगर तेरे पास अकली दलाइल के अलावा कुछ नहीं है तो पेशाब और गंदगी को देखता फिर अकली दलायल अंधे की लाठी है जो उसके अंधे बन गई दलील है अकली दलायल और उसके मुदये राह हक में दलील और हकीर है दलाइल अकलिया की शानो शौकत तो बहुत है लेकिन मुद्दई बिल्कुल हकीर है इसकी मिसाल यह है कि कोई अंदा अपने अंधेपन के सबूत के लिए गुल गपाड़ा करे जिल्द शशुम शिकायत नंबर इकसठ तिरमस के बादशाह का मनादी कराना कि कौन तीन दिन में जरूरी काम से समरकंद जाए और इनाम पाए इस किस् का यही खुलासा है कि मस्खरे ने मामूली बात के लिए बड़ा अहतमाम किया तिरमस के बादशाह को यह अशद जरूरत आन पड़ी कि समरकंद जाकर कोई वहां के हालात मलूम करके आए और तीन दिन में ये काम कर दे इस मकसद के लिए उसने मनादी कराई तो एक मस्खरा एक गांव से बड़ी जल्दी और तकोदो में बदहाल होकर भागता हुआ बादशाह के दरबार में सिर्फ ये कहने के लिए आया कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस मुहिम को सर कर सकूं इस बागदौड़ में उसने दो घोड़े हलाक किए रास्ते की गर्द भी साफ ना की और सीधा बादशाह की अदालत में पहुंच गया उसके इस कदर जल्दी में और इस हैयत में देखकर दरबारियों में चहमगोया होने लगी और बादशाह भी कुछ घबराया उन सब को यह ख्याल था कि जे कोई जबरदस्त खबर लाया है उन अफवाहों से दरबार में मचमा लग गया हर शख्स फितना फसाद के ख्याल से फिक्र में मुब्तिला था बादशाह ने उसे फौरन दरबार में बारियाबी की इजाजत दे दी और दरियाफ्त किया कि क्या अहवाल हैं बादशाह या कोई वजीर जब बोलने लगते तो वह अपने होंठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करता उसकी इस हरकत से सबकी परेशानी और बढ़ गई उसने इशारे से कहा मुझे जरा सांस लेने दे ताकि हवास दुरुस्त कर लूँ तो बोलूँ सब ने थोड़ी देर इंतजार किया सब परेशान थे लेकिन मस्करा चूंके तबा शख्स था उसकी कभी परेशानी की हालत नहीं हुई थी किससे बयान करके और मजाक से बादशाह और दूसरे सब लोगों को इतना हंसाता कि वो अपने पेट पकड़ लेते अब बादशाह को तरह तरह के ख्याल आ रहे थे और सोच रहा था कि नामूम कौन सी मुसीबत नाजिल होने वाली है क्योंकि बादशाह को समरकंद के बादशाह ख्वारिजम शाह से बहुत डर लगता था कहीं हमले की खबर ना हो बादशाह ने उससे कहा कि जल्दी बात कर तो उसने जवाब में कहा कि मैंने दूर दराज गांव में आपकी मना दी सुनी है कि जो शख्स तीन दिन में समरकंद के हालात मालूम करके खबर करेगा उसे कसीर इनाम दिया जाएगा मैं दौड़ता हुआ इसलिए आया हूं कि आपको बता दूं कि मैं ये मुहिम सर नहीं कर सकता मुझ में इतनी चुस्ती नहीं है कि ये काम कर सकूँ आप मुझसे ये उम्मीद ना रखें जब पहाड़ खोदा और चूहा बरामद हुआ तो बादशाह ने कहा कि तेरी इस जल्दबाजी पर लानत हो तूने सारे शहर को परेशान कर डाला मौलाना रूम रहमतल्ल अलह फरमाते हैं कि झूठे शेख की यही हालत होती है जो उस मशरे की थी वो मामूली बातों के लिए इस कदर तुम तराक दिखाते हैं ये अपनी बढ़ाई के डोल पिटवाते हैं कि हम फक्र फना के इमाम हैं और शेह की भिखार कर अपने आप को बाजीद रहमतल्ला साबित करते हैं ऐसे जूटे पीरों का हाल यह है कि इस तरफ से पैगाम के ढेर हैं लेकिन वहां से एक भी जवाब नहीं अगर कोई पूछे कि कोई पैगाम आया तो कहते हैं उन्हें सब कुछ मालूम है दिल से दिलकुराह होती है ये लोग मकबूल बारिगा होने का दावा करते हैं लेकिन मकबूलियत के कुछ भी आसार इनमें नजर नहीं आते अगर ताल्लुक माल्ला के दावे में कुछ सदाकत है तो फिर उधर से जवाब से क्यों महरूम है खुदा से ताल्लुक़ के बहुत से बात नहीं आसार हैं जिनको बयान करना मुनासिब नहीं है उस मस्कर ने खाम खा अपने आप पर बला नाजिल की बादशाह ने उसे जेल भजवा देना चाह वजीर ने कहा कि उसे यहाँ कोई और काम था जिसकी वजह से ये बागा आया है अब काम से उसकी राय बदल गई है उसका असल मकसद ये खबर देना नहीं था ये असल मकसद को छुपा रहा है पिस्ता और अखरोट में से असल हकीकत तब जाहिर होती है जब उसे शिकंजा में दबाया जाए इसकी बातों पर न जाए इसकी ज़ाहरी इलामतों पर निकाह रखें अल्लाह ने भी नेकी और बदी के ज़ाहरी निशान की जानब इशारा फरमाया है उसने जब वजीर की यह गुफ्तु सुनी तो बोला ऐ वजीर तू मेरे खून के दर पे ना हो मेरे ऊपर तेरी यह बदगुमानी है जो गुनाह है शाह तो मुखालफों पर भी जुल्म नहीं करता तो दोस्तों पर कैसे करेगा जुल्म खुद बुरी चीज है लेकिन फकीर पर तो और भी बुरा है बादशाह वजीर की गुफ्तगु से मशरे के मकर को समझ गया उसने उसे जेल भेजने का हुक्म दिया डोल जब पिटता है तो दूसरों को खबर पहुंचाता है डोल में दोनों बातें हैं एक तो ये कि इसमें सिर्फ हवा भरी है और दूसरे इसमें कोई दूसरा जिसम भी नहीं है यानी वो खाली भी है और बरा हुआ भी है जब ये डोल पिटेगा तो सच्ची बात कह देगा जिससे हमारा दिल मुतम हो जाएगा सच बात से हमेशा दिल मुतमिन हो जाते हैं झूठी बातें दिल को मुतमयन नहीं करती झूठ दिल में इस तरह खटकता है जैसे एक दिन का मुंह में दिन का जब तक मुंह में रहेगा जुबान उसे इधर उधर घुमाती रहेगी अगर तिनका आंख में गिर जाए तो आंख में पानी भर आता है और आंख खुलती और बंद होती रहती है हम भी इसे मारेंगे ताकि ये तिनका मुंह और आंख से दूर हो जाए मस्खरा बोला ऐशा, सजा के हुक्म में जल्दी ना करें आपके हिल्म और मगफिरत के ये बात मुनाफी है आपकी जल्दी की कोई वजह भी नहीं है मैं आपके कब्जे में हूं जो शख्स खुदा के लिए सजा देता है उसे जल्दबाजी मुनासिब नहीं जो सजा खुदा के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ात की वजह से देता है वो जल्दबाजी करता है ताकि रजामंदी रुकावट ना बन जाए उसे डर होता है कि अगर रजामंदी आ जाएगी तो सजा का मजा जाता रहेगा जिसकी भूख जूटी होती है वो जल्द खाना खाने की कोशिश करता है कि कहीं भूख न जाती रहे अगर सच्ची भूख हो तो खाने में तखीर बेहतर होती है ताकि भूख और तेज हो और खाना बगैर किसी नागवारी के हजम हो जाए आप मुझे इसलिए मारना चाहते हैं कि आपके जहन में यह है कि मुझे कोई खौफनाक बात मालूम है और वो मैं नहीं बता रहा हूं अगर बता दूंगा तो आप तदबीर कर लेंगे और मुसीबत के आने के रास्ते को बंद कर देंगे लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मुसीबत के आने का कोई एक रास्ता नहीं है अगर आप एक रास्ता बंद कर देंगे और ये मुसीबत मुकद्दर में है तो दूसरे रास्ते से आ जाएगी मुसीबत टालने की यह तरकीब नहीं है कि मुझे मार दिया जाए बल्कि असल तरकीब यह है कि लोगों के साथ उफ व करम और एहसान के साथ मामला किया जाए बाज़ूर सल्ला वसलम ने फरमाया है कि सदका मुसीबत को दफा करता है तो असल मर्ज का इलाज सदका है सदका की ये कोई सूरत नहीं कि आप मुझे दरवेश को पिटवाएं और अपनी बुरदबारी की आंख को बंद कर लें बादशाह ने कहा कि भलाई अच्छी चीज है लेकिन जब मौका हो बेमौका भलाई तो तबाही है शरा ने जजा और सजा का हुक्म दिया है और दोनों चीजें अपनी अपनी जगह ठीक हैं शाह के लिए सदर मजलिस और घोड़े के लिए दरवाज़ा बेहतर जगह है अदल किसी चीज को उसके असल मुकाम पर रखने का नाम है किसी चीज को बेमौका रखना जुल्म है पानी दरख्तों को देना अदल है कांटे को पानी देना जुल्म है अगर हर जगह जजा जरूरी और मुनासिब हो तो फिर सजा का पैदा करना इबस है कोई चीज़ भी ना मुतलकन खैर है और ना मुतलकन शर खैर को अगर बे मौका इस्तेमाल किया जाएगा तो शर बन जाएगा और शर को बा मौका इस्तेमाल किया जाए तो खैर है नफा और नुकसान का मुकाम जुदा करना है इल्म की जरूरत और फायदा यही है कि इससे इंसान को सही जगह मालूम हो जाती है किसी फकीर को तमांचा मार देने में बात वो अजर हासिल होता है जो उसे रोटी और हलवा खिलाने से भी नहीं मिलता हलवा तो उसमें गर्मी और सफरे का इजाफा कर देगा और तमांचा बात बातनी खबासत को दूर करेगा अगर कोई मस्किन ऐसी हरकत कर रहा हो कि उसकी गर्दन मारे जाने का अंदेशा हो तो उसे तमाचा मारकर रोक देना चाहिए तू अगर किसी बद आदत मस्किन को तमाचा मारता है तो मस्किन को नहीं मारता बल्कि उस बद आदत को मारता है कंबल पर अगर गर्द चढ़ी हो तो लकड़ी से गर्द को मारता है कंबल को नहीं मारता बादशाहों की जहां महफिल निशात भी होती है और चेल खाना भी महफिल मुखलिस दोस्तों के लिए और चेल खाना ना किसों के लिए जो फोड़ा निश्तर चाहता है तू अगर उस पर मरहम रखेगा तो फोड़े के पीप और मैल को जमा देगा इससे तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा मशकरा बोला मेरा ये मतलब नहीं है कि मुझे छोड़ दिया जाए बल्कि मकसद यह है कि पूरी तहकीक करके अमल कीजिए सब्र और बुरद्वारी का दरवाजा बंद न कीजिए चंद दिन इस मामले पर गौर करके किसी नतीजे पर पहुंचिए तहमुल के नतीजे में इंसान को मामले का यकीन हासिल हो जाता है फिर अगर सजा भी देनी है तो जुर्म के यकीन पर दे लें जब सीधे खड़ा होकर चलना मुमकिन हो तो फिर औंधे मुंह लेट करना चलना चाहिए सजा के लिए भी दुरुस्त तरीका यही है कि जुर्म का यकीन कर लिया जाए फिर किसी राय पर पहुंचने के लिए नेकों से मशवरा भी कर लेना चाहिए आजूर सल्ला वसलम को हुक्म था कि वो मशवरा कर लिया करें साहबा अनहुम के लिए फरमाया गया कि उनका हर काम मशवरा से होता था हो सकता है कि मशीरों में से कोई ऐसा भी हो जिसे आसमान से फैज़ होता हो अल्लाह ने मुसलमानों को जमीन में चलने फिरने का हुक्म दिया कि रोजी तलाश करें लेकिन इसी तरह चलने फिरने में कोई साहिब बातिन भी मिल जाता है जो नुरानी अकल रखता है मुख्तलिफ मजलिसों में जाकर ऐसे साहब अकल को तलाश कर जिसे हजूर सल्लास की मेरास पहुंची हो हदीस है अंबिया के वारिस हैं जिसे हजूर सल्लाह का इम विरसा में मिला होगा उसका इल्म सिर्फ ज़ाहिर को मुहित ना होगा बल्कि बातिन और गायब को भी मुहित होगा रहबानियत और खलवत को इसी वजह से पसंद नहीं किया गया कि इंसान हमेशा के लिए किसी साहब नजर से महरूम हो जाता है नेक लोगों में कोई ऐसा भी मकबूल बारगा होता है जिसकी सनत पर शाह की जानब से सही लिखा जाता है ये इलामत इस बात की वजाहत करती है कि इस फरमान में जो हुक्म है वो बिल्कुल सही और दुरुस्त है और अल्लाह ने उस दुआ को कबूल फरमा लिया है और इंदल्लाह मकबूल और बख्शा बख्शाया है ये बुजुर्ग इस कदर अल्लाह का मकबूल होता है कि उससे इख्तलाफ की गुंजाइश ही नहीं होती और उसके मुखालिफ की हर दलील अल्लाह के नज़दीक लच्चर और कमजोर होती है अल्लाह फरमा देता है कि जब हमने उसे मकबूल बना लिया है तो उससे किसी को इख्तलाफ करने का कोई मौका नहीं है उसकी बात ना मानना ऐसा ही है कि किबला आंखों के सामने हो और इंसान अटकल से किबला मुत्यन करे ऐसे साहिब अकल को अपना किबला बना ले और समझ ले कि अगर तूने उससे गफलत की तो बातिल किबला का गुलाम बन जाएगा इस किबला की कदर नहीं करेगा तो वो नज़र भी तुझसे छिन जाएगी जिससे तू किबला पहचानता अगर तू नेकी और उसके रिस्क का तालिब है तो ऐसे हमदर्दों से थोड़ी देर के लिए भी कताय नजर ना कर क्योंकि अच्छे साथी को छोड़ने का नतीजा ये होता है कि कोई बुरा साथी मिलता है जिल्द शशुम हिकायत नंबर बासठ चूहे और मैेंडिक की दोस्ती के हक का किस्सा एक चूहा और मैंडिक आपस में दोस्त बन गए दोनों सुबह के वक़्त मिलते और दिलचस्पी की बातें करते दिल से गुफ्तु का जोश उठना दोस्ती की अलामत है और अगर उल्फत ना हो तो जुबान बात करने से रुकती है जब आशिक महबूब को दिल की निगाह से देख लेता है तो उसका इनके खत्म हो जाता है और दिल भरकर बातें करता है बुलबुल बुल फूल को देखकर खूब चहकती है आशिक एक बुनी हुई मछली होता है और मशूक आब हयात जहां हजरत मऊसी और खिजर सलाम की मुलाकात हुई वहां आब हयात का चश्मा था कि हजरत मऊसी की बुनी हुई मछली उससे जिंदा हो गई मुरीद जब शेख के सामने बैठता है तो शेख के कलब के असरार उस पर मुनके सोते हैं शेख राह सलूक का हादी है जिसको देखकर मकसद तक पहुंच सकते हैं हज़ुर सल्लाम ने असहाब को सितारे करार दिया जिनसे रहनुमाई मिलती है इसलिए मुरीद के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी नज़र शेख पर जमाए रखे बहस और गुफ्तगु तो महस गुबार का उड़ाना है शेख के दीदार की कोशिश कर बहसो मुबासा में अक्सर जुबान लग्ज खा जाती है शेख की ज्यारत ज्यादा नफ़ा देने वाली चीज है ताकि वो ज़ात जिसका बराह रास्त वही शार है जैसे अम्बियालाम या वो जिनका वही से बिलवासा ताल्लुक़ है जैसे औलिया अलहिम से खुद बात करे उससे शिकुक को शुभ की गर्द बैठ जाती है और गुबार उस सितारे को नहीं छुपाता है हज़रत आदम सलाम वही के मज़हर बने तो उनको खुद बहुत तमाम चीज़ों के नाम याद हो गए वो लोहे दिल से पढ़कर हर चीज़ का नाम उसकी खासियत और माहियत बता देते थे वह बुजदिल को शेर नहीं कहते थे असल बात जानते थे हजरत नूसलाम नौ सौ साल वाज फरमाते रहे और हर रोज नया वाज होता उनका वाज उस खुदाई शराब से हासिल होता था जिसको पीने से गंगा भी फसीह बन जाता है हजरत मसीह बचपन ही में बोले मैं खुदा का बंदा हूँ उसने मुझे किताब दी है हजरत सलाम ने जब वो शराब पी तो शीरें कलाम करने लगे परिंदे भी उनसे मस्त होकर नगमे में शरीक हो जाते परिंदे तो जानदार हैं लोहा तक उनसे मुतासर होता हजरत सलाम ने वो शराब पी तो हवा उनकी खिदमतकार बन गई हालांकि उस हवा ने कौमियात को तबाह कर दिया था वो हजरत सलाम का तख्त सर पर लादे फिरती थी चूहे और मेंढिक ने एक तजवीज की कि जब चूहा दरिया के किनारे पहुंचे तो मेंढिक को पानी में उसकी खबर हो जाए और अगर मेंढिक चूहे के सुराख पर पहुंचे तो उसको खबर हो जाए चूहे ने मैंडिक से कहा बाजूकत जी चाहता है कि तुम्हारे साथ कोई रास की बात करूं लेकिन तू दरिया में होता है और मैं किनारे पर खड़ा तुझे आवाजें देता रहता हूँ नमाज में अल्लाह से पांच वक्त बातें की जाती हैं ये मुक्रा वक़्त तो अवाम के लिए है लेकिन ने खुदा तो हर वक़्त नमाज यानी खुदा से गुफ्तु में लगे रहते हैं सिर्फ पांच वक्त की मुलाकात से उनका जी नहीं भरता इसलिए उनके दिलों में तो लाखों रास है जो वो अल्लाह से कहना चाहते हैं आशकों की जान बहुत प्यासी है उसको शहरी के लिए हर वक्त की मुलाकात दरकार है मछली से ये नहीं कहा जा सकता कि तू एक दिन छोड़कर दरिया से मिल लिया कर वो तो थोड़ी देर भी पानी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती आशिक का हिज्र का एक लम्हा भी साल के बराबर है और मुसलसल एक साल का भी, भी महज ना पायदार ख्याल की तरह है माशूक भी आशिक का प्यासा होता है और उसका तलबगार है आशिक और मशूक का हाल ऐसा ही है जैसे दिन और रात का कि एक दूसरे पर आशिक है हर वक्त एक को दूसरे की तलाश रहती है उन्होंने एक दूसरे के पांव पकड़ रखे हैं और एक दूसरे पर मदहोश हैं। माशूक के दिल में आशिक के तस्वुर का गलबा है आशिक और माशूक में इतिहाद है अगर आशिक से ये कहा जाए कि तू माशूक की कभी कभी ज्यारत कर तो गोया ये सूरत है कि उससे कहा जा रहा है कि तू अपनी गाहे गाहे ज्यारत किया कर मोहिब और महबूब हकीकी का इतिहाद अकली नहीं है ये मरने के बाद समझ में आता है इस दुनिया में भी सिर्फ वही शख्स इसको समझ सकता है जिसने मुकामे फना हासिल कर लिया हो अगर नजरी अकल से ये इतिहाद समझ में आ सकता तो अल्लाह इंसानों को मुजाहिदा का हुक्म न देता वो रऊफ और रहीम है बिला वजह किसी को मुशक्कत में मुब्तिला नहीं करता मुजाहिदों के बाद ही यह शौक पैदा होता है कि इस इतिहाद को समझा जा सके मोहब्बत करने वालों तरह की तरह चूहे ने मेंढक की खुशामद करनी शुरू कर दी कि मैं तेरे वसल के बगैर नहीं रह सकता तेरी मुरबत का तकाजा है मुकर्र वक्त के अलावा भी बुला लिया करे तेरी मोहब्बत की प्यास की वजह से मैं बेचैन हूँ। तू मेरे इश्क से बेनयास है वरना तू भी खुद बकसरत मुलाकात की कोई तदबीर सोचता तू इश्क के मामले में अमीर है और हुसन से माला माल है अपने रुतबे की कुछ खैरात मुझे दे और मुझ पर इनायत की नजर रख मैं नालायक और बेअब हूं लेकिन तेरी मेहरबानियां सिर्फ लायकों ही के लिए नहीं सूरज का फैजआम होता है उसकी धूप अगर निजात पर पड़ती है तो सूरज का कोई नुकसान नहीं होता बल्कि वो निजास्त खाद बनकर बन, कर बन जाती है गोबर सूख कर बट्टी जलाने के काम आ जाता है वो पहले अलाइश था फिर आरयश बन गया और मट्टी में मिलकर नबादात पैदा करने का सबब बनेगा जिस तरह सूरज ने निजास्त को दूर कर दिया इसी तरह अल्लाह तला बुराइयों को मिटा देता है और एक मरतबा यह भी है कि वो बुराइयों को बलाइयों में तब्दील कर देता है जब अल्लाह का गुनागारों के साथ ये मामला है कि उनकी निजात यानी गुनाह से फूल बूटे यानि नेकिया उग पड़ते हैं तो फूलों यानी नेकियों पर जो असरात मुरतब होंगे उनको वही ज़ात जानती है यानि लोगों को जन्नत की वो नमतें मिलेंगी जिनको किसी आंख ने ना देखा और ना उनका तस्वुर किया जा सकता है वो जुबानों बयान में नहीं समा सकती हम तो उन नियमतों का बयान नहीं कर सकते लेकिन ए महबूब आप खुद बयान कर दीजिए और अपने हुसन खलक से उनमें से कुछ अता भी फरमा दीजिए हमारे अंदर तो जहर ही जहर है हम बुरे हैं हमारी सब आदतें बुरी हैं हम फूल कैसे बन जाए ऐ बहारे अता करने वाले इन कांटों को फूलों का हुसन अता फरमा दे हम बुराई की इंतहा पर है लेकिन तेरी मेहरबानी कर्म की इंतहा पर है हम जैसे इंतहा दर्जे के गुनागारों को तेरा इंतहाई फजल दरकार है चूहे ने मेंढक से कहा मेरी जिंदगी में तू बेनियाजी बरत रहा है लेकिन मेरे मरने के बाद तू रोएगा ऐ मेरे महबूब मेरे मरने के बाद मुझ पर जो मेहरबानियां तू करेगा उनमें से थोड़ी सी अभी कर दे और जो बातें मेरी कब्र से करेगा वो मेरे साथ अभी कर दे और मुझे गम में कुछ कर दे उधार से नकद बेहतर होता है जो कुछ करना है अभी कर दे अब किस्सा सुनो जिसका सबक है कि उधार से नकद बेहतर है चूहे का मेंढक की खुशामद करना के बहाना ना सोच और मेरी ज़रूरत के पूरे करने को उधार में न डाल क्योंकि तखीर में मुसीबतें हैं सूफी वक्त है और बेटा बाप के दामन से हाथ नहीं हटाता है और सूफी का मेहरबान बाप जो के वक्त है उसकी निगहदाश्त करता है आइंदा के लिए मोहताज नहीं बनाता उसको अपने इंसानात की चराहगाह में इस कदर मसरूफ रखता है कि वो अवाम की तरफ आने वाले ज़माने का मुंतजर नहीं होता वो ना दहरी होता है ना कदरी ना मना करने वाला होता है ना जमाने से साज़बाज़ करने वाला क्योंकि अल्लाह के यहां ना सुबह है ना शाम आने वाला गुजरा हुआ जमाना अजल और अबद वहां नहीं है वहां आदम पहले और दज्जाल बाद में नहीं होता क्योंकि ये तमाम बातें हमारी जुजवी अकल के दायरा में है और आलमिल अमकान लाजमान में हैवानी रूह के लिए यह रस्म नहीं है तो वो वक्त है कि इससे तुझे जमानों के तफरका के सिवा कुछ समझ नहीं आता जिस तरह अल्लाह ताला एक है समझ में आता है और दुई की नफी कर कि यह वाहदी हकीकत है चांदी बख्शने वाले एक शख्स ने एक सूफी से कहा कि क्या वो आज एक दिरहम लेना पसंद करता है या कल तीन दिरहम सूफी ने जवाब दिया आज के एक दिरहम की बजाय कल को मैं तीन दिरहम तो क्या सौ दिरहम भी पसंद नहीं करता नकद तो ऐसी चीज है कि उसका चपत भी उधार की अता से अच्छा है खसूस तेरा चपत तो बहुत ही बेहतर है क्योंकि मेरी गुद्धि तेरे चपत की आशिक है जब नकद बहरहाल बेहतर है तो तू अभी आ जा मैं रात का मुसाफिर हूं और तेरा चेहरा चांद है चांद को रात के मुसाफिर से छुपाना मुनासिब नहीं है मैं नहर हूं तो रवा है पानी को नहर में आना चाहिए पानी पहुंचने से नहर के किनारे मुस्कुरा पड़ते हैं और उन पर फूल बूटे मूदार हो जाते हैं अखातिब जब तू नहर के किनारे सब्जा देखे तो दूर से समझ ले कि नहर में पानी है यानी किसी शख्स के अनवारो बरक के मुतल देखकर उसके साहब नस्बित होने को समझ ले नेकी के आसार पशानी पर होते हैं ये इसीलिए कि सब्जा उजार इशारा करता है कि वहां पानी है अगर रात में बारिश होती है तो बारिश को कोई नहीं देखता लेकिन सुबह को सब्जे पर ताजगी देखते ही समझ जाते हैं कि रात बारिश हुई है हम फिर चूहे और मेंढक की कहानी की तरफ मुड़ते हैं चूहे ने मेंढक से कहा अगरचे मैं खाकी हूं और तू आबी है इसलिए मैं तेरा हम जिंस नहीं हूं लेकिन तू शाह रहमत है और अता की तरफ मंसूब है और अताः के लिए हम जीन्स होना जरूरी नहीं मुझे ऐसे मौके दे दे कि वक्त बे वक्त तुझसे मिल लिया करूं मैं नहर के किनारे पर आकर पुकारता हूं लेकिन आप जवाब नहीं देते मैं हाकी हूं इसलिए पानी में नहीं आ सकता कोई ऐसी अलामत मुकर कर दे कि मेरी आवाज अब तक पहुंच जाया करे उनमें यह तय हो गया कि एक डोरा हो जिसका एक सिरा चूहे के पाऊ में और दूसरा मेंढक के पाऊ में बंधा हो जब मिलने की जरूरत हो तो डोरे को खेच लिया जाए ताकि दूसरे को पता चल जाए कि वो बुला रहा है याद रखो जिसम का ताल्लुक रूह के पाऊँ का डोरा है जो रूह को आसमान से खेच लाता है रूह का मेंढक नींद की हालत में जिसम के चूहे से रिहाई पाकर खुशी महसूस करता है जिसम का चूहा फिर उसे खींच लाता है अगर जिसम का चूहा रूह के मैंडिक से वस्ता ना होता तो रूह का मेंढिक हमेशा पानी में रहता और ऐश करता जिसम और रूह का ये तो दुनियावी जिंदगी में हाल है कयामत में जब फिर रूह जिसम से वाबस्ता होगी तो उसके अहवाल अल्लाह ताला से सुन लेना मेंढिक को ये बात नागंवार गुजरी कि ये चूहा मुझे फांसना चाहता है रोशन जमीर इंसान को जो बात नागंवार होती है वो यकीनन किसी मुसीबत का पेश खैमा होती है मोमन की यह फरासत Allah की सिफत है जो मोमन के दिल के नूर ने अल्लाह के अल्लाह तौका पैदा कर देता है अब्रहा हाथी लेकर खाना को डाने चला तो वो हाथी आने वाली मुसीबत को ताड़ गया उसका कदम काबा की तरफ न उठता था जब उस हाथी का रुख यमन की तरफ किया जाता तो दौड़ने लगता जब हाथी का ये हाल है तो समझ लो कि जिस वली पर कल भी वारदात हो उसका हाल क्या होगा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुफिया बात को ताट गए थे जब भाइयों ने कहा कि आप अलैहिस्सलाम हमें अमीन क्यों नहीं समझते हम तो इसकी हिफाजत करेंगे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुदा करने से मुझे तकलीफ महसूस होती है ये मेरा दिल कभी सही बात से तकलीफ महसूस नहीं करता इसको अल्लाह ताला के नूर से रोशनी हासिल है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कल भी एहसास से पूरा यकीन हो गया था भाइयों के दिल में फसाद मखफी है लेकिन इसके बावजूद कजाए खुदाबंदी में चूंके ऐसा ही होना था लिहाजा वो राजी हो गए उन्होंने दिल की बात से दरगुजर कर दी चूंकि इस मामला में अल्लाह की तरफ से एक हिकमत पोशीदा थी हजरत यकूब सलाम को नूर दिल हासिल था लेकिन फिर भी वो फरेब में आ गए ये बड़ी अजीब बात है कि अगर कोई दिल का अंधा फरेब खा जाता तो तजुब ना होता कज़ाए खुदाबंदी के भी अजीब तसरफात हैं वो वबीना को भी न ना नाबीना बना देती है और खुदा की मशीयत उस आँख का पर्दा बन जाती है जब तकदीर खुदाबंदी किसी काम में आड़े आती है तो इंसान यकीनी बात में तजब्जुब में मुबला हो जाता है दिल का पुख्ता इरादा नर्म पड़ जाता है गोया दिल अपने इरादे के खिलाफ कजा के फैसले पर राजी हो जाता है वो दिल अपने इरादा से अपने आप को गाफिल बना लेता है और बाघ कजा के हाथ में छोड़ देता है अगर कोई बातनी नूर वाला अपने एहसास के खिलाफ से मगलूब हो जाता है तो वो दरअसल मगलूबीयत नहीं है बल्कि कुदरत की जानब से आजमाइश है कि अपने इरादे के खिलाफ हर कजा से वो राजी है या नहीं कजा की वजह से जब वो बला में फंसता है और इस पर रज़ा का इजहार करता है तो सैकड़ों मुसीबतों से निजात पा जाता है और उसका ऐसा करना उसको बुलंदियों पर ले जाता है ये दलेरी मिनाक था अब जबकि आजमाइश में कामयाब हो गया तो सैकड़ों फासद ख्याल से निजात पा जाता है उस कामयाबी के नतीजे में वो पुख्ता और उस्ताद बन जाता है और दुनिया के से आजाद हो जाता है गैर गैर-अल्लाह से निजात पाकर वो तोहीद के मुकाम पर पहुंच जाता है और अब उसको एक खास मुकाम हासिल हो जाता है आम लोग गहरे हक के वजूद को अहम समझते हैं गजाओ कदर के लामहदूद समर के मुकाबले में इंसान का हुनर एहसास क्या कर सकता है आलम शहूद में जो कुछ नजर आता है वो उसी आलम गैब से आया है इस आलम में एक नई चीज आकर पुरानी चीज की जगह ले लेती है ये समझ लो कि आलम शहादत और आलम गैब के दरमियान एक बड़ी खुली सड़क है जिस पर हर वक्त आमदरफ्त है हमें महसूस नहीं होता वरना उम्र का जो दिन गुजर रहा है हम उसमें आलम आखरत की तरफ चल रहे हैं इंसान जो कारोबार करता है और नफा कमाने की कोशिश करता है वो किसी वक्ती जरूरत के तहत नहीं करता बल्कि आइंदा की बिना पर कारोबार करता है तू भी अपनी उम्र के माल की तिजारत, आखिरत के पेश नजर सरफ कर सही मुसाफिर वही होता है जिसकी नज़र मंजिल पर हो जिस तरह खारजी मौजूदात का सिलसिला है यही सूरत जहनी मौजूदात की है मजामी और ख्याल आलम गैब से दिल में आते हैं उन ख्याल का बेदरपेना बताता है कि वो सब एक जगह से आ रहे हैं और उनका महजन एक है जिस तरह प्यास से पानी की तरफ दौड़ कर आते हैं इसी तरह ख्याल दिल में आते हैं और अपनी प्यास बुझाकर वापस होते हैं कुछ नुमाया रहते हैं कुछ बिल्कुल पोशीदा हो जाते हैं जिस तरह सितारे आसमान में गर्दिश करते हैं इसी तरह ख्याल दिल के आसमान में गर्दिश करते हैं जिस तरह नजूमी बाज सितारों को साध और बाज को नहस समझते हैं इसी तरह ख्याल को भी समझ अच्छा ख्याल हो तो उससे दूसरों को भी फायदा पहुंचता है और बुरा ख्याल आए तो सदका कर और तोबा कर फासिद ख्याल से बचने का इलाज हमने सदका वस्तगफार बताया लेकिन दरअसल उनसे महफूज रखना फजल खुदाबंदी का काम है दुआ करनी चाहिए कि याही या मेरे मनहूस हालात को तब्दील कर दीजिए और इस नहस को घुमा दीजिए ताकि साध तुलू कर आए नेकियों के नूर से रूह को रोशन कर दीजिए वो गुनाहों के असरात से काली पड़ गई है मेरी रूह को मुआसी के ख्याल से निजात दे दीजिए आपकी मेहरबानी से मेरे दिल में परे परवाज पैदा हो जाएगा और ये दुनियावी धंधों से निजात हासिल कर सकेगा आपने तो खुद कुरान में फरमाया है और खुदा से ज्यादा कौन अपने अहद को पूरा करने वाला है अजीज़ मिस्र के ख्वाब में हजरत यूसफ असलाम की रिहाई की बिशारत थी जब तू एहसान करने वालों को पसंद करता है तो खुद क्यों एहसान नहीं करेगा मेरे गुनाह मेरी नेकियों को निगल रहे हैं मुझ में नेकियों का कहत है इसको जायज ना रख या तो मेरी जारी सुनकर मुझ पर रहम कर दीजिए या मेरा शेख जो मेरे लिए दुआ करता है उसकी दुआओं की वजह से मुझ पर रहम कर दीजिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके मिस्र पहुंचने का सबब बने जहां वो कैद हुए और औरतों की साजिश ने उनको कैद में डलवाया इसी तरह हमारी कुवत, कुवत शहवानी है जो हमारे गुनाहों का सबब बनती है मेरे मासी मुझे कुर्ब से दूर किए हुए हैं इसलिए मैं खजा के पत्ते की तरह मुरझाया हुआ हूँ जब मैंने तेरे लुत्फ और करम पर नज़र की और यह पैगाम सुना कि तू तोबा को कबूल करता है तो शैतान की नजर बद को दफा करने के लिए हरमल निकाला के इसकी धूनी दू तोबा की तो इस तोबा को नजर बद लग गई मालूम हुआ कि तोबा करना कोई खास अहमियत नहीं रखता बल्कि असल तो उसकी कबूलियत है जो तेरी पुरलुत्फ नजर करम है शैतान से बचाओ को मजबूत जरिया तेरी नजर करम है तेरी नजर करम की तासीर यह है कि वो बद नज़र को नेक नज़र बना देती है अल्लाह की नज़र करम जिस पर होती है उनके दिल की हिम्मत बुलंद हो जाती है और वो शेर नर की तरह सिर्फ आखिरत के अमूर का शिकार खेलता है का मकसद आखिरत भी नहीं बल्कि खालिश खुदाबंदी होती है जिसके वो तालिब बन जाते हैं उनका नारा होता है हम दुनिया की फ़ानी चीज़ों से कोई मोहब्बत नहीं रखते उनका दिल जो तेरी तलब में प्रवास करता है उनको तेरी अता से ख़ास हवास हासिल हो जाते हैं उनके हवास खुदाई सिफात से मुतसफ हो जाते हैं जब उनके हवास का ताल्लुक आलम हकैक़ से हो जाता है और उन हवास में मौत या बुढ़ापे से कोई कमजोरी नहीं आती जब उनमें खुदाई सिफात पैदा हो जाती हैं तो जिस तरह खुदा मालिकल मुल्क है उनके हवास को भी आवाम के हवास पर शाही हासिल हो जाती है इसलिए इंसान को ऐसे हवासी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए इस हिकमत में बाज लोगों के हिस्सों के बाला होने के नफा को वाजह किया गया है चोरों ने सुल्तान महमूद से दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो तो उसने कह दिया कि मैं तुम में से ही हूँ एक चोर ने साथियों से कहा कि हम में से हर एक अपना हुनर ज़ाहिर करे एक ने कहा कि मैं कुत्ते की बोली समझ लेता हूँ एक ने कहा मेरी आंख में इतनी तासीर है कि जिस शख्स को अंधेरे में देख लो दिन को भी उसे पहचान लेता हूँ एक ने कहा मेरे बाजू में इस कदर ताकत है कि पंजा के जोर से बगैर औजार के दीवार में नकब लगा लेता हूँ एक ने कहा मेरी नाक की यह खूसियत है कि जमीन की मट्टी सू कर बता देता हूँ कि खजाना यहां है या नहीं हदीस शरीफ है इंसान सोने चांदी की कानों की तरह है इस किस्सा से हदीस कमानी समझ में आ गए जैसे इंसान के औसाफ मुख्तलिफ होते हैं इसी तरह दीन के ख़वास भी इंसानों में मुख्तलिफ होते हैं उसने कहा कि मैं सूंघ कर बता सकता हूँ कि यहाँ कितना सोना है मजनू को लहला की कबर किसी ने ना बताई उसने मट्टी सूं कर उसकी कबर को पहचान लिया हजूर सल्ला वसलम ने फरमाया मुझे खुदाई सांस यमन की तरफ से आ रही है एक चोर ने ये कहा कि मैं पहाड़ जैसी ऊंची जगह भी कमंद फेंक सकता हूँ जूर सल्ला वसल्म ने अपने इश्क की कमंद फेंकी तो उसके जरिए मराज में आसमान तक पहुंचे उन्होंने ऐसी कमंद फेंकी कि उन्हें तख्ते इलाही अरश और कुर्बे इलाही तक ले गई उस कमंद अंदाजी के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि यह फेल भी आपका नहीं है बल्कि हमारा है जैसा कि बदर में कंकरियों का फेंकना हमारा फेल था सुल्तान ने चोरों के सवाल पर फरमाया कि मेरी दाढ़ी में यह खासियत है कि जब मैं दाढ़ी हिला दूं तो मुजरम सजा से बच जाते हैं जब उन्हें सजा के लिए जल्लाद के सुपुर्द कर दिया जाता है मैं उनकी रहाई के लिए सर से इशारा कर दूं जिससे दाढ़ी हिल जाए तो मुजरम फौरन छोड़ दिए जाते हैं चोरों ने कहा तू हमारा कुतब और पेशरो है क्योंकि मुसीबत और गिरफ्तारी के वक्त तू ही काम आएगा वो सब चोरी करने चल दिए एक कुत्ता बौका तो एक चोर जो कुत्ते की आवाज पहचानता था बोला कुत्ता कह रहा है कि सुल्तान तुम्हारे साथ है वो आगे बढ़ गए और कमंद के जरिए किले के अंदर पहुंचे सूंघने वाले ने बता दिया कि खजाना इस जगह है उन्होंने नकब लगाकर खजाना लूटा और बाहर जाकर जमीन में दफन कर दिया सुल्तान ने उन सबको पहचान लिया था वो चुपके से उनसे अलग हो गया और दिन के वक्त दरबार में पहुंचकर सारी सर्गजिश्त सुना दी चोरों की गिरफ्तारी के लिए सिपाही रवाना कर दिए कि वो उनको गिरफ्तार करके ले आए उन्होंने पहचान लिया कि सुल्तान तो रात को उनका साथी था एक बोला सुल्तान की दाढ़ी में बहुत सी खसूसियतें हैं उसके कहने से हमारी गिरफ्तारी हुई है वो बोला कि वाह हुआ महाकुम यानी तुम्हारे साथ है कि यही मतलब है कि उसने हमारे कारनामे देख लिए हैं मैं जानता हूं कि ये जान पहचान वालों के साथ मुरवत बरतता है उनकी बात नहीं डालता मैं तुम लोगों की सिफारिश करके छुड़वा लूंगा चोर के आरिफ होने से मौलाना रूम रहमत ने आरफिन का जिक्र शुरू कर दिया कि उनकी आंख दोनों जहान के लिए अमन है और हर बादशाह उनसे मदद हासिल करता है वो बकाए आलम का सबब होता हैजूर सल्ला वसल्म को अल्लाह तला की मुकम्मल मारिफत हासिल थी और उनकी नज़र के बारे में कुरान पाक में फरमाया गया है माग़ुल बसर यानी हजूर सल्ला की मंजूर नज़र सिर्फ अल्लाह की जात थी और वो हर गहर से फिरी हुई थी

इसलिए हजूर सल्ला वसलम ने उन तजलियात को भी देख लिया जिसको जब्राई साम न देख सके ऐसा सुरमा किसी यतीम के लग जाए तो वो दुर्र यकता और हादी बन जाता है जैसे कि हजूर सल्ला बने उसकी रोशनी के मुकाबले में दूसरों की बसीरत सूरज के मुकाबल जर्रों की चमक है फिर वो उस बसीरत के जरिए ऐसे ही मतलूब का तालब बन जाता है उसकी नजर में लोगों के अहवाल वाजे हो जाते हैं इसीलिए अल्लाह ने हजूर सल अला वसलम को शाहिद यानी देखने वाला गवाह का लकब दिया गवाही का मदार दो चीजों पर होता है एक तो ये कि गवाह की जुबान हो ताकि अदालत में गवाही दे सके दूसरे ये कि आंख तेज हो जिससे वो वाक्य को देख सके लिहाजा आप वसल्लम में ये दोनों चीजें मुकम्मल थी क्योंकि आप वसल्लम का कलब नींद की हालत में भी बेदार रहता था इसीलिए आप वसल्लम जैसे बेदार कल्ब से कोई राज छुपा न रहता था बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस राज पर ऐसा यकीन होता था जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा हो काजी हमेशा गवाह के जरिए ही फैसले पर पहुंचता है गोया गवाह काजी की आंख होता है मुदई ने भी वाक्य को देखा होता है लेकिन उसकी गर्ज ने वाक के बाद पहलुओं को मख् कर दिया है लिहाजा उसकी बात का एतबार नहीं है अल्लाह का मंशा यह है कि इंसान बेगरज बन जाए ताकि उसको गवाह का मरतबा हासिल हो जाए इंसान की गर्जें उसको गवाही के नाकाबिल बनाती हैं इंसान को अपने महबूब की बुराई नज़र नहीं आती और ना वो उसकी बुरी बात को सुनता है नूर खुदा की वजह से आप वसल्लम का इल्म मारिफत इस कदर मुकम्मल था कि दूसरों का इल्म उसके मुकाबले में हेज था आप सल्लाम से असरार मखफीना थे और आप सल्ला जान गए थे कि मोमिन की रूह की रफ्तार किस तरफ है और काफिर की रफ्तार किधर है दोनों जहानों में रूह से ज्यादा पोशीदा चीज कोई नहीं है जिन लोगों ने कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर लिया है उन्होंने अपनी दोनों आंखों को खोल दिया उनको तमाम मालूम हासिल हो गई लेकिन रूह की हकीकत उनके लिए भी वाज ना हुई क्योंकि इसके बारे में अल्लाह ने मुझ बला सिर्फ इतना फरमाया कि वो खुदाई अमर से है लेकिन हजूर सल्ला वसलम ने उस रूह को देख लिया फिर आप वसल्लम की नज़र से कोई चीज पोशीदा न रही जबकि आप वसल्लम को असरार का मुशाहिदा है तो कयामत में आप वसल्लम गवाह बनेंगे और आप वसल्लम की गवाही इख्तलाफ के धरदे सर को रफा कर देगी हजूर सल को महबूबियत का दर्जा इसलिए हासिल है कि अल्लाह तला आदिल है और जिस गवाह में अदालत होती है वही आदिल का महबूब होता है तो अब वसल्लम, आदिल गवाह होने के अतबार से दोस्त यानी अल्लाह की कुवत बासिरा है क्योंकि आदिल गवाह हाकिम का महबूब होता है इसलिए कलब, अल्लाह का मंजूर नजर और महबूब है क्योंकि वो भी आदिल गवाह है अल्लाह को जो हजूर सल्लाम से मोहब्बत है वही एजात आलम का सबब बनी है चूंकि ईजाद आलम हजूर सल्ला वसलम से मोहब्बत की वजह से फरमाई गई इसलिए शब मज हजूर सल्लास ने फरमाया लो लाख लमा अफलाक। अगर तुम ना होते तो मैं आसमानों को ना पैदा करता हाकिम का हुक्म सब इंसानों पर हाकिम है लेकिन हाकम का हुक्म शाहिद के ताबे होता है हजूर सल्लाम आलम बशरीत के अतबार से कजा के महकूम थे लेकिन चश्मे बसीरत की वजह से शाहिद और गवाह बने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस एतबार से अल्लाह ने अपने इख्तियार से अपने फैसले का हुक्म बना दिया है पहले फरमाया था कि किफ मखलूक की अमान का सबब होता है अब इसी मुनासिबत से फरमाते हैं कि किारिफ़ यानी अम्बिया और औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम ने मारूफ यानी हज़रत हक़ से बहुत सी दरखास्तें की हैं हमारा दिल हमें भलाई के इशारे करता है लेकिन हम उनको नहीं समझ पाते और बसाओकात उन पर अमल नहीं करते हैं अल्लाह हमें हर वक्त देखता है हम उसको नहीं देख पाते क्योंकि सबब यानी आलम इसबाब की मशगूलियत हमारे लिए पर्दा बन गई है मुशाहदा कभी मरातब है, आरिफ बावजूद मुशाहदा के आला मरतबा के लिए दुआ करता है कि ए अल्लाह तू इनाम में मुंतही है और तेरा ये लुफ एक दर्जा का मुशाह हो गया जो मुझे हासिल है लेकिन तेरी अताह का कमाल यह है कि मुझे मजीद बता कर दे तूने जब दुनिया में कर्म फरमाया तो आखिर में भी करम फरमा दे विशाल के बाद फिराक बड़ी मुसीबत है जिसको एक बार दीदार हासिल हो चुका हो उसको अब दीदार से महरूम न कर बल्कि उसके सब्जा दीद में बलीदगी फरमा दे मैंने तुझसे किसी वक़्त इस्तगना नहीं बरता तू भी मुझसे इस्तगना न बरत जिसको दीदार का कुर्ब हासिल हो चुका हो अब उसको महरूम न कर तेरे माँ सिवा को देखना वह वा वाले जान है क्योंकि तेरे सिवा हर चीज लोग और फानी है क्योंकि मैं खुद बातिल हूं इसलिए यह बातिल चीजें मुझे अच्छी नजर आती हैं और अपनी तरफ खींचती हैं इस आलम की हर चीज अपनी हम जिन्स के लिए बायस कशिश है मैदा रोटी को जिगर की गर्मी पानी को खींचती है मशोक बन संवर कर निकलते हैं ताकि कोई उन्हें देखे दिमाग खुशबू की तलाश करता है आंख में और रंग रूप में मुनासिबत है नाक और दिमाग की मुनासबत खुशबू से है इन बातिलों में जो कशिश है तू हमारे लिए अपनी मेहरबानी की कशिश के जरिए इन कशिशों से हमें बचा ले इन सब कशिशों पर तू गालिब है अगर हम दर्मादों को तू खेच ले तो तेरी कशिश के शजा शान होगा शाह के आरिफ चोर ने बादशाह की तरफ इस तरह मुंह किया जैसा कि प्यासा अबर की तरफ देखता है उस शाह की तरफ जो शब कदर का चौदहवीं का चांद था क्योंकि उसकी और शाह की जान पहचान थी इसलिए दरखास्त करने में उसने हिम्मत से काम दिया उसने अर्ज की हम इस वक्त मुक्त हो गए हैं जैसा कि रूह जिसम में मुक्त है हशर में हक ताला रूह के लिए बायस राहत बनेगा जिस तरह दुनिया में सूरज रूह के इनशरा और राहत का सबब है उसने शाह से कहा कि अब वक़्त आ गया है क्या अपनी दाढ़ी की खासियत दिखाकर हमें कैद से रिहाई दिलाएं दूसरे साथियों के हुनर तो हमारी गिरफ्तारी का बायस बन गए हैं चोरों की जो खसूसियात थी वो सब तबाही और कैद का सबब बनी सिर्फ उस चोर की खसूसियत काम आई जो रात के देखे हुए को दिन में पहचान लेता है वो आंख काम आई जिसने बादशाह को पहचान लिया बदले के दिन बादशाह को उसको सजा देते हुए शर्माएगी जिस कुत्ते ने बादशाह को पहचान लिया था वो कुत्ता भी इस लायक है कि उसे असहाब का कुत्ता कहा जाए जो चोर कुत्ते की आवाज को सुनकर समझ लेता था उसकी खासियत भी अच्छी थी क्योंकि इससे उसको शाह से आगाही हुई कुत्ता जो शब बेदारी करता है वो शब खेजों से वाकिफ हो जाता है ये कुत्ते में एक खूबी है इससे यह नतीजा निकला कि कुत्ते जैसे बदनाम जानवर से भी बिल्कुल नफरत करना मुनासिब नहीं उसके पोशीदा अच्छे और साह पर नजर रखनी चाहिए अगर कोई एक दफा बदनाम हो गया है तो किसी को महज उसका नाम ढूंढना और अपने आप को नेक समझना मुनासिब नहीं हो सकता है कि उसके अंदर कोई खूबी भी हो मैं जहर पर हुक्म नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बाज़ात खालि सोने को काला कर दिया जाता है ताकि उसे कोई ना लूटे वो स्या सोना जुबान हाल से कहता है कि हर शख्स मेरे राज को नहीं समझता है तू मेरे पास आकर देख तब राज समझेगा जिल्द शशुम हिकायत नंबर तिरसठ समंदरी बैल और गोहर का किस्सा और ताजर का कारनामा दरियाई बैल समंदर से गोहर बाहर लाता उसे चराहगाह में रखता और उसकी रोशनी में साफ सुथरी गज़ा चरता जिसकी रोजी अल्लाह ताला का नूर हो उसके मुंह से तो खुशबू ही निकलेगी अगर कोई अल्लाह के जिक्र के नूर की रूहानी गजा हासिल कर लेगा तो उसकी ज़ुबान से भी मौसर किलाम सादर होगा जो शख्स वही इलाही से खुराक हासिल करेगा उसका मुँह शहद से क्यों पूर्ना होगा बैल चरते चढ़ते गोहर से दूर हो गया एक ताजिर ने गौर पर काली कीचड़ रख दी और चिराका में तारीखी फैल गई ताजर गौर को मिट्टी में दबाकर दरख्त पर चढ़ गया ताकि बैल के सख्त मजबूत सींग से बच सके जिस तरह शैतान ने हजरत आदम आदमी के सिर्फ ज़ाहिर को देखा और उनसे गुरेज किया इसी तरह बैल गौर के ऊपर पड़ी हुई मट्टी से गुरेज करता रहा जिस तरह शैतान आदम आदम्सम की बातनी साफ से अंधा था बैल भी ना समझ सका कि मट्टी के नीचे गौहर है अवाम की रूह को तकवीनी एतबार से एह बतू नीचे उतरों के हुक्म ने पस्ती में डाल दिया फिर गुनाहों के इरतब ने उसको और बद असर कर दिया नफसानी ख्वाहिशात इंसान को कुरब इलाही से महरूम कर देती हैं आलम वाला से रूह का जिस्म में आना ऐसा ही है जैसे अदनी मोती का मट्टी में छुप जाना जब रूह जिसम में आ गई तो अब उसे जोहरी ही पहचान सकता है आम दुनियादार इस राज से वाकिफ नहीं हो सकता जिस मिट्टी में गहर होता है वो गहर वाली दूसरी मिट्टी को भी पहचान लेता है कहते हैं कि वली रानासित जिस जिस्म में अल्लाह के नूर का छिड़काव नहीं है वो रहमतुल्लाह अलहिम के जिस्म की सोहबत को बर्दाश्त नहीं करता उनसे नफरत करता है जिल्द शशुम हत नंबर चौसठ चूहे का मेंढिक को किनारे तलब करना और डोरा खेचना के मेंढिक को आगाह करे चूहा मेंढक के साथ अपनी मोहब्बत पर नाज कर रहा था कि दीदार के मुतालिया में मेरा दिल और जान तार की तरह हो गए थे अचानक फिराक का कव्वा आया और चूहे को उस जगह से ले उड़ा जब कव्वा चूहे को ले उड़ा तो मेंढक भी पानी की गहराई से खेच आया लोग देखकर कह रहे थे कि कव्वे ने पानी के मेंढे को किस तरह शिकार कर लिया कव्वा पानी में कैसे घुसा पानी का मैढ़ तो कुए का शिकार बनता ही नहीं है मैडक बोला जो बे आबरूओ की तरह किसी कमीना का साथी बने उसकी यही सजा है ना जेंस की सोहबत से बचो और हम जिन्स यानी किसी नेक की सोहबत इख्तियार लो। हम जिन्स से मुराद यह है कि औसाफ में बाहमी शिरकत हो अक्ल और नफ्स तकरीबन हम जिंस हैं लेकिन दोनों के औसाफ जुदा हैं लिहाजा अक्ल बुरे नफ्स से फरियाद करती है जिस तरह हसीन चेहरा बद्दीनाक से फरियाद करता है अकल नफ्स से कहती है कि हम जिन सोना बातनी और साफ की यकसानियत से होता है ना कि जिस्मानी मुशाबहत से सूरत की मुशाबहत से हम जिन सोने का कायल न बन सूरत एक बेजान चीज है उसमें जिनसीत का एहसास नहीं है जिसम में एहसास और हरकत जान की वजह से है जैसा कि गेहूं के दाने की हरकत च्यूटी की वजह से होती है जो उसकर ले जा रही है च्यूटी के दाने की तरफ कशिश भी जिंसियत की वजह से है क्योंकि वो हजम होकर उसका हम जिनस बन जाता है एक च्यूटी ने रास्ता में जौ का दाना ले लिया दूसरी ने गेहूं का दाना ले लिया वो एक दूसरी तरफ चली तो गेहूं का दाना जौ के दाने की तरफ नहीं दौड़ रहा है बल्कि एक च्यूटी दूसरी च्यूटी की तरफ दौड़ रही है जौ का गेहूं के दाने की तरफ चलना तबन है च्यूटी को देख ले तो समझ में आ जाएगा जौ और गेहूं के दाने की हरकत की वजह से ये ना समझ के वो चल रहे हैं उनके बिलमुकाबल जो चीज है यानी च्यूटी उसको देख ले ये तो उसके कब्जे में है कभी ऐसा होता है च्यूटी काले नमदे पर चल रही है और नजर नहीं आती और सिर्फ दाना चलता नजर आता है तो अकल से समझ ले के दाने को ले जाने वाली च्यूटी है जो चल रही है चूंकि असल जिनसीत औाफ के एतबार से है ना कि सूरत की वजह से इसलिए अहब कहफ के कुत्ते की कशिश असहाब कहफ की तरफ थी सूरतों को दाना समझ और दिल और ओसाफ बातनी को च्योंटी समझ हजरत ईसा सलाम और में औसाफ के अतबार से हम जिनसीयत थी जिसम जाहिर है और रूह मख़फ़ी है लेकिन समझ लेके जिसम रूह की वजह से हरकत में है आराम में वही हैं जो अकल से काम लेते हैं यही भले बुरे में तमीज कर सकती है आंख तो सिर्फ एक रूप को देखती है यह कूड़े पर उगे सब्जे पर भी मायल हो जाती है लेकिन अकल जान लेती है कि उसकी तह में क्या है जो परिंदा अकल से काम न ले सिर्फ आँख से देखे वो जाल में फंस जाता है कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनमें जुजवी अकल काम नहीं देती सिर्फ वही इलाही ही रह करती है जिनसीयत का मदार जबकि बातनी औसाफ पर है तो उसको अकल पहचान सकती है ना के आंख महज सूरत के अतबार से हम जिनसीयत नहीं होती हजरती इंसानों में फरिश्ते की जिन्स थे इसलिए नीले कले में पहुंच गए जिलशम हिकायत नंबर पैंसठ अब्दुल गौस को परियों का ले जाना सालों उनके साथ रहना और वापसी का किस्सा अब्दुलगौस कोई शख्स था जो औसाफ के अतबार से जिन और सूरत के एतबार से इंसान था वो इंसानों से मानूस न था जिनों में रहना पसंद करता था इस दुनिया में उसके बाल बच्चे भी हुए लेकिन उसका दिल परियों और जिनों में लगता था वो जिनों की तरह छुपी हुई परवाज में नौ साल तक रहा उसके बच्चे उसके मरने का किसे बयान करते थे वो एक मरतबा बच्चों को देखने भी आया लेकिन परियों का हम जिन सोने की वजह से फिर हमेशा के लिए गायब हो गया जन्नती जन्नत का हम जिन सोता है इसलिए वो अल्लाह की इबादत करके जन्नत में हमेशा के लिए चला जाता है हज़ुर सल्ला ने फरमाया सखावत जन्नत का दरख्त है उसकी एक शाख दुनिया में है जो उसे पकड़ लेता है जन्नत में चला जाता है मोहब्बतें मोहब्बतों की और कहर कहर का हम जिन्स होता है हज़रत अलैहिस्सलाम को सितारों से हम जिनसीयत हासिल थी इसीलिए सातवें आसमान पर जोल सितारे के साथ आठ साल तक रहे और उसके हम राज थे नौ साल के बाद जब, जब जमीन पर आए तो सितारों के अहवाल का दर्स दिया करते थे दर्स में शरीक लोग भी सितारों से वाकिफ हो गए जब हक ताला दो रूहों में एक से ख्यालात पैदा फरमा देता है तो वो एक दूसरे की हम जिन्स हो जाती हैं जिसम की कशिश नजरों फिक्र की वजह से होती है जिसम जो बेखबर है उसे बाखबर रूह खेचती है जब मर्द में औरत के औसाफ पैदा हो जाते हैं तो वो ही इजड़ा बन जाता है और औरतों की तरह अपने साथ जमा कराता है जब किसी औरत में मर्दाना सिफात पैदा हो जाती हैं तो वो औरतों के साथ जमा करती है जब किसी बशर में मलूकियत का गलबा होता है तो परिंदे के बच्चे की तरह मलाय आला की तरफ प्रवास के रास्ते तलाश करता है उसका ध्यान मलाय आला की तरफ होता है और ज़मीन से बेजार होता है अगर इंसान में बहमियत का गलबा होता है तो उसको हर वक्त खाने की फिक्र रहती है चूहा सूरत की वजह से जलील नहीं है बल्कि बादनी ख़बासत की वजह से जलील है अशहबाज जो नहायत कीमती होता है अगर उसमें ख़बासत पैदा हो जाए तो वह चूहों बल्कि बाकी जानवरों से भी बदतर है हारूथ और मारूत फरिश्ते थे लेकिन उनमें बशरी साफ थे इसीलिए फरिश्तों की सफ़ से खारिज कर दिए गए फरिश्तों की खसूसियत सफ़ में रहना है लनाफून बेशक हम सफ़ बांधने वाले हैं पहले उनकी नज़र लोहे महफूज पर रहती थी फिर जादू की लोहों पर रहने लगी मूसलाम और फिरौन में जिस्मानी जिनसीयत थी लेकिन औसाफ जुदा गाना थे जब यह साबित हो गया कि जिनसीयत औसाफ के एबार से है तो तुझे नेकों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए नेकों की सोहबत की तसर देखनी हो तो तेल को देख ले कि फूलों की सोहबत से उसमें कैसी खुशबू पैदा हो गई इंसान तो दरकनार अगर मिट्टी भी बुजुर्गों की हम सोहबत हो जाए तो उसमें बुजुर्गी आ जाती है चुनाचे औलिया औली रहमुल्लाम की कब्रों की मिट्टी पर दिल कुर्बान होता है कब्र की मिट्टी को यह शराफत उस बुजुर्ग के जिस्म की सोहबत से हासिल हो गई मशहूर मकोला है घर लेने से पहले पड़ोसी का इंतखब करो साहिब नस्बत की नस्बत साहिब कब्र के फैज से बढ़ जाती है जब बुजुर्गों की कब्र से भी फैज होता है तो जिंदगी में उनकी सोहबत किस कदर मुफीद होगी बुजुर्ग इंसानों के सर का साया था अब उसकी कब्र सादार है जिससे लाखों इंसान मुस्तफीद होते हैं जल्द शशुम हिकायत नंबर सड़सठ मोहतसब के वजीफा की उम्मीद पर कर्ज लेने वाले शख्स का किस्सा एक फ़कीर कर्ज में मुबतला हुआ उस पर नौ हज़ार कर्ज था वो तबरेज में आया जहां का कोतवाल बदरुद्दीन उम्र बहुत ही सखी इंसान था अगर दुनिया में हाथमताई जिंदा होता तो वो उसका गुलाम बन जाता अगर वो किसी प्यासे को बीठे पानी का समंदर भी देता तो सखावत की वजह से शर्मिंदा होता कि कुछ ना दे सका फ़कीर अता की उम्मीद पर तबरेज आया था क्योंकि वह पहले भी उससे अता हासिल कर चुका था और अपने बहुत से कर्जे उतार चुका था उसने उसके सहारे पर ही कर्ज लिया था कि उसे यकीन था कि जब जाकर मांगूंगा मिल जाएगा यह फकीर हमेशा उस सखी की वजह से कर्ज से बेफिक्र रहता था जिस शख्स को हजूर सल्ला वसलम की मदद हासिल हो वो अबू लाहाब से कब खौफ खाएगा अगर किसी का अब्र से ताल्लुक कायम हो गया तो वो लोगों को पानी पिलाने में कब बुखल कर सकता है फिरौन के दरबार के जादूगरों को जब खुदाई हाथ से बाक़फत हो गई वो अपने हाथ पांव से बेनियाज हो गए हज़रत जाफर तैयार रजी तलाहों की बहादुरी इसी वजह से थी कि उनको अल्लाह तला की पुश्त पनाही हासिल थी जब वो किला पर हमलावर होते तो किला उनकी हिम्मत के सामने हकीर था बादशाह ने वजीर से कहा कि ये अकेला आदमी है हम इससे खौफसदा क्यों हो वजीर ने कहा उनके अकेलेपन को हकारत से न देख देख ले किले के सब लोग हैबत से लर्स रहे हैं कुछ लोग हिम्मत करके उनके मुकाबले में आए और खत्म हो गए वजीर ने कहा कि मेरी नज़र जब उन शाह पर पड़ी तो मुझे यकीन हो गया कि ऐसे बहादुर के सामने आदमियों की कसरत बेमानी है जब अल्लाह अपनी अता कर देता है तो शाह लौंडी का गुलाम बन जाता है जाहरी हुसन के अलावा बातिन का हुसन भी अता कर देता है तजली ये तूर के बाद हजरत मूसलम के चेहरे में भी ऐसा नूर पैदा हो गया था जिसको देखने की हर शख्स में ताप ना थी वो नूर दूर जैसे पहाड़ को पारा पारा कर सकता है लेकिन अल्लाह ताला का कमाल है कि उसने कलबे मोमन में उस नूर के तहमुल की ताकत पैदा कर दी है अल्लाह के नूर की मिसाल है कि एक ताकचा हो जिसमें चराग है वो चराग शीशा में है ताकचा से मुराद मोमन का जिस्म, मिसबा से नूर हक जुजाजा से कलबे मोमिन है मर्द कामल जब तखलीके आलम का सबब है तो गोया वो अर्शो अफलाक के नूर का वास्ता है ज़मीन आसमान का नूर कलबे मोमन के नूर से हैरान है और उसके मुकाबले में मज़महल है चूंकि अरशो इफ्लाक पुर नूर कल्ब मोमिन के वास्ता से है इसीलिए हदीस से कुदसी में इरशाद हुआ कि मैं आसमानों और ज़मीनों में नहीं समा सकता लेकिन मोमिन के दिल में मेहमान की तरह समा गया हूँ ये ताल्लुक ऐसा नहीं है जैसा ज़रफ़ और मजरूफ का होता है ये ताल्लुक बेकैफ है और उसके वास्ते से दोनों आलम उससे फैज़ हासिल करते हैं कल्ब मोमिन के वास्ते के बग़ैर अलवी और सिफली उसकी तजल्ली को बर्दाश्त ना कर सकते थे कल्ब मोमिन को आईना तजल्लियात बना देने में अल्लाह का बड़ा कर्म है पहाड़ का दुगना हुजम भी हो तो उस नूर की तजल्ली से पारा पारा हो जाए ये नूर लोहे की दीवार को भी पार कर जाता है हजरत मूसा सलाम की कम्बली ने इश्क की हरारत और शोरश को बर्दाश्त किया था हज़रत सफ़ूरा रजी ला तहा जो कि हज़रत मूसअलम की बीवी थीं ने उस नूर को एक आंख से देखा तो आंख जाती रही नूर हक सिर्फ मुजाहिदा के जरिए ही मोमन के दिल में आता है उसके लिए पहला दर्जा लज्जतों को तर्क करना है फिर जब मोहब्बत का गलबा होता है तो जान को फना कर देता है और मुकाम फना में पहुंच जाता है हजरत सफूरा रजी ला तहा ने फरमाया हजरत तो इस बात की है कि लाखों आंखें क्यों ना हुई कि उन सबको इस नूर पर कर्बान कर देती अब बसारत नहीं है लेकिन इसमें लाजवाल दफीना है इस खजाने की वजह से मैं अपने पूरे जिसम से बेनयाज हूँ हजरत सफ़ूर जी ता की ये बात हक हाँ को पसंद आई और उनकी बिनाई लौटा दी और अपना नूर इनायत कर दिया जिससे वो हजरत मऊसीम का दीदार कर सकें वह नूर चूंकि नूर खुदाबंदी था उसने नूरे मौसवी को बर्दाश्त कर लिया जिस दिल का दरीचा महबूब हकीकी की जानब खुल जाता है वो हमेशा उस महबूब हकीकी की तजल्लियात से फैज जाब होता है इंसान को दिल की खिड़की हक ताला की जानब खोलनी चाहिए और फिर आलम मलकूत की सैर और तफरी करनी चाहिए खिड़की खोलने का मतलब यह है कि उससे इश्क हो जाए इस तरह तू माशू के हकीकी का मुशाह कर सकेगा ये तेरी इख्तियारी बात है अनफुस में जो आयात इलाहिया हैं उन पर गौर कर और गैर अल्लाह का ख्याल दिल से दूर कर दे अल्लाह का इश्क ऐसा कीमिया है कि तू उससे नफसानी रजाइल दूर कर सकता है और शैतान को राम कर सकता है जब दुखाल का इलाज करके हसीन बन जाएगा तो अल्लाह ताला के दरबार में पहुंच जाएगा क्योंकि वो खुद जमील है और जमाल को पसंद करता है फिर वो तेरी रूह को बेकसी से निजात अता कर देगा उसकी रहमत की अदना बारिश तेरी रूह के बा को शादाब कर देगी और तेरी मुर्तगी दूर हो जाएगी उसकी अता सिर्फ दुनिया की दौलतें ही नहीं है, वो इस तरह की सदा सल्तनतें अता कर देता है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ हुस्न की सल्तनत ही नहीं ख्वाब की तबीर की मुमलिकत भी अता फरमाई उनका हुस्न कैद खाना का सबब बना और ख्वाब की तबीर का इल्म बुलंदी पर ले गया शाह मिस्र ने उन्हें मुकर्रब बना लिया वो उनका फर्मा बरदार बन गया मालूम हुआ कि इल्म की सल्तनत ज्यादा आरामदेह है जिल्द शशुम हत नंबर सड़सठ कर्ज लेने वाले शख्स की हिकायत। वो मकरूज परदेसी अता लेने के लिए तबरेज में आया वो मुहत दुनिया की जिंदगी से उकता गया था और इस कदे से सैर होकर दूसरे आलिम में चला गया था मोहतसिब की मौत की खबर से मुसाफिर नारा मारकर बेहोश होकर गिर गया जब उसे होश आया तो उसने सोचा गैर अल्लाह पर भरोसा करना गलती थी वह नादिम हुआ और अल्लाह की तरफ मतवज्जो हुआ उसने अल्लाह के सामने गलती का इतराफ किया और अर्ज किया कि बेशक मोहतसिब बहुत सखी था लेकिन तेरी सखावत का हमसर न था मोहतसिब ने टोपी दी तूने सर अनायत किया उसने लिबास दिया तूने कदोकामत कदो अता फरमाया जिससे मैंने लिबास से फायदा हासिल किया मोहतसिब ने सोना दिया तूने वो हाथ अता किया जिससे उसने वो सोना मुझे दिया मोहतसिब ने शमा दी तूने आंख दी जिसके जरिए शमा मेरे लिए कारामत बनी जो कुछ भी उसने दिया तेरे कर्म के बगैर न था बल्कि वो उसका न था तेरा था उसमें सखावत का मादा तूने पैदा किया उसको सखावत करके खुशी महसूस होती थी ये मेरी खता थी कि मैंने उसे किबलाए उम्मीद बनाया ये तेरा कर्म है कि तूने हमें अक्ल अनायत की तूने इंसान को अपने असमां का मजहर बनाया और उसको हकाय के कोनिया का जामे करार दिया कि इंसान आसमां और हकाय का मजहर है तो उसमें जो कुछ नजर आता है वो खुदा ही का अक्स है जिस तरह चांद का अक्स पानी में नजर आता है सिफातें इंसानी दरअसल अल्लाह की सिफात का सबूत हैं इंसानी सिफात अल्लाह की सिफात की तशरीह करती हैं नजूमी अपने आलात से सिर्फ खुद ही आसमानों और सूरज के अहाल मलूम करते हैं लेकिन इंसान की सिफात के जरिए अवाम भी सिफात खुदाबंदी का इल्म हासिल कर सकते हैं अवाम अम्बिया आम की तलीम के वास्ता से खुद ये अलूम हासिल कर सकते हैं अब इंसान दूसरे इंसान में जो कुछ देखता और समझता है उसको असल समझता है हालांकि वह अक्स है तो इंसान की मिसाल उस शेर की सिहत में अपने अक्स पर हमलावर हुआ था अगर तू इंसान के फेल को असल समझेगा तो वही अहमक शेर बनेगा बेवकूफ़ शेर खरगोश के बहकावे में आ गया और मारा गया उसने ये ना सोचा कि ये तो मेरा नक्श है और खरगोश जो शेर बता रहा है वो पानी में है ही नहीं ये तसरुपी खुदाई है कि वो हकीकत को ना समझ सका तू भी दुश्मन से दुश्मनी करने में हकीकत तक नहीं पहुंचता है तू शश जिहाद का ताब्या है और हर जहत में गलती पर है दुश्मन में जो जज्बा अदावत है वो अल्लाह ताला की सिफत कहर का अक्स है क्योंकि वो उस सिफत कहर से पैदा हुई है दुश्मन जो गुनाह कर रहा है वो तेरे किसी जुर्म का अक्स है तू अपनी इस जुर्म वाली आदत को अपने अंदर से धो डाल तेरी मिसाल यह है कि कोई पानी में सितारे का अक्स देखे और उस पर खाक डाले और उसे अपने लिए मनहूस समझे जिस तरह चीजों की नहूसत मिन जानबिल्ला है इसी तरह अताब दरअसल मिन जानबल्ला ही है इंसानों की अताब मुफीद नहीं है क्योंकि आरसी है अल्ला जिसको अमाल साल की नियमत बख्शता है तो उसको जन्नत की उम्र दराज देता है ताकि वो इससे पूरे तौर पर नफ़ा उठा सके अल्लाह की शान मुर्दों को जिंदा करना है तो दराज जिंदगी बख्शना भी है इसलिए उनकी तरफ पना पकड़ना चाहिए खुदा जब अता करता है तो वो अता जान का जुजो बन जाती है उसकी अता का ये हाल है कि अगर कसरत जिक्र शुगर से रोटी पानी की तरफ रगबत ना हो तो वो रूहानी खजा अता फरमा देता है अगर जिसमानी फर्ब नहीं रहती तो वो रूहानी फरबही अता फरमाता है इस पर तजुब न कर अल्लाह चुनू का पेट खुशबू से भर देता है फरिश्तों को इबादत से गजा हासिल हो जाती है अल्लाह इश्क को जान की बजाय अता फरमा देता है अल्लाह से ऐसी जिंदगी की दरखास्त कर जिसकी बुनियाद इश्क पर हो इंसान की जुमला सिफात अल्लाह की सिफात का मजहर है उसके लिए मजहर बदलते रहते हैं लेकिन जाहिर वही है कभी वो बादशाह के रूप में होता है कभी आलिम के रूप और कभी मालिज के रूप में तो कभी दुश्मन के रूप में सिफात कदीम अपनी जगह पर हैं और जमाना बदल रहा है मजाहिर बदल रहे हैं और जाहिर कायम है सिफात का ताल्लुक बारी ताला से है हर हुस्न उस हुसन का आईना है और इंसानों में इश्क उश् के इश्क का अक्स है हसीनों का हुसन डल जाता है और वो हुस्न असल की तरफ वापस चला जाता है जब सही नजर पैदा कर लोगे तो मालूम होगा कि हमा औवस्थ क्या है उस कर्ज खा गरीबुलवन ने खवाजा मरहूम और हज़रत हक को मोगाये समझा था उसकी अकल ने उसे कहा कि ये तो बहंगापन है जिसमें एक के दो नजर आते हैं ख्वाजा अब मलायाला में पहुंच गया है वो दुनिया का चूहा नहीं था उसका जिसम न था बल्कि वो पाक रूह थी शैतान ने हजरत आदबलाम की मट्टी को देखा तो ऐसा ना कर ख्वाजा के औसाफ पर नजर रख ख्वाजा को जात इलाही सेबत हासिल थी जिस हैसी से हजरत आदम सलाम मसजूद मनायक थे वो साजिद ना थे वो गाजा बाज़ाहिर बशर था लेकिन उसमें तजल्ली हक नुमायाँ थी मुशाह हक की वजह से उसकी जमादियत और जिसमीत ख़त्म हो चुकी थी तिल का तेल जब फूलों में बसा दिया जाता है तो फिर उसको तिल का तेल नहीं कहा जाता अलिया रहमतल तिहम की एक जमात अब्दाल है जब उनके औसाफे बशरी उसाफे, उसाफे खुदाबंदी से बदल जाते हैं तो अब उनको आम मखलूक में शुमार नहीं किया जाता मौजू खत्म किया जाता है तोहहीदी नजर वाले के दो किबले नहीं हो सकते मलायका की मस्जूद हजरत आदम्सम की मट्टी नहीं हो सकती बाज अक्स महज अक्सों के मुशाबे हैं और हकीकत में अक्स नहीं है बल्कि असल है उसको इस तरह समझो कि नहर में सेब के दरख्त का अक्स देखा हो और उसके सेबों से दामन भरा हो तो बाजार अक्स है लेकिन हकीकता वह दरख्त है तो आदम सलाम में भी दरअसल सिफात हक हाँ थी अगरचे बाजहर वो अक्स थे आदम को महज जिसम समझ कर अपनी जान को हलाक न कर इसलिए कि यह काम तो अंधों बहरों का था कि उन्होंने सिर्फ अम्बिया के जिसम देखकर उनकी तकजीब कर दी थी मा तूने नहीं फेंका जबकि फेंका से मालूम हुआ कि हजूर सल्लाम को हक ताला की ऐनीयत हासिल थी और आप सल्ला का दीदार अल्लाह का दीदार था आप सहमतमी इसीलिए कहा गया कि आप जिन्होंस के सरदार थे जिस दरीचे में धूब पड़ रही हो उसको देखना सूरज और दिन को देखना है किसी इंसान या दूसरी शय से फैज़ याफ्तः ना थे बल्कि दीगरम्बिया और औलिया रमतम ने आप सल्लास से फैज़ और नूर हासिल किया परूर एक बेकैफ खास रास्ता से पड़ा था ऐसे रास्ते से जिससे दूसरे अंबिया वाकिफ नहीं है आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत इस बिना पर थी कि नूर के लिए कोई माने भी आए तो हजूर सल्ला वसल्लम में जो नूर है वो खुद बखुद जोश मारता रहे अलिया रहमतल्लाम के लिए हिजाब बशरिया इस्तादा नूर से माने बन जाते हैं आम दरीचों में सूरज की रोशनी के मतैफ होने और शाश जहादज से पहुंचती है लेकिन हजूर सल्ला वसलम वो दरीचाँ हैं कि सूरज को उनसे उल्फत ख़ास है अब इस इतिहाद की वजह से जो उन सल्ला वसलम को ज़ा हक़ से हासिल है आप सी तनजी और तारीफ खुदा की तनजीह और तारीफ होगी अगर किसी तिबाक से खुद मेवा उग पड़े तो अगर उसको दरख्त कहें तो कोई ऐब नहीं जिस दिबाक और टोकरे में यह खसूसियात पैदा कर दी जाएं कि उसमें खुद बहुत फल उग पड़े तो उसे फलदार दरख्त समझो क्योंकि दरख्त और उस टोकरे में खास नस्बत मौजूद है तुझे जिस टोकरे को दरख्त समझ कर टोकरे के साय में बैठना चाहिए सूरत का एतबार नहीं है सीरत मोतबर है जिस रोटी को खाने से दस्त आने लगे उसको सुकमोनिया कहना चाहिए जिसकी खासियत दस्त लाना है मट्टी में अगर सुरमा की खासियत हो तो उसे कहेंगे जब सिफली अजसाह में अलवी अजराम का खासा पैदा हो जाए तो उनके साथ अलवी अजराम का सा मामला करना पड़ेगा के औसाफे बशरिया फना हो चुके थे बहरे तोहहीद में गोता लगाने से बशरी सिफ्त कहाँ रह सकती है तजल्ली ये खास थी कि आप सल्लाम की समा गई थी जब अल्लाह तला किसी बंदे से फना का तालिब होता है तो उसकी हस्ती को फना कर देता है अब फना के बाद उस एतबार से वादत और इतहाद हो जाता है कि बंदा आका में महव हो जाता है और यह मरतबा फनाफिस शेख का है फिर चूंकि शेख भी फनाफिल्ला है तो अब मुरीद मजीद तरक्की करके फनाफिल्ला का मरतबा हासिल कर लेता है अगर तू शेख को फानी फिल्ला नहीं समझेगा और उनमें दुई का कायल रहेगा तो मकसद और राह दोनों से हाथ धो तो बैठेगा तू उस शेख की सूरत से गुजर और एक किबला समझ दो न समझ महरूमी इस तरह होगी जैसे चकमाक से सोख्ता में आग लगे और कोई सोख्ता से कता नजर करके चकमाक की तरफ मतवजो हो जाए और सोख्ता जलकर खत्म हो जाए अब वो आग से महरूम हो जाएगा क्योंकि अब वो सोख्ता ही नहीं जिसके जरिए चकमाक से फायदा उठा सके जिल्द शशुम हकायत नंबर अठसठ दूबीनी के मुजर असरात के बारे में किस्सा किसी शहर के तमाम बशिंदे राफसी थे उमर नाम से चिड़ते थे जिस शख्स का नाम भी उमर होता उससे लेन देन न करते अगर तेरा नाम उमर है तो उस शहर वाले बहुत कीमत अदा करने पर भी रोटी ना देंगे अगर तू एक दुकान पर जाकर नाम उमर बताएगा तो वो तुझे किसी दूसरी दुकान पर बेच देगा कि वहां की रोटी अच्छी है ये शख्स अपने बहंगेपन से दुकानों को अलहदा अलहदा समझ रहा है हालांकि उमर नाम के हाथ रोटी फरोख्त न करने में वो एक हैं अगर मुसाफिर बहंगापन छोड़कर यह समझ लेता है कि सब दुकानें एक हैं और अपना नाम बजाय उम्र के अली बता देता तो ये तदबीर चल जाती और शहर का दुकानदार उस उम्र को अली समझकर रोटी दे देता दरअसल पहला दुकानदार दूसरे नानबाई को आवाज देकर कह देता कि उमर आ रहा है उसको रोटी दे दे लेकिन मकसद उसका यह होता है कि रोटी ना दे दूसरे नानबाई का बहंगापन यह है कि वो रोटी को अली की समझकर कर उमर को रोटी देने से इनकार कर देता हालांकि उमर और अली दो नहीं है बल्कि दोनों हकीकतन एक हैं जब तू एक दुकान से उमर बन गया तो अब सारे शहर में घूमता फिर तुझे रोटी नहीं मिलेगी अगर वो उन दुकानों को चंद दुकानें न समझता और शुरू में ही अपना नाम अली बताता तो फौरन रोटी मिल जाती उस मुसाफिर का बैंगापन जो मामूली था उसकी महरूमी का सबब बन गया तो वो बैंगा जो जुमला कायनात को मुस्तकिल मौजूद समझकर बैंगा बन रहा है उसकी महरूमी पर इसको कयास कर ले कि किस कदर होगी यह दुनिया भी वही शहर है जब तू बैंगापन नहीं छोड़ेगा तुम्हारा मारा फिरेगा जो कायनात को हकीकी मौजूद समझेगा वो कभी किसी तरफ मतवज्जो होगा कभी किसी तरफ अगर सही नजर हासिल हो गई तो सब मौजूदात को एक मौजूद हकीकी का साया समझेगा और सिर्फ उसकी तरफ तवज्जो करेगा और भलाई समझ कर मतवो होगा जा बजा मारे मारे फिरने से निजात पा जाएगा अब उन अलिया रहमतल्लाम का जो खुदाई अखलाक से आरास्ता हो गए हैं अल्लाह का मजहर होना साबित करते हैं कि जब तू कोई ऐसा अक्स देखे जो फल और फूल वाला दरख्त है उसको और अक्सों की तरह ना समझ अहलुल्लाह की सोहबत से सही नजर हासिल हो जाती है ये अक्स हैं लेकिन इन्हीं से मकसद हासिल होता है ये अहलुल्ला पानी नहीं कि उनमें अक्स नजर आए बल्कि ऐन हकीकत और बाग है हैं तू इस तरह दो का नखा जिस तरह बिल्कि ने गैर आप को आप समझ लिया अहलुल्ला को बाग की बजाय आप ना समझ लेना उनको और आवाम को एक नजर से ना देख मुख्तलिफ इंसान इस तरह है कि किसी पर लालो जवाहर लदे हुए हैं और किसी पर पत्थरों का बोझ है सब नहरों को एक जैसा ना समझ एक नहर में बीना चांद मौजूद है उसको अक्स न समझ इस नहर का पानी आब हयात है वो महज जानवरों के पीने का पानी नहीं है वो अक्स नहीं बल्कि ऐन हकीकत का वजूद होगा उस नहर में जो ऊपर है वही अंदर है तू जहां से फैज हासिल करेगा वो एक ही फैज होगा उस नहर से तेरे उखरवी और दुनियावी सब मकासद पूरे हो जाएंगे तुझमें और मकासद में कोई दूरी और जुदाई न रहेगी उस परदेसी के कर्ज का किस्सा तबरेज में मशहूर हो गया तो एक शख्स उसका हमदर्द बन गया उसने इसका कर्ज लोगों पर बांटकर जमा करने के लिए शहर का गश्त शुरू कर दिया और इस लालच से के लोग रहम खाकर उसको चंदा दे दें उसका सारा किस्सा बयान करना शुरू कर दिया उसे सिर्फ सौ दिनार चंदे में मिले इस कलील मकदार से परदेसी को मायूसी हुई तो वो उस शख्स का हाथ पकड़कर मुहतसेब की कब्र पर ले गया रास्ते में मददगार ने उसे कहा कि अगर किसी को किसी बाबरकत मेहमान की मेहमानदारी की तोफीक मयसर हो और वो उस मेहमान का पूरा एजाज़ करे तो ऐसे मेज़बान का शुक्रिया अदा करना खुदा का शुक्रिया अदा करना है क्योंकि अल्लाह ही ने इस मेज़बान को तोफीक अता फरमाई ऐसे मेज़बान की नाशुक्री अल्लाह की नाशुक्री होगी मोहतसिब ने तुझ पर एहसान किए हैं तो खुदा का शुक्र अदा कर और मोहतसिब का भी शुक्रगुजार बन माँ में अगरचे रहम का मादा अल्लाह ने पैदा किया है लेकिन फिर भी माँ की खिदमत फ़र्ज और मुनासिब है चूंकि हम आजूर सल्लासम के मोहताज है और वो अल्लाह की नियमतों का हमारे लिए वास्ता है इसलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमें उन सल्ला वसल्म पर दरूद भेजने का हुक्म दिया गया है अल्लाह क्यामत में बंदे से कहेगा मैंने तुझे नमतें दी थी तूने क्या किया वो कहेगा क्योंकि असल रोटी देने वाला तू था मैंने तेरा शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला फरमाएगा जब तूने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं किया तो गया मेरा भी शुक्रिया अदा ना किया जिस सखी के हाथ से मैंने तुझे रोटी दिलाई थी तूने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया तो उस पर जुल्म किया इसलिए मोहतसब की कब्र पर शुक्रिया के तौर पर दुआए मगफरत अदा कर कब्र के पास पहुंचकर शुक्रिया अदा करते हुए वो कहने लगा कि हमें रिस्क पहुंचाने का तुझे फिक्र लगा रहता था तेरा एहसान और नेकी इसी तरह आम थी जिस तरह तेरा दस्तरखान लोगों के लिए खुला हुआ था कभी किसी साहिल को देखकर तेरी पेशानी पर गिरा नहीं पड़ी थी मेरा और मुझ जैसे हजारों का तू औलाद की तरह ख्याल रखता था तमाम नेमतें अल्लाह की तरफ से थी लेकिन तू उनका वास्ता और जरिया था और हम में और अल्लाह में राबिता पैदा कर देता था आज सिर्फ तू नहीं मरा है बल्कि सारे फ़ायदे मर गए तू सखावत में सैकड़ों हातिमों की तरह था हातिम तो सिर्फ दुनियावी नेमतें अता करता था जो फानी थीं तेरी जिंदगी तेरी अता जिंदगी है यानी रूहानी अतियात और जहरी अतियात भी खरे और बेशुमार हैं तेरी इन फजीलतों में तेरा कोई कायम मुकाम नहीं है तू मखलूक को इस तरह महफूज रखता था जैसे हज़रत मूसा अपनी बकरियों को जिल्दशशुम शशम नंबर उनहत्तर हजरत मूसा और भागने वाली बकरी का किस्सा एक बकरी हजरत मूसा से भाग गई वो उसकी तलाश में दौड़े और थक गए बकरी भी थक कर सुस्त हो गई तो हज़रत मूसा ने उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन झाड़ी और माँ की तरह शफकत से हाथ फेरने लगे बकरी की उस हरकत से उन्हें जर्रा बर गुस्सा ना आया वो फरमाने लगे कि अगर तुझे मेरे बाग ने दौड़ने पर रहम ना आया तो ना सही तूने अपने आप पर तो रहम किया होता हजरत मूसा सलाम की ये बातें सुनकर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि भूसा सलाम जैसा बुरदुबार नबूवत के लायक है बकरियां चराने वाले में बहुत बुरदुबारी पैदा हो जाती है इसीलिए तमाम नबियों ने बकरियां चराईं हज़ूर सल्ला वसलम ने फरमाया मैं भी मक्का वालों की बकरियां चराता रहा हूँ जो कोई भी हज़रत मूसीम और दूसरे नबियों की तरह मखलूक के खुदा की चौपानी करेगा और अपनी अकलो तदबीर से उनकी देखभाल करेगा अल्लाह उसको चौपानी का रूहानी मुकाम अनायत फरमा देता है मुसाफिर कहता रहा कि मुझे यकीन है कि खुदा ने तुझे भी दायमी सरदारी बख्श दी है मैंने तेरी अता के भरोसे पर कर्ज लिए और बेपरवाही से लेता रहा तो नौ हज़ार कर्ज कर लिया है अब तू कहाँ है कि मेरे मुकदर ऐश को साफ कर दे अब तू कहाँ है कि मुझे नेमतें अता करे मैं कहूं कि ये अता मेरे लिए काफी है और तू कहे कि मेरी खातिर और ले ले मेरी समझ में नहीं आता कि तू जैसा आसमान जमीन में कैसे समा गया लेकिन यह मेरी गलती है कि मैं तुझे जेर जमीन समझ रहा हूं तू जिंदगी में भी मलाय आला में था और अब भी वहां ही है तू दरअसल रूह था जो मलाय आला की चीज है और जिसम जो ज़मीन पर है वो तो उस रूह का साया है जिसम साया इस तरह है कि कल्ब रूह है और रूह की दो किस्में हैं एक रूह है सिराजी, जो रूह अजीम है और वो तमाम अरवाह का मम्बा है दूसरी रूह जुजाजी जो हर शख्स में जुदा है और उसका ताल्लुक हर शख्स से रूह हवानी के जरिए है जिसम रूह हवानी से इस्ता करता है और वो रूह जुजाजी के ताब्या है और रूह जुजाजी रूह सराजी के ताब्या है तो जिस्म रूह सिराजी के साया के साया का साया हुआ इसलिए जिस्म को वो रुतवा कहाँ मिल सकता है जो रूह को हासिल है नींद की हालत में जिस्म लिहाफ में सोया हुआ होता है और रूह मुजरदात की सैर करती है रूह को अल्लाह ने अमर रब्बी कहकर मखफी रखा है तो वो किसी भी मिसाल के जरिए नहीं समझाई जा सकती अ मुसाफिर तू कहता है कि मोहतसिब कहाँ है तो सुन ले कि वो ऐसी जगह है जहां हक ताला की सिफात हैं यानी उसको अल्लाह तला की मैयत हासिल है वो वही है जहां उसका ख्याल हर वक्त लगा रहता था जब हवा के रुक जाने से खेती और किश्ती को नुकसान पहुंचता है तो अल्लाह तला की तरफ रजू किया जाता है जब इंसान जिक्र करता है तो उसका कलब अल्लाह की तरफ इशारे करता है उसको अब अल्लाह की मैयत हासिल हो गई है उसके मुतल ये नहीं कहा जा सकता कि तू कहाँ है क्योंकि वो मुकाम लामकान है अगर हम में अकल हो तो हम देख सकते हैं कि को मगरब में अहलुल्ला की रूह में सैकड़ों किस्म की तजल्लियाँ वारिद हो रही है अहलुल्ला की रूह को वफात के बाद बैयत हक हासिल हो जाती है ज़िंदगी में रूह जिसम की जाग में थी उसमें कुर्ब इलाही के अतबार से गटाओ बढ़ाओ था जब वफात हो गई तो गटाओ ख़त्म हो गया सिर्फ बढ़ाओ रह गया उस मकरूज ने कहा मुझ पर नौ हजार कर्ज है जो मेरी दस्तरस से बाहर है अल्लाह ने तुझे आलम बाला की जानब खींच लिया है मैं अब कशमकश में हूं और वापस जा रहा हूं कुछ रूहानी तवज्जो डालते वही जमीन जमीनों आसमान है लेकिन तेरे जाने के बाद उसमें रौनक और सखावत नहीं है तू खुदा के पास पहुंच गया है मुझे भी पहुंचना है लेकिन हम जिंदगी में भी तो उसी के तसरुफ में हैं उसका तसरफ है कि इंसान के दिल में हर वक्त ख्याल आते जाते रहते हैं किसी वक्त वो इंसान में गुस्सा पैदा फरमाता है कभी खुशी कभी बुखल कभी सखावत पैदा फरमाता है कीना खलूस कम हिम्मती और हिम्मत की अता सब उसी के तसरुफात हैं लकड़ी बढ़ई के तसरुफ में है तो कपड़ा दर्जी के तसरफ में मश्क पर सक्के का तसरफ है साने की सनत को तो खुद अपनी चश्मे बसीरत से देख उस आंख से ना देख जिसके पास ना दलाइले अकलियां हों और ना दलाइले नकलिया तुझे खुदा ने काम दिए हैं तो उनसे सुन दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना कर जिल्दशशुम शशुम हिकायत नंबर सत्तर ख्वारिजम शाह का नादिर कोड़े को देखना और अमादुल मुल्क की अकलमंदी अगर बर्दा फरोश दलाल की जुबान हासिल हो तो गुलाम बेवकत हो जाता है हकीम सनाई रजम शाह बादशाह को अचानक एक घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद आ गया यह घोड़ा उसके एक सरदार का था घोड़ा बादशाह को बहुत सी सिफात का हामिल नजर आया शाह हैरान हुआ कि यह घोड़ा कैसा उमदा है कि उसने इसका दिल खींच लिया घोड़े के ख्याल को दूर करने के लिए उसने बहुत तदबीरें की लेकिन बेसूद अगर अल्लाह ताला गैर को हसीन करके दिखा देता है तो ये उसका मुलम्मा है और अगर गैर को बुरा करके दिखाता है तो ये उसकी तंबी है शाह को यकीन हो गया कि घोड़े की जानब ये कशश मिनी जाने अल्लाह है अल्लाह जब अपने किसी गैर को हसीन बनाता है तो उसकी ये सूरत होती है कि इंसान घोड़े और बैल के बुत पूजने लगता है वो काफिर उस बुत को अधीमालमिजाल समझने लगता है हालांकि ना वो जानदार है ना उसमें कोई शानो शौकत है इंसान के लिए कशिश वाली चीज मखफी दर मखफी है और आलम गैब से आकर इंसान को मुतासर करती है उसको ना अकल समझती है ना रू ये कुदरत का राज है जिस पर बहस नहीं की जा सकती जब बादशाह वापिस आया तो अपने खवास से मशवरा किया और सिपाहियों को भेजा कि सरदार का गोड़ा जबरन ले आए वो सरदार भी तगड़ा था लेकिन बादशाह के सिपाहियों के सामने बेबस था घोड़ा सरदार को भी बहुत पसंद था वो बहुत परेशान हो गया उसने सोचा कि इस मुसीबत से सिर्फ मुल्क ही निजात निजातला सकता है ख्वारजम शाह मुल्क की बहुत इज्जत करता था और उसके कहने को कभी नहीं डालता था वो अमीर था लेकिन अपने आप को ग़रीबों में शुमार करता था और उनकी मदद करता था बुरों की बुराई को अल्लाह ताला की बुरदुबारी की तरह छुपाता था अगर वो एक वक्त में सौ सिफारिशें भी करता तो बादशाह उसको बात डालने में शर्म महसूस करता सरदार नंगे सर मुल्क के पास आया और कहा कि बादशाह और जो कुछ चाहे ले ले मेरा घोड़ा वापस दे दे इमादुल मुल्क बादशाह के पास आया और खड़ा होकर खामोश अल्लाह से राजो नयाज करने लगा वो कह रहा था एल्लाह अगरचे इस सरदार की गलती है कि तुझे छोड़कर वो मेरे पास बना लेने आया तू इसकी खता पर गिरफ्त ना कर और अपनी शान के मुताबिक इसके साथ मामला कर किसी कैदी के जरिए कैद से निजात चाहना बेवकूफ़ी है अक्सर इंसान चमगादर सिफ्त हैं मुसब्बुलसबाब से नजर हटाकर असबाब से ताल्लुक़ पैदा करने की कोशिश करते हैं हालांकि यह समझना चाहिए कि असबाब के जरिए जो कुछ हासिल होता है वो भी तेरी ही देन है तो काफरों को भी रिस्क पहुंचाता है असबाब के पीछे भागने वाले भी तेरे सहारे ही मकासद हासिल करते हैं अवाम तो अगर असबाब पर नजर रखें तो काबिल मुआफी हैं लेकिन खवास का ये जुर्म है इसीलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद जेलखाना में रखा गया क्योंकि उन्होंने अपनी रहाई की उम्मीद एक दूसरे कैदी से वाबस्ता कर ली थी दुनिया के लोगों से मदद चाहना कैदी से रहाई चाहने की तरह है इंसान को मरने पर दुनिया के कैद खाना से निजात मिलती है अवाम तो अंधे हैं और दूसरों से मदद चाहते हैं वो मुरदे अताप नहीं हैं लेकिन नेकों की नेकियां बारगाह के मुकर्रबों की बुराइयां होती हैं वो बात जो नेकों को भलाई दिलाने का मौजब है अगर मुकर्रबे बारगाह गाह करे तो गिरफ्त हो जाती है हजरत यूसफराम बहरहाल महबूब खुदा थे इसलिए सजा में भी उनको राहत अता कर दी गई कैद की हालत में उन पर वो तजल्लियात थी जिनसे उन्हें ना तो कैद खाना बुरा लगता था और ना कोई और तकलीफ महसूस होती थी इस पर तजुब न करो माँ के रहम से ज्यादा तारीख और तकलीफ दे कैद खाना कौन सा होगा लेकिन अल्लाह इस कैद खाने का दरीचा अपनी तरफ खोल देता है और बच्चा किस कदर खुश खुरम रहकर बढ़ता है वहीं उसके हवास के फूल खिलते हैं और वहां से निकलना पसंद नहीं करता लज्जत का मदार खारजी असबाब पर नहीं है सुकून कल्ब पर है दौलत और शान और शौकत में लज्जत की तलाश बेवकूफ़ी है जिसे अल्लाह कल भी सुकून अता फरमा देता है उसे मस्जिद के कोने में मस्त रखता है वरना चमन में भी ंजीता होता है तू अपने जिस्म की इमारत को मुजाहिदों से तबाह कर दे ताकि उस खंडर में से तुझे खजाना मिल जाए जिस तरह इंसान जाग की वजह से असल पानी के नज़ारे से महरूम रहता है इसी तरह इस जिस्म के नक्शो नगार की वजह से रूह के ख़जाने के लुफ्फ से महरूम ही है इंसान का बदन रूह के खजाने का पर्दा है असबाब के होते हुए असबाब पर तवक्कुल हमारी हमाकत है तू अपनी रहमत से इन असबाब परस्तों को अपनी तरफ मतवो कर ले ताकि तुझ पर भरोसा करें जिसका घोड़ा शाह ने छीना है उसने मेरा सहारा ढूंढ कर गलती की है अबादुल मुल्क का जिस्म शाह के सामने था लेकिन रूह मनाजात में मशगूल थी और अल्लाह से मुकालमा में मसरूफ थी इस हम कलामी की मस्ती से उसके बातर में सुरूर था और जिस्म मजलूम सरदार की वजह से गमगीन था इस तंग जैसे जिस्म में एक आलिम मुसरत था अमादुल मुल्क ने जब उस घोड़े को देखा तो वाकई बेनज़ीर था वो चांद की तरह तेज रो था जब हजूर सल्लाह वसलम से कम दर्जा चांद की ये रफ्तार आंखों ने देखी है तो उन सल्लाह वसलम की सर मराज पर क्या शुबा हो सकता है उन्होंने तो उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दिया ये ताजुब खेज मुआवजा इसलिए दिखाया गया क्योंकि हमारा जयफ़ एहसास इसी का इदराक कर सकता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वो अजायब हैं जो हमारे एहसास वदराक में नहीं समा सकते तो इस मादी दुनिया से निकल फिर तो अंबिया के मौजों का अजीब व गरीब नजारा कर सकेगा इस मादी दुनिया में रहते हुए तेरी मिसाल अंडे में बंद चूजे किसी है जो फिजा के परिंदों की तस्बीह नहीं सुन सकता अल्लाह की मेहरबानी का सूरज जिस पर चमक जाता है वो कुत्ता हो या घोड़ा उसमें असहाब कहफ की शान पैदा हो जाती है लाल अपनी चमक से खजाना बन जाता है और पत्थर में ज्यादा गर्मी और तपश पैदा होती है सूरज की रोशनी कबूल करने में दीवार और पानी की सतह अगर वो मुतहरिक हो तो बराबर नहीं है घोड़े के हुसन पर शाह थोड़ी देर हैरान रहा फिर अमादुल मुल्क ने जवाब दिया कि आपकी पसंदीदगी से तो शैतान भी फरिश्ता बन जाता है घोड़े में और तो बहुत सी खूबियां हैं लेकिन उसका सर बैल का सा मालूम होता है चूंकि अमादुल मुल्क की गर्ज घोड़े को बुरा कहने से वाबस्ता थी इसलिए उसे बुरा कहा और उसकी वकत गिर गई जैसे हजरत अलैहिस्सलाम को खरीदारों ने मामूली कीमत पर ख़रीद लिया था मौत की परेशानी की हालत में शैतान ईमान को इस कदर हकीर करके दिखाता है कि बेवकूफ आदमी उसको एक लोटे पानी के इवज़ फरोख्त कर देता है शैतान का मकसद तो ईमान को बर्बाद करना होता है इसमें हैरानी की कोई बात नहीं इंसान जिंदगी में भी मामूली नफा के ख्याल पर झूठ बोल देता है मामूली नफा के इवज़ सच्चाई को फरोख्त करना ऐसा ही है जैसा बेअकल बच्चा एक कीमती मोती के इवज़ चंद अखरोट खरीद लेता है दुनिया में तो इंसान इतना मजबूर भी नहीं होता मौत के वक़्त तो उसको प्यास लगी होगी ये ख्याल जिसकी वजह से इंसान सच्चाई को फरोख्त करता है एक सड़ा हुआ अखरोट है अगर इंसान इब्तः में ही अंजाम को मद्देनजर रखे तो फरेब से बच जाता है यह दुनिया का नफा एक बोसीदा अखरूट है ये अल्लाह और रसूल वसल्लम के फरमान से वाजे है इसे आजमाने की भी जरूरत नहीं बादशाह ने उस घोड़े के मौजूदा हुसन पर नजर की और मुल्क ने उसके अंजाम पर कि इस तरह घोड़े के छीनने से कितना बड़ा जुल्म होगा और अंजाम क्या होगा अल्लाह जिसको बसीरत अता फरमा देता है ऐसा तो सुरमा है कि सौ पर्दों में से भी चीज को दिखा देता है हजूर सल्लाह वसलम ने दुनिया को जो मुर्दार कहा है तो वो अंजाम के अतबार से कहा है मुल्क की आंख और बात को तरजीह थी चूंकि मुल्क ने न्यासबंदी से दुआ की थी कि शाह जुल्म करने से बच जाए अल्लाह ने उसे मंजूर कर लिया शाह के घोड़े को नापसंद करने का असल सबब अल्लाह तला है इसलिए कि उसने असल दरवाजा जो घोड़े के हुसन को देखने का था शाह के लिए बंद कर दिया मुल्क तो उसकी सिर्फ ज़ाहरी अलामत था मकान की चीजें दरवाजा बंद होने से छुप जाती हैं जिस शख्स ने दरवाजा ना देखा हो वो दरवाजा बंद होने की आवाज को चीजों के छुपने का सबब समझेगा अमादुलमल्क की बात को अल्ला ने शाह की नज़र का पर्दा बना दिया इंसान की बात के नतज आलम आखिरत में नमूदार होते हैं तो अपनी आवाज को दरवाज़ा की आवाज़ समझ पहचान कि इस आवाज से दरवाज़ा खुला है या बंद हुआ है इंसानों को दरवाजे की आवाज जो खुद उनकी गुफ्तु है महसूस होती है वह जिस दरवाजे के खुलने और बंद होने की आवाज़ है वो दरवाजा नजर नहीं आता वो आलम में गैप में है इंसान कोई दनाई की अच्छी बात करता है तो जन्नत की तरफ दरवाज़ा खुलता है बुरे कलमे की आवाज़ दो की तरफ दर खोलती है जब तुझे दरवाज़ा नजर नहीं आता तो उसकी आवाज़ सुन ले और उसके जरिए दरवाजे को समझ ले जब इंसान कोई नेकी करता है तो उसका महल जन्नत में तैयार होता है जब गुनाह करता है तो जन्नत की नेमतों से महरूम हो जाता है दुनिया की फानी नेमतों को अपनी चश्मे बसीरत से देख दुनियादारों की बात का एतबार ना कर ये तो गिद्ध हैं जो तुझे मुर्दार की तरफ ले जाते हैं अल्लाह ने तुझे चश्मे बसीरत अता फरमाई है तू तकल्लुफ से अंदा ना बन देख ले जिसको तू अपना रहबर बना रहा है वो दुनियादार तुझसे ज्यादा अंधा है अल्लाह की रस्सी को थाम अल्लाह की रस्सी ख्वाहिश नफ्स को तर्क करना है कौमियात इस ख्वाहिश नफ्स की वजह से तबाह हुई और उन पर आंधी का अजाब आया हर जानदार नफसानी ख्वाहिश ही की वजह से मुसीबत में गिरफ्तार होता है मछली अगर चारे का लालच ना करे तो कभी कांटे में ना फंसे आखिरत का कोतवाल तो तुम्हारे इंतजार में है रूह के लिए भी अजाब के आलात हैं जो मरने के बाद नजर आएंगे जब तो आलमी आखिरत की वसुतों में पहुंचेगा तो इस दुनिया का शिकंजा होना समझेगा इसलिए जिद को देखकर उसकी जिद पूरी तरह समझ आती है तो नफसानी ख्वाहिशात को तरक् कर दे तो आखिरत की नीमतों का लुत्फ महसूस करने लगेगा बादशाह को जब एहसास हुआ कि इस सरदार से गोड़ा छीनना जुल्म है तो वापस कर दिया इंसानी जिसम एक आलिम है जिस तरह सारी कायनात असमाय इलाही का मजहर है इसी तरह तनहा इंसान उन सब का मजहर है हक हाँ ताला के तसरफात इंसानी जिसम पर बसूरत बस्त तारी होते हैं और इस कबज से कभी वो अच्छे को बुरा दिखा देता है और बसत के जरिए बुरे को अच्छा दिखा देता है इसलिए हजूर सल्लास ने दुआ फरमाई कि ए अल्लाह मुझे अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा दिखा ये दुआ इसलिए है कि जिंदगी का वर्क पलटने के बाद शर्मिंदगी ना हो मगर शाह के दिल से घोड़े की मोहब्बत दूर करने के लिए अल्लाह ने यह तदबीर की भलाई के लिए हीला करना भला है और बुराई के लिए हीला करना बुरा है इंसान को अपनी किसी तदबीर पर मगरूर नहीं होना चाहिए क्योंकि इन तदबीरों का चश्मा अल्लाह की तदबीर है इंसान का कलब अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है वो जिस तरफ चाहता है उसे फेर देता है जो ज़ात तुझे यह हीला और तदबीर सिखा देती है वो उसे और तेरे इल्म को ज़ाया भी कर सकती है जिल शशुम हकायत नंबर इकहत्तर मददगार और कर्जदार पर परदेसी का बकिया हिस्सा वो मददगार उस परदेसी को अपने घर ले गया और सौ दिनार की मोहर जदा थैली उसे दे दी परदेसी को खाना खिलाया और बातें करके उसका काम हल्का किया देर तक बातें करते रहे और फिर सो गए सोने की हालत में मददगार ने मोहतसिब को ख्वाफ में देखा कि एक मकान की सदर जगह पर बैठा है उसने मददगार से कहा इस परदेसी ने मेरी कब्र पर जो बातें की वो मैंने सब सुनी है मुर्दा सब बातें सुनता है लेकिन जवाब नहीं दे सकता मुर्दों को बोलने की इसलिए इजाजत नहीं होती क्योंकि वो वाकिफ हो चुके होते हैं और अगर बोलें तो आलम गैब के असरार खुल जाएंगे और निज़ाम आलिम दरहम बरहम हो जाएगा निज़ाम आलिम इंसान की गफलत के पर्दों में चल रहा है राज खुलने से तरक अमल हो जाएगा हकीकत खुल जाने से गलत दावा नहीं हो सकता दीदनी चीज जो अनदेखी बनी हुई है वो इस गफलत के पर्दे की वजह से है मोहत से फिर बोला अगरचे हमारे कान खत्म हो चुके हैं लेकिन अब हम हमतन कान हैं हम बगैर जुबान के मुजस्मे गोयाई हैं लेकिन बोलने की इजाज़त नहीं है हम बगैर आंख के देखते भी हैं हम बगैर अबर वब्बार का सूरज हैं जिसका इदराक बहुत कवी है हम हेच हैं लेकिन कुर्ब के एतबार से हमें ज़ाते हक से इतहाद है अब हमारी जात गुनाहों की कुदूरत से पाक हो चुकी है और हमें माफी की हालत में दवामी जिंदगी हासिल हो गई है हमने जो अमल दुनिया में किया है अब उसके नतयज देख लिए हैं ये दुनिया काश्त का वक़्त है जब काश्तकार खेती काटता है तो उसके जमीन में छुपाए हुए बीज का नतीजा जाहिर होता है आखिरत उसकी मिसाल है उसने मददगार से कहा कि मैंने इस परदेसी के कर्ज अदा करने के लिए बहुत समाल फला जगह रख दिया है मेरे वारसों से कहो कि इसे दे दें और उसमें से खुद कुछ न लें जिल्दशशुम शशुम नंबर बहत्तर मोहतसिब का मददगार को कर्ज की अदायगी के तरीके बताना मोहतसिब ने कहा कि मैं समझ गया था कि यह परदेसी मक्रूज होकर मेरे पास जरूर आएगा मैंने इसके लिए दो तीन जवाहर बांध कर रख दिए थे ये गौहर इस कदर कीमती हैं कि इसका कर्ज अदा हो सकता है और कुछ बच भी रहेगा कर्ज अदा करने के बाद जो कुछ भी बचे वो भी वही इस्तेमाल करे और मुझे दुआए खैर में याद रखे ताकि किसी को पता ना चले और वो शर्मिंदा ना हो लेकिन मुझे मौत ने यह मौका ना दिया वो जवाहर एक प्याले में रखे हैं और प्याले पर मैंने उसका नाम लिख दिया है इस प्याले को फलां ताक में दफन कर दिया है ये जवाहर बहुत कीमती हैं कोई धोखा देकर उन्हें सस्ता ना खरीद ले मेरे वारिसों से यह भी कह देना कि परदेसी को माल मिलने से घबरा ना चाहे और उनको मेरा सलाम भी देना अगर परदेसी ये कहे कि इस कदर माल की मुझे जरूरत नहीं है तो वो लेकर किसी और को देकर सवाब हासिल कर ले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतिया देकर वापस लेने वाले को कुत्ते की मिसल कहा है जो कह करके चाटता है अगर वो अतिया कबूल ना करे और दरवाजा बंद कर ले तो उसके दरवाजे पर डाल देना ताकि गुजरने वाला उसे उठा कर ले जाए उसे चाहिए कि ये अतिया लेने से इनकार न करे क्योंकि मुखलिस का हदिया वापस करना बुरा होता है मैंने दो साल से ये माल उसके लिए रख छोड़ा है और खुदा से उसको देने की मन्नत मान रखी है मेरे वारसों को समझा देना कि अगर उन्होंने इस रकम में से कुछ लिया तो जितना लेंगे उसका बीस गुना उनको नुकसान पहुंच जाएगा मोहतसिब ने मददगार से दो और बातें भी कही और वो राज हैं बयान नहीं की जा सकती एक तो राज होने की वजह से मैं बयान ना करूंगा और दूसरे ये ख्याल भी है कि मसलमी बहुत तवील हो जाएगी वो मददगार नींद से खुश होकर उठा कभी मोहतसिब की वफात पर रोने लगता था रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका था वो मददगार मस्ती और बेखुदी की हालत में मोतसिब के औसाफ गिनाता गिनाता बेहोश हो गया लोग उसके चारों तरफ जमा हो गए वो मस्ती में था उस नींद की हालत में उसे बहुत सी आली मजामीन सिखाए गए थे ख्वाब में वो बातें मलूम हुई जो बेदारी में भी मलूम नहीं थीं जो इंसान बेदिल यानी आशिक खुदा हो जाता है वो हक का भी दिलदार हो जाता है इस पर ताज्जुब न करो कायनात में मुशाहिदा कर लो अल्लाह की कुदरत ने एक जिद को दूसरी जिद में मख्फी कर दिया है गर्म पानी में आग पोशीदा है जिसके अजसा से पानी गर्म है नमरूद की आग में हज़रत इब्राहिम के लिए चमन पोशीदा था अल्लाह की राह में खर्च करने से माल में इजाफा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखावत को नफा फरमाया है खैरात अल्लाह से राबता पैदा कर देती है तो माल में बरकत हो जाती है जक़ात देने से बरकत होती है नमाज की नेकी बदी से बिचाती है नमाज शैतान से तेरी मुहाफिज है दरख्त की शाखों और पत्तों में मेवा पोशीदा है इस आलम की हर चीज अदम से वजूद में आती है हजरत आदम सलाम साजिद होकर मसजूद मलायका बने जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो अजाब की सैकड़ों मुसीबतों से महफूज रहते हैं शैतान ने हजरत आदम सलाम के ज़ाहरी जिस्म को देखा और उनके बातनी उह पर नजर न की जल्द शशुम हकायत नंबर तिहत्तर एक बादशाह की हकायत अपने तीन बेटों को उसने वसीयत की कि सब जगह जाओ मगर फला किला में न जाना एक बादशाह था जिसके तीन बेटे थे तीनों समझदार और साहिब नजर थे वो शाह की आंखों की ठंडक थे खुशी में आंख ठंडी होती है और रंज में गर्म आंसू बहते हैं मखफी तौर पर औलाद माँ बाप के बदन के चमन को सैराब करती है औलाद की आंखों से मखफी चश्मे जारी हैं जो वालदान के जिसम के बागीचे को पानी देते हैं इसलिए जब औलाद बीमार होती है और चश्मा में कमजोरी आ जाती है तो माँ बाप का जिस्म सूखने लगता है जिस तरह वालदे औलाद के मखफी चश्मों से शराब होते हैं इसी तरह इंसान की जान मखफी चश्मों से शराबी हासिल करती है इंसानी जिसम की तरकीब आलम के बहुत से मादों से हुई है इंसान को ये समझना चाहिए कि वह अज्जा जो उसके जिसम ने हासिल किए हैं क्या उनको वापस लौटाना नहीं है ये चुराए हुए अज्जा हमेशा रहने वाले नहीं है ये चोरी ही मौत का सबब है मांगी हुई चीज़ वापस करनी पड़ती है तो बदन ने अज्जा को भी वापस देना है रूह का अतिया अल्लाह की जानब से है जो मुस्तकिल और बाकी है चूंकि रूह अतिया खुदावंती है और बाकी रहने वाली है और बदन के अज्जा मांगे हुए हैं इसलिए इंसान के जिस्म के चश्मों से ज्यादा रूह के चश्मों को हासिल करना चाहिए सिर्फ आरफ बिल्ला लोग ही जिसम के चश्मों से फैज याब होने से ज्यादा रूह के चश्मों से फैज़ हासिल करने की तरफ तवज्जो देते हैं इसलिए वो दुनिया से बचते हैं क्योंकि ये दारुल गुरूर है जो नहर रूह को सिराब करती है वो अलूम की असल है वो हासिल कर लेगा तो तू फिर हवा से जाहिरा के मामल से बेनियाज हो जाएगा जो चश्मा घर में हो वो बाहर की नहर से बाहर होता है तू बैरूनी चश्मों से लुत्फ़ हासिल करता है अगर उनमें से किसी में भी कमी आ जाए तो तेरी खुशी नाकिस हो जाती है जब तेरे अंदर खुशी का मंबा हो तो फिर बैरूनी इस्बाब की जरूरत नहीं रहती जिस किला में बाहर से पानी आए तो अमन की हालत में तो खूब आता रहता है लेकिन जब बाहर दुश्मन मुहासरा कर लेता है तो नहर बंद कर देता है तो फिर तेरी हालत तबाह हो जाती है मुहारा के बाद फिर तेरी ये हालत होती है कि तू अंदरूनी खारे पानी के कुएं को उस नहर से बेहतर समझता है जो बाहर से आती थी मौत जब लज्जत के सब दरूनी जराए ख़त्म कर देती है तो अब ख़ारजी बाहर से तुझे कोई नफा न होगा सिर्फ वो बहार से लज्जत होगी जो रुए यार से तुझे हासिल हो हर गजना आन का दिलश जिंदा शुद्ध बाइश्क सबत अस्थ बर जरीदा आलम दवाम माँ जिसका दिल इश्क की जिंदगी हासिल कर लेता है वो कभी नहीं मरता ये बात जमाना जानता है कि मैं हमेशा के लिए है हाफिज़ रहमतुल्ल तालै चूंकि दुनियावी जराए तेरे काम के नहीं रहते इसलिए दुनिया को धोखे का घर कहा गया है ये दुनिया मरते वक्त तेरा साथ नहीं देती अपना कदम पीछे हटा लेती है दुनियावी यार तेरे दाएं बाएं फिरता है और दावे करता था कि तेरा दुख दर्द उठा लूंगा लेकिन उसने कुछ ना उठाया मौत के सिपाही आते हैं तो वो जान पहचान भी बोल जाता है अल्लाह ने शैतान की यह हालत बयान की है कहता है कि तुझे हीला तदबीर से हर मुसीबत से निजात दिला दूंगा तू फिक्र ना कर और इसी तरह इंसान को धोखे देकर कुफर पर अमादा कर लेता है इंसान जब तबाही के गड़े में गिर जाता है तो उसकी हालत पर कह कहे लगाता है जब इंसान उसे मदद के लिए बुलाता है तो बेजारी का इजहार कर देता है और कहता है कि तू खुदा से ना डर लेकिन मैं तो उससे डरता हूं मैं तेरा साथ नहीं दे सकता इंसान कहेगा कि शैतान ने मुझे धोखा दिया तो अल्लाह फरमाएगा हमने तुम्हें पहले से उससे खबरदार कर दिया था तूने इसका कहना क्यों माना अगर तूने उसका कहना माना तो फिर तोबा भी तो ना की और तोबा करके नेक काम करता तो अच्छा रहता गुनाहगार जब नदामत के आंसू रोता है तो अर्श इस तरह से कामता है जिस तरह माँ बच्चे के रोने से कामती है माँ रोते हुए बच्चे को गोद में ले लेती है इसी तरह अर्श रोने वाले गुनाहगार को ऊपर उठा लेता है और तसली देता है और कहता है कि तुझ पर रब्बे गफूर ने रहम कर दिया और तो उसकी मेहरबानी के बगीचा में पहुंच गया है जब हजरत हक अपने महबूब सल्लाम के लिए वास्तव को पसंद नहीं करता तो बगैर असबाब के रिज पहुंचाता है और महबूब भी असबाब को तर्क करके दरिया की तरफ मतवजो हो जाता है जिल्द शशुम हिकायत नंबर चौहत्तर तीनों शहजादों का बाप के मुल्क से रवाना होना और शाह का वसीयत को दोहराना के होश उड़ाने वाले किले में ना जाना तीनों शहजादों ने मुल्क इंतजाम करके सफर का इरादा कर लिया बादशाह ने कहा कि जिस तरफ दिल चाहे जाओ मगर किला होशरुबा की तरफ ना जाना क्योंकि उसमें तस्वीरें हैं जो इंसान के होश गुम कर देती हैं बहुत से बादशाह उस तस्वीर को देखकर जिसकी वो तस्वीर है उस पर आशिक होकर परेशान हुए हैं ये तस्वीरें उसी तरह की हैं जैसे जुलेखा ने हजरत यूसफ असल्लाम को फांसने के लिए कमरों में बनवाई थी लेकिन वो जुलैखा को आंख उठाकर भी ना देखते थे वो इफ्फत की वजह से उस पर नजर न डालते थे रोशन आंखों वालों के लिए अल्लाह ने हर तरफ को अपने दलाइल का मजहर बनाया है बरगे दरख्तान सब्ज दर नज़र होशियार हर वर्क दफ्तरी मारफत किरदगार, हजरत हाफिज रमतल तल के पत्तों को भी होशियारी से देख कि कैसे बने हैं और क्या करते हैं इनसे भी इंसान को अल्लाह की मार्फत के अनगिनत निशान मिलेंगे जब आरफीन कायनात में कमाली कुदरत का मुशाहिदा करते हैं तो उनकी मार्फत में इजाफा होता है उन लोगों के लिए अल्लाह ने फरमाया है जिस तरफ तुम रुख करोगे तुम्हें हमारा जलवा नजर आएगा आरिफ तो पानी के कटोरे में भी हक ताला को देखते हैं गैर आरिफ पानी के कटोरे में अपनी सूरत देखता है लेकिन आरिफ अपनी ज़ात को फना करके हक ही का हो जाता है तो जो कुछ कटोरे में नजर आता है वो उसके चेहरे का अक्स नहीं होता बल्कि हक ताला का अक्स होता है हसीन हूर का दीदार भी उनका मकसूद नहीं बल्कि उसमें भी हुसन हक का मुशाहिदा करते हैं जो कि पानी में मौजूद है आरिफ चूंकि महबूब हक है इसलिए अल्लाह की गैरत का तकाजा है कि वो किसी गैर पर नजर ना करे शैतान और जानवर भी पानी में अपना चेहरा देखते हैं लेकिन वह गैरत हक आड़े नहीं आती कि वो अपने चेहरे के बजाय अल्लाह का चेहरा देखें शैतान सिफ्त अगर तोबा करके आशे के हक बन जाता है तो उसके साथ भी यही मामला होता है हज़ूर सल्ला वसलम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी मदद की तो मेरा शैतान मुसलमान हो गया शैतान भी अगर तोबा कर ले तो आरिफ बन जाता है और यजीद जैसा जालिम ालिम यजीद बस्तानी बन सकता है बादशाह ने कहा कि कहीं हवस तुम्हें किलाए होशरुबा की तरफ खींच कर ना ले जाए वरना अबदी बदबख्ती में मुबिला हो जाओगे बेगरज बात मुखलिस होती है जिस तरह खुशी की जस्तजू ज़रूरी है इसी तरह मुसीबत से परहेज़ करना भी जरूरी है अगर बादशाह शहजा को नसीहत ना करता और किला में जाने से ना रोकता तो उनका इस किले की तरफ जाने का मिलान ना होता और वो वहां ना जाते चूंकि वो कोई मशहूर किला ना था उनको वहां जाने का ख्याल भी ना आता अब उनके दिल में उसका राज मालूम करने की ख्वाहिश पैदा हुई ऐसे लोग कम हैं जो ममनुआ चीज से रुकें क्योंकि इंसान ममनुआ चीज का और हरीस हो जाता है जो मुतकी हैं वो कम हैं उनके लिए ममानियत इस चीज़ से भुगत का सबब बन जाती है और वो जो ख्वाहिश के बंदे हैं वो बहुत हैं इसलिए उनके लिए ममानियत मजीद आमादगी का सबब बन जाती है इसलिए कुरान की सिफत यह है कि बहुत से इससे गुमराह हो जाते हैं लेकिन जिनके कल्ब बेदार हैं और पाखबर हैं वो हदायत हासिल कर लेते हैं बांस की छड़ हलाने से पालतू कबूतर घर वापिस आ जाते हैं जंगली कबूतर भाग जाते हैं एक ही चीज़ की दो खासियतें हैं शहजादों ने शाह से कहा हम आपका कहना मानेंगे आप महसिन हैं और मोहसिन से गफलत कुफर है उन शहजादों ने अतात का वादा तो कर लिया लेकिन अल्लाह की याद करके इन शा कहा और अपने ऊपर भरोसा किया इनशाला और एहतियात की बातें हम पहले दफ्तर में बयान कर चुके हैं पहला दफ्तर और ये दफ्तर कोई दो चीज़ें नहीं है वहां की तफसील यह काफी है दुनिया के हर गोशे से लोग एक खाना काबा की तरफ रुख करते हैं तो वो सब मतहद हैं जब सब रास्ते एक मकान तक पहुंचते हों तो बावजूद तदुद के उनमें भी इतिहाद है जो बालें एक दाने से पैदा हुई वो भी मुतहद हैं खाने की लाखों चीजों में इतहाद है यही वजह है कि एक चीज से पेट भर जाए तो बकिया खानों से बेनियाजी हो जाती है जब इन ना कहने और इस इसबाब पर अतमाद करने की बात की थी तो लड़की का किस्सा और तबीबों की बेवकूफ़ी यानी इस्बा पर भरोसा करने की बात कही थी वो तबीब मुतर्रफ हकी सियात ऐसे ही गाफिल थे जैसे कि बेसवार का घोड़ा सवार से गाफिल होता है हालांकि अल्लाह के तसरफात उन पर जारी थे ये उससे गाफिल थे कि उन पर सुधारने वाला सवार है अपने हालात से उनको जान लेना चाहिए था कि कोई मुतर्रफ उन पर मुसलत है जो लोग इस्बाब इख्तियार करते हैं वह फिर भी मकसद हासिल नहीं होता उनको सोचना चाहिए कि इस्बाब के खिलाफ कौन सी ज मुतरफ है ये भी अल्लाह का तसरुफ है कि ये तबीब महज असाब के बंदे बन गए हैं उन्हें सोचना चाहिए कि एक मखफी तसरफ कार फरमा है इंसान नफ़ा की कोशिश करता है और बजाय नफा के नुकसान हो जाता है ऐसा क्यों है इंसान एक मकसद के लिए इसबाब इख्तियार करता है और फिर मकसूद हासिल नहीं होता तो वह इसबाब से बदजन क्यों नहीं होता एक सबब है जो एक के लिए मुफीद और दूसरे के लिए मुजर होता है शादी किसी के लिए ऐसी रास आती है किरूज हासिल होता है और किसी के लिए तबाही का बायस बन जाती है तो मालूम हुआ कि एक ही सबब के मुख्तु नतीजे और तासरत होते हैं असबाब को अगर इख्तियार किया जाए जो कि इंसानी ज़रूरत है तो उसको मुस्तकिलसर न समझे और गैर जरूरी इसबाब इख्तियारा करो इसलिए कि जिसको तो राहत का सबब समझता है वह मुसीबत पिला सकता है इन कहने का रास यही है कि सब की तसर को अल्लाह के हवाले कर दिया जाए इसलिए कि अगर मुशीत खुदाबंदी ना हो तो फिर इंसान गधे को बकरी समझने लगता है जब अल्लाह हवा से ज़ाहरी को बदल सकता है तो फिक्र की तब्दीली तो उसके लिए बहुत आसान है अल्लाह जब चाहता है इंसान की निगाह में तब्दीली करता है साहबा रिजवान अल्लाह तजमैन की निगाह में जंगे बदर के अंदर मुखालफों की मकदार कम करके दिखा दी ताकि वो साहबा रिजवान अल्लाह अजमैन की नज़र में बेकद्र हो जाए और वो बहादुरी से लड़े जिल्द शशुम हिकायत नंबर पचहत्तर बादशाह के लड़कों का किला की तरफ जाना जिस तरह हजरत आदम ममनू गेहूं के पौधे के पास पहुंच गए थे इसी तरह ये शहजादे ममनुआ किला में जा पहुंचे और बादशाह के मुखल सरफरमा बरदारों के मस्कन से जुदा हो गए मुखालिफत की वजह से उनका शौक और भी तेज हो गया था किला होशरुबा यानी तस्वीरों वाले किले के पांच दर दरिया की जानब खुलते थे ताकि आने वाला दरियाई सफर से इसमें बसूलत दाखिल हो सके और पांच दरवाजे खुश्की की तरफ खुलते थे ताकि खुशकी का मुसाफिर आराम से दाखिल हो सके पांच दर को इंसानी हवा समझो और पांच दर को बातनी हवास की तरह जानो इंसान इन्हें हवास के मुद्रिकात से बसाओकात अकल हो जाता है इसी तरह उन दरवाजों से दाखिल होने वाला मसलूब अक़ल हो जाता था इस क़िला की इन हजारों तस्वीरों को वो खुशी खुशी देखते फिर रहे थे और किसी एक को देखने के लिए उनमें करार ना था तस्वीरों के प्यालों से पीकर मस्त न बन वरना तू भी बुत तराश और बुत परस की तरह हो जाएगा जिसका ताल्लुक महज सूरत से है उन सूरत का हुसन भी बेशक शराब किसी मस्ती पैदा कर देता है लेकिन वो हुसन उनका जाति नहीं है बल्कि मुस्तार हुसन है तुझे उनको हुसन अदा करने वाले असल हुसन की तरफ मतवजो होना चाहिए जिस जात ने उन सूरतों के जाम में शराब हुसन भर दी है उसकी तरफ तवज्जो कर फिर तुझे कल भी वारदात महसूस होगी जब वो शराब इश्क हासिल हो जाएगी फिर तू किसी सूरत का पबंद नहीं रहेगा कायनात का जर्रा जरा उसका मजहर मालूम होगा हजरत आदम सलाम के वास्ते से बनी आदम को ख़ताब है कि हकीकत के तालिब बनो और सूरत से कता नजर करो सूरत बेमानी है गेहूँ की सूरत ना थी तो हजरत इब्राहिम को रेत से आटा हासिल हुआ सूरत की इल्लत बेसूरत है लिहाजा तोज्जो के काबिल, इल्लत है दुएँ की इल्लत आग है लिहाजा वो असल है सूरत तो ऐसी चीज है कि अगर इंसान को मसवर ख्याल बार बार आता है तो वो उससे तंग दिल हो जाता है जब तू जात से सूरत की तरफ तोज्जो कर लेगा तो मलाल नहीं तबीयत में हैरत पैदा होगी जो मजीद तो और खोज का सबब बनती है उस बेलत और बेसूरत ज़ात से हज़ारहा किस्म के सूरत और आला वाले पैदा होते हैं लिहाजा वो असल है जो जात हाथ से मुनजा है उसने करोड़ों हाथ बना दिए जाते खुदाबंदी ने आदमी को मुसवर पैदा फरमाया तो असल वो खुद है गैर मुशवर मुसवर में इस तरह मौसर है जिस तरह हिजर वसाल तरह तरह के ख्याल का मसविर है और खुद गैर मुशविर है मौसर और असर में मुशाबहत जरूरी नहीं है जरर और तकलीफ रोने और चिल्लाने का मौसर है लेकिन दोनों में कोई मुशाभत नहीं है नोहा और रोना एक मसविर चीज है और जरर एक इजाफी शह है जो मशविर नहीं है इंसान रंज से हाथ चबाता है इन दोनों में कोई मुशाभत नहीं है हक ताला जो कि मौसर है और कायनात जो कि उसका असर है उसकी ये मिसालें नाकस हैं ये महज समझाने के लिए हैं कोई उसकी सही मिसाल देने पर कादिर नहीं है ज़्यादे बेसूरत ये सूरत माह हवास के पैदा फरमा देती है अल्लाह ने इन सूरतों को इसलिए बनाया है कि वह सूरत अपने मुनासिब हाल इंसानी जिसम से नेकी व बदी करे अगर वह नेमत की सूरत है तो जिसम से शुक्रगुजारी कराती है अगर वह सूरत मोहलत और देर की है तो इंसानी जिसम से सब्र कराती है अगर यह सूरत होती है कि उस पर कोई रहम करेगा तो वह खुश होता है और रंजे की सूरत हो तो वह नाला होता है किसी शहर की सूरत हो तो नतीजा सफ़र होता है अगर तीर की सूरत हो तो ढाल संभालता है अगर ख्याल में हसिनों की सूरत आती है तो उनसे खुश वक्ती करता है अगर गैबी तजल्लियात की सूरत ख्याल में आती है तो गोशा नशीनी इख्तियार करता है अगर जरूरत और एहतियात की सूरत आ जाती है तो कमाई करता है अपनी ताकत की सूरत ख्याल में आती है तो लोगों की चीज़ें छीनता है ये बात के किस्म किस्म के ख्याल फेल के दाई बनते हैं शुमार से बाहर है लोगों के मजहब और पेशे भी ख्याल ही की पैदावार हैं ख्याल के सबब होने की और अफआल के मुसब होने की मिसाल यूं समझो कि कुछ लोग बाला खाने पर हों और उनका साया ज़मीन पर पड़ रहा हो अमल का ताल्लुक अजा से है और ख्यालों दमाग में पुषिदा है लेकिन दोनों बाहिम जुड़े हुए हैं अमल के साथ वो ख्याल भी मौजूद है खुशी से जो सूरतें पैदा होती हैं उनका असर और नतीजा बेहोशी और बेखुदी है मर्द और, और औरत के जमा के तस्वर से और जमा के वक्त मदहोशी तारी होती है गज़ाओं की सूरत का नतीजा बेसूरत कुत है मदरसा और इसके मतलब की सूरतें व दानिश से मुतलक हुई तो वो बेसूरत इलम मौजूद हो गया जब ये सूरतें एक ज़ाते बेसूरत किताबें हैं तो यह सूरतों वाले उससे मुनकर क्यों हैं यह बेसूरत जो कि इन सूरतों का सबब और इलत है तो उससे पैदा होकर उसके मुनकर क्यों है मकान की सूरत ये मामार के खयाल का असर है अगरचे उस मामार के जहन के अंदर मकान के अज्जा मौजूद नहीं है नतीजा ये निकला कि तमाम सूरतों को पैदा करने वाला खुद बेसूरत है और ये सूरतें उसके लिए बेमंजला आला के हैं कभी कभी वो बेसूरत अपनी तजलियात भी रूनमा कर देता है और उस तजल्ली से मकसूद कमाल और जमाल और कुदरत का इफाजा है फिर जब वो तजली गायब हो जाती है तो लवाज़ में बशरीत उभर आते हैं कमाल तो बेसूरत ही से हासिल किया जा सकता है एक सूरत अगर दूसरी सूरत से कमाल की तालिब हो तो गुमराह ही है हाँ अलिया अल्लाह ला तम जिनको खुदा ने रहनुमाई के लिए मुंतखब फरमाया है उनसे कमाल की तलब की जा सकती है वरना सूरत तो खुद मोहताज है उसके सामने अपनी एहतियात को पेश करना कौन सी अकलमंदी है जब सूरतें बेसूरत की गुलाम हैं तो उस बेसूरत पर सूरत का गुमान ना कर और तशबीहों के जरिए उसको तलाश ना कर उस बेसूरत को सूरतों में तलाश नहीं किया जा सकता बल्कि फना और तजर जारी के जरिए तलाश किया जा सकता है इसलिए कि सोचने और तफक्कर से सूरतें ही ख्याल में आती हैं और वो ज़ात तो बेसूरत है अगर मुजाहे से भी बग़ैर सूरत के उसका तसवर नहीं होता तो फिर तेरे तसवर किए बगैर जो उसकी सूरत सामने आए उससे सहारा पकड़ ले क्योंकि उससे तेरे दिल में इंतिस पैदा होता है जौक एक बेसूरत शह है वो तुझे सूरत की तरफ ले जा रहा है लेकिन दर हकीकत तू ला मकानी और ला जमानी जौक की तरफ जा रहा है दोस्त की सूरत की तरफ जाने की गर्ज उन सो है जो बेसूरत है दोस्त और उसके शहर की तरफ तेरा जाना एक बेसूरत ही की तरफ जाना है अगरचे तो खुद उस मकसूद से गाफिल है ौक का मकसूद होना साबित हो गया इसलिए ौकोक की तरफ जाने वाला हर रास्ता दर हकीकत अल्लाह की तरफ जाता है क्योंकि सब रास्तों पर चलना क ही की वजह से है और ओक बख्शना तो अल्लाह ताला का फेल है अब उस मबूद के साथ बास का मुकाबला तो यह है कि उन्होंने अल्लाह के तबावे की तरफ रुख कर लिया है यानी अफाले बारी ताला की जानब तवज्जो कर रखी है हालांकि मकसूद उसकी जात है क्योंकि वही असल है उनको भी जात से जोफादा होता है और उनकी तवज्जो भी मकबूल है अबादत गुजारों के मुख्तलिफ मरतबे हैं एक तो वो हैं जिनकी तवज्जो और तलब हक अफाले हक के जरिए और वास्ते से है यह दर्जा आवाम का है में दुम से मुरा अफाले बारी ताला हैं और सर से मुराद सिफात बारी ताला हैं ये लोग सिफात के जरिए फैज़ हासिल करते हैं और ये दर्जा खवास का है लेकिन अफाल बारी हो या सिफात बारी दोनों ज़रा से ज़ात तक पहुँचा जा सकता है कुछ लोग वो हैं कि सिर्फ जात की तरफ तवज्जो रखते हैं और उससे बिलावस्ता इस्तीफादा करते हैं ये दर्जा अक्सर खवास का है उन लोगों ने ना अफ़ाल को मकसूद बनाया ना सिफात को बल्कि ज़ात को मकसूद बनाया लिहाजा जात ताला उनको हासिल हुई वो तीनों शहजादे किला होशरुबा में पहुंच गए और उन्होंने शाह चीन की लड़की की तस्वीर को देखा और बेहोश हो गए और फितना में मुबला हो गए और जस्तुजू शुरू कर दी कि ये तस्वीर किसकी है उन शहजादों ने एक तस्वीर देखी जो हसीन थी अगरचे वो उससे भी ज्यादा हसीन तस्वीरें देख चुके थे लेकिन वो उस तस्वीर को देखकर इश्क के गहरे समंदर में डूब गए इश्को मोहब्बत के मामले में तस्वीर तो नजर आती है लेकिन वो अफियून गैर महसूस है जो लोगों को मदहोश कर देती है गर्ज के किला होशरुबा ने अपना काम कर दिया और तीनों को मुसीबत में फंसा दिया उस हसीन के गमजदा के तीर ने उनके दिल को छेद दिया ये तीर बेअमान है खुदा इससे पनाह में रखे वो तीनों शहजादे रो रहे थे और कह रहे थे कि जो मुसीबत हमने अब देखी है शाह ने पहले ही देख ली थी हम पर अम्बिया अम्बियाल के इसीलिए बेपना हकूक हैं कि उन्होंने हमें इनाम से बाखबर कर दिया है उन्होंने बताया है कि नफसानी ख्वाहिश से तुम जो काम करोगे उससे कांटे उगेंगे अगर तेरी रफ्तार दुनिया की तरफ है तो इसमें निजात नहीं है उन्होंने बता दिया है कि हमारे तरीके पर अमल करो इससे फ़ायदा हासिल होगा हमारे तरीके पर चलोगे तो मुसीबत का तीर उस तरफ ही गिर जाएगा तुम तक ना पहुंचेगा इंसान अंबिया के इतबा को जरूरी नहीं समझता मौत के बाद उस पर यह अकदा खुल जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की अम्बियालाम परों की तरह हैं जिनसे उनके मुखातिब की रूहानी तरक्की करने का अमल होता है और वो उड़ते हैं ऐ इंसान तेरे होने के दो हिस्से हैं एक तो तेरा बदन है और दूसरा तू तेरी रूह है तू अंबिया का इतबा जो नाफे फेल है तेरे तू यानी बदन का फेल नहीं है बल्कि उस तू का फेल है जो तेरी रूह है याद रखो ये माओ मन यानी जिसमें कूद से बाला है जिस तू को तू तू समझ रहा है यानी जिस्म। ये तोजीहात में मुक्द है असल तू तो तेरी रूह है जो जेहद से मुनजा है तू जिस्म की तबाही से लरसता है हालांकि ये सीप है और असल तू तेरी रूह यानी मोती है तू असल गन्ने यानी जिस्म को ना समझ बल्कि शक्कर को समझ जो रूह है जिस्म का तू होना पराई चीज है तू अपने आप तक पहुंच जो कि रूह है और उस जिस्म की दुई को रूह के साथ जोड़ना छोड़ दे तेरी रूह तेरे जिस्म में छुप गई है मैं उसका गुलाम हूं जो खुद को यानी रूह को देख ले शहजादों ने कहा कि हमने जो अब देखा हमारे बूढ़े बाप ने पहले ही देख लिया था हमने उसकी बात को मामूली जाना और मुसीबत में फंस गए हमने अपनी अकल और समझ पर घुमंड किया और नसीहत ना सुनी हम अपने आप को मर्ज और मर्ज की गुलामी से आज़ाद समझते थे हम अपनी खामकारी को अब समझे जबकि फंस गए शाय की सोबत से खलूस और इस्तेदाद पैदा होती है जो जिक्र अल्लाह के नाफ़े होने की शर्त है और शर्त पर अमल से पहले मशरूत पर अमल अच्छा नहीं होता जिस तरह के बग़ैर वजू नमाज से वजु की मशगूलियत बेहतर है शेख की सोहबत कनात और सब्र पैदा करेगी जो दी के लिए जिक्र के हजारों खानों से ज्यादा मुफीद है हजरत अबू अल हसन खरकानी रहमतल्लह को जिक्र से उस वक़्त फायदा पहुंचा जब उन्होंने हजरत बाजीद बस्तानी रहमत ला तलह की कब्र की सोहबत हासिल कर ली ये किस्सा पहले गुजर चुका है शेख को चश्मे चश्मेबीना हासिल है और तुझे सिर्फ जिक्र की लाठी का सहारा हासिल है शहजादे जब इस बुत के इश्क में मुबिला हो गए तो तुजुस्तुजु शुरू की कि यह किस हसीना का बुत है शेख बसी रहमतुल्ल एक ऐसे बुजुर्ग थे जिनको कल भी बसरत हासिल थी उन्हें कश्यप से मालूम हुआ और उन्होंने बता दिया कि यह बुध चीन के शाह की लड़की का है जो इस कदर हसीन है कि उस पर परवीन भी रश्क करती है शाह चीन की यह लड़की अपने हुसनों जमाल में बेमिसाल है वो रूह की तरह मखफी है और किलों के परतों में रहती है उसके पास ना मर्द जा सकता है ना औरत शाह ने उसे फितनों से बचा कर रखा है अगर कोई उसका नाम भी ले तो शाह को गैरत आ जाती है उसके बाला खाने पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती ऐसी मशूक का इश्क खुदा करे किसी को ना हो जिसका हुसूल नामुमकिन हो यह मुसीबत नाक इश्क उसी की सजा है जो नादानी से काम करे और बुजुर्गों की नसीहत को मामूली और खोटा समझे जो शख्स महज अपनी तदबीर और कुमंड पर हो और समझे कि खुद अपना काम चला लूंगा और मुझे शेख की जरूरत नहीं है उसने नादानी का बेच बोया शेख की थोड़ी सी तवज्जो अपनी सैकड़ों तदबीरों से बेहतर और नाफे है अपनी तदबीर को तरक करके शेख की तवज्जो की तरफ चल पड़ और उसके सामने अपने आप को फना कर दे शेख की तवज्जो तेरी गिनी चुनी तदबीरों से बहुत बेहतर है जब तक तू शेख में अपने आप को फनाह ना कर देगा ये तदबीरें मुफीद ना होंगी जल्द शशुम हकायत नंबर छिहत्तर सदर जहाँ बुखारी की हक के जो साहिल ज़ुबान से मांगता उसके आम सदक़े से महरूम रह जाता अक्लमंद तरवेज ने भूल कर और जल्दी में जुबान से मांग लिया और सदर जहां ने मुंह फेर लिया और वो हर रोज़ एक नई तदवीर करता और वो उसकी जहानत को पहचान लेता बुखारा में एक सदर आज़म था और साइलों से बहुत अच्छा सलूक किया करता था वह बहुत कुछ अता करता वो सोने की बुड़िया बनाकर रखता और जब तक वो ख़त्म ना हो जाती देता रहता था सूरज को अल्लाह ताला जो रोशनी अता करता है वो सूरज दूसरों को अता कर देता है कान में सोना और वीराना में खजाना सूरज की अता है उसने खैरात के मुस्तक लोगों की किस्में बना रखी थीं और हर किस्म के लिए अलग दिन मुकर कर रखा था ताकि साइलों का कोई ग्रोह महरूम न रहे एक दिन नदार अलवियों का एक दिन फकीर तालाब का बीमारों का बेवाओं का कर्जदारों का तमाम मुफ़लिसों का यतीमों का कैदियों का इसी तरह हर ग्रोह के लिए दिन मुक्र थे उसकी शर्त ये थी कि साहिल जुबान से कुछ ना मांगे जो मुंह से सवाल करता उसे कुछ न मिलता उसका कानून था जो तुम में से खामोश रहा उसने निजात पाई इतफाकन एक रोज एक बूढ़े ने कहा कि मैं भूखा हूं मुझे दे उसने बूढ़े को मना किया तो उसने इसरार किया सदरे जहान बोला अ बूढ़े तू बहुत लालची है मेरे मना करने से भी नहीं टलता बूढ़े ने कहा तू मुझसे भी ज्यादा लालची है तूने दुनिया भर की दौलतें और मजे हासिल कर लिए फिर भी तेरा पेट नहीं भरता अब आखिरत की दौलतें लूट रहा है इस लतीफे पर सदरे जहान को हंसी आ गई और उसको बहुत सा माल दे दिया अचानक फकीहों की खरात के दिन एक फकीह फरियाद करने लगा उसे कुछ ना मिला उसने हर किस्म की बात की लेकिन उसको कोई फायदा ना हुआ किसी दिन वो पांव घसीटता हुआ मरीजों की कतार में लगा किसी दिन पांव को लकड़ी बांध कर आया जैसा कि पांव टूटा हो उसने मुंह नमदे में इस तरह लपेटा कि उसे अंधा समझा जाए जब और तदवीरों में कामयाब ना हुआ तो चादर ओढ़कर विवाहों में जा बैठा सर झुका लिया और हाथ छुपा लिया ताकि पहचान में ना आए उस सदर जहान ने फिर उसे पहचान लिया तो उसका महरूमी से दिल जलने लगा वो एक शख्स के पास गया जो कफन के लिए चंदा जमा किया करता था और कहा कि मुझे एक नमदे में लपेट कर मुर्दे की तरह रास्ते के किनारे पर रख कर बैठ जा जुबान से कुछ ना कहना वरना सदर जहान अपनी आदत के मुताबिक कुछ ना देगा हो सकता है कि वो मुझे मुर्दा समझ कर कुछ ना कुछ दे दे वो जो कुछ देगा आधा तेरा आधा मेरा होगा कफन के बिकारी ने ऐसा ही किया सदर जहान ने नमदे पर कुछ रखा तो उस मुर्दा बने हुए तालब इलम ने जल्दी से नमदे में से हाथ बाहर निकाला और फिर सर भी निकाला और फिर सदर जहान से कहा कि देख ले मैंने कैसे वसूल किया सदर जहान ने जवाब में कहा जब तक तू मर न गया मुझसे कुछ वसूल न कर सका इनकार तो तुझे देने से किया था मरने से पहले मर जाओ का राज यही है मरने से गनीमतें हासिल होती हैं खुदा की जनाब में भी जब तक फना हासिल न करोगे और कोई तदबीर कार करना होगी अल्लाह तला की तरफ से एक जजब सैकड़ों मुजाहिदों से बेहतर है क्योंकि मुजाहिदों से उजब और रिया पैदा हो जाने का खौफ होता है और जज्बे इलाही उस वक्त आता है जब इंसान फनायत की तरफ गामसन हो जाए रिया और खुद ही को तरक करने की तगो होकर कर मोतबिर लोगों ने उस रास्ते का तजुर्बा कर लिया है जज्बे इलाही असल शय है और फना बगैर जज्बे इलाही के हासिल नहीं हो सकती जिल्द शशुम हिकायत नंबर सतत्तर उन दो भाइयों की हिकायत के एक चग्गी दाढ़ी वाला और एक बगैर दाढ़ी के था एक मजलिस में एक चग्गी दाढ़ी वाला और एक बगैर दाढ़ी वाला शामिल था रात भर शुगल चलता रहा रात ज्यादा गुजर गई और महफिल बर्खास्त हुई ये दोनों कोतवाल के डर से वहीं सो रहे चग्गी दाढ़ी वाले की दाढ़ी में चंद बाल थे और वो हसीन था नौखै सूरत में बुरा था फिर भी उसने एहतियातन अपनी मकद के पीछे चंद ईंटें रख लीं वहां कोई शख्स था जिसे लवादत की आदत थी उसने वो ईंटें हटा दी और उससे दस्त तराजी करने लगा तो लड़का भाग गया और वाहेला मचा दिया कि मैं बीमार लड़का हूं मैंने तो एहतियातन ये ईंटें रखी थी तूने क्यों हटाई लूती ने कहा कि अगर बीमार था तो शफा खाने जाता या किसी तबीब के घर चला जाता खानका में क्यों सोया लड़का बोला जहां जाता हूं मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता हूं जब खानकाही में अमन न मिली तो कहां मिलेगी जो लोग बदनामी से डरते हैं वह चुपके चुपके नजरबाजी और इशारेबाजी करते हैं ये चीज दीन के लिए खतरनाक है जब खानका बेमी बाजारी लोग हैं तो उबाशों का इससे अंदाजा लगाओ अवाम और उबाश जो गधों की तरह हैं, उनमें ना नामोस है ना तकवा ना खुदा का हौफ है और ना उम्मीद बीम जो कि ईमान का हासिल है निकी तो अकल का तक है लेकिन उन लोगों में अकल कहाँ है ये तो मर्दों का हाल है और औरतों की सुन लो कि उनकी वजह से मैं मुसीबत में फंसता हूँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरतों ही ने कैद में फंसाया मेरे लिए हर तरफ सूली ही सूली है मर्दों में भी और औरतों में भी औरतें मुझ पर गिरती हैं और उनके सरपरस्त मेरे खून के दरपेय हो जाते हैं मैं तो ना मर्दों में हूँ ना औरतों में मर्द मुझे औरत की तरह समझने लगते हैं और औरतें मुझे मर्द समझती हैं इन बातों के बाद उसने चक्की दाड़े वाले की तरफ देखा और बोला कि ये इन बालों की वजह से सब गमों से बेन्यास है ये ईंटों से भी बेन्यास है और ईंटों के झगड़े से भी ये तो जैसे हट्टे कटे बदमाश से भी बेन्यास है ऐहोगो दाढ़ी के चार बाल तीस ईंटों से बेहतर हैं क्योंकि शैतान इबादत की ईंटें उखाड़ देगा और अपना रास्ता बना लेगा अगर जज्बे खुदावंदी है तो शैतान उसमें से अपना हिस्सा ना बटा सकेगा इबादत की ईंटें तेरी जमा की हुई हैं और जज्ब दाढ़ी के बालों की तरह अतियाई खुदावंदी है दाढ़ी के एक बाल को भी हकीर न जानो वो कोहे ग्राह हैं ये अल्लाह की तरफ से अमन नामा है और वो खिलत है जो कुतब मार्फत को दी जाती है इनायत और मुजाहिदे के फर्क के लिए एक मिसाल ये है कि इंसान किसी जगह सौ ताले लगा ले उसको तोड़ लिया जाता है और कोतवाल अगर मोम की भी मोहर लगा दे तो बड़े बड़े बहादुर तोड़ने से डरते हैं वो दो तीन बाल शर से हिफाजत के लिए पहाड़ हैं शैतान से बचाओ की तदबीर और मुजाहदा करता रहे लेकिन सिर्फ उस पर भरोसा न कर जज्बे इलाही के दो चार बाल हासिल कर ले फिर कदर मुतमिन हो जा अल्लाह की इनायत के मुजाहे पर फोकियत के बारे में एक हदीस है कि आलम की नींद भी इबादत होती है जाहिर है कि आरिफ और आलिम की इबादत जाहिल की इबादत से अफसल है लिहाजा आलिम का सोना जाहिल की इबादत से अफसल है शर्त यह है कि वो आलिम दुनिया और आखिरत के नुकसान से तमबीक करने वाला हो आलिम सोने में साकिन पड़ा है और गैर आलिम इबादत में हाथ पाँव मार रहा है उसकी मिसाल यूं समझो कि माहर तैराक सुकून से पानी पर लेटा तैर रहा है और अनाड़ी हाथ पाँव कर तैर रहा है जिस तरह तैराक का सुकून दूसरे की हरकत से अफसल है इसी तरह आलम की नींद का सुकून जाहिल की इबादत की हरकत से बेहतर है उसके सोने में इतना इखलास और सही नीयत होगी कि जाहिल की इबादत में बिना होगी फजीलत का मदार नियत और इखलास पर है इल्म एक ना पैदा किनार दरिया है और तालब इलम उसमें से मोती निकालता है इल्म की वो लज्जत है कि तालब इम की उससे कभी सेरी नहीं होती है आजूर सल्ला वसलम ने फरमाया कि दो हरीस ऐसे हैं कि कभी उनका पेट नहीं भरता है एक तालब इलम और दूसरा दुनिया का तालिब इलम से मुराद जहां मुराद्दीन और आखिरत का इलम है और दुनियावी इल्म मुराद लिए जाएंगे तो फिर तकसीम दुरुस्त ना रहेगी इसलिए कि तालिब दुनिया और इल्म एक ही चीज है एक शेर ना होने वाला दुनिया और उसकी तरक्कियों का तालिब है और दूसरा शेर ना होने वाला इम और उसकी तदबीरों का तालब है इल्म से मुराद इम आखिरत है क्योंकि वो इल्म दुनिया में मसरूफ ना होने देगा और आखिरत का रह होगा दुनिया से आखिरत ही में जाना है तो दुनिया के सिवा वही जगह है तीनों शहजादे एक दूसरे की तरफ मतवज्जो हुए तीनों शहजादों को एक ही बीमारी थी यानी शाह की हसीन लड़की के फिराक में मुब्तला थे खामोश रहे तो सबको शहजादी का तस्वर बात करें तो सिर्फ शहजादे की कभी तीनों रोने लगते कभी आहें बरते जल्द शशुम हिकायत नंबर अठहत्तर सबसे बड़े भाई की गुफ्तु बड़े भाई ने कहा कि हम कहा करते थे कि तंगी हो तो सब्र करना चाहिए सब्र कुशादगी की कुंजी है हमारे सब्र की कुंजी अब कहाँ गई क्या ये कानून मनसूख हो गया है हम तो कहते थे कि मुसीबत का वक्त खंदा पेशानी से गुजारना चाहिए इस तरह दिल रोशन होता है लेकिन जब हमारी बारी आई है तो हम औरतों की तरह टस्वे बहाने बैठ गए हैं शहजादे ने अपनी जुबान को नसीहत की कि तू दूसरों को नसीहत किया करती थी अब क्यों खामोश है अपनी अकल से कहा कि तू भी बहुत नसीहतें करती थी अब क्यों खामोश है सुल्तान महमूद ने कहा था मैं दाढ़ी हिला देता हूं तो लोगों की मुसीबत टल जाती है पहले तू दूसरों की दाढ़ी पर हंसा करती थी अब मालूम हुआ कि वो हंसी तेरी खुद अपनी दाढ़ी पर थी दूसरों को नसीहत करते वक्त तू उनको तंबीह करती थी अब औरतों की तरह क्यों वाई वाई कर रही है दूसरों के मर्जों का इलाज बताती थी अब अपने मर्ज के वक्त क्यों चुप है तू सर बनती थी अब अपने आप को ड ना बना और अपनी हिम्मत पर अमल कर रंज ना कर तबीयत में निशात पैदा कर और बाजी जीत ले जिल्द शशुम हिकायत नंबर उनासी बादशाह और फकीर की हिकायत। एक बादशाह महफिल निशात में शराब नोशी कर रहा था दरवाजे के सामने से एक फकी ही गुजरा बादशाह ने मुसाहिबों से कहा कि उसे पकड़ लाओ और शराब पिलाओ साकी ने उसे शराब पेश की तो उसने बादशाह और साकी की तरफ से मुंह फेर लिया कहने लगा मैंने सारी उम्र शराब नहीं पी मुझे जहर दे दो वो इस शराब से अच्छा है ताकि मैं निजात पा जाऊं इस झगड़े की वजह से वो फकीर सबके लिए परेशानी का बायस बन गया शराब पीने वालों से ना पीने वाले जिस तरह इराज करते हैं इसी तरह शराब मारिफत पीने वालों पर भी लोग इनके बाद का मुजाहरा करते हैं क्योंकि उन्होंने उस मस्ती को चखा नहीं होता अल्लाह अपने कुछ बंदों को यह शराब पिलाता रहता है ये लोग उसकी हकीकत तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि उनकी कुताह नज़र इस हकीकत तक नहीं पहुंचती अगर उनके कान से हलक तकरा होती तो इस कलाम की हकीकत उनके दिल पर असर करती उनके दिल में शहावत की आग है और आग तक तो बादाम के छिलके ही पहुंचते हैं कलाम का मगज़ बाहर ही रह जाता है मेदे में सिर्फ छिलके ही पहुंचे तो उनसे कोई कुवत हासिल नहीं हो सकती आग में सिर्फ छिलके फेंके जाते हैं इसलिए जहन्नुम में वही लोग जाएंगे जो से हकीकत से खाली होंगे अगर मोमिन जहन्नुम में रह जाएंगे तो वो पुख्ता करने के लिए बेचे जाएंगे और इससे उनकी मसीयतों का इजाला हो जाएगा अल्लाह ताला हमेशा के लिए हिकमत वाला है और ये कायदा जारी रहेगा कि वो मगज को जहन्नुम में ना जलाएगा मगज़ वाले तो इस कदर बेहतर होंगे कि उनकी शफात से छिलकों वाले भी बख्शे जाएंगे अगर अनायत खुदाबंदी और जज्बे इलाही इराज करने वाले की सरकूबी कर दे तो उसको शराब की ख्वाहिश पैदा हो जाएगी जिस तरह इस फकीह में पैदा हो गई थी अगर अनायत खुदाबंदी सरकूबी ना करे तो उस फकीह की तरह इन बादशों की शराब से महरूम रहेगा शाह ने साकी से कहा कि इस फकीह के मिजाज ठिकाने लगा दे यानी उसे शराब दे जिस तरह साकी ने फकीह के मिजाज ठिकाने लगा दिए इसी तरह हर अकल पर एक पोशीदा जत हाकिम है जो अकल को खुद ही से बेखुद कर देती है इस जात के कब्जे में पूरी कायनात है आसमान उसके मामूली हुक्म का पाबंद है अगर किसी की अकल में ताबे कर लेने की कुवत है तो वो उसी की अता करता है साकी ने उस फकीह की चंद चपत लगाए तो उसकी अकल ठिकाने आ गई कायनात में हर आशिक का अपने मशूक के साथ यही तरीका है कि वो एक दूसरे को अपने में जज्ब करने की कोशिश करते हैं कुरान पाक में मर्द और, और औरत के हकूक का तस्करा बतौर मिसाल किया गया है वरना ये जोड़ मर्द और और औरत ही का नहीं है बल्कि सब इशिया का है कुरान में फरमाया गया है कि शोहर अगर औरत को तलाक दे दे और जुदा भी करे तो बुरी तरह ना करे उसे खूबी से जुदा करे जिस तरह मर्द और औरत के हकूक हैं इसी तरह इंसान पर जने दुनिया के भी हकूक़ हैं ये भी औरत की तरह अल्लाह ने बतौर अमानत इंसान के हाथ में दी है फकीह जवान था शराब ने उसे मस्त बना दिया उसने अपने जहदो तकवा को रुखसत कर दिया पेशाब करने गया तो वहां उसे शाह की लौंडी मिली वो उससे चिमट गया शहवत की आग लौंडी की रुई में भी लग गई दोनों ने अपनी मुराद हासिल कर ली फकीह लौंडी के पास से मजलिस में आया और जाम उसके हाथ में था बादशाह दोजक की तरह भड़क उठा और दोनों बदकारों के खून का प्यासा हो रहा था फकीह ने शाह को गुस्सा की हालत में देखा तो फौरन जोर से साकी से कहा कि सुस्त क्यों बैठा है बादशाह को जाम दे और इसको निषाद पर ला ये वही जुमला है जो शाह ने फ़कीह के नागवारी के वक्त कहा था बादशाह को हंसी आ गई और वो लोंडी उसे बख्श दी कहने लगा मैं बादशाह हूं मेरा काम इंसाफ और अता है मैं खुद भी वही खाता हूँ जो दूसरों को खिलाता हूँ जो अपने लिए नापसंद करता हूं दोस्त के लिए भी नापसंद करता हूँ हजूर सल्ला का गुलामों के बारे में यही फरमान है कि जिस किस्म का तुम पहनो उसी तरह का उनको पहनाओ जिस तरह का खुद खाओ उसी तरह का उन्हें भी खिलाओ बादशाह की इजाजत से फकी लौंडी को लेकर रवाना हो गया बड़े भाई ने अपने आप से कहा कि तू दूसरों को सबर दिलाता था अब खुद सब्र कर अपनी मर्दानगी से अपना मिजाज ठिकाने कर और अकल और सब्र को रहनुमा बना ले सब्र की रहनुमाई होगी तो अर्शो कुर्सी की बुलंदी हासिल होगी हज़ूर सला वसलम ने कुफार की इजारसानी पर सब्र किया तो बुराक पर बैठकर आसमानों के तबकों के ऊपर पहुंचे हजरत अयूब का सब्र मशहूर है सब्र हर कुशादगी की कुंजी है तू उजलत में क्यों पड़ा है फिर शहजादों का किस्सा शुरू करते हैं जिल्द शशुम इकायत नंबर अस्सी शहजादों का चीन की तरफ रवाना होना और वसल के मफहूम को समझना तीनों शहजादे चीन की तरफ रवाना हो गए ताकि महबूब के करीब तर हो सके अगर महबूबा का वसल ना भी हो तब भी जितना करीब हुआ जाए बेहतर है शहजादों की सब्र की तलकीन धरी रह गई और फ़ौरन रवाना हो गए उन्होंने इश्क को तरजीह दी और छुपे हुए महबूब की राह इख्तियार कर ली इब्राहिम आदम रम्ह की तरह अपने आप को फ़क़ीर बना लिया जैसे हजरत इब्राहिम ने बखुशी अपने आप को आग में डाल दिया या जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कुर्बानी देने के लिए अमादा पाया जिल्द शशुम हकायत नंबर इक्यासी अमराउल कैस बादशाह की हकायत अमराउल कैस जो कि एक हसीन और पाकमाल शायर था उसे भी इश्क ने खित्ता अरब से खेचा जब उस पर इश्क का असर हुआ तो हर चीज से उसका दिल सर्द हो गया जब अल्लाह के इश्क ने गलबा किया तो अपना वतन छोड़कर तबूक आया और वहां ईंटें पाथने लगा लोगों ने शाह तबूक से जिक्र किया कि अमरउल कैस बादशाह जहां गरा बनकर आ गया है और इश्क का शिकार बन गया है तबूक का बादशाह राख के वकत उसके पास पहुँचा और कहने लगा कि तू यूसुफ दौरा है तू बादशाह है औरतें तेरे हुसन की बांधियां हैं अगर तू मेरे पास मुकीम हो जाए तो मेरी खुश नसीबी होगी शाह तबूक ने उससे बहुत सी दनाई की बातें की लेकिन वो खामोश रहा और फिर उसने अपने सर से नकाब हटाया नामालूम उसने तबूक के बादशाह से इश्को दर्द की क्या बातें की कि उसे भी अपने जैसा बना लिया उसने उसका हाथ पकड़ा और उसका साथी बन गया और उसे भी शाही तख्त और पटके से बेजारी हो गई दोनों बादशाह दूर दराज मुल्कों की जानब चल खड़े हुए इश्क से यह करामत पहली बार सादिर नहीं हुई ये काम वो सैकड़ों बार कर चुका है इश्क वो वजन है कि जिसके रखने से कश्ती गर्क हो जाती है अमरोल कैस और शाह तबूक के अलावा बहुत से बादशाहों को इश्क ने खाना विरान किया है ककेसरों तुर का बादशाह था एक वक्त ऐसा आया कि अपने फर्जंद लहरा सब को तख्त पर बिठाकर याद इलाही में जंगलों में निकल गया और लापता हो गया तीनों शहजादे चीन में पहुंचकर मारे मारे फिरते थे और अपने इश्क का राज भी खतरनाक होने की वजह से किसी पर जाहिर ना करते थे जब इश्क में मशूक या उसके सरपरस्तों के गुस्से की वजह से की पैदा हो जाती है तो फिर आशिकों के सर कौड़ियों के मोल के होते हैं मशूक के नाज आशिकों को कत्ल करते हैं तो समझो कि गुस्सा की हालत में क्या कुछ होता होगा आशिक हर वक़्त हर हाल में महबूब पर कुर्बान होने का ख्वाहिशमंद होता है फिर की हजारों जिंदगियों से मर जाने को बेहतर समझता है इश्क की गुलामी पर सैकड़ों सल्तनतें कुर्बान कर देता है चूंकि राज के जाहिर होने में ख़तरा था इसलिए तीनों शहजादों ने बहमी बातचीत के लिए कुछ असलाहें बना ली थीं उनके राज का सवाए खुदा के कोई माहरम न था और उनकी आह का सवाए आसमान के कोई गवाह न था जब वो आपस में दर्दो इश्क की बातें करते तो असलाहों में करते कुछ दुनिया के लोग भी इस राह तरीकत की असलाहें सीख लेते हैं उनके हकीकी माने से बेखबर होते हैं और इन अल्फाज को अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए काम में लाते हैं ये ऐसा ही है कि कोई परिंदों की महज बोली सुन ले और जो उनका मकसद है उसको ना समझ सके परिंदों की बोली को हज़रत सलीमानसलाम ही समझ सकते थे इसी तरह आरिफ का कलाम ारफ़ी ही समझ सकते हैं सखर नामी देव ने हज़र सलीमान सलाम के मुल्क पर कब्ज़ा भी कर लिया और उनकी सी सूरत भी बना ली तो वो उस मंतकुल तैयर को नहीं समझ सकता था थारिफीन तो इल्म लुदनी के ज़रिए ही ये उलूम हासिल करते हैं आरिफों की रूहों का मुकाम अरश से भी बाला है हर ख्याल के लिए आसान नहीं है कि वो उनके मुकाम और इस्ता को देख सकें जो आरिफी इस मुकाम और इस्ता का मुशाह करते हैं वो हम वकत नहीं करते बल्कि कुछ अहवाल में मुशाहिदा करते हैं फिर उनको फराक हासिल हो जाता है उनकी ये जुदाई क़ा तल्लु की वजह से नहीं है बल्कि जिसम से ताल्लुक़ की बिना पर है और इसमें खुदाई मसलहत है इसलिए कि इस इस्ता के लिए जिसम का बका भी जरूरी है लिहाजा मुशाहिदा मुनकदा कर दिया जाता है और तजल्लियात का सूरज अबर में गायब हो जाता है चूंकि जिसम को भी कायम रखना है लिहाजा तजल्लियात इस रूही जिसम से मख्फी हो जाती हैं ताकि बदन के बर्फ़ को सूरज की तजल्लियात बिल्कुल ना पिघला दें हरफिन से अपनी रूह की असलाह करा लो उनकी असलाहों को चुरा कर इस्तेमाल ना करो जुलैखा ने राजदारी के लिए मुख्तफ असलाहें बना रखी थीं सपंद और ऊद बोलकर हज़रत यूसफ्लाम मुराद लेती थी जो उसके हमराज थे वो इन लफ्सों से हजरत यूसफ़ से मुतलिक बात समझ जाते थे अगर वो कहती कि मोम आग से गर्म हो गया तो उसका मतलब होता कि हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मेहरबान हो गए अगर वो कहती कि देखो चांद निकल आया तो मतलब होता कि हजरत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आ गए अगर कहती कि बैद की शाख सबज हो गई तो मतलब होता कि वसल की उम्मीद हरी हो गई दर्द के अच्छा होने का मतलब होता है कि फसल की झलक नजर आई है जो राजदान थे वो मतलब समझ जाते थे यह तरीका इसलिए इख्तियार किया गया कि राजदानों में गैर भी मिले हुए थे लाखों असलाहों से उनका मतलब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम होते वो उनका तस्करा करती तो वो उसके लिए एक का काम करते इस तरह वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जिक्र से अपनी प्यास बुझाती थी और उनका जिक्र उसके लिए शरबत बन जाता था उनका जिक्र उसके दर्द का इलाज था जाड़ों में उनके जिक्र से बदन में हरारत पैदा होती खवास लोग अल्लाह के जिक्र से यही फ़ायदा उठाते हैं लेकिन अवाम के जिक्र में चूंकि इश्क शामिल नहीं है लिहाजा जिक्र की वो तासीरात भी नहीं है खुदा का नाम इश्क के साथ तो असर करता है ही लेकिन फना के मुकाम पर पहुंचने के बाद खुद फानी का नाम भी यही असर करता है जो खुदा का नाम असर करता है अब हज़रती का कुम बेज़नी कहना वही माने और असर रखता है जो कुम बेज़न का था जब फानी की जान जाते बारी से मुतसिल हो गई तो उस जान का जिक्र करना खुदा का जिक्र करना है और खुदा का जिक्र करना उस जान का जिक्र करना है फानी अब अपनी ज़ात से खाली है और अल्लाह से पुर है तो प्याले में से वही टपकेगा जो प्याले में है अब उस फानी के तबी फाल भी हजरत हकता के साथ मामला के मुखबर होंगे उनका हंसना वसल की वजह से होगा और उनका रोना फिराक की वजह से होगा आम इंसानों के दिलों में सैकड़े मुरादें होती हैं और ये इश्क का मजहब नहीं है आशिक के दिल में सिर्फ मशूक के हसूल की मुराद होती है आशिक के लिए तो हर चीज में मशूक की झलक नजर आती है सूरज में भी वो मशूक की झलक देखता है और अपना फानी नूर नहीं समझता है बल्कि उसको सिर्फ नूर हक का मजहर समझता है जो सूरज का अपना जतीी नूर समझे वो सूरज का पुजारी है उससे ताल्लुक टोल आशिक का तो सभी कुछ मशूक है उसका दिन भी वही है खुराक भी वही है दिल भी वही है और दिल सोजी भी वही है मछली को सब कुछ पानी से हासिल होता है इसी तरह खुदा के आशिक को भी सब कुछ एन जात से हासिल होता है हा खुराक हो या पोशाक आशिक मशूक के सिवा किसी से ताल्लुक नहीं रखता जैसा कि शीर खार बच्चा सिर्फ दूध को जानता है बच्चा दूध को गफिल जुमला जानता है उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं होता यही हाल आरिफ का है कि वह ज़ात खुदाबंदी का आशिक है लेकिन उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं है अवाम आरिफ के इस इल्म से भी महरूम है उसकी वजह यह है कि बदनी तल्लुक ने उनकी रूह को महरूम कर दिया है वो तावीज़ जो किसी बागे के लिए किया जाता है ताकि वह वतन वापस लौट आए से मुराद बदनी तल्लुक है कि उसका बदन लौट आए अब उसकी रूह हक ताला और मखलूक जो कि फातह और मफतूब हैं में इम्तियाज नहीं करती है आम इंसानों की यह हालत सुलूक से पहले होती है जब वह राह सलूक इख्तियार कर लेता है तो उसकी ये हालत नहीं रहती उसके तल्लकते बदनी ख़त्म तो नहीं होते लेकिन अब दरियाए हकीकत उसका हामिल बन जाता है सालिक जब हकीकत को तलाश करता है तो खुद गुम हो जाता है जैसे दरिया का बहाव समर में जाकर गुम हो जाता है बीज जब गुम हो जाता है तो अंजीर बनकर रूनुमा हो जाता है सदर जहाँ का मकूला मरती का यही मतलब है बड़े भाई ने कहा कि या तो मेरे कदम मुझे मकसूद तक पहुंचा देंगे वरना दिल की तरह सर वहीं कुर्बान कर दूंगा अ मलामत कर तेरी आशिक को नसीहत बेकार है जबकि आशिक को खुदा ने गुमराह किया है तो उसको राह रास पर कैसे लाया जा सकता है बड़े भाई ने दोनों छोटों से कहा मैं अब सब्र की वजह से जहाल हूँ अब मौत की कोई परवाह नहीं मौत आतिश फिराक से बेहतर है अब बेशक मेरा सर कलम हो जाए मैं फना के बाद पका हासिल करना चाहता हूँ मैं मानवी जिंदगी हासिल करना चाहता हूँ ज़ाहिर जिंदगी मेरे लिए जिल्लत है शहीद गुनाहों से पाक हो जाता है जिसमानी अलाइक से जुदा होकर रूह मजीद मुनवर हो जाती है मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मेरी मौत में मेरी जिंदगी है मुर्गा भी पानी के तूफ़ान से नहीं डरती जब इश्क में मेरी ज़िंदगी है तो मैं इश्क के दावे से कैसे खामोशी इख्तियार करूं? ये मेरी इस तगरा की कैफियत है लोग इसे नींद कहते हैं लेकिन ये नींद नहीं है आतिश इश्क अगर जिस्म के खरमन को फना कर दे तो कोई परवाह नहीं खरमन जिस्म के बगैर खरमन महबूब उसके लिए काफी है भाई बोले अपने आप को ख़तरात से बेखबर ना बना एक तो हम भी इश्क में मुब्तला है अब तुम्हारी जुदाई मजीद होगी खतरनाक रास्ता किस तजर्बाकार की, की तदबीर से ही तय किया जा सकता है अगर इंसान की अकल कामिल ना हो तो किसी राहबर की अकल को रहनुमा बना ले या तो इंसान खुद मुकम्मल हो वरना किसी मुकम्मल की तलाश करे अकलो नज़र के बगैर इस राह सलूक का दरवाज़ा खटखटाना देन न होगा बल्कि नफसानी ख्वाहिश होगी ख्वाहिश नफ्स और दवा के हमरंग जख्मों की वजह से एक आलम जाल में फंसा हुआ है नफ्स की मक्कारियों की एक मिसाल तो ये है कि ये वो सांप है जो सीने में मौत की तरह मुंह में कोई पत्ता दबाए खड़ा है वो घास में घास की शाख की तरह खड़ा है परिंद ये समझ कर कि ये कोई शाख है उसके पास आ बैठता है और मौत के मुंह में चला जाता है या जैसे मगरमच्छ मुंह खोले हुए हो और उसके दांतों में लंबे लंबे कीड़े हों परिंदा उन कीड़ों को अपनी खुराक समझकर उन पर आ जाए और मगरमच्छ मुंह बंद कर ले इस नकलो से बरी दुनिया को इसी तरह का मगरमच्छ समझो वान अपनी गजा हासिल करने के लिए इस तरह के लाखों मकर करते हैं तो इंसानों के मकरों का अंदाजा खुद लगा लो इंसानों का मकर यह होता कि हाथ में कुरान और आस्तीन में जहर में बुझा हुआ खज्जर होता है जुबानी तो तुझे मौलाव आका कहेगा लेकिन दिल में तेरी अदावत बरी होगी उनकी बातें जहर कातिल हैं बजाह शहद और नजर आती हैं जब नफ्स की यह धोखाबाजी है तो याद रख राय सलूक बगैर पीर के इख्तियार ना कर नफ्स की सारी लज्जतें मकर और धोखा हैं उनमें बिजली किसी गूंद होती है और चमक होती है लेकिन उसके चारों तरफ अंधेरा होता है चूंकि तू नफ्स के धोखे में मुब्तला है और नापायदार रोशनी हासिल करना चाहता है इसलिए कामिलीन तुझसे इराज करने लगते हैं तू खुद रहबरे कामिल को हासिल नहीं करता और अगर वो कामिल इस राह करम तुझ पर नजर करके तुझे नसीहत करता है तो उससे रुकरदा नहीं करता है और ये सोचता है कि मैंने काफी सफर कर लिया है और ये कामिल मुझे भटका रहा है अगर मैं उसकी बातों पर अमल करूंगा तो असर नौ सफर शुरू करना होगा कामिल तुझे कहता है कि ये तेरा महज ख्याल है कि तूने रास्ता तय कर लिया है तू वही की रोशनी में थोड़ा सा सफर कर ले मंजिल पर पहुंच जाएगा तूने महज अपने गुमान से रास्ता तय किया है और हक के मामले में गुमान कुछ इतना मुफीद नहीं होता अभी भी वक्त है कि हमारी बात पर अमल कर ले या अपनी बात पर हमसे मशवरा कर लिया कर वो कहता है कि अब मैं खुद मुस्तकिल पीर हूं और किसी का तुफेली बनना नहीं चाहता याद रख अंधा बनकर किसी के साथ सफर करना अकेले सफर करने से बेहतर होता है राहबर के साथ अंधाधुन चलने में तो इतवा की जिल्लत है और तनहा चलने में दुनिया और आखिरत की सैकड़ों जिल्लतें हैं यह ऐसा ही है जैसे कोई मच्छर से डरकर असदहे के मुंह में चला जाए इसकी मिसाल ऐसी ही है कि कोई लड़का बाप की नसीहत से बाकर उबाशों में जाभन से हजरत यूसुफ्लाम हजरत यकूब से खेल कूद के शौक में जुदा हुए नतीजतन कुएं में जा गिरे तू भी कुएं में गिरेगा फ़र्क यह है कि उनकी तो खुदा की मेहरबानी ने दस्तगिरी की लेकिन तेरे लिए वो इनायत कहाँ है फिर फर्क यह है कि उनकी मुरबी से दूरी खुद मुरबी की इजाजत से थी वरना उनकी दस्तगिरी ना होती जो ना किस इंसान मुरबी से सरकशी कर लेगा उसका हाल यहूद कैसा होगा जिन्होंने हजरती से सरकशी की ना किस में भी सलाहियत होती है लेकिन मुरबी से इराज करने की वजह से वो भी उसे बर्बाद कर देता है मुरबी नाकिस से कहता है मेरा इतवाह कर ले इस अंधेपन का सुरमा मेरे पास है अगर तू अंधा है तो तुझे मेरे पास से बिनाई हासिल हो जाएगी और तू यूसुफ्लाम की कमीज हासिल कर लेगा जिससे हजरत यकूब .सलाम की बिनाई लौट आई थी खुदा करे कि तुझे पीर का इतबा नसीब हो पीर से मुराद उम्र का बूढ़ा नहीं बल्कि राहसलूक का पीर मुराद है जब तू इतबाह कर लेगा तो फौरन उसकी रोशनी नजर आ जाएगी राह सलूक में मंजिल तक पहुंचने की शर्त अपने आप को पीर के सपुर्द कर देना है बगैर पीर के तेरी ये भाग दौड़ तुझे मंजिल से दूर कर देगी जिस तरह तीर कमान के बगैर प्रवास नहीं करता इसी तरह मुरीद भी शेख के बगैर प्रवास नहीं कर सकता नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने अरूज का जरिया ना बनाया बल्कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स को बनाया और मरदूत करार पाया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तू मेरी इतबाह करेगा तो तोज हासिल कर लेगा यानी तुझे मेरा ताल्लुक मिला हासिल हो जाएगा दिल मशर को मगरब की सैर बगैर सवारी के कर लेता है इसी तरह आरिफ बगैर अस्बाब ज़ाहरी के मलकूत की सैर कर लेता है वो मुराकबे के जरिए आलम कैब की खबरें दे देते हैं ये खबरें तवातर का दर्जा रखती हैं इसलिए इनका यकीन हो जाता है तमाम अलिया रहतल तम वंबिया अपनी कैब की खबरों में मुतफिक हैं ये खबरें अटकल से नहीं दी जाती बल्कि मुशाहिदा के बाद दी जाती हैं लिहाजा इंसान को नमरूद ना बनना चाहिए बल्कि नेक नफूस के जरिए प्रवास करनी चाहिए अकल ना किस गिद्ध है उसकी प्रवास मुर्दार ही की जानब होती है आरिफी की अकल कामिल है और उसकी प्रवास हजरत जब्राई सलाम की तरह होती है हज़रत इब्राहिम ने नमरूद से फरमाया कि मेरी इतबा तेरे लिए नफ्स की इतबा से बेहतर है अंधाधुंध घोड़ा दौड़ाने से कहाँ पहुँचोगे छोटे भाइयों ने बड़े भाई से कहा कि किसी अकलमंद से मशवरा कर ले सब चीनी ये कहते हैं कि हमारे बादशाह के कोई औलाद ही नहीं है उसकी तो किसी औरत से सोहबत ही नहीं हुई अगर किसी ने उसके यहाँ शादी का पैगाम दिया है तो उसकी गर्दन कटी है वो मुतालबा करता है कि पहले साबित कर कि मेरे यहाँ औलाद है अगर तू तो साबित कर देगा कि मेरी कोई लड़की है तो मेरी तलवार से बच सकेगा जान एक सूफी और जिस्म उसकी गदड़ी है बादशाह कहता है कि अब जबकि तूने ये झूठ बोला है जब तक तू इसका सबूत न देगा तेरी जान न बचेगी और वो कह देता कि इस खंदों को जाकर देख ले जिसमें इस तरह की बात कहने वालों के सर कटे हुए पड़े हैं सब ने यही बात कही तो कतल हुए तुम ऐसी बात न कहना उन सरों से इबरत हासिल कर अगर रास्ता से वाकिफ सौ साल भी चले तो उसका चलना सही रास्ता के हिसाब में नहीं लगता है किसी कलमंद के मशवरे के बगैर ये काम करना ऐसा ही है बगैर असलहा के, के मैदान जंग में जाना वो बोला मुझे न समझाओ मेरे सीने में सबर की बजाय इश्क की आग लगी हुई है जिस वक्त इश्क पैदा हुआ सबर मर गया मैं अब हवादिस के लिए अमादा हूं मेरा सर कट जाए मुझे कोई परवाह नहीं है मैं अपने इश्क को मखफी नहीं रख सकता महबूब का दीदार मुजसर ना आए तो आंख का अंधा हो जाना बेहतर है वो कान जो महबूब का राज ना सुन सके वो सर के लिए से नंग है जिस तरह मजाज में यह है इंसान कोशिश जारी रखे इसी तरह हकीकत के तालिब का भी फ़र्ज है कि मुजाह जारी रखे खा उसे महसूस हो कि ये मुजाहिदा हकीकत तक पहुंचने का जरिया नहीं है इंसान का काम कोशिश करना है नतीजा उसके हाथ में नहीं है इंसान किसी एक सबब से कोशिश करता है अल्लाह किसी दूसरे सबब से उसका मतलू पूरा फरमा देता है इंसान का काम तदबीर करना है मुकद्रा दो तो अल्लाह के कब्जा में है हो सकता है कि हमारी सही पर मकसद का हसूल मौकूफ हो और मकसद किसी दूसरे जरिए से हासिल हो जाए मखसूस से मुराद अल्लाह तला की मैयत है मैं अपने महबूब की तलाश में सरगर्दा रहूंगा जब तक वो मिल ना जाए कुरान में है कि वाह वाह महाकुम आईना माहकुम तुम अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम जहां भी हो अल्लाह ने यह तो फरमा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन दिल पर मोहर लगाती है ताकि महज उसका मफहम तो समझ में आ जाए लेकिन जौकी मैयत बगैर मुजाहे के समझ में ना आ सके जब इंसान रूहानी सफ़र यानी मुजाहिदा करता है तो उस मैत खुदाबंदी के जामे माने तारीफ हासिल हो जाती है और उसकी ओकी हकीकत खुल जाती है मुजाहिदा करने वाले में दो गलतियां हो सकती हैं उनका अंदाज़ा मकसूद हासिल हो जाने के बाद महसूस होता है वो मैयत के असूल का सबब बन जाती हैं एक गलती ये है कि मुजाह करने वाला समझता था, था कि मुझे मैयत हासिल नहीं है और दूसरी गलती ये थी कि वह समझता था, था कि मैयत मुजाहदे के बगैर हासिल नहीं हो सकती जब वो मैयत खुद उसको उसकी फितरत से उसे हासिल हो जाती है तो ये कहता है कि मैं खुद उसको तलाश करता फिरा उस मुजाहदे पर मैयत का मौकूफ था महज फिक्र की तेजी से ये की तो इल्म हासिल नहीं होता है उस मैत की ओक के अतबार से मुजाहिदों के जरिए उसूल की मिसाल शेख का कर्ज है जिसकी अदायगी हलवाई के बच्चे के रोने पर मौकूफ थी जाहिर है कर्ज के अदा होने और बच्चे के रोने में कोई खास तल्लुक नहीं है इसी तरह उस मैत का हसूल और मुजाहिदे में कोई खास ताल्लुक नहीं मुजाहिदा उसके हसूल में सिर्फ एक बहाना है शेख के कर्ज की अदायगी का किस्सा दफ्तरे दो में था रहमत हक बहा नमी जवेद रहमत हक बहाना मी जवेद अल्लाह का रहमत करना ज्यादा कुछ करने पर मुनहसर नहीं है वो तो रहमत करने के बहाने की तलाश में रहता है असबाब की सबीयत महज खुदाई देन है इंसान जिसको सबब समझता है अल्लाह उसमें से सबीयत को सलब कर लेता है और बसाओकात नफा के सबब को नुकसान का सबब बना देता है जिस जगह से नफा का लालच हो वो खौफ की जगह बन जाती है जिसको तू नफा का जरिया समझता था उससे तेरी तमा इसलिए वाबस्ता हुई कि वो दूसरे सबब से तेरी उस तमा को पूरा कर देगा इंसान एक ख़ास दरख्त के मेवे की तमा करता है वह वहां से उसे हासिल नहीं होता खुदा दूसरी जगह से उसको अता कर देता है जिस सबब से तेरी तमा पूरी नहीं हुई उससे तवाको वस्ता करने में यह हमत है कि तू हैरानी में मुब्तला होकर असबाब को गैर मुसर समझने लगे और ये समझे कि माँ दर्चा ख्यालम व फलक दर्चा खयालस्त हम किसी ख्याल में हैं और आसमान क्या सोच रहा है ताकि तुझे समझ ले कि इंसान बावजूद इसबाब के मुयसर आ जाने के आजिज़ है और महसर हकी तो कोई दूसरी जात है एक सबब को गैर मुसर बनाकर किसी दूसरी चीज़ को सबब बना देने में इंसान पर हैरानी तारी होती है जो एक खास तजली है इंसान अपने लिए दर्जीपन को रोजी का सबब समझता है लेकिन उसका रिस्क सुनारपन में मुकद्दर होता है और वहां से उसे मिलता है इंसान को उस सबब की तरफ मतवजो करने में जिससे रोजी हासिल होगी कुछ हमतें पोशीदा हैं जो अल्लाह के इल्म में हैं यह हमत भी है कि इंसान असबाब पर पूरा भरोसा न करे और हैरानी की कैफियत उस पर तारी रहे शहजादे ने भी यही कहा कि मैं इस तरीके को विशाल का सबब नहीं समझता हूं हो सकता है कि इस तरीके से वसल हो जाए या अल्लाह ताला कोई और जरिया पैदा फरमा दे मैं तो हैरान और मुस्तिर हूं कि देखिए किस रास्ते से मकसद फतायाब होता है जिबाशुदा परिंदा अपनी जान जिसम से निकालने के लिए मुख्तलिफ अतराफ में गिरता है कि नामूम कौन से रुख से गिरना सबब बनता है जिल्द शशुम हिकायत नंबर बयासी मिस्र के खजाने चाहने वाले और बगदाद के ख़जाना चाहने वाले दो शख्सों की हिकायत। एक मीरास पाने वाले के पास बेशुमार माल था जिसे वो खा गया और गरीब हो गया वरुसा का माल वफादार नहीं होता उसमें अगर वफादारी होती तो मरने वाले से क्यों जुदा होता वारिस को भी विरसा में मिले हुए माल की कदर नहीं होती क्योंकि उसको हासिल करने में कोई मेहनत नहीं उठानी पड़ती है इंसान को रूह भी चूंकि बिला मेहनत हासिल हुई है इसलिए वो उसकी कदर नहीं करता वारिस ने अपनी उस हालत में दुआ करनी शुरू की कि खुदा मुझे माल या मौत दे दे क्योंकि अक्सर इंसान गुर्बत में ही अल्लाह को याद करने लगता है आजूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान की मिसाल बांसुरी की सी है कि जब खोखली हो तो उसमें नाला पैदा होता है अगर बांसुरी का सुराख भर जाए तो गोहैया उसे हाथ से रख देता है ऐ इंसान तू भी खाली रह के मुतरबे हकीकी के हाथ में रहे तू तो खाली रहेगा तो अल्लाह की दो उंगलियों के दरम्यान रहेगा और गैब के नगमा से सरमस्त रहेगा अब उस बारिश में माल की सरकशी न रही थी और उसके आंसुओं की बारिश से दीन की खेती, सैराब हो रही थी वो अब पूरी तरह दुआ में मसरूफ था सबसे मुखलिस नेक बंदे वो हैं जो दुआ में आजारी करते हैं और उनकी आहों का दुआ मलाए आला तक पहुंचता है जल्द शशुम हिकायत नंबर तिरासी मोमिन की दुआ की कबूलियत में तखीर का सबब फरिश्ते जनाबे बारी ताला में अर्ज करते हैं कि वो मोमिन बंदा रो रहा है तो जब गैरों को अता करता है तो इस मोमिन को अता में तखीर क्यों हो रही है अल्लाह ताला फरिश्तों को जवाब देता है कि ये तखीर इसलिए नहीं कि हम इसे हकीर समझते हैं बल्कि ये तो उसकी एक मदद है उसका रोना हमें पसंद है और इस तखीर में उसका इजाज़ है उसकी हाजत ने उसे हमारी तरफ मतवजो किया है अगर उसकी दुआ जल्द कबूल कर दी जाए और उसकी हाजत रफा हो गई तो यह हमसे रुखसत होकर खेल कूद में लग जाएगा वो अब दिल से हमें पुकार रहा है उसकी आवाज और या खुदा कहना और खुशामद से हमें फिसलाना यह सब हमें पसंद है इसकी मिसाल यह है कि तोती की खुश आवाजी की वजह से लोग उसे पिंजरे में कैद करते हैं कव्वे और चुगर को कोई पिंजरे में नहीं रखता दूसरी मिसाल यह है कि किसी हुसन परस्त के सामने अगर दो औरतें आईं एक बूढ़ी और एक हसीन तो वह बूढ़ी को फौरन रोटी देकर रुख्सत कर देता है और खूबसूरत को मुख्तल बहानों से रोटी देने में तखीर करता है उसे कहता है कि जरा बैठ जा ताज़ा रोटी पक रही है उसमें से दूंगा जब रोटी आ जाती है तो उसको हलवे का मुंतजर बनाकर बिठाता है इन तरकीबों से उसको ठहर जा ठहर जा कहता रहता है और नज़रबाजी से उसका शिकार करता रहता है तू बेगानों और मोमिनों की मिसाल उन दो औरतों से समझ ले मोमिन की खूबियों की वजह से यह दुनिया उनका पिंजरा है और काफिरों की बुराइयों की वजह से यह दुनिया उनके लिए जन्नत और बाग है जिसमें वो खुले फिरते हैं मोमिन की दुआ की कबूलियत में तखीर की वजह यही है कि अल्लाह ताला उसको अपने साथ मसरूफ रखना चाहता है मीरास वाले ने गिरिया उजारी से अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाया तो हातिफ़ गैब ने आवाज दी कि तुझे ख़ज़ाना मिस्र में मिलेगा उस खजाने की जगह का पता भी बता दिया वो शख्स मिस्र पहुंचा तो रात के वक्त अवारा गर्दी में गिरफ्तार कर लिया गया कोतवाल ने उसे मारा लेकिन उसके बाद उसकी मुश्किल हल हो गई उसने कोतवाल से कहा कि मुझे ना मार मैं अपने सही हालात बताता हूं उसने कहा कि मैं मिस्री नहीं हूं और चोरी वगैरह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बात सच्ची थी और सच्चाई सुनने वाले के दिल में इतमान पैदा कर देती है उसकी बातों से उसकी अंदरूनी सोजश का पता चलता था काफिरों के दिल चूंके पर्दे में है इसलिए सच्ची बात उन पर असर नहीं करती अंबिया की तलीम का तो ये हाल है कि उसका असर चांद को टुकड़े करते उसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर कोतवाल रो पड़ा इंसान का नफ्स बेमंजला दो जखे है उसकी बात दो जखी है रोक की बात जन्नती है मंडी में हर तरह का सौदा होता है अच्छा ताजर करे कोटे में तमीज कर लेता है इसी तरह माहिर बात का अंदाजा लगा लेते हैं दुनिया का जुज जुज का यही हाल है किसी के लिए मुफीद किसी के लिए मुजर आलिम की तमाम अशिया के मुख्तलिफ शख्सियतों तो पर मुख्तलिफ असरा पड़ते हैं आजूर सल्ला को पत्थर सलाम करते थे यही पत्थर मोमिनों के लिए गवाही देंगे तरह तरह की बातों से मलूल ना हो अपने दिल में आखिरत का दर्द पैदा कर आखिरत का दर्द बुजुर्गों की सोहबत से हासिल होता है उनकी सोहबत इख्तियार कर जो दर्द से मालामाल हो जिस तरह खारी पानी से प्यास नहीं बुझती इसी तरह गलत सोहबत से मकसूद हासिल नहीं होता धोखेबाज पीरों में फंस इंसान सही पीर से महरूम हो जाता है झूठा पीर कहता है कि मैं तेरे दर्द का इलाज हूं हालांकि वो खुद एक दर्द होता है कोतवाल ने परदेसी से कहा तू बेवकूफ़ है कि एक ख्वाब के पीछे बगदाद से यहाँ आ गया मैंने कई बार ख्वाब देखा है कि खजाना बगदाद में है कोतवाल ने उसे खजाना का पूरा पता बता दिया जो कि उस परदेसी के कूचे और घर का पता था उसने कहा कि मैंने ये ख्वाब बार बार देखा है लेकिन मैं बगदाद नहीं गया तेरी ये हमाकत है कि ख्वाब पर दौड़ पड़ा ना इस अक़ल के ख्वाब भी काबिल भरोसा नहीं होते कोतवाल का ख्वाब सुनकर उसने अपने आप से कहा कि जब ख़जाना खुद मेरे घर में है तो मैं यहां फकर की हालत में क्यों फिर रहा हूं ये सब मेरी गफलत का नतीजा है उसने सोचा कि खजाने का मिलना कोतवाल की मार पर मौकूफ था वैसे मेरे पास सब कुछ था वो मुझे अहमक क्यों समझता है किसी ने एक दरवेश से कहा कि यहां तुझे कोई नहीं जानता उसने जवाब दिया लोग अगर नहीं जानते तो ना जाने मैं तो अपने आप को जानता हूं कि मैं क्या हूं अगर ऐसा होता कि लोग मुझे जानते और मैं कुछ भी ना होता तो अफसोस की बात थी कोतवाल की बात सुनने के बाद वो बगदाद की जानब रवाना हो गया वो रास्ता भर हैरान रहा कि अल्लाह ने कहा का उम्मीदवार बनाया और कहा मकसद पूरा फरमाया इसमें क्या हिकमत थी कि मुझे वतन से बेवतन किया और खजाने के खिलाफ रहनुमाई कर दी जिस पर मैं खुशी से दौड़ रहा था मेरा जो कदम मिस्र की तरफ उठता था खजाने से दूर कर रहा था फिर मेरी इस गुमराही को कामयाबी का जरिया बना दिया मिस्र में कोतवाल के हाथों पिटा और वही कोतवाल मकसद का वसीला बन गया चूंकि खजाना गुमान के खिलाफ हासिल हुआ तो उससे इंसान का खुदा पर भरोसा बढ़ता है और वो इस्बाब को मुस्तकिल नहीं समझता अल्लाह बात इंसान की गुमराही को ईमान का सबब बना देता है और एहसान और इबादत के नतीजे में बाज़ात गुमराह हो जाता है इसमें यह हिकमत है कि कोई इबादत गुजार खौफ खुदा से खाली न रहे और कोई बदकार रहमत से मायूस ना हो बुराई में भलाई को इसलिए मखफी कहा गया है ताकि उसके इसम खफा का मजहर सामने आता रहे इबादत गुजार को बख्शा अल्लाह का मखफी लुत्फ नहीं है गुनाहगार को मख्त से नवाजना लुत्फ खफी है अजायब कुदरत में यह भी है कि मुनकरों का इनकार से मकसद को जलील करना होता है लेकिन उससे उनकी इज्जत जाती है, और उनके इनकार के सबब मोजे होते हैं जिससे अंबिया की इजाफा होता है उन मुनकरों का कसर तो ये होता है कि उनके इनकार से दीन की जिल्लत हो जाएगी लेकिन वही चीज़ उनकी इज्जत का सबब बन गई है अगर मुनकरों का इनकार ना होता तो मौजों की जरूरत ना होती न उनका जहूर होता फिरा ने जादूगरों को इसलिए जमा किया था ताकि मूसा अलैहिस्सलाम के मुआवजे को बातिल कर दें लेकिन यही मकर उल्टा हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गवाह असा मोतबिर साबित हुआ फिरौन बनी इसराइल के ताकूब में निकला लेकिन उसकी ये हरकत उन बनी इसराइल के लिए बायस इतमान हो गई और वह दरिया के नीचे पानी में गर्क हो गया अगर वह मिस्र में रहता तो बनी इसराइल हमेशा उससे डरते रहते ये सब इसलिए हुआ कि जान लिया जाए कि अमन खौफ में पोशीदा है लुत्फ ख़फ़ी यह है कि अल्लाह ने कोहे दूर पर हज़रत मूसी को नार में नूर दिखला दिया इबादत गुजारों को अजर देना लुफ़ खफी नहीं है बल्कि यह है कि फिरौन के जादूगर मुकाबले के लिए आए और उन पर मेहरबानी हो गई और वो मोमिन बन गए आरिफ चूंकि हर किस्म के खतरा से गुजर चुके हैं लिहाजा वह बिल्कुल अमन में है वह देख चुके हैं कि बहुत से खौफ के अस्बाब से उन्हें अमन हासिल हुआ जिस तरह अमन खौफ में मखफी होता है इसी तरह खौफ भी अमन में मखफी होता है वो यहूदी हजरत ईसा को कत्ल करने क्या? ने उसको हजरत ईसा का मुशाबा बना दिया कौम उसे ईसा समझी और सुल पर चढ़ा दिया वो कहता रहा कि मैं ईसा नहीं हूं लेकिन उसका यकीन कौन करता कौम ने कहा यह ईसा है बहाना बनाकर हमसे छूटना चाहता है जो फेल उसने बायसे अमन समझा उसमें खौफ मखफी था आलिम में बहुत से वाकियात हुए हैं कि इंसान उनको मुफीद समझता है और वो मुजर होते हैं अब रहा हबिश का गवर्नर मक्का वालों से इंतकाम लेने और उन पर फतह पाने चला हलाक हो गया उसका ये काम जिसमें वो अपनी कामयाबी और मक्का की तोहिन समझता था मक्का के एजाज का सबब बन गया उस शख्स ने बगदाद आकर कोतवाल के ख्वाब के मुताबिक घर खोदा तो उसे खजाना मिल गया ये सब कुछ इसलिए किया गया कि उस पर वाजे हो जाए कि अल्लाह बाज़ औकात मुजरबातों में नफा पोशीदा कर देता है जल्द शशुम हकायत नंबर चुरासी भाइयों का बड़े भाई को समझाना और रोकना लेकिन उसका जुनून और बेखुद होकर चला जाना मोहब्बत की ज्यादती की वजह से दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाई से कहा कि तुम्हारी सारी तकरीर का हमारे पास जवाब है अगर जवाब नहीं देते हैं तो काम खराब होता है और अगर देते हैं तो तुम्हें तकलीफ होती है ना कहना दोस्ती के खिलाफ है उसने और कुछ ना सुना और चल दिया और शाहे चीन के दरबार में जा पहुंचा शाह चीन साहिब बातिन था उसको उन सब के हालात कशफ से मालूम थे आज़ूर सल्लासम ने फरमाया हर इंसान से क्यामत में उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा रूह गौ बंसला मशूक है और जिसमें मादी से अलहदा चीज़ है लेकिन उसका असर राग राग में खून की तरह जारी है शहजादा बादशाह के सामने दुजानू बैठ गया और तारफ़ कराने वाले ने उसका हाल बयान करना शुरू किया शाह पहले से सब कुछ जानता था क्योंकि अगर बातिन में इरफान का एक जर्रा भी होता है तो उससे जो कशफ होता है वो किसी बताने वाले के एतबार से बहुत ज्यादा बेहतर होता है जिसके दिल की आंख खुल जाती है उसको हकीकी मुआयना हासिल हो जाता है तारुफ करवाने वाला उसकी सिफारिशें कर रहा था कि यह आपके इश्क में मुबतला है और अपने मुल्क की शहजादगी छोड़कर आपकी खातिर फ़कीर बन गया है उसने सल्तनत की गदड़ी उतार दी है और कोई गदड़ी पसंद नहीं करता और लेने के लिए तैयार नहीं है इसी तरह सूफी जब वजद में आकर अपनी गुदड़ी उतार फेंकता है तो वो कोई गुदड़ी लेना पसंद नहीं करता अगर वो उतारी हुई गुदड़ी की ख्वाहिश करे और फेंक देने पर नातम हो तो उसके ये मानी हुए कि वो वजद के इवज़ गुदड़ी दे डालने में अपना नुकसान समझता है यानी मेरा वजद उस कीमत का नहीं कि मैं गुदड़ी देकर खरीद लूं। खुदा करे कि आशिक को यह ख्याल भी ना आए और अगर आता है तो वो जलीलो खवार है गुदड़ी तो बेजान शह है इश्क तो हजारों जानदार जिस्मों से भी ज्यादा कीमती है ये दुनिया के मुकाबले में हेच दर हेज है ये दुनियादारों के लिए मुनासिब है आशिकों को तो इश्क की सल्तनत चाहिए तारफ़ तो कराने वाला कह रहा था ये शहजादा बाजुबान हाल कह रहा है कि जो अहदा आपके दीदार का हिजाब बने और आपसे दूर कर दे वो अहदा नहीं बल्कि मज़ूली है आप इसकी तखीर से हाजिरी इश्क की कमी के सबब न समझें बल्कि ये अपने अंदर इस्तेदाद पैदा करने में लगा रहा जब तक मकसद के हसूल की इस्तेदाद ना हो कोशिश करना बेकार होता है अगर इंसान में मर्दाना कुवत नहीं है तो हसीन मशूब से फ़ायदा ना उठा सकेगा अगर नाक में इस्तेदाद नहीं है तो चमन की खुशबू बेकार है बे इस्तेदाद मुरीद और शेख के कामिल की मिसाल बहरे और चिंगो रबाब की सी है जिससे वो लुत्फ लुत्फानदोज नहीं हो सकेगा मुरीद का बगैर इस्तेदाद शेख के पास जाना ऐसे ही है जैसे कोई बगैर गेहूं के चक्की पर जाए वो तो वहां से गर्द गुबार से दाढ़ी और बाल सफेद करके निकलेगा ये चक्की सिर्फ उन लोगों को नफा देती है जिनके पास अमल और अकीदे का गेहूं हो माले साल से जन्नत की इस्तेदात पैदा करनी चाहिए तारुफ कराने वाले ने कहा पूरी इस्तेदात जिसम में रू आने के बाद आती है और वो आप इनायत करेंगे जनाब की मेहरबानियों की तवक्कों ने उसको सब गम बुला दिए हैं घर से चला था कि अपने कमालत से आपको मुसखर करेगा लेकिन अब आपका मुसक्र हो गया है महबूब चीज का कायदा यही है कि इंसान उसको हासिल करने के बजाय अपने आप को उसके हवाले कर बैठता है जो दुनिया का असीर है वो दुनिया का अमीर कहलाता है चूंकि जिस्म की वजह से रूह कैदी बनती है तो रूह का जिस्म को ख़ताब है कि तूने लाखों आजाद रूहों को कैदी बनाया है थोड़ी देर के लिए अपने मालो जा को कमाने के हीलों को तरक कर दे और कुछ दिन मरने से कबल आज़ादी की जिंदगी गुजार ले अगर तू इसी हालत में रहना चाहता है तो कम अज कम मुझे ही रिहा कर दे और मेरी जगह किसी और को साथी बना ले अब मुझे आजाद कर दे और किसी और को अपना शिकार बना ले जिल्द शशुम हिकायत नंबर पचासी काजी के जोजी की बीवी पर आशिक होने का किस्सा जोजी गरीब और मक्कार आदमी था और अपनी बीवी का जरिए कमाई हासिल किया करता था वो उसे कहता कि तेरी अबरू की कमान अदा का तीर और बकर का जाल खुदा ने तुझे इसीलिए दिए हैं कि लोगों का शिकार करे तू अच्छे परिंदों को दाना दिखा लेकिन खुद उससे फंस न जाना जोजी की बीवी ने काजी को शिकार बनाना चाह अदालत में जाकर खावंद की शिकायतें की और काजी उसके दाम में फंस गया काजी ने कहा अदालत में मैं मसरूफ हूं तन्हाई में तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा वो बोली आपके घर में भी लोगों का आना जाना होता है बेहतर है कि आप मेरे घर में आ जाएं, क्योंकि वो बिल्कुल खाली होता है दुनियादारों के कलब और दिमाग आपके घर की तरह फिक्रों और वसवसों से पुर होते हैं लोगों को चाहिए कि जोजी के घर की तरह अपने कल्बो दिमाग को खाली कर लें जब ये खाली होंगे तो फिर खुदाबंदी हुक्म से पकीजा ख्यालत नमदार होंगे गैबी हालात उस वक़्त आएंगे जबकि पुराने ख्याल खत्म हो जाएंगे अल्लाह का खौफ उन पुराने ख्याल को दूर कर देगा और फिर सही ख्याल आने शुरू हो जाएंगे उन फिक्रों से अपने आप को नींद में कर दे तो फिर वो खयालत आएंगे जो दरअसल बेदारी हैं वरना दुनियावी ख्याल तो ख्वाब गफलत ही हैं जिस तरह काफ के लोग समझते थे कि जाग रहे हैं लेकिन वो सो रहे थे इसी तरह तू ऐसा हो जा कि लोग तुम्हें दुनियावी ख्याल से बाख़बर समझें और तुम उनसे बेखबर हो जोजी की बीवी ने कहा मेरा घर बिल्कुल खाली होता है शौहर भी गांव गया हुआ है आज रात आप आ जाएं ताकि कोई देख ना ले काज़ी उसके फरेब में आ गया जैसे कबील ने भी हबील को औरत ही की वजह से कत्ल किया था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जुलेखा की वजह से कैद खाने तक पहुंचे अक्सर फितने औरतें ही पैदा करती हैं काजी जोजी का घर पहुंच गया औरत ने खाने वगैरह का इंतज़ाम किया काजी जब उस औरत से खुशी खुशी बातें कर रहा था तो जोजी आ पहुंचा काजी को भागने की कोई जगह ना मिली तो वहां एक संदूक था उसमें घुस कर बैठ गया जोजी ने अंदर आकर बेवी से झगड़ना शुरू कर दिया कि मैंने तुझ पर हर चीज़ कुर्बान कर दी है और मुझे एक शख्स ने बताया है कि तूने काजी से मेरी शिकायत की है मैं तेरी हरकतों से खामोशी इख्तियार करता हूँ और तू हमेशा जुबान दराजी करती है अगर मैं मुफलिस हूं तो खुदा ने मुझे, मुझे मुफलिस बनाया है घर में इस संदूक के अलावा और क्या है लोग मुझे तोहमतें लगाते हैं कि इसमें बहुत मालोजार है ये ऊपर से तो अच्छा है लेकिन अंदर से खाली है इस संदूक की वजह से मुझे कोई सदका खैरात भी नहीं देता उसने संदूक को हर तरफ से रस्सी से बांध दिया कि मैं उसे सुबह बेच दूंगा उसकी हालत वही है जो एक मक्कार पीर की होती है बाहर से खूबसूरत अंदर से खाली जो ही सुबह ही एक मजदूर को बुला लाया ताकि संदूक को बेचने के लिए ले जाए वो संदूक लेकर चला तो काजी उसे अंदर से आवाजें देने लगा मजदूर हैरान होकर हर तरफ देखने लगा आवाज कहां से आ रही है देर के बाद वो समझा कि कोई संदूक में है और पुकार रहा है आशिक भी इसी तरह बजहर बाहर होता है लेकिन दरअसल इश्क के संदूक में बंद है उसको दुनिया की खबर नहीं होती सारी उम्र गमों के संदूक में गुजरती है जो शख्स भी जमीन की चीजों का दिलदादा हो उसका यही हाल है वो फिक्रों के किसी ना किसी संदूक में बंद है मरते वक्त गोया एक संदूक से कबर के संदूक में मुंतकिल हुआ आखिरकार काजी ने मजदूर से कहा कि दौड़कर मेरी खबर मेरे नायब को कर ताकि वो ये संदूक खरीद ले और बंद का बंद मेरे घर ले जाए और मेरी इज्जत बच जाए अल्लाह अपने नेक बंदों को हमारी तरफ मतवजो कर दे ताकि वो हमें भी इसी तरह खरीद लें वो खरीदार रसूल और अंबिया हैं और उनके वारिसमत लाल हिम अहल दुनिया संदूक में बंद है लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास है जिसको एहसास है उसकी पहचान यह है कि वो दुनिया की राहतों से घबराता है और आलिम आखिरत की फराखी का ख्वाहा है मोमिन का असल वतन चूंकि आलिम आखिरत है इसलिए वो इस आलम को पहचान लेता है इसलिए हजूर सल्लाम ने फरमाया फरमायािकमत और दनाई मोमिन की गुमशुदा चीज है वो जहां भी उसे देखता है पहचान लेता है कि यह चीज़ तो मेरी है इस दुनिया के पिंजरे में कोई ऐसा सुराख भी नहीं है कि इंसान उसमें से बुलंदी की तरफ देख सके कुरान में इन्हीं बेसुराख के पिंजरे में फंसे हुए लोगों के लिए फरमाया गया है कि अगर हो सके कि तुम आसमानों और जमीन से निकल सको तो गुजर जाओ कुरान ने उन लोगों के बारे में फरमाया अगर उनके लिए गुजरने का कोई रास्ता है तो वह सिर्फ वही इलाही और ताकत के जरिए उनको हासिल हो सकता है ये दुनियादारी आसमानी नहीं बल्कि दुनिया का संदूक है ये दुनिया की लज्जतों में मस्त है जिसकी वजह से ये भी नहीं समझता कि वो संदूक में बंद है अगर वो दुनियावी संदूक में बंद ना होता और उन पर फरीफता ना होता तो काजी की तरह उनसे निकलने की कोशिश करता जो ये समझता है कि वो दुनिया के संदूक में बंद है वो हर वक्त आहें भरता है वो जोजी के संदूक में बंद काजी की तरह लरसता है काजी के कहने से मजदूर ने उसके नायब को बुला भेजा कि फौरन आए और संदूक को खरीद ले काजी के मुतलकिन उसकी बात सुनकर हैरान रह गए इधर जोजी ने ऐलान कर दिया कि मैं चुराहे पर इस संदूक को जलाता हूं शोर से वहां मजमा जमा हो गया जिल्द शशुम हिकायत नंबर छियासी काजी के नाइब काना और संदूक खरीदना फौरन काजी का नायब चुराहे पर पहुंच गया उसने जोजी से संदूक खरीदने की बात की उसने एक हजार अशरफियां तलब की नायब बोला शर्म करो कुछ सही कीमत मांगो वो बोला ये नहायत आला संदूक है कहो तो खोल कर दिखा दू नायब ने घबरा कर कहा नहीं खोलने की जरूरत नहीं है मैं इसको बंद ही खरीद लेता हूं अब तू काजी की पर्दापोशी कर खुदा तेरी पर्दापोशी करेगा याद रखो जब तक अपनी निजात का यकीन न हो किसी गुनाहकार का मजाक ना उड़ाओ तेरी ही तरह दूसरे लोग भी दुनिया के संदूक में बंद हैं जिस तरह तू अपने संदूक में बंद होने पर मजाक को पसंद नहीं करता दूसरों का भी मजाक ना उड़ा जो कुछ इंसान अपने लिए पसंद करे वही दूसरे के लिए भी पसंद करे अल्लाह से किसी का कोई काम पोशीदा नहीं है और वो अक्सर कयामत से पहले भी अमल की जजा दे देता है हर एक उसके अदल के मतहत है तू भला करेगा भला होगा बुरा करेगा बुरा होगा जो जी ने कहा बेशक मैंने काजी के साथ जुल्म किया है लेकिन बुराई की तो काजी ने की कि मेरी बीवी पर बुरा इरादा किया वो मुझसे बड़ा जालिम है नायब बोला दूसरों को अपने से बड़ा जालिम करार देना कुछ अच्छी बात नहीं है हम सब बुरे हैं लेकिन दूसरों को बुरा और अपने आप को बेकसूर समझते हैं याद रखो हम सब दुनिया के संदूक में कैद हैं और अहलुल्ला उसे खरीद रहे हैं ताकि हम रहा हो जाएं। सब लोग गमों और फिक्रों के संदूक में मुक्त हैं हर दुनियावी मतलूब एक संदूक है जब तक उन अलायक को तोड़कर आजाद ना होके हयात तय्यबा नसीब नहीं हो सकती जिल्द शशुम हिकायत नंबर सतासी अलैहि वसल्लम की हदीस मन कुंत मौला फा अली मौला और मुनाफिकों का फरमाने नबी सल्ह वसल्लम पर इतराज हजूर सल्लाम ने फरमाया जिसका मैं मौला और आका हूं अली उसका मौला है नबुवत इंसानी रहनुमाई के लिए है और दुनियावी अलाइक से आज़ादी दिलाती है मोमिनों को उस आज़ादी से खुशी मनानी चाहिए अपने मुरबी का इस तरह शुक्र अदा करो जैसे बाग अपने मुरबी पानी का शुक्र अदा करता है शुक्र महज जुबान से नहीं बल्कि दिल और हाल से अदा करो चमन के पौधे हाल से शुक्रिया अदा करते हैं वो सब खामोश हैं लेकिन पत्ते फूल फल शुक्रिया अदा करते नजर आते हैं मौसम बाहर से उनकी जुबान को गोयाई अदा हो जाती है जैसे हज़रत ईसा सलाम को बचपन ही में हज़रत मरियम सलाम के नूर से हासिल हुई हजरत आदम सलाम को गोयाई अल्लाह के नफ़ रूह से हासिल हुई शुक्र कर इससे नेमत में इजाफा होता है हजूर सल्लाम ने फरमाया जिसने कनात की इज्जत पाई और जिसने लालच किया वो जलील हुआ लेकिन दीनी नेमतों में मामला उल्टा है यहां जो कनाद करता है जलील होता है और जो लालच करता है इज्जत पाता है नफ्स के संदूक से बाहर निकल तेरे मुरबी खरीदार हैं उनकी अताहत कर यही उनका शुक्रिया है जोजी ने कुछ दिन उस रकम से मजे उड़ाए और फिर इफलाज से परेशान होकर औरत से कहा आप फिर काजी को फांस जोजी की बीवी कुछ औरतों को लेकर काजी की कचहरी में पहुंची और एक औरत को अपना तर्जुमान बना लिया ताकि काजी उसकी आवाज़ ना पहचान ले औरत की आवाज़ एक फितना है लेकिन अगर उसके साथ अदाएं भी शामिल हो तो सौ फितने बन जाती हैं काजी ने इस मरतबा कहा कि शौहर को लाओ काजी जोजी को पहचान न सका इसलिए कि काजी मुलाकात के वक़्त संदूक में बंद था उसने सिर्फ आवाज़ सुनी थी काजी ने जोजी से पूछा कि अपनी औरत को पूरा खर्चा क्यों नहीं देते हो वो बोला मैं शरीयत के अकाम का गुलाम हूं लेकिन इस कदर मुफलिस हूं कि अगर मर जाऊं तो कफन भी नहीं है उसकी बातों से काजी ने जोजी को पहचान लिया वो बोला गुजश्ता साल तूने मेरे साथ मक्कारी की थी मैं तो बच गया अब किसी और को फांस आरिफ शश और पाँच से फारिग होता है पंच से मुराद पांच हवास हैं और छह से मुराद छह जिहते हैं आरिफ का इदराक पांचों हवासों और छह अतराफ से बाला होता है अब उसको अलवी लूम हासिल हो जाते हैं अगर वो भी दुनिया के छः गोशे वाले कुएं में होता तो दूसरों को कुएं से कैसे बाहर निकालता मुरीदों को दुनिया के कुएं से निकालने वाला शेख दुनिया से बला होता है सिर्फ उसका जिस्म दुनिया के उस कुएं में डोल की तरह आता जाता है मुरीद उसके इस जिस्म के साथ वाबस्ता होकर दुनिया के कुएं से निजात पाकर हजरत यूसुफ यूसुफ्लाम की तरह शाह मिस्र बनते हैं दुनियादारों के डोल तो दुनिया हासिल करते हैं आरिफ के लिए डोल वगैरह की मिसालें बिल्कुल नाकिस हैं उसकी मिसाल कायनात में कोई नहीं है वो ऐसा तीर होता है जिसमें सैकड़ों तीर कमान पोशीदा होते हैं आरिफ खुदा से वहादत रखता है और लोगों के लिए आयजमाइश है कि लोग महज उसके जिसम को देखकर शैतानी नजर इख्तियार करते हैं और देखते नहीं कि उसकी रूह एक आफताब है जो जिसम के जर्रे में पोशीदा है जमीन उस आफताब की ताब नहीं ला सकती जब उस रूह की वसत का जिहाल है और उसकी अजमत इस कदर बुलंद है तो वो उस जिसम के लायक कहाँ है वो जिस्म जो रूह का घर बना हुआ है रूह का उसमें थोड़ी देर का कयाम काफी है समंदर जैसी रूह मुश्क के जिस्म में कब ठहर सकती है रूह बे मंजिला हजारों जब्राइल सलाम के है और जिस्म एक बशर है रूह मसीह है और जिस्म खर है शैतान महज जिस्म को देखकर गलती में मुब्तिला हो गया मौलाना रू रहमतल्ल फरमाते हैं कि ए शैतान आँख मल कर देख ये महज जिस्म नहीं है जल्द शशुम हकायत नंबर अठासी शहजादे का किस्सा उसकी शाह के दरबार से वाबस्त गई शहजादा शाह के सामने आया तो हैरान था जो अश्कालत शहजादे के जहन में आते थे वो जुबान से तो बयान न करता था लेकिन शाह और उसका रूही मुकालमा होता था उसके जहन में यह सवाल पैदा हुआ जबकि सब फजाइल और खवास रूह के हैं तो जिसम के साथ उसका ताल्लुक क्यों किया गया है रूह कामिल को सूरत से इसलिए वाबस्ता किया गया है कि सूरत इख्तियार करके तेरे अंदर वो फैज पहुंचाए कि तू सूरत से बेजार हो जाए उसका ये फैज़ रूह मुजरद से तू हासिल न कर सकता था तो गोया उसकी मिसाल यह हुई कि एक खुफता यानी सूरत ने तुझे खुफता को बेदार कर दिया कि तू सूरत से बेजार हो जा और तू हो गया इस रूह से जबकि वो सूरत में है कलाम सादिर होता है जो तुझे उस कलाम से बाज रखता है जो मकसूद से माने हो जिसमानी बीमारियों को अल्लाह ताला गुनाहों की बीमारियों की दवा बना देता है या रूह कामिल के जिस्म में जब इश्क की बीमारी तारी हो जाती है तो उसके आसार को देख लोग अपनी इसलाह करते हैं हमने इश्क को बीमारी कहा है लेकिन ये ऐसी बीमारी है जो सेहत की जान है और उसकी तकालीफ रायतों के लिए बायस हसरत हैं जो सेहत से मकसूद होती हैं अब इस जान का पीछा छोड़ दे अगर तू बिल्कुल रूह को नहीं छोड़ना चाहता तो जैसा काजी ने कहा कोई और रूह तलाश कर ले शाहिचीन उस शहजादे को नवाजता था लेकिन इश्क उसको गुला रहा था जिनको हकीकी इश्क है वो जितने गुलते हैं उतने ही ताज़ा रूह होते हैं दूसरे बीमार दवा तलाश करते हैं मरीज इश्क इश्क के बढ़ने की तमन्ना करता है इश्क अगरचे जहर है लेकिन उसकी मिठास सबसे बड़ी हुई है ये मर्ज है लेकिन हर सेहत से बेहतर है इश्क में साल हा बंजिल एक साथ के हैं एक अरसा तक शहजादा बादशाह के पास रहा कि दिल कबाब था और जान कुर्बान करने की फिक्र में था जिन लोगों ने बादशाह की लड़की की तमन्ना की उनका एक बार सर कटा मैं हर वक्त बार बार कुर्बान हो रहा हूं इश्क में दो पांव और एक सर नहीं बल्कि हजारों पाओ और सर चाहिए इसलिए आवाम इस इश्क से महरूम है इश्क हकीकी का हंगामा रोज बरोज तेज होता है और लामहदूद है चूंकि उसका ममा ला मकानी है और गैर फानी है और उसकी आग के सामने दोज की गर्मी भी हेच है इसलिए ये हर एक का हिस्सा नहीं जल्द शशुम हिकायत नंबर नवासी दोजख सरात के नीचे है वो कहती है कि अ मोमिन जल्द गुजर जा कहीं मेरी आग ना बुझा देना मोमिन में चूंके इश्क की गर्मी है जिसे जख बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिए कहती है कि मेरे ऊपर से जल्द गुजर जा जख की आग को भड़काने वाली आग कुफर है ईमान से कुफर हमेशा मुजमहल हो जाता है तो अपने अंदर से इस माधे को जल्द अज जल्द दूर कर दे और अपनी मस्ती को किसी साहब इश्को मारिफत के सुपुर्द कर दे ताकि उसमें वो मादा ही न रहे जिसे दोजक की आग पकड़ सके कल्ब मोमिन जाते जुदाबंदी का मजहर अतम है इसलिए जन्नत भी उसके सामने कम मरतबा है अदना आला के सामने शर्माता है इसलिए जन्नत भी नूरे मोमिन से घबराती है जल्द शशुम हिकायत नंबर नफ़े बड़े भाई का मर जाना और दरमियाने का शाह चीन की सोहबत इख्तियार करना बड़े भाई की उम्र इसी हालत में ख़त्म हो गई और वसल की कोई तदबीर ना हो सकी एक मुद्दत तक इजहार इश्क से डरता रहा और वसल के बगैर ही इस दुनिया से रुख्सत हो गया अब मशूक जो कि मजहर था वो उसकी नजरों से गायब हो गया और जो उस मजहर में जाहिर था यानि उसने खुदावंदी उससे जा मिला अब वो मजाज में हकीकत देखने की बजाय बिला किसी हिजाब के हकीकत से हम करार हो गया अब वो ये कह रहा था कि मैं जिसम से उरिया हो गया और जिस उस शहजादी के ख्याल से उरियां हो गया और अब मैं हकीकत के वसल की तरफ जा रहा हूँ वसले खुदाबंदी की बातें यहाँ तक तो की जा सकती हैं इससे आगे के अहवाल महज ओकी हैं और जोकी चीज़ें गुफ्तु में बयान नहीं की जा सकती इसकी मिसाल यूं समझ लो कि घोड़े की सवारी दरिया के किनारे तक काम देती है फिर वो बेकार है कश्ती वगैरह की जरूरत पड़ेगी अहले काल को हाल नहीं समझाया जा सकता इसको सिर्फ अहले हाल ही समझ सकते हैं जिस तरह कश्ती खुश्की में काम नहीं दे सकती गुफ्तगु से खामोशी अहले हाल के लिए गुफ्तगु है अगर तू अहले काल में से है तो गुफ्तु से खामोशी से मलूल होगा लेकिन अहले हाल के लिए वो इश्क के नारे हैं तो उनकी खामोशी को खामोशी समझता है साहिब हाल कहता है कि तेरे कान नहीं है कि तू इस गुफ्तु को समझ सके साहिब जौक कहता है कि मैं तो इश्क के नारों से बहरा हुआ जा रहा हूँ और ये बेखबर हैं दुनियादार तेज़ कान वाले इश्क के नारों से बहरे होते हैं मिसाल है कि एक शख्स ख्वाब में नारे लगाता है और कुछ बातें करता है दूसरा शख्स जो उसके पहलू में बैठा हुआ है उससे बेखबर है तो ये शख्स अगर जाग रहा है लेकिन सोया हुआ भी है यह हाल तो अहले का था अब जो फना और इस की हालत में है उनका जौक भी फना हो चुका है अब वो खुद मछली है उसे कश्ती की भी जरूरत नहीं है ये साहेब मुशाहिदा ना साहिब जौक की तरह खामोश है और ना बोलता है ये एक नादर शख्सियत है उसकी कैफियत का पूरा बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है उनकी हालत की तशरीह करने के लिए शरीयत का अदब माने है छोटा शहजादा अपने बड़े भाई के जनाजे पर ना आ सका क्योंकि वो बीमार था सिर्फ मंजला आया शाह ने उसे जान लिया फिर भी तारफ करवाने वाले ने कहा कि ये भी उसी बाप का बेटा है और मरने वाले से छोटा है शाह की तवज्जो से उसकी कल कैफियत बदली और कल्ब में जिंदगी महसूस होने लगी उसने अपने दिल में इश्क इलाही का ऐसा जोश व खरोश देखा जो सूफी को सौ चिल्लों में भी हासिल नहीं हो सकता इनकासे नूर से सब आल रोशन हो गया और उसमें वारदात और मुआरिफ मुनक होने लगे और हर चीज मजहर सिफात कमाल नजर आने लगी आलिम का जर्रा जर्रा उसके कशफ का जरिया बन गया उसके जरिए मुआरिफ का दरवाज़ा खुलने लगा वो इल्म का दरवाज़ा कभी रोशनदान कभी खुद इल्म बन जाता कभी मकसूद और कभी उसका आला बन जाता आलिम नासूत उसकी नज़र में बेकदर मलूम होता था अब उसके सामने आलिम मलकूत था रूह जेबा जब जिस्मानी लज्जतों से आज़ाद हो जाती है तो ख्वाब जहिदे से या सोहबत शेख से उसे मलकूती इनकशाफ होने लगते हैं शहजादे को शेख की सोहबत से यह दर्जा हासिल हो गया शेह की सोबत से उसे बातनी सुरमा हासिल हो गया उसे जो मानवी चमन हासिल हुआ वो दाएँ भी था जो चमन दिल में उगता है पायदार होता है हम रस्मी अलूम पर इसलिए फरीफता है कि हमने उन उनूम हकीकी का दरवाज़ा अपने ऊपर बंद कर रखा है जिन कुंजियों से उन अलूम के ख़जाने खुलते हैं वो लज्जत दहन की वजह से हमारे हाथ से गिर जाती हैं जब किसी आदमी का पेट भर जाता है तो फिर वह फ्रिज की शहवत का गर्विंदा हो जाता है फिर इंसान की हवस और बढ़ती है तो नानो जन से शहरों के दरपे हो जाता है पहले वो एक सर वाला साम था अब सात सरों वाला अजहा बन जाता है दो सात सरों वाला अजदहा है उसके सात दरवाजे हैं जिनसे जहनुमी दाखिल होंगे हिर इंसान के लिए दाना और दो जाल है उस दोजख के दाना और जाल से दूर हो जा फिर मुआरफ लुद्धनिया तुम पर खुल जाएंगे अगर तू तो खुदा का आशिक नहीं है तो तेरे अलूम पहाड़ की सदाए बाज्त के अलावा कुछ नहीं है तुम में सब कुछ किसी दूसरे का अक्स है तेरा गुस्सा तेरा जोक दूसरों का अक्स है जिस तरह दलाला की खुशी और सपाही का गुस्सा उनका सबब दूसरे लोग होते हैं याद रख इन अक्सी अहवाल पर इक्तफा न कर जब तेरे अंदर हकीकी वस पैदा हो जाए तो तेरी गुफ्तार खुद अपनी होगी और तेरी रफ्तार खुद अपने बालों पर से होगी अलूमे बेबसीरत और अहवाल बेहकीकत का ताल्लुक वही से नहीं है बल्कि वो महज नफसानी चीज़ें हैं सुरह नजम में है कि हजूर सल्ला वसल्लम का कलाम वही से मखूज़ है ख्वाहिश नफ्स से नहीं है हजूर सल्ला वसल्लम के तमाम अलूम वही से मतलक़ हैं जो लोग जिस्मानी हैं और उनका ताल्लुक रूहानी मलायक से नहीं है उनके लिए तह्री और इजतहाद वही के कायम मुकाम हैं इसलिए इजतहादी मसाइल भी नफसानी नहीं है जूर सल्ला वसलम को भी इजाजत थी कि जब वही ना आए तो कयास से काम ले वही ना होते हुए कयास से फायदा उठाना इस तरह है कि अगर बैद के फल नहीं है तो उसके साया से फायदा उठाया जा सकता है जब काबा सामने हो तो सिब्त कबला की तहर्री और अटकल लगाना जायज़ नहीं है अगर बेअटकल और बगैर इश्तहा कोई अमल होगा तो वो भिद्दत है बगैर इजतहाद के काम जबकि होवाए नफ्स है तो ये हवाए नफ्स उसको इसी तरह बर्बाद कर देगी जिस तरह अंसरी हवा ने कौमयाद को बर्बाद कर दिया था अगर इजतहाद से काम लिया है तो फिर हवा उसे इस तरह मुफीद होगी जिस तरह हजरत सुलेमान सलिमानसम के लिए मुफीद थी कौमयाद में तकब्बर की हवा बरी हुई थी जो तबाही का सबब बनी और वह इब्तदा उसको देख खुश हुए फिर उससे तबाह हुए इंसान को तकबर की हवा से बचना चाहिए वरना वो हलाक कर देगी वही शख्स जो तुम्हारी दस्तबोसी करता है गुस्सा के वक्त उसका हाथ गुर्ज बन जाता है सांस के साथ हवा किस उमदगी के साथ हल्क में आती जाती है लेकिन जिस वक्त खुदा चाहता है वो दांत में घुस कर देती है जब इंसान दर्द से बेताब हो जाता है तो रब से वो हवा निकालने की दरख्वास्त करता है जब ये सब चीज़ें अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं तो उसकी तरफ रजू करना चाहिए दर्द का यह फायदा होता है कि रब याद आ जाता है और सख्त दिलों को रुला देता है मर्दा ने खुदा की नसीहत को तो कबूल नहीं किया अब दर्द की वजह से ही उसे याद कर ले हवा दलालत हाल से कहती है कि मैं खुदा की काशिद हूँ कभी बिशारत देती हूँ कभी डराती हूं मैं इंसान की तरह अपने रब से गाफिल नहीं हूं मैं हुक्म की पाबंद हूं हाकिम नहीं बनती अगर तू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह खुदा का मती होता तो मैं तेरी गुलाम होती अब मैं तेरी मलकियत नहीं हूँ चंद दिन के लिए आर्जी तौर पर तेरे पास हूँ हवा अपना अल्लाह ताला की इकायत होना वाजे कर देती है तू चूंकि अल्लाह का बागी है दो चार रोज़ तुझे दुनियावी फ़ायदा पहुंचा रही हूं इन दिनों के बाद कौमयात की तरह तुझे जहन्नुम में धकेल दूंगी उस वक़्त तू कैब पर ईमान लाएगा मगर वो मुफीद नहीं होगा बल्कि बायस हसरत होगा कुरान कहता है अल्लाह ने फरमाया जब उन्होंने हमारी सख्ती देखी तो उनका ईमान लाना उनके लिए मुफीद न था जब अजाब नाजिल होने लगता है तो फिर तोबा और ईमान लाना नाफे नहीं होता अगर इंसान इस हालत में ईमान लाए और सीधा हो जाए कि अजाब गायब था और उसने उसे ना देखा था तो फिर वो खुशामंद है उसे कोई ना सता सकेगा ये मुँह और हल्क की लज्जतें हमारे लिए वबाले जान है दुनिया में हम जो कुछ खाते हैं खाक ही के अज्जा हैं सिर्फ उन पर रंग चढ़े हुए हैं दुनिया की जिस कदर मरकूबात है, दरअसल वो रंगीन और नक्शीन खाक हैं पहले उस मट्टी पर फल और गज़ा का रंग था जब वो जज्व बदन बनी उस पर गोश्त पोस्त का रंग आ गया तो ये गोश्त पोस्त खाक ही तो बनता है जिसम जो खुद खाक है उसकी नशोनुमा हाक ही के जरिए हो रही है मरने के बाद खाक हो जाएगा इंसान खाक कहीं का हो चाहे कोई हो कब्र में सब यकसा मट्टी बन जाते हैं सबका ये अंजाम इबरत के लिए है कि बाकी रहने वाला सिर्फ अल्लाह का ही रंग है जो अमाले सालेहा से चढ़ता है घंटा जो जानवर के गले में बंधा होता है वह जानवर का जुज्व नहीं होता महज एक आरसी चीज होती है जैसे रूह के गले में जिस्म का घंटा नेक अमाल का रंग दायमी और बाकी है इसी तरह बद अमाल का रंग भी दायमी है फिर का जिस्म फना हो गया लेकिन उसकी स्यारुई बाकी है जो सच्चे हैं उनके जिस्म तो फना हो जाएंगे लेकिन उनके अमाल कयामत तक कायम रहेंगे बुराई और बलाई जिस्म की नहीं है बल्कि अमाल की है जो कायम दायम है जिसम का रंगो रूप बेमानी है उसका लालच बच्चों का सा लालच है बच्चे आटे के बने हुए शेर व पर फरीफ्ता हो जाते हैं उनसे कहो कि ये और रोटी एक ही चीज़ है तो तस्लीम नहीं करते हमने भी बच्चों की तरह दामन में मट्टी भर रखी है असल सौदे और दुकान से गाफिल हैं बच्चे की ये नादानी इतनी मुजर नहीं है क्योंकि वो नादान है काबिल अफसोस तो ये नाबालिग पीर हैं कि दौलत जमा करने के दरपेय हैं बच्चों की सोच से नुकसान नहीं होता लेकिन इन बूढ़ों की जहालत तो आफत जान है जब जहालत और हथियार जमा हो जाते हैं तो इंसान फिरौन बन जाता है मुफलिस को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसे गुमराही के असबाब से महफूज फरमाया खुदाई का दावा हमेशा पेट भरा करता है भूखा नहीं करता अगर पेट खाली हो तो शैतान उसमें कैद हो जाता है जब पेट लजीज गज़ाओं से पुर हो तो शैतान का बाजार है जहाँ मकर फरेब की चीज़ें फ़रोख्त होती हैं शैतान ताजरों की हम हमी से इंसान की अकल ख़राब हो जाती है और वो फरेब में आ जाता है अल्लाह की ज़ात पाक है और किसी कभी चीज़ को पैदा करना कभी नहीं है हम बच्चों की तरह इस रंगीन खाक पर लड़ते हैं दुनियादार लोग बच्चा सिफ्त है उनको बुजुर्गों से इख्लाफ नहीं करना चाहिए जो अक़ल के तबार से बच्चा है अगरचे उसकी दाढ़ी और बाल सफेद हों वो बच्चा ही है उसकी हरकतें तिफला ना होंगी इंसान को चाहिए कि शरीयत का पाबंद हो जाए और अपने अमाल को हेज समझ कर डरे और अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखे बच्चों का अमल ये होता है कि तरके अमल करके रहमत की उम्मीद रखते हैं ये दरअसल गुरूर है और धोखा है और अगर कोई अपने अमल को हेज समझ कर अमल तरक कर दे और फिर कहे कि अल्लाह करीम है और बेअमल पर भी फसल कर देता है तो ये खौफ नहीं है बूझ दिली है और तिफलाना हरकत है कोई ये समझे कि मेरे अमल की वक़त क्या है और कोशिश ही को छोड़ दे और कहे अल्लाह ने फरमाया है कि मायूस ना हो इसलिए वो मुझ पर कर्म कर ही देगा वो बच्चा है भाई हकीकत अमल ये है कि अमल के होते हुए अमल को ही समझे और खुदा की रहमत पर भरोसा करे यही अहल मोहब्बत का रास्ता है यानी हमने हाथ पैर मारे हैं लेकिन हमारा अमल हेज है इश्को मोहब्बत के जाम पी रहे हैं लेकिन वो जाम काबिल नहीं है वहाँ हर चीज़ रूहानी दरकार है जिसमें कोई शाइबा रिया या शिरक का ना हो कर्ज़ के अमाल ज़रूरी हैं और उनकी तासीर, रहमत और जज्बे हक पर मौकूफ है अमाल का खुलासा सुलूक है और रहमत का नतीजा जज्बे हक है हमारे अमाल जिसमी साया की तरह हैं और उनके मानी यानी नीयत या रूहानी आकाम सूरज की तरह है बेसाया नूर सूरज से तब पड़ता है जब फना का दर्जा हासिल हो जाए उस वक़्त औसाफे बशरी की ईंटें मफकूद हो जाती हैं तो फिर नूर के लिए ईंटों का साया माने नहीं होता ईंट उखाड़ने से अगर रोशनी आती है तो ईंट हा कितनी ही कीमती हो उखाड़ देनी चाहिए तजल्ली के वक्त कोहे तूर ने अपने आप को रेजा रेजा कर दिया था ताकि तजल्ली उसके अंदर पहुंच सके भूखे के हाथ पर जब रोटी लगती है तो शवको हिरसे से मुंह फाड़ता है हमारा जिसम साया का सबब है और सूरज के नूर की राह में रुकावट है जिसम और आलम नासूत नाबालग दुनियादारों का गहवारा है और गहवारा बालियों के लिए तंग जगह होती है नाबालिग बच्चों के लिए नासूती मुनाफा दूध की तरह है इन बच्चों के गहवारों से घर में तंगी हो रही है अल्लाह इनको जल्द बालिग कर दे और बालिक फैल कर अपना काम कर सकें जल्द शशुम हिकायत नंबर इक्नवे शहजादे में सरकशी का पैदा होना और शाह का उस पर करम उस शहजादे के शाह के फयूज और बरकात से अपने कमाल का शुबा हो गया और खयाल करने लगा कि अब मुझे शाह की खिदमत में मजीद ताबेदारी की क्या जरूरत है इस वसवसे और ख्याल का यह नतीजा हुआ कि उससे सब बरकात छिन गई शहजादा चूंकि शाह की मजलिस में रहकर रूहानी गिज़ा हासिल कर रहा था उसकी रूह को एक मुकर खुराक रोजाना शाह से हासिल होती थी वो गिज़ा मलाइका की गिज़ा होती है दुनियादारों की नहीं शहजादे ने अपने अंदर एक बेनियाजी देखी जिसने बढ़कर सरकशी की कफ़ीयत पैदा कर दी उसने समझा कि मैं अब बा कमाल हूं किसी और के हाथ में अपनी बाघ डोर क्यों दू जब मेरा कल्ब खुद मनवर हो गया है तो दूसरे नूर का क्यों ताब्या रहो जब मुझ में बात नहीं इमराज नहीं रहे तो शाह के पास क्यों जाऊं जब ये बात पैदा हुई तो लाखों बकवास बकने लगा उसके इस ख्याल से शाह का दिल दुखा उसने कहा ए बदतमीज मेरी अता की ये सजा दे रहे हो मैंने तेरी बगल में एक चांद रख दिया जो कयामत तक गुरूब ना हो उस नूर की बख्शिश के बदले में तूने खाक फेंकी शाह को इस बात पर गैरत आई कि इस कदर एहसान के बावजूद ये शहजादा सरकशी कर रहा है याद रखो जो शख्स राह तरीकत में तकबर करता है वह हकीकत से खाली हो जाता है ये वो तबाही है कि दुश्मन को भी नसीब ना हो शराब को हराम इसलिए किया गया कि इसको पीकर इंसान खुदबीन बन जाता है अदावत का सबब अमूमन खुदबीनी है जो शख्स अपनी खुदी के होते हुए अनानियत की शराब पीता है तो खुदबीन और मरदूत हो जाता है जो शख्स माइत हक़ के साथ अनानियत की शराब पिए वो हलाल है जैसा कि अहलुल्ला माइत हक के साथ शराह पीने वाला ये कहता है कि मैं जब आंख खोलता हूं तो अल्लाह की तजल्लियात नजर आती हैं उसके बाद मैं बिल्कुल फानी होता हूं मेरी अनानियत बिल्कुल महव हो जाती है अगर तू ये मुकाम हासिल करना चाहता है तो अपने दिलोजान की कैद से आज़ाद हो जा अपना सब कुछ महबूब के सुपुर्द कर दे तब मुशाहिदा होगा अपने नफ से मगलूब ना हो और लज्जतों से उसे महरूम कर दे खुदबीनी की मस्ती जिस चीज से भी पैदा हो खा वो हलाल हो या हराम उसको तर्क कर दे हर चीज से कुछ ना कुछ मस्ती पैदा होती है देखो हजरत आदम की मस्ती गेहूं से पैदा हुई और उसी ने उनको नावाकिफ बना दिया और धोखा खा गए ये खाने के बाद हजरत आदम का लिबास उनसे जुदा हो गया और वो जन्नत से महरूम हो गए अब शहजादे को महसूस हुआ कि खुद बीनी की शराब ने उसे मरीज बना दिया है माँ व मन के जहर ने अपना काम कर दिया वो अपनी हालत पर रोया के ए नफ्स तूने मुझे बड़ा धोखा दिया गेहूं के लालच में जाल में फंसा दिया अब इस बेड़ी की वजह से अपने मालिक तक सफर नहीं कर सकूंगा यह नोहा कर रहा था कि मैंने बादशाह की मुखालफत का क्यों ख्याल किया उसने तोबा की और दर्द में मुब्तला हुआ जो ईमान की बहशियत से पैदा होता है मुसीबत में फंसा हुआ इंसान बेहतर है कि उसे मालिक याद रहे उस अमन से जो उसे बेफिक्र सरकश बना दे जिल्द शशुम हकायत नंबर बानवे अल्लाह ताला का इसराइल सलाम से खिताब कि उसे किसी की रूह कब्ज करते वक्त रहम आया अल्लाह ने इसराइल अलैहिस्सलाम से पूछा सबसे ज्यादा तुझे किसकी जान लेने में रहम आया उसने कहा उस वक़्त जब एक बच्चा और उसकी माँ की समंदर की एक लहर ने खुशकी पर डाल दिया तो मैं खुश था कि ये दोनों अब बच गए लेकिन आपका हुक्म हुआ कि बच्चे की माँ की रूह कबज कर लो मैंने बच्चे को माँ से महरूम किया तो आपको इल्म है कि मुझ पर यह काम किस कदर भारी था मेरे दिल में दर्द की इंतहा न थी और उसका गम दिल से जुदा ना होता था अल्लाह तला ने फरमाया फिर मैंने मौज को हुक्म दिया कि उस बच्चे को एक ऐसी जाड़ी में फेंक दे जो फूलों से भरी हुई हो उसमें सायादार दरख्त हों जिन पर लजीज फल लगे हों वहां मीठे पानी के चश्मे हों इस तरह मैंने उस बच्चे को सौ नाजों से पाला उस जाड़ी में परिंदे जो खुश आवाज थे बच्चे का दिल बहलाने के लिए अपनी बोलियां बोलते सियोती के पत्तों से मैंने उसका बिस्तर तैयार कर दिया सूरज से कह दिया कि उसे तकलीफ ना पहुंचे उसके लिए हर चीज को इतदाल में रहने का हुक्म दे दिया जिल्द शशुम हिकायत नंबर तिरानवे शेख शिबान राय रहमत की करामत जिस तरह हवा को हुक्म हुआ कि बच्चे की खबरगिरी करे इसी तरह एक नबी और वली के बारे में हुआ और बेड़िये को हुक्म दे दिया कि वो नुकसान न पहुंचाए ये बुजुर्ग बकरियां चराया करते थे और जुमा की नमाज के लिए जब शहर को जाते तो अपनी बकरियों के गर्द हिसार के लिए एक लकीर खींच देते कोई बकरी उससे बाहर न निकलती थी और कोई भेड़िया उसमें दाखिल ना होता था हजरत अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों को इकट्ठा किया और एक हिसार खींच दिया आंधी का तूफान उसमें दाखिल ना होता काफिरों के हाथ पांव उस हवा से कट कट कर गिरते थे और आंधी उनको फजा में उड़ा कर ले जाती थी उनको पहाड़ों पर पटक कर और आपस में टकरा कर पाश पाश कर रही थी अगर हवा के काम महज उसकी तबीयत से सादिर होते हैं तो उसे कह दो कि ज़रा हज़रत हूद सलाम के खेन्चे हुए हिसार का तो चक्कर लगाए अगर बेड़िए फाड़ना उसका अपना फेल होता तो उसे कहो कि हज़रत शिबान राय रहमत के हिसार में दाखिल हो और बकरी पकड़ ले वो फलसफी जो तबियात का माहिर है और अशिया में महज तभी खबास मानता है उसे कहो किल्म तबियात से ऊपर एक और आलम है जो उसमें मौसर है जिसको कुरान बता रहा है कुरान में हजरत हूद्लाम का किस्सा मौजूद है तू अपनी इज्ज पर हैरान है और उसकी वजह नहीं समझ रहा तू समझ ले के असल इज्ज कयामत के दिन जाहिर होगा इंसानों का इज्ज तो आगे आने वाला है कयामत के दिन हर चीज का इज्जर हो जाएगा ज़ महमूद यह है कि इंसान अपनी कुदरत और इरादा को बिल्कुल फना कर दे और हक ताला की रज़ा के ताबे बन जाए ऐसे लोग जो इस इजस और हैरत को अपनी गज़ा बना लेते हैं वो काबिल मुबारकबाद हैं वो आराम से अल्लाह के साये में सोते हैं उन्होंने शुरू ही में अपने इज्ज को महसूस कर लिया और अपनी कुदरत और इरादा से मुर्दा हो गए हदीस में है कि बूढ़ी औरतों का सद्दीन इख्तियार करो कि उनमें ताबेदारी और इतकाद ज्यादा होता है जैसे बूढ़ी जुलेखा ने जवानी की राह पाली जिंदगी मर जाने और मुजाहिदे में से है जिल्द शशुम हिकायत नंबर चुरानवे नमरूद की परवरिश का किस्सा वो हर तरह की आजार से महफूज रहा और एक चीते की मादा उसको अपना दूध पिलाती रही और इस तरह जवान हो गया अल्लाह ने उसे हर तरह से पाला दूध छुड़ाया गया तो उसकी परवरिश इस तरह से की के बयान से बाहर है अल्लाह कहता है कि मेरे अजीब तसरतफ़ात हैं मैंने कीड़ों के लिए जो हज़रत अजूब आसमाम के जिस्म में पड़ गए थे और वहाँ से गिज़ा हासिल करते थे उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी थी कि अगर कोई कीड़ा उनके बदन से गिर पड़ता था तो उसको उठाकर फिर बदन पर बिठा लेते थे कीड़े उनसे ऐसे मानूस थे जैसे बच्चा बाप से होता है माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत की अजीब शमा रोशन की है अल्लाह ने कहा उस बच्चे पर मैंने बिला वास्ता गज़ाएँ पेश की जिनमें इसबाब का कोई दखल न था हमने नमरूद की बगैर इसबाब के इसलिए परवरिश की ताकि वो उसब अख्तियार करने से परेशान ना हो इसलिए के सबब कभी मुसब्बब का जरिया नहीं बनता और वो सबब को छोड़कर बराए रास्त हमसे मदद हासिल करे वो ये उजर कर सकता था कि इसबाब की तरफ तवज्जो से मैं आपसे गाफिल हो गया था इस उजर को भी ख़त्म कर दिया गया कि वो ये ना कह सके कि फ़लां यार ने मुझे गुमराह कर दिया था लेकिन उसने इस सब का शुक्रिया इस तरह अदा किया कि हमारे नबी हज़रत इब्राहिम को आग में डाल दिया उस नमरूद की यही हालत थी जो उस शहजादे की थी जिसने शाह के शुक्र की बजाय तकब्पुर इख्तियार किया इसलिए वह शाह की इनायतों से महरूम हो गया नमरूद ने भी सब मेहरबानियों को पांव तर रौंदा था उसने खुदाई का दावा कर दिया और आसमान की तरफ मुझसे जंग के लिए चला क्योंकि किसी नजूमी ने उसे बता दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत ख़त्म कर देगा उसने लाखों बच्चे कत्ल करवा दिए कि कहीं उनमें वो बच्चा ना हो उसने उन बच्चों को बेकसूर कत्ल कराया तमाम नेमतें और सल्तनतें उसको बरह रास्त हमसे मिली थीं माँ बाप के जरिए जिनको नेमत मिली हैं वो तो ये समझ सकते हैं कि ये हमें माँ बाप ने दी माँ बाप बेशक ज़ाहरी गुमराही का सबब बनते हैं लेकिन दरअसल गुमराही का सबब इंसान का अपना नफ्स है जो इंसान को अपनी बुराइयां नहीं देखने देता उस कुत्ते के गले में मुजाहिदों की जंजीर डाल दो ताकि हद से न गुजर सके अगर कुत्ते को सुधार भी लिया जाए तो फिर भी वो कुत्ता ही है नफ्स को काबू रखने के लिए महज मुजाहिदा ही काफी नहीं है बल्कि शेख की सोबत के फर्ज की बजा आवरी जरूरी है तू उसके तवाफ करता रह ताकि उससे फैज हासिल कर सके शेह की सोबत से तू नर्म होकर दोस्त के पाव का मौजा बन जाएगा कुरान में नफ्स की शिबासतों और उनकी वजह से अंजाम बद के किस्से मौजूद हैं मसलन आद का किस्सा जल्द शशुम हिकायत नंबर पचानवे शहजादे के किस्से की तरफ रुजू नफ्स की खबासत दुनिया में भी आग लगा देती है शहजादा नफ्स की नहुसत से एक साल बाद मर गया शाह जब सुकर से सहब की तरफ वापस आया तो उसे महसूस हुआ शहजादा मेरे गुस्से की वजह से फौत हुआ है नबी और वली का गुस्सा अल्लाह ताला के गुस्से का सबब बन जाता है अल्लाह अपने दोस्तों का बदला लेता है शाह का गुस्सा अल्लाह का गुस्सा बना शाह ने जब अल्लाह के गुस्से की कैफियत दूर होती देखी तो अल्लाह की तरफ रुजू किया और गुस्सा फ़रोह होने का सबब दरिया किया हक ने आगाह किया कि चूंकि बदला ले लिया गया है इसलिए गुस्सा फरोह हो गया उसे हमने तेरे गुस्से की वजह से फना कर दिया शाह ने उसको माफ किया और उसने रोना शुरू कर दिया इसलिए कि अगरचे वो उसकी मौत का सबब बना लेकिन उसका वली और सरपरस्त भी तो था वो साहिब तसरु भी था और वलियो मुरबी भी था कमाल जब है कि ये दोनों सिफते हों अगर तसरु की ताकत हो और उसमें विलायत ना हो तो कमाल नहीं है वह शहजादा का शुक्र कर रहा था कि उसकी गलती की सजा सिर्फ जिसम ने बुख रूह और ईमान महफूज रहा जिसम तो वैसे भी फानी चीज थी अगर रूह मर जाती तो तबाही थी गुस्सा जिसम पर पड़ा और रूह रूहे आजम से जा मिली तीसरा शहजादा अपने दोनों बड़े भाइयों की तरह जल्दबाजना था उसने ना बड़े भाई की तरह वसल में जल्दबाजी की और ना मंजले की तरह कमाल के दावे में जल्दी बरती उसने तहमुल से दुखतर सल्तनत और खिलाफत बानी हासिल कर ली और ये सब कुछ जिल्लत और न्याजमंदी से हासिल हुआ कुर्ब और कबूलियत की दौलत उसने अल्लाह से पा ली और ये मरतबा तो सिर्फ अतए खुदावंदी है जल्द शशम हकायत नंबर छियानवे उस शख्स की वसीयत के मेरी मीरास मेरे सबसे काहिल बेटे को दे दी जाए चूंकि तीसरे शहजादे को काहिल कहा गया इसलिए लफज काहिल के बारे में हकीकत यह है कि किसी की काहली महमूद है जो अमूरे दुनिया में हो और किसी की काहली मजमूम है जो उकवा के कामों में हो एक शख्स के तीन बेटे थे उसने मरते वक्त वसीयत की कि मेरा वारिस वो है जो सबसे ज्यादा काहिल हो काजी से ये कहकर वो आदमी मर गया लड़कों ने काजी से कहा कि हम माँ बाप की वसीयत पर अमल करेंगे काजी ने उनसे कहा कि हर एक ने अपने काहिल होने का कोई किस्सा सुनाए ताकि सबसे ज्यादा काहिल का अंदाज़ा लगाया जा सके अहलुल्ला तो अपने तोक्कुल से रोजी हासिल करते हैं और वो इस मामले में सबसे ज्यादा काहिल हैं आवाम की निगाह में चूंकि अल्लाह के तसरफात नहीं वह सुबह और शाम मेहनत करते हैं आरिफ दुनिया के कामों में सुस्त लेकिन आखिरत के कामों में तेज रो होते हैं काजी ने सबसे बड़े से काहली का किस्सा सुनाने को कहा बोलने से इंसान के ऐबो हुनर जाहिर हो जाते हैं तीसरे लड़के के किस्से को इसलिए पूरा बयान नहीं किया गया क्योंकि जुबान चलेगी तो दिल के राज ज़ाहिर होंगे जुबान के पर्दे में लाखों राज छुपे हैं तजुब न कर छोटी सी चीज औकात बड़ी बड़ी चीजों को डांप लेती है आंख पर छोटी उंगली रख दें तो अगर सौ आफताब हों तब भी नजर ना आए जुबान से कशेराज जरूर हो जाता है और झूठ सच पहचान लिया जाता है अगर तू तो दोस्त और हर जाए की खुशबू में इम्तियाज नहीं कर सकता तो तेरे सूंघने वाली कुवत खराब है इसी तरह इंसान नई हांडी खरीदता है तो उसको बजाकर पहचान लेता है कि टूटी है या सालिम पहचान के मामले में लोगों के मुख्तलिफ मरातब हैं एक शख्स ने किसी हमदर्द इंसान से पूछा तू तो किसी को कितनी मुद्दत में पहचान लेता है उसने कहा अगर वो बोले तो फौरन पहचान लेता हूं और अगर ना बोले तो चाल डाल से तीन दिन में वरना किसी तदवीज से उसे बोलने पर मजबूर करूंगा अगर वो किसी तरह भी ना बोले तो छोड़ दूंगा क्योंकि इसमें मेरा क्या नुकसान है जिल्द शशुम हिकायत नंबर सतानवे मसल माँ ने बच्चे से कहा कि अगर तुझे कोई डरावना ख्याल आए या कब्रिस्तान वगैरह में ये ख्याल हो कि कोई खौफनाक चीज गांत में बैठी है तो दिल मजबूत करके उस पर हमला कर देना फौरन भाग जाएगा बच्चे ने कहा अगर उसकी माँ ने भी उसे यही बात समझाई होगी तो वह आकर मेरे गले में चिपट जाएगा जिस तरह तू मुझे समझा रही है उस ख्याल की भी कोई मां होगी जिसने उसे इसी तरह समझाया होगा अगर शैतान के बारे में कोई ऐसा ही सवाल कर बैठे जैसे कि उस बच्चे ने अपनी माँ से किया था कुरान में शैतान के बारे में है शैतान का काबू उन लोगों पर नहीं है जो ईमान लाए और अपने रब पर भरोसा करते हैं यानी ईमान और तवकुल इख्तियार करो तो शैतान तुम पर गालिब ना आएगा अगर किसी ने यह सवाल कर दिया कि अगर शैतान को भी ऐसी ही तालीम दे दी गई हो तो क्या इलाज है तो इसका तो सादा सा जवाब यह है कि ख्याल के बारे में माँ बच्चे ने जो इतमाल निकाला था शैतान के मामले में ये इहतमाल नहीं है इसलिए कि यहां तो समझाने वाली एक ही जात है सवाल करने वाले ने कहा कि अगर वो तदबीर भी काम ना आए तो फिर उसका राज मालूम करने की क्या ज़रूरत है उसने जवाब दिया मैं सब्र से उसके सामने बैठा रहूंगा अब जो ख्याल मेरे कलब पर मुने के सोंगे अगर वो दनीवी ख्याल नहीं हैं तो मैं ये समझूंगा कि ये ख्यालत उसने मेरे दिल में बेचे यानी उसके कल भी ख्याल हैं जब उसके ज़मीर का मेरे दिल पर असर पड़ता है तो मैं उसकी बुजुर्गी का कायल हो जाता हूं और उसका शुक्रगुजार होता हूं मैं समझ लेता हूं कि ये मुबारक कल भी ख्याल उस मुबारक शख्स के दिल से आए हैं इसलिए कि दिल से दिल की तरफ राह होती है अबिल का मजामी का सूरज मेरे दिल के सुराग से ढल गया है और किताब को भी खत्म करता हूं अल्लाह खूब जानता है कि इसकी हिकमतें क्या हैं जल्द शशुम हत नंबर अठानवे मौलाना रूम रहमत अरे के साहबजादे मौलाना बहाल मिलत कुदरा की तरफ से मसनवी का अख्ताम मेरे वालिद जब एक मुद्दत तक मसनवी से खामोश रहे तो मैंने उनसे पूछा कि ऐ जिंदा दिल अब आप किस वजह से बात नहीं कर रहे इलम लुद्धनी का दरवाज़ा आपने क्यों बंद कर दिया शहजादों का किस्सा खत्म नहीं हुआ और तीसरे लड़के की बात का मोती हार में परोने से रह गया उन्होंने यानी मौलाना रूम रहमत ने फरमाया कि अब मेरी गोयाई ऊंट की तरह सो गई है उसकी हशर तक अब किसी से कोई बोलचाल नहीं है तीसरे लड़के का किस्सा बाकी है लेकिन वो अंदर बंद हो गया है बाहर नहीं आ रहा मेरी गोयाई कहती है कि मैंने वो बंद कर लिया है मेरा कूच और नहरे वाहदानियत में कूद जाने का वक़्त आ गया है बजुज उस जात के हर चीज हलाक होने वाली है इस किस्से का बकिया हिस्सा हर उस शख्स के दिल में पहुंच जाएगा जो जिंदा जान रखता है बात खत्म हो गई और उम्र भी उस वक्त की खुशखबरी आ गई है जब मैं जिसम के कैद से छूटूंगा जान के जहान में जोला नहीं करूंगा, इस दुनिया की जरा सी नमी से समंदर में पहुंच जाऊंगा क्योंकि ये जहान नमी से जिंदा है उसने ये नमी उस समंदर से पाई है जबकि जान मट्टी और तरी में जिंदा है तो गौर कर समंदर की दुनिया में कैसी रहेगी इस जहान की नमी को कतरे की तरह समझ और समंदर तो बेअंदाजा है इस जहान की नमी से है जान तू जाना के समंदर में आ जा ताकि तू बका हासिल कर ले यहां जो कुछ है रूह आज़म का असर है तू उस रूह आज़म से इतसाल पैदा करने की इज्जत हासिल कर ताकि वो तुझे उस जगह ले जाए जहाँ वो खुद है खुशकी में समंदर को ढूंढना तुल्लुगव तो है खाक का जुज्व खाकिस्तान की तरफ ले जाता है जान के समंदर की लहर जाना की तरफ ले जाती है जाना के वसल को दिलो जान से तलब कर और बगैर होठ और बगैर के खुदा का नाम ले ताकि तू इस कैद और फानी जहान से निजात पा जाए और हमेशा जान के जहान में रहे तू अपनी उम्र के बच्चों को शोर जमीन में बो रहा है ताकि आखिरकार हलाक हो जाए ऐसी कीमती उम्र को तू बगैर नफा हासिल किए क्यों जाया कर रहा है ऐ काम के आदमी क्या तुझे नुकसान ना होगा कि चमन देकर खारिस्तान लेता है जो उम्र दुनिया में सर्फ हुई ना रही मुबारक है वो जिसे अल्लाह ने अपनी जाने बुला लिया अगर तू गिनी चुनी उम्र ही दे देगा तो वो ला की राह में ला इंतहा हो जाएगी बंदगी में बसर की हुई दस रोजा जिंदगी बेहद हो जाएगी इस बाजार की तिजारत कर ले तू एक कांटे के इवज लाखों फूल ले जा जो एक दाना बोएगा अल्लाह की मेहरबानी से लाखों हासिल कर लेगा शुमार तो वहां होता है जहां आखिर हो और वो जानब बेशुमार है जहां खुदा हो ऐ एलहदा हुए हुए जुज्व अपने कुल की तरफ जा, तरके खुदी और फिना हासिल कर तेरी इस चाहान की गुफ्तु सुलाओ जंग बुलबुले की तरह है और तू तो ठिलिया जैसे जिसम में पानी की रूह है यह नकूश और सूरत इस पानी के ऊपर बुलबुले की तरह हैं या जाग की तरह ताकि तेरा राज बाहर ज़ाहिर हो जाए गर्मी से जाग से और खुशबू से हंडिया में पकने वाली चीज जाहिर हो जाती है इसी तरह इंसान के फेल रूह के मरतबा कुफरो ईमान को और विलायत को जाहिर कर देते हैं अपने रूह के पानी का ताल्लुक रूह आज़म के समंदर से पैदा कर ले वरना एक गड़े में ठहरा हुआ पानी तो बदबूदार हो जाता है हदीस शरीफ में है कि जिसके दो दिनों की हालत यकसा हो वो घाटे में है नफा से महरूम है और शक में गिरफ्तार है उसके खाली थैले में हवा भरी हुई है सौदा नहीं है वो रूहानी तौर पर तंजुल इख्तियार करता रहता है दरिया के साथ ताल्लुक़ ना होने की वजह से उसकी रूह का पानी मुकदर हो जाता है जिसको ईमान का मर्तबा हासिल नहीं वो मरतूदे बारिगा है और जहन्नुम की तरफ जा रहा है उस हालत से पहले तो अल्लाह की जानब रजू कर ले अल्लाह तला की जितनी भी मखलूक है उनसे गुजरकर खालिद की बारगाह में पहुंचा, जैसे हज़रत इब्राहिमसलम ने किया जाते बारी में फना हासिल कर ले वरना शैतान की तरह जुदा रहेगा अब बात खत्म करता हूँ मेरे पास जो मज़ामीन थे वो मैंने अपने पीर भाइयों तक पहुंचा दिए मेरा ये कलाम बारगाह खुदाबंदी की सीढ़ी है जो इसके जरिए ऊपर जाएगा छत पर पहुंच जाएगा आसमान की छत पर ही नहीं बल्कि उस आसमान से भी ऊपर वाली छत पर और जिसके लिए समान गड्ढों की छत से आता है और इसी ख्वाहिश से उसकी हमेशा गर्दिश जारी रहती है दफ्तर शशम खत्म शुद्ध असलकुम पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्ले लिस्ट में जाएं यहां आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें जजाकुल्ला खैर